हाँ गुड मॉर्निंग तो कर रहे हो तैयारी बाकी रिविजन हो रहे हैं तुम्हारे सही हो रहे है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही घर जाके वापस देखते हो उसको अरे तो एक बार तो वापस देख लिया करो पूरे दिन पढ़ते हैं उसके बाद तो कितना टाइम लगता है पूरे दिन एक ही बात पढ़ी हुई है उसी रजिस्टर को वापस रिवाइज करें तो कितना आधा घंटा भी नहीं लगेगा और एक बार आधा घंटे में उसको रिवाइज कर दिया तो फिर बस फिर वो छप जाएगा वो है? पता नहीं क्या कह रहे है।, मेरे है दे नहीं रहा है पर जो भी कह रहे हो अच्छा ही कह रहे होंगे <laughs> चलो तो तो इकोनमी कहां से शुरू करें शुरू से लास्ट से शुरू करें शुरू और लास्ट आएगा तो सभी कहा पेन कि पेन। हाँ तो चलो तुम्हारा तो टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ और शुरू कर देता हूँ इसको कोई कुछ कह रहा है हाँ तो बैंकिंग पढ़ी ली होगी वैसे तुमने हाँ देखो बैंक बैंक जो है वो <laughs> कैसे काम करते हैं बैंक होता है बैंक का मालिक होता है वो लगाता है क्या पूंजी और बैंक के अंदर जो लोग होते हैं जनता है वो क्या करती है डिपॉजिट और बैंक देता है लोन भारत के अंदर पहला बैंक जो है वो कौन सा स्थापित हुआ था बैंक ऑफ हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो भारत का पहला बैंक था भारतीयों के द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था कौन सा बैंक था अवध कमर्शियल बैंक देखो भाई ये जैसे मैं बोलता जाऊंगा तो वैसे वैसे तुम्हारे दिमाग के अंदर वापस रिकॉल करना चाहिए कि भाई ये रिकॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है हाँ ये अपन को याद है हाँ ये अपन को याद जहां याद नहीं आए कह अरे यार ये वाला तो कुछ नया ही आ गया वहां उसको थोड़ा बहुत थोड़ा जो अपनी भाषा के अंदर आप लिख सकते हो वैसा जो उसको नोट कर लेना तो पहले सत्रह के अंदर बैंक ऑफ हिंदुस्तान उसके बाद दूसरा अवध कमर्शियल बैंक हुआ था अट्ठारह सो के अंदर फिर अठारह के अंदर पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक जो है वो क्या है पहला स्वदेशी बैंक था हालांकि ये तीनों ही पूछने के चांसेस बहुत कम है ठीक है उसके बाद में बैंक जो है वो ब्रिटिश काल के अंदर थे एस बी की अगर इतिहास की बात करते हैं तो एस के से पहले तीन प्रेजिडेंसी बैंक हुआ करते थे क्या थे तीन प्रेजिडेंसी बैंक कहां कहां पर थे एक तो बंगाल में था दूसरा बॉम्बे में और तीसरा मद्रास में बंगाल का जो प्रेसिडेंसी बैंक है वो खोला गया 1806 के अंदर 1806 में बंगाल का प्रेसिडेंसी बैंक 1840 में बॉम्बे का और 1843 के अंदर मद्रास का तो 1840, 1806, और 1843 बंगाल बॉम्बे और मद्रास और फिर इन तीनों का क्या कर दिया गया विलय किया गया कब किया गया था 1921 के अंदर और 1921 में इनका विलय करके क्या बना दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया क्या बनाया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बनाया गया और फिर ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका 1955 में 1955 के अंदर इसका आंशिक राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसी से किसकी स्थापना हुई एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आंशिक राष्ट्रीयकरण का क्या मतलब है पार्शली और पार्शियली का मतलब आंशिक राष्ट्रीयकरण का मतलब है इसकी सीधी जो है सरकार इसका इसकी मालिक नहीं बनी इसका मालिक किसको बनाया गया था आरबीआई को और फिर 2008 के अंदर ये जो ओनरशिप है को कर दी गई. 1955 में इसका मालिक जो है कौन था 1955 के अंदर इसका स्वामित्व तो 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 किसको ट्रांसफर किया गया भारत सरकार जो है भारत सरकार को ट्रांसफर कर दिया गया ठीक है इसके बाद में फिर एसबीआई के कुछ थे कुछ सहायक बैंक थे एसबीआई के उस समय ब्रिटिश भारत था सॉरी जो भारत था वो ब्रिटिश भारत और रियासती भारत दो में विभाजित था ब्रिटिश भारत के अंदर तो ये प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे और रियासती रियासती भारत भारत जो था उस रियासती भारत में में रियासतों कुछ बैंक थे जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर था स्टेट बैंक ऑफ जयपुर था स्टेट बैंक ऑफ पटियाला था स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र स्टेट बैंक ऑफ इंदौर स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ

मिलाया गया था है उसको सत्रह के अंदर जो है सबसे बड़ा बैंक और इनके साथ एक और था जिसको कहते थे भारतीय महिला बैंक मतलब ऐसा नहीं था कि उसका काम महिलाओं को ऋण देना हो उसके अंदर जो स्टाफ वगैरह है वो सारे के सारे क्या थी विमेन स्टाफ जो है वो रखा जाता था इसलिए उसको क्या कहते थे महिला बैंक कहते थे तो 2013 में तो शुरू हुआ और 2015 में खत्म होगा महिला स्टाफ जो उनको नहीं मिली और इस वजह से उस बैंक को क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया गया कि अलग से ऐसे बैंक की अपन को आवश्यकता नहीं है ठीक है और हाँ एसबीआई के अंदर कर दिया गया तो थोड़े से समय के लिए महिला बैंक भी रहा और उसका भी एसबीआई के अंदर विलय कर दिया गया उसके बाद में अभी बैंकिंग क्षेत्र के अंदर जिसमें से क्वेश्चन आ सकता है वो है अभी बैंकिंग क्षेत्र का जो विलय चल रहा है भाई अपन पढ़ते हैं कि बैंक जो है वो वैसे और देखा जाए तो शेड्यूल्ड बैंक्स सबसे पहले क्या होते हैं शेड्यूल्ड बैंक सभी बैंकों का बॉस कौन है आरबीआई आरबीआई के पास में दो प्रकार के बैंक हो सकते हैं या तो शेड्यूल्ड होते हैं या नॉन शेड्यूल्ड भी हो सकते हैं शेड्यूल्ड का मतलब तो है आरबीआई एक्ट उन्नीस सौ चौंतीस आरबीआई का अधिनियम है कौन सा उन्नीस सौ आरबीआई एक्ट की दूसरी जो अनुसूची है दूसरा जो शेड्यूल है, 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 है? है और उसको आरबीआई की सभी प्रकार के जो नियम कायदे कानून है वो भी मानने पड़ते हैं ठीक है और इन बैंकों को शेड्यूल बैंक कहते हैं और दो प्रकार के होते हैं शेड्यूल बैंक या तो कमर्शियल बैंक होंगे वाणिज्यिक बैंक होते हैं या फिर कोऑपरेटिव बैंक होते हैं सहकारी बैंक होते हैं ये जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं इसमें एक तो होता है पब्लिक सेक्टर बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकारी बैंक जिनको अपन कहते हैं तो सरकारी बैंकों की संख्या अभी कितनी है बारह टोटल कितने हैं सरकारी बैंक बारह है और इसमें से एक तो है एस और ग्यारह है नेशनलाइज ग्यारह क्या है नेशनलाइज या राष्ट्रीयकृत बैंक जो है वो है और राष्ट्रीयकृत बैंक बने कैसे थे तो उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था मतलब पहले वो निजी क्षेत्र के बैंक होते थे और फिर सरकार ने उनकी जो जो भी उनकी पूंजी थी उस पूंजी पर अधिकार किसने कर लिया सरकार ने कर लिया और सरकार ने कर लिया और इस तरीके से वो क्या बन गए राष्ट्रीयकरण पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया नाइनटीन के अंदर कितने बैंकों का किया गया था चौदह बैंकों चौदह बड़े बैंक जो है उनका राष्ट्रीयकरण बड़े मतलब ऐसे बैंक जिनकी पूंजी पचास करोड़ से ज्यादा की थी कैपिटल किससे ज्यादा थी 50 करोड़ से ज्यादा थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया नाइनटीन के अंदर उसके बाद इंदिरा गांधी वापस आई सत्ता में उन्नीस अस्सी के अंदर अस्सी में और 1980 में में छह बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया और ये जो छह बैंक थे ये कौन से थे जिनकी पूंजी 200 करोड़ से ज्यादा की 200 करोड़ से ज्यादा की पूंजी वाले जो है वो छह बैंकों का और कर दिया राष्ट्रीयकरण तो टोटल वैसे तो 20 हो गए उसके बाद में नाइनटीन में उन्नीस 1993 के अंदर एक बैंक था जिसका नाम था न्यू बैंक ऑफ इंडिया इस न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया, गया। उन्नीस और उसके बाद में भी कुछ और विलय जो है वो किए गए और विलय करके अब वर्तमान के अंदर कितनी हो गई है राष्ट्रीय बैंकों की संख्या ग्यारह राष्ट्रीयकृत बैंक ग्यारह और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक टोटल बारह तो कुल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने बारह कमर्शियल बैंक में दूसरे ऑर्गन से आते हैं प्राइवेट बैंक निजी बैंक भी होते हैं निजी बैंक क्या होते हैं जिनको आरबीआई से क्या करना पड़ता है लाइसेंस लेना पड़ता है अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति निजी बे, निजी अगर निजी व्यक्ति अगर बैंक खोलना चाहता है तो उसको आरबीआई से लाइसेंस की जरूरत होती है और पहले क्या होता था आरबीआई कभी कभी लाइसेंस दिया करती थी कभी कभी जो है आरबीआई से जैसे आरपीएससी जागती है कि कभी कभी जो है फॉर्म निकालती है वैसे ही आरबीआई भी कभी कभी जागती थी और क्या करती थी लाइसेंस जो है वो जारी किया करती थी और लाइसेंस जो है सबसे पहली बार 1993 में दिए गए उसके बाद 2001 में दिए गए और फिर 2013 में दिए गए लाइसेंस के कितने राउंड चलाए गए अभी तक तीन निजी क्षेत्र के बैंकों को तीन राउंड के अंदर लाइसेंस दिए गए पहले राउंड में नाइनटीन के अंदर फिर दो में और फिर दो में 2013 में लाइसेंस देने के लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा गया बिमल जालान विमल जालान आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे और उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी रघुराम राजन जब आरबीआई के गवर्नर थे तो तीन कमेटी जो है वो बनाई गई थी 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 कौन कौन सी थी? पहली विमल जालान कमेटी जो कि बैंकों को लाइसेंस देने के लिए बनाई गई थी दूसरी थी उर्जित पटेल कमेटी जो कि मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए बनाई गई थी और तीसरी थी नचिकेत मोर कमेटी जो कि किसके लिए बनाई गई थी वित्तीय समावेशन किसके लिए बनाई गई थी वित्तीय समावेशन जो फाइनेंशियल इंक्लूजन तो बिमल जालान की एक समिति बना दी बिमल जामा जालान समिति ने कहा कि भाई बैंक किस बैंक किसको लाइसेंस दिया जा सकता है तो ऐसे को लाइसेंस दिया जा सकता है जिसके पास 500 करोड़ का तो क्या हो पूंजी हो पूंजी कितनी चाहिए बैंक खोलने के लिए 500 करोड़ रुपए की पूंजी जो है वो चाहिए 500 करोड़ रुपए की तो पूंजी होनी चाहिए और 10 वर्ष का अनुभव 10 वर्ष का क्या होना चाहिए अनुभव एक्सपीरियंस जो है 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 25 परसेंट ब्रांच कहां खोलनी पड़ेगी ग्राम ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर खोलनी पड़ेगी तो ये तीन मुख्य शर्तें जो है वो रखी गई और उसके बाद दो बैंकों को लाइसेंस दिए गए जो लेटेस्ट प्राइवेट बैंक है जिनको लाइसेंस मिले हुए वो कौन है दो हैं कौन कौन से एक तो एक तो है बंधन बैंक और दूसरा है आईडीएफसी कौन कौन से बैंक है बंधन बैंक और आईडीएफसी निजी क्षेत्र के बैंकों को सबसे पहली बार लाइसेंस 1900, में, में दूसरी बार 2001 में तीसरी बार 2013 में समिति कौन सी बनाई बिमल जालान समिति बिमल जालान समिति ने कहा किसको दिया जा सकता है लाइसेंस 500 करोड़ की पूंजी 10 साल का एक्सपीरियंस और 25 परसेंट ब्रांच कहां खोलनी है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर खोलनी है उनको दिया जा सकता है और लेटेस्ट कौन से है बंधन बैंक और आई ये लेटेस्ट जो है प्राइवेट बैंक है ठीक है और दो से अभी वर्तमान में ऑन लाइसेंसिंग व्यवस्था में फिर 2013 में ऑन टैप लाइसेंस का मतलब होता है कि आप कभी भी लाइसेंस के लिए क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो ऐसे आपको किसी डेट की जरूरत नहीं है जैसे अगर आपको कोई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या पासपोर्ट बनवाना हो तो क्या कर सकते हो कभी भी अप्लाई किया जा सकता है उसके लिए एस इसकी इंतजार नहीं करना पड़ता कि साहब वो फॉर्म निकालेंगे फिर हम फॉर्म भरेंगे फिर कोई एग्जाम होगा ऐसा कोई इंतजार नहीं करना होता बस ऑन टैप का मतलब होता है जब आपके मन में आए तभी क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो आप अप्लाई कर दो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आरबीआई के पास जमा करा लोगे और फिर आरबीआई देखेगी भाई इनको लाइसेंस दिया जाना चाहिए नहीं दिया जाना चाहिए उसके बाद आरबीआई क्या देती है लाइसेंस देती है ऐसे किसको मिलता है प्राइवेट बैंक निजी क्षेत्र के बैंकों को तो हम पढ़ क्या रहे हैं शेड्यूल्ड बैंक्स शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं जो आरबीआई के एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल के अंदर है शेड्यूल बैंक दो प्रकार के होते हैं कमर्शियल बैंक होते हैं और कोऑपरेटिव बैंक होते हैं या तो या सहकारी बैंक होंगे वाणिज्यिक बैंकों में पब्लिक पब्लिक सेक्टर सेक्टर बैंक बैंक टोटल उसमें एक तो एस और ग्यारह राष्ट्रीयकृत बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक में पहली बार राष्ट्रीयकरण उन्नीस सौ में किया गया चौदह बैंकों का जिनकी पूंजी पचास करोड़ से ज्यादा का दूसरी बार उन्नीस सौ

पांच आरआरबी जो है वो ओपन किए गए गोवा और सिक्किम में कोई आरआरबी नहीं खोला गया नाम ही बता रहा है रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तो काम क्या होगा गांव के जो एरिया है उसके अंदर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना गाँव के अंदर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना लोग जो है वो वहां पर जाकर अपना अकाउंट खोले और अकाउंट खोलकर लोगों को ऋण सुविधा वगैरह जो है पहले पैसे जमा कराए और फिर ऋण लेना हो तो वहां से ऋण लिया जा सके तो गाँव के अंदर और फिर गांव के अंदर अगर आप बैंक खोलोगे तो उससे वित्तीय समावेशन बढ़ेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो बढ़ेगा इसकी वजह से इसको जो है वो ओपन किया गया और ये कैसा था एक जॉइंट वेंचर आर क्या होता है जॉइंट वेंचर होता है संयुक्त उपक्रम होता है किस किस का संयुक्त उपक्रम होता है केंद्र सरकार राज्य और और आपका जो कॉमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक होता है ये तीनों का होता है और इनका जो शेयर होल्डिंग है इसका है पचास परसेंट इसका है पंद्रह परसेंट और इसका है पैंतीस परसेंट अभी भी यही है वो सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी कौन सा है यही शेयर होल्डिंग है पचास परसेंट तो किसका है केंद्र सरकार का का राज्य कितना है 15 और कमर्शियल बैंक का कितना है कितना है पैंतीस परसेंट तो पंद्रह पचास पंद्रह और पैंतीस इन तीन मिलकर जो है वो क्या खोलते हैं रीजनल रूरल बैंक खोले जाते हैं पर अब रीजनल रूरल बैंक जो है क्या चल रहे हैं घाटे में एक बार तो इनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी और बढ़कर लगभग दो सौ करीब हो गई थी 96 जो हो गए थे और अब ये क्योंकि घाटे में चल रहे हैं गाँव के अंदर ना तो जमा कराने आते हैं लोग और ना ही इतना ज्यादा ऋण लिया जाता है और सारे के सारे बैंक घाटे में चल रहे हैं इस वजह से अब इनको क्या किया जा रहा है विलय किया जा रहा है अब इनका विलय इस कमर्शियल बैंक जो इनका कमर्शियल बैंक है उसके अंदर इनका विलय किया जा रहा है और इसलिए अब इनकी संख्या क्या हो गई है कम हो गई और कम होकर कितनी हो गई है वर्तमान में थ्री जो है वो आर है हालांकि ये संख्या याद रखने की जरूरत नहीं बस तो ये याद रखो लगभग चालीस के करीब जो है वो है। तो ये होते हैं क्या रीजनल रूरल बैंक तो अपन ने शेड्यूल बैंक पढ़ रहे थे शेड्यूल बैंक शेड्यूल बैंक कमर्शियल बैंक कोपरेटिव बैंक उसमें पहले पब्लिक सेक्टर बैंक दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक तीसरा फॉरेन बैंक और चौथा आरआरबी रीजनल रूरल बैंक इसके अलावा भी होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक भी होते हैं और पेमेंट बैंक भी होते हैं पर वो आगे देखेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक जो है वो क्या होते दूसरा क्या होता है कोऑपरेटिव बैंक दूसरे कौन से हैं कोऑपरेटिव बैंक सहकारी सहकारिता होती क्या है कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल क्या है कोऑपरेटिव का प्रिंसिपल है एक सबके लिए और सब एक के लिए यानी गांव के स्तर पर आप एक कॉपरेटिव सोसाइटी बनाओ उस सोसाइटी के अंदर बहुत सारे क्या होंगे सदस्य होंगे और वो सदस्य मिलकर जो है वो किसी बैंक को चलाएंगे ये सदस्य वहां पैसे भी जमा कराएंगे और वहां से क्या ले सकते हैं ऋण भी ले सकते हैं ठीक है ये तो बेसिक होता है परंतु अब इनके पास में यहां से पैसे जमा भी कराएंगे और साथ में पैसे ले भी सकते हैं परंतु होता क्या है कि भाई ये कॉपरेटिव जो बैंक होते हैं उसमें पैसे जमा कराने वाले लोग इतने ज्यादा नहीं होते और ऋण लेने वालों की संख्या ज्यादा होती है इस वजह से इनको क्या करनी पड़ती है सहयोग भी देना पड़ता है इनको सहयोग देना पड़ता है और इसको चलाएगा कौन बैंक बैंक को को इस कोऑपरेटिव स्टेट को? स्टेट नहीं को नहीं ये खुद चलाएंगे जो सदस्य होते हैं इसीलिए कंट्रोल कैसा होता है डेमोक्रेटिक कंट्रोल होता है इसमें ये जो लोग होते हैं जो भी इसके सदस्य होते हैं कॉपरेटिव सोसाइटी के सोसाइटी के जो सदस्य हैं वो आपस में चुनाव करते हैं और चुनाव करके एक बोर्ड का निर्धारण कर देते हैं

और सहकारिता का अब स्ट्रक्चर कैसा है तो देखो एक तो अपने सहकारिता तो, सहकारी बैंक कॉपरेटिव बैंक जो है वो दो प्रकार के अर्बन कोऑपरेटिव शहरी सहकारी और दूसरा स्टेट कॉपरेटिव एक तो अर्बन कोऑपरेटिव होता है और दूसरा स्टेट कॉपरेटिव होता है स्टेट का जो कॉपरेटिव है स्टेट कॉपरेटिव जो बैंक होते हैं ये इनकी संरचना जो है वो किस प्रकार से ऋण देते हैं वैसे बनती है ऋण दो प्रकार के दिए जा सकते हैं या तो शॉर्ट टर्म का लोन दिया जा सकता है या लॉन्ग टर्म का या तो अल्पकालिक दे सकते हैं या दीर्घकालिक एक तो शॉर्ट टर्म लोन देते हैं और दूसरा लॉन्ग टर्म जो अल्पकालिक ऋण देते हैं उनकी व्यवस्था है त्रिस्तरीय कैसी व्यवस्था है, है? त्रिस्तरीय तीन स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले स्तर पर होते हैं अपेक्स बैंक कौन सा बैंक होता है अपेक्स बैंक जो है वो राज्य स्तर का होता है और राज्य के जितने भी कॉपरेटिव बैंक हैं उन सभी कॉपरेटिव बैंक को कंट्रोल कौन करता है ये अपेक्स बैंक जो है अपेक्स बैंक कंट्रोल करता है अपेक्स बैंक के नीचे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक नाम जरूर केंद्रीय परंतु होता किस लेवल पर है जिले के लेवल ठीक है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक डीसीसीबी जो है उसको कहा जाता है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक ये होता है किसके लेवल पर जिले के लेवल पर जैसे राजस्थान के अंदर एक तो क्या है अपेक्स बैंक यहाँ पे टॉक रोड के ऊपर देखोगे तो एक बड़ा सी बिल्डिंग है वो कौन सी किसकी बैंक बिल्डिंग है वो अपेक्स बैंक और वो राजस्थान के जितने कॉपरेटिव बैंक है उन कॉपरेटिव बैंक का क्या है शीर्ष संस्था है और उसके नीचे हर जिले के अंदर जैसे जयपुर जिले में भी है जोधपुर में भी है अजमेर में भी है भरतपुर में भी है कोटा में भी है सब जगह जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक जो है वो हुआ करता है और उनके नीचे गांव का स्तर है गांव के स्तर पर होती है पैक्स पैक्स का मतलब होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी वो कॉपरेटिव सोसाइटी जो गांव के लेवल पर काम कर रही है तो गांव के लेवल पर काम करती है वो क्या होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी गांव के अंदर जो किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं और उससे गांव में अगर किसी को ऋण चाहिए तो वो किसके पास जाएगा इनके पास जाएगा इनके पास पैसे कहां से आएंगे मैंने अभी बताया इसमें क्या होते हैं मेंबर होंगे सदस्य होंगे सदस्य वैसे होना तो ये चाहिए सदस्य जमा कराए और सदस्य क्या ले ले लोन ले ले पर सदस्यों के पास जमा कराने के लिए इतने पैसे नहीं है नहीं है तो इनको बाहर से सहायता मिलनी चाहिए इनको सहायता कहां से मिलती है यहां से मिलती है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो देता है किसको पैक्स को देता है और इनके पास पैसे कहां से आते हैं इनको देता है अपेक्स बैंक अपेक्स बैंक के पास पैसे कहां से आते हैं इनको देता है नाबार्ड इनको कौन देता है नाबार्ड यानी नाबार्ड इनकी क्या है पुनर्वित्त संस्था है संस्था है पुनर्वित्त रीफाइनेंसिंग एजेंसी रीफाइनेंसिंग क्या होता है जहां पर सीधे आप जाकर ऋण नहीं लेते भाई आपको अगर ऋण लेना है तो आप किसके पास जाओगे इनके पास जा सकते हो इसके पास जा सकते हो पर ना तो इसके पास जा सकते हो ना इसके पास जा सकते हो ये कैसी है रीफाइनेंस का काम करते हैं ये किसी को सीधे लोन नहीं देते ठीक है तो ये इनकी आप जो कॉपरेटिव बैंक है इनकी रीफाइनेंसिंग एजेंसी कौन सी है नाबार्ड जो है वो इनकी रीफाइनेंसिंग एजेंसी दूसरा होता है लॉन्ग टर्म के दीर्घकालिक तो जो दीर्घकालिक ऋण दिए जाते हैं उसके अंदर होते हैं लैंड डेवलपमेंट बैंक भूमि विकास बैंक क्या कहा जाता है भूमि विकास बैंक और ये एक तो जिला एक तो राज्य स्तर पर होते हैं और उसके बाद में जिला स्तर पर राज्य स्तर पर भी भूमि विकास बैंक और जिला स्तर पर भी भूमि विकास बैंक हुआ करते हैं और ये क्या देते हैं ऋण दिया करते हैं कैसे ऋण देते हैं

है नहीं और इनका काम भी अब क्या हो गया काफी ज्यादा सीमित हो गया लेकिन ज्यादा फेमस कौन सा है ये शॉर्ट टर्म वाला जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा फेमस है और ये जो बनते हैं कॉपरेटिव बैंक तो कॉपरेटिव बैंक बनते किससे हैं तो उसको राज्य का क्या होता है एक एक्ट होता है इसकी स्थापना किससे होती है राज्य के एक एक्ट से स्थापना होती है राज्य का एक कॉपरेटिव का कानून होता है सहकारिता का कानून होता है और उस सहकारिता के कानून के माध्यम से इसकी स्थापना की जाती है अब दूसरी बात आती है कि इनका रेगुलेशन कौन करता है नियमन कौन करता है तो इनका नियमन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और आरबीआई भी करती है स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ही करती है क्योंकि पैसों का लेन देन हो रहा है बैंकिंग काम कर रहे हो बैंकिंग काम कर रहे हो तो किसको दिक्कत है आरबीआई को कि भाई बैंकों से किसी के पैसे जो है डूब नहीं जाए और क्या फैन बंद करा दे और फैन तो चलने दो तुम तु थोड़ा उधर बैठ दो अरे ये बहुत इतने सारे लोग हैं तो सफोकेशन ज्यादा हो जाएगा आप थोड़ा आगे आ जाओ इस तरफ आ जाओ बिल्कुल फैन के नीचे बैठो मत हाँ तो एक तो राज्य सरकार और दूसरा आरबीआई राज्य सरकार और आरबीआई जो है दोनों ही इसका रेगुलेशन करते हैं ठीक है पर सिर्फ किसका करेंगे इनका और इनका तो करेगी आरबीआई जो एक गांव के स्तर पर ये जो कॉपरेटिव जो आपकी सोसाइटीज होती है इनका आरबीआई रेगुलेशन नहीं करती क्योंकि गांव गांव जाके तो आरबीआई देख नहीं सकती हर गांव के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे काम कर रही है ठीक है तो इसलिए इस लेवल पर जो है आरबीआई नहीं काम करेगी इस पर सिर्फ कौन करेगा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काम करती है इस पर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करती है और ये दोनों जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों का कार्य जो है वो कार्य है फिर तो एक तो स्टेट हो गया स्टेट कोऑपरेटिव और दूसरे कौन से हैं अर्बन दूसरे कौन से थे अर्बन शहरी शहरी जो कॉपरेटिव होते हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं या तो सिंगल स्टेट के हो सकते हैं एक ही राज्य में हो और या मल्टी स्टेट हो सकते हैं बहुराज्य हो सकते हैं या तो एक राज्य में हो सकते हैं या बहुराज्य में हो सकते हैं एक ही अगर राज्य में है मतलब एक राज्य में ही उसकी ब्रांचे वगैरह है तब तो उस राज्य सरकार का जो कानून होता है उसके माध्यम से इसकी स्थापना होती है और अगर उसके जो ब्रांचेज हैं वो एक से ज्यादा राज्य में है एक से अधिक राज्य में तो फिर कौन करेगा केंद्र सरकार का एक कानून होता है कानून किसका है केंद्र सरकार का कानून का जो है उसमें काम करता है ठीक है तो एक तो अगर सिंगल स्टेट का है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तब तो राज्य सरकार और अगर मल्टी स्टेट का है तो केंद्र सरकार कि इनकी स्थापना किस कानून के माध्यम से होती है तो यहां पर तो केंद्र सरकार के कानून के माध्यम से या पार्लियामेंट के कानून के माध्यम से और यहां पर राज्य के कानून के माध्यम से होती है और इनका शहरी जो कोऑपरेटिव बैंक होता है इनका रेगुलेशन सिर्फ आरबीआई करती है रेगुलेशन की क्षमता किसके पास में सिर्फ आरबीआई के पास में है जो आपकी राज्य सरकार होती है वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का रेगुलेशन नहीं करती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का रेगुलेशन कौन नहीं करता है राज्य सरकार जो है वो रेगुलेशन नहीं करती है सिर्फ और सिर्फ कौन करता है आरबीआई जो है आरबीआई ही इसका रेगुलेशन करती है ठीक है ये आ गया समझ में ये कोऑपरेटिव का स्ट्रक्चर होता है ये होता है बैंक तो ये पढ़ रहे थे मन शेड्यूल बैंक आरबीआई एक्ट 1934 सेकंड शेड्यूल उसके अंदर जितने बैंक है सब शेड्यूल बैंक है दो प्रकार के कमर्शियल और कॉपरेटिव कमर्शियल के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक बारह है एक एसबीआई और ग्यारह राष्ट्रीयकृत बैंक है राष्ट्रीयकृत बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया राष्ट्रीयकरण में हुआ छह बैंकों का फिर नाइनटीन सॉरी चौदह बैंकों का फिर नाइनटीन में हुआ छह बैंकों का ठीक है पहले 50 करोड़ से ज्यादा और फिर 200 करोड़ से ज्यादा फिर जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया उसका विलय कर दिया किसमें पंजाब नेशनल बैंक के अंदर प्राइवेट बैंक तीन बार लाइसेंस दिए गए 1993 2001 और 2013 कमेटी कौन सी बनाई विमल जालान कमेटी क्या कहा 500 करोड़ रुपए 10 साल का एक्सपीरियंस और 25% ब्रांच गांव के अंदर फिर होते हैं रीजनल रूरल बैंक 2 अक्टूबर 1975 को स्थापित हुए इसमें एक और बात रीजनल रूरल बैंक में कि इसके लिए कानून पारित किया गया पर आरआरबी का जो कानून है वो एक्ट है 1976 का आरआरबी एक्ट कब का है 1976 का और इनकी स्थापना कब हो थी 2 अक्टूबर 1975 को यानी एक्ट लाने से पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया था पहले एक अध्यादेश लाए थे और अध्यादेश ला स्थापित कर दिया और बाद में कहा कि अब अध्यादेश की जरूरत नहीं अब एक फुल फ्लेज कानून लाया जाए तो कानून का बया है वो उन्नीस सौ अगर कानून का डेट पूछा जाए तो नाइनटीन सेवेंटी सिक्स है और इसकी स्थापना पूछी जाए तो वो सेवेंटी फाइव है ठीक है और फिर इसमें संयुक्त उपक्रम होता है केंद्र राज्य और केंद्र राज्य और वाणिज्यिक बैंक केंद्र सरकार का कितना पचास परसेंट राज्य सरकार का पंद्रह परसेंट और वाणिज्यिक बैंक का ट जो है वो होता है <kriv> फिर कॉपरेटिव बैंक ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो राज्य सरकार इसमें इन्वॉल्व रहती है इस वजह से ये जो है है काफी इंपॉर्टेंट बन जाता बैंक या तो स्टेट के होंगे या अर्बन स्टेट के जो कॉपरेटिव बैंक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं या तो शॉर्ट टर्म लोन देंगे या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन देंगे तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है अपेक्स बैंक सबसे ऊपर फिर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और फिर गांव के स्तर पर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी होती है ठीक है इन दो और इनको पैसे इसको पैसे कौन देता है डीसीसीबी देता है डीसीसीबी को कौन देता है अपेक्स बैंक इनको कौन देता है नाबार्ड दे। यानी कॉपरेटिव बैंक की पुनर्वित्त संस्था कौन सी है नाबार्ड नाबार्ड जो है कॉपरेटिव लॉन्ग टर्म के बैंक लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं भूमि विकास बैंक राज्य स्तर पर भी होते हैं और जिला स्तर पर भी ये कार्य जो है वो कार्य करते हैं और इनका रेगुलेशन कौन करता है स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और आरबीआई भी करती है दूसरे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं सिंगल स्टेट के हो सकते हैं या मल्टी स्टेट के सिंगल स्टेट की स्थापना राज्य सरकार के कानून के माध्यम से मल्टी स्टेट की केंद्र सरकार के कानून के. और रेगुलेशन सिर्फ आरबीआई जो है आरबीआई के पास उसका रेगुलेशन है हाँ, फिर एक ये देखते हैं बैंकों का विलय मर्जर कौन कौन से बैंक का किस किस के अंदर मर्जर जो है वो हुआ देखो एसबीआई और उसके सहायक बैंकों का मर्जर तो हो गया था पहले दो में हो गया था उसके बाद में एक किया गया था बैंक ऑफ बड़ौदा उसमें देना बैंक और प्लस विजया बैंक देना बैंक और विजया बैंक का विलय किया गया किसमें बैंक ऑफ बड़ौदा में और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है सबसे बड़ा बैंक तो कौन सा है एसबीआई दूसरा सबसे बड़ा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में किस किस का विलय किया गया है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का किस किस का विलय हुआ है पंजाब नेशनल बैंक में बोलो देखें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है फिर कैनरा बैंक इसमें विलय किसका किया गया Syndicate Bank है सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया और यह कौन से नंबर का बन गया चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया ठीक है सबसे पहला तो कौन सा है एसबीआई दूसरे नंबर पर पीएनबी तीसरे नंबर पर बैंक ऑफ बड़ौदा और चौथे नंबर पर कैनरा बैंक और कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किया गया किस किस का विलय किया गया आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय किया गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर और यह भारत का फिफ्थ लार्जेस्ट है छठा जो है वो बैंक ऑफ इंडिया है उसके बाद में इंडियन बैंक और इसमें विलय किसका किया गया है अलाहाबाद बैंक का विलय तो ये विलय जरूर याद रखना क्योंकि ये 2020 में हुए कुछ विलय तो कुछ विलय 2019 हजार उन्नीस में हुए ज्यादा पुराने नहीं है एसबीआई वाला तो फिर भी 2017 का है तो पुराना हो गया परंतु बाकी वाले ये विलय थोड़े लेटेस्ट ही है तो इस वजह से इनको याद रखना वापस देख लो सबसे बड़ा बैंक एस दूसरा सबसे बड़ा बैंक पीएन पीएनबी में विलय किसका हुआ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का और फिर तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय देना बैंक और विजया बैंक केनरा बैंक का विलय में विलय सिंडिकेट का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का और इंडियन बैंक के अंदर इलाहाबाद बैंक का विलय जो है विलय किया गया ये हुए हैं बैंकों के मर्जर अब जैसे ये क्वेश्चन है यूपीएससी में दो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भारत में से किसी वाणिज्यिक भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एसेट्स ऑफ कमर्शियल कमर्शियल बैंक बैंक की एसेट कमर्शियल बैंक होता है बैंक में जमा होती है और बैंक लोन देता है जो लोन देता है उससे उसको कमाई होती है और जो चीज जिससे कमाई होती है उसको कहते हैं एसेट जिस चीज से कमाई होती है उसको क्या कहते हैं और जो चीज चुकानी होती है उसको कहते हैं लाइबिलिटी तो जमाए तो आपको वापस देनी है तो ये तो आपकी देयता है या लाइबिलिटी है ये तो क्या होती है देयता तो अग्रिम एडवांसेज एडवांस का मतलब लोन तो लोन क्या है इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दिलीप को क्या करना है, गई है सारी बहुत मैं तो लिखनी है उसको अलग से एक नोट्स उसके बनाने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इनको तो हल्के में लेते हो इस चीज को बहुत इतने अनुभव से कोई चीज बताए तो उसको लिखो और हम ऐसी गलतियां करते हैं करते हैं इसलिए और ये यहां नॉट पूछा है कि कौन सा नहीं है किसके अंदर नहीं है एसेट्स में नहीं है कौन सी चीज जो है एसेट्स में नहीं है क्या ये एसेट्स में नहीं है ये तो होती है एसेट होती है डिपॉजिट ये लाइबिलिटी होती है इन्वेस्टमेंट इससे कमाई होती है इसलिए भी एसेट्स मनी 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 कॉल 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 एंड शॉर्ट नोटिस यानी में एसेट भी होती है और लाइबिलिटी कॉल मनी क्या होती है एक बैंक दूसरे बैंक को देता है ये इस बैंक ने इसको दिया इसके लिए तो लाइबिलिटी है इसके लिए एसेट्स है यानी ये एसेट भी हो सकती है और लाइबिलिटी हो सकती है सही आंसर क्या हो जाएगा बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा डिपॉजिट जो है सिर्फ क्या होते हैं सिर्फ लाइबिलिटी होते हैं एसेट नहीं होते फिर रीजनल रूरल बैंक पढ़ लिया अपन ने ये छोड़ो ये 2021 का अभी जो यूपीएससी का हुआ था प्रीलिम्स उसका एक क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए

बाकी क्यों बन... अरे एलिमिनेशन मेथड काम करता है ये ये जो है वहां पर लॉजिक लगाने है और एलिमिनेशन का मेथड से काम करने है। कि भाई अरे ये, तो इसमें क्या पढ़ना है और आरपीएससी में तो ऐसे खूब सारे देंगे वो यूपीएससी तो फिर ऐसे कभी कभी मौके देती है एलिमिनेशन मेथड लगाने के पर आरपीएससी ऐसे बहुत सारे मे... मौके देगी जब आपको एक अगर जो था मिलान करना होता है एक मिल गया मिलियन तो फिर खा हो गया बाकी का आपको कुछ पता हो चाहे नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर भी दे कैन देखे इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंसेज वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर या प्रेफरेंस शेयर जो है वो क्या कर सकते हैं जारी कर सकते हैं हाँ, ये जारी कर सकते हैं देवर बॉट अंडर दी पर बैंकिंग रेगुलशन एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन थ्रू दी अमेंडमेंट इन सिक्सटी सिक्स उन्हें वर्ष उन्नीस सौ छियासठ में एक संशोधन के द्वारा बैंक विनियमन अधिनियम उन्नीस सौ उनचास के कार्य क्षेत्र में लाया गया तो उनको लाया गया था ये बात भी सत्य आंसर आ रहा है ना ये तो यानी ये दोनों बातें सत्य देखो पहले क्या होता था अकेली स्टेट गवर्नमेंट करती थी पहले जो कॉपरेटिव बैंक होते थे जितने भी कॉपरेटिव बैंक थे सबको अकेला स्टेट गवर्नमेंट जो है वही मैनेज करती थी वही रेगुलेट करती थी फिर 1966 में स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों करने लग गई और फिर 2020 के अंदर अकेली क्या बच गई आरबीआई 2020 में वापस चेंज कर दिया गया और स्टेट गवर्नमेंट का रेगुलेशन खत्म कर दिया गया और सिर्फ क्या बच गई आरबीआई तो इसलिए अब सिर्फ आरबीआई करती है स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नहीं करती पर ये यात्रा उनकी कुछ इस प्रकार से रही है। फॉलोइंग स्टेटमेंट कथनों पर विचार करो करो विचार द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति की जाती की जाती है कि नहीं की जाती की जाती है अभी शक्तिकांत दास को नियुक्त किया तो किसने किया केंद्र सरकार ने नियुक्त किया ठीक है

जिसकी स्थापना किसी कानून से होती है वो वैधानिक संस्था होती है स्टेचुटरी बॉडी होती है तो संविधान में उसका कोई मेंशन है ही नहीं जब संविधान में कोई मेंशन नहीं है तो इस बात का मेंशन भी नहीं होगा ऑब्वियसली बात है और ऑब्वियसली बात है तो ये क्या हो जाएगा गलत और ये गलत हो गया तो ये गलत ये गलत और ये भी गलत तो बचा गया ये इसका आंसर क्या हो जाएगा सी जो है वो हो जाएगा द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट आरबीआई की स्थापना ही जब आरबीआई एक्ट से होती है तो सभी प्रकार की पावर्स कहां से आती है आरबीआई एक्ट से ही आती है और ये क्वेश्चन आया क्यों इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्यों दिया इसको ये इसलिए क्योंकि एक आरबीआई के बीच में और सरकार के बीच में दोनों के बीच में एक युद्ध चल रहा है एक लड़ाई चल रही थी जब उर्जित पटेल गवर्नर थे उर्जित पटेल जब गवर्नर थे तो सरकार और आरबीआई के बीच में क्या एक झगड़ा चल रहा था और सरकार ने उर्जित पटेल को कुछ बात कही उर्जित पटेल ने कहा कि मैं नहीं मानूंगा आरबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है तो फिर सरकार ने कहा आरबीआई ऑटोनोमस बॉडी है पर आरबीआई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है आरबीआई को कौन निर्देश दे सकता है सरकार निर्देश दे सकती है किसके तहत आरबीआई एक्ट के तहत आरबीआई एक्ट आर में सेक्शन सेवन कौन सी धारा है सेक्शन सेवन ऑफ आरबीआई एक्ट के तहत क्या दिया जा सकता है निर्देश दिया जा सकता है तो यहां पर बात निर्देश की हो रही है तो निर्देश दिया तो किसके तहत जाता है सेक्शन सेवन के तहत और ये कह रहे हैं कि किस में दिया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है फॉलोइंग ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट टू करो ये क्वेश्चन देखो दिख तो रहा है सबको नहीं दिख रहा है तो मैं बोलता हूं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट और ग्रांट डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंट टू रूरल household ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सीधी ऋण सुविधा उपलब्ध करवाता है सीधी, सीधे सीधे जाके वहां से लोन ले सकते हो ऐसा कहां पर होता है रीजनल रूरल बैंक में होता है हाँ, में होता है गाँव में स्थापित होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड नाबार्ड तो पुनर्वित संस्था है ये ये सीधी फाइनेंस नहीं नहीं देती तो ये नहीं है लैंड डेवलपमेंट बैंक हाँ ये देते हैं जिले के अंदर जो लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं वो देते हैं तो ये सही है तो आंसर क्या हो जाएगा सी जो है वो आंसर हो जाएगा वन एंड थ्री ठीक है तो ये नाबार्ड जो है इसमें ध्यान रखना है कि नाबार्ड कैसी संस्था है पुनर्वित की संस्था है इसलिए इसको जो है इंक्लूड नहीं किया गया वापस फॉलोइंग स्टेटमेंट निम्नलिखित पर कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिधान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू द एग्रीकल्चर सेक्टर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉपरेटिव बैंक डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपेरिजन टू शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक ये बात सही है या नहीं है सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ और तुम्हें आता है ये हंड्रेड एंड वन परसेंट मुझे बताया कि ये तुम्हें आता है इसका आंसर पहले वाला स्टेटमेंट सही है या नहीं है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक किसको अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं अधिक ऋण देंगे क्या कोऑपरेटिव के बैंक है इतने से बैंक होते हैं दू से क्या देंगे ये अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक इनको पीएसएल के टारगेट मेंटेन करने होते हैं पीएसएल का टारगेट जो है अठारह परसेंट तो सिर्फ किसका है एग्रीकल्चर का है तो इनकी इतनी बड़ी बावन बावन लाख एसबीआई करोड़ का बिजनेस करता है और लाख करोड़ का 18 उसको किसको देना है पीएसएल में देना है पीएसएल के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर को देना है। और ये कह रहा है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और इसमें और किसको जोड़ दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को भी जोड़ दो शेड्यूल कमर्शियल बैंक प्लस आरआरबी और इनसे भी ज्यादा कौन दे रहा है डीसीसीबी जो है वो ज्यादा दे रहा है जो डिस्ट्रिक्ट कमर्शियल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक तो कोऑपरेटिव बैंकों के को पास इतने पैसे होते ही नहीं है नाबार्ड जो उनको थोड़े बहुत ही पैसे देता है और थोड़े बहुत ही वो क्या कर पाते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं इसलिए कथन क्या है गलत है अगर तुमने वो PSL वाला दिमाग लगाया होता तो यह आसान से हो जाता वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डीसीसीबी टू प्रोवाइड टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइट डीसीसीबी का एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध करवाना है डीसीबी है है? है? से पैक्स के पास जाता है, है इसका मतलब ये जो है वो सही है आंसर क्या हो जाएगा दो ओनली फिर आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1930. कोई, कब हुई कब हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इससे पहले एक कमीशन बनाया गया था क्या नाम था कमीशन का यंग हिल्टन कमीशन यंग हिल्टन आयोग बनाया गया था कब बनाया गया था 1926 के अंदर जो है वो यंग हिल्टन आयोग बनाया गया और उसके बाद आरबीआई एक्ट पारित किया गया आरबीआई एक्ट पारित किया गया 1930 फोर में उन्नीस के अंदर और उसके माध्यम से किसकी स्थापना कर दी गई की और अभी आरबीआई के बारे में सेक्शन सेवन ऑफ आरबीआई एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशन से में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है ठीक है और आरबीआई गवर्नर की जो सारी शक्तियां आती है कहां से आती है इस आरबीआई एक्ट से आती है क्योंकि उसकी स्थापना किससे हुई है आरबीआई एक्ट के माध्यम से उसकी स्थापना

नहीं है ठीक है और और इसके बारे में तो बस आरबीआई के बारे में इतनी बात है आरबीआई फिर बैंकों का क्या करता है रेगुलेशन करता है और रेगुलेशन के लिए एक अलग से कानून है उसके उस कानून का नाम क्या है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन आरबीआई ना, की खुद की स्थापना तो आरबीआई एक्ट से और आरबीआई बैंकों का जो भी नियमन करता है जितने भी बैंकों को निर्देश देता है कि बैंक को यह करना पड़ेगा यह करना पड़ेगा इसकी शक्ति आरबीआई के पास कहां से आती है वो आती है इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से तो अभी अपन ने पढ़ा कि आरबीआई जो है उस आरबीआई अब सिर्फ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का नियमन करता है तो ये नियमन करने वाली शक्ति उसके पास कहां से आई इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इसी का तो अमेंडमेंट हुआ था 1966 में और जब किसको ले आए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को इसके अधीन जो है वो ले आए अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था तो ये है किसके बारे में आरबीआई के बारे में आरबीआई के बारे में कुछ मूलभूत बातें बेसिक बात फिर आरबीआई आरबीआई के पे आ जाओ तो RBI का फंक्शन फंक्शन सबसे पहला क्या है नोट छापने का सबसे पहला क्या है नोट छापने का मुद्रा का निर्गमन जो है वो क्या करता है मुद्रा को कुछ जो है छापने का, का काम करता है और ये जो मुद्रा का निर्गमन है तो कौन सी मुद्रा छापता है दो रुपए के नोट और दो से बड़े नोट जो है वो आरबीआई छापती है और उससे जो एक रुपए का नोट और सिक्के ये सब कौन करता है केंद्र सरकार जो है वो इसका कानून अलग है एक्ट है उसके माध्यम से छापते हैं और इसके लिए जो है वो अलग से एक्ट बना हुआ है कि ये शक्ति जो है है उनको अलग से से एक एक्ट बनी हुई फिर ये जो नोट है इनको नोट को छापने के लिए उनके पास में कौन सी व्यवस्था है तो व्यवस्थाएं कौन कौन सी होती है एक तो होती है गोल्ड रिजर्व सिस्टम पहला तो क्या होता है गोल्ड रिजर्व सिस्टम होता है गोल्ड रिजर्व सिस्टम में तो जितने के नोट छापने उतना का क्या रखना पड़ेगा सोना रिजर्व में रखना पड़ेगा ठीक है पहला तो ये होता है हालांकि भारत में कभी इसको अपनाया नहीं गया था ठीक है फिर दूसरा होता है अनुपातिक आरक्षित व्यवस्था, प्रपोस्टनल रिजर्व सिस्टम और प्रपोशनल रिजर्व सिस्टम के तहत जितने के नोट छापने जितने मूल्य के उसका कुछ अनुपात में क्या रखना पड़ेगा गोल्ड रिजर्व में रखना पड़ेगा ठीक है तो कुछ अनुपात के अंदर गोल्ड रख दो लगभग 40 परसेंट के करीब जो है वो गोल्ड रखना पड़ता था और 1934 से लेकर बाद में हमने किसको किसको अपनाया था इसी व्यवस्था को अपना रखा था पर फिर अपने पास में ये भी पॉसिबल नहीं हुआ कि सब 40 परसेंट भी बहुत ज्यादा होता है मुद्रा की मांग जो है लगातार क्या हो रही थी बढ़ रही थी डिमांड जो है वो मनी की जो है वो बढ़ रही थी कि भाई और लोगों को मुद्रा चाहिए ट्रांजेक्शन करने के लिए और इस वजह से कहा साहब इसको भी खत्म करो और किसको लिया है मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो है उसको लिया न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था और न्यूनतम आरक्षित व्यवस्था में क्या होता है उसमें कहा कि 200 करोड़ की परिसंपत्तियां आपको किसमें रखनी है रिजर्व में रखनी और 200 करोड़ के अंदर से 115 करोड़ के तो गोल्ड कॉइन्स होते हैं और पचासी करोड़ के गोल्ड बोलियां लिया जो आपकी सरकारी प्रतिभूतियां जो है सरकारी प्रतिभूतियां इसमें हो सकती तो 200 करोड़ रुपए रिजर्व में रखो ये मिनिमम है ये मैक्सिमम नहीं है कि इससे ज्यादा नहीं रख सकते इससे ज्यादा भी रखनी है और, रख... और रखते हैं इससे ज्यादा भी रखते हैं परंतु मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए इससे अगर नीचे आपके पास रिजर्व है तो फिर आरबीआई क्या नहीं छाप सकती है फिर नोट नहीं छाप सकते इतना मिनिमम रखना होता है इसके ऊपर अगर रखना चाहे तो वो रख सकते हैं ठीक है मिनिमम इतना तो आपको रखना तो इस तरीके से क्या छापे जाते हैं नोट छापने का काम जो है वो किया जाता है और गांधी श्रृंखला के जो नोट है वो नाइनटीन से शुरू हुए उससे पहले क्या थे अशोक स्तंभ सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है जो लॉयन कैपिटल है उसका प्रयोग जो है वो प्रयोग किया जाता था ये जो नोट होते हैं ये होते हैं लीगल टेंडर क्योंकि इनको कानूनी पीछे जो है कानून के माध्यम से छापे गए अपन नहीं छाप सकते आप नोट छापो और वो जो है वो मार्केट में चलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है पर ये जो नोट है ये मार्केट में चलते हैं और मार्केट में चलते हैं तो ये है लीगल टेंडर इसलिए इसको क्या कहा जाता है लीगल टेंडर जो है वो कहा जाता है वैद्य मुद्रा कहा जाता है ये सारी मुद्रा कैसी है वैद्य मुद्रा है वैद्य मुद्रा का मतलब है कि इसको कोई लेने से मना नहीं कर सकता कोई भी अगर आप उसको देना चाहोगे आप स्प्रिंग बोर्ड की फीस देना चाहते हो तो किस में दे दो वैद्य मुद्रा में दे दो चुपचाप ले लेंगे मना नहीं कर सकते साहब ये नहीं हम नहीं लेंगे हमारे वाले अलग से मुद्रा चला रखी हमने वो लेके आओ हम ऐसा नहीं कर सकते अगर कोई ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध क्या की जा सकती है कानूनी कार्यवाही की जा सकते है। तो इसको क्या कहते हैं लीगल टेंडर पर लीगल टेंडर को खत्म भी किया जा सकता है और 8 नवंबर का की वो रात तुम्हें याद होगी 2016 रात को आठ बजे मोदी जी आए और मोदी जी ने कहा कि पांच सौ हजार रुपए के नोट अब क्या है लीगल टेंडर नहीं रहे हैं और उसको कहते हैं डी मोनेटाइजेशन इसको क्या कहा जाता है डीमोन जब इसके लीगल टेंडर की ये जो स्टेटस है वो लीगल टेंडर का स्टेटस अगर खत्म कर दिया जाए तो उसको कहते हैं डी मोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण तो विमुद्रीकरण भारत में अब तक कितनी बार किया जा चुका है तीन बार किया था. अब तक विमुद्रीकरण कितनी बार हो चुका है सबसे पहली बार हुआ था उन्नीस के अंदर कब हुआ था 1946 के अंदर हुआ था जब एक हजार रुपए और दस हजार के नोट जो है वो खत्म किए गए खत्म कर दिया था उसमें दस हजार का नोट भी हुआ करता था उसको क्या कर दिया खत्म कर फिर 1978 में किया गया उसमें एक हजार का नोट फिर बीच में पांच हजार का भी चलन लग गए थे और दस हजार

विमुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन जो है वो कहा जाता है तो भारत में अब तक डीमोनेटाइजेशन कितनी बार हो चुका है तीन बार जो है वो हो चुका है पहला 1946 में दूसरा 78 में और तीसरा 2016 के अंदर जो है वो किया गया था ये देखो 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ये आईएएस का मैं अधिकतर क्वेश्चन यूपीएससी के ही है क्योंकि उनके हर साल एग्जाम होते हैं तो क्वेश्चन भी है अपने वाले तो तीन ही बार हुए तो इतने क्वेश्चन भी नहीं है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैद्य मुद्रा लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही वर्णित करता है द मनी विच इज टेंडर्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ टू डिफरे द फी ऑफ लीगल केसेस न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है स्वीकार करने के लिए क्या होता है बाध्य बाध्यता बाध्य जो है वो उसके अंदर होती है द बैंक मनी इन द फॉर्म ऑफ चेक ड्राफ्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा बैंक मनी चेक डी डी होता है ना विनिमय के बिल एक्सचेंज बिल आदि के रूप में जो बैंक मुद्रा होती है तो नहीं वो तो लीगल टेंडर नहीं होती आपको डीडी कोई एक्सेप्ट करे तो करे और कोई नहीं करे तो नहीं करे हमारे यहाँ चेक के अंदर कुछ नहीं एक्सेप्ट किया जाता तो नहीं किया जाता साथ। कैश में कुछ लेते हैं तो लोग वो ऐसा नहीं है कि आपने नीचे गए और गोलगप्पे खाए और चेक काट दिए का दस रुपए का चेक जो है वो वो कहेगा का, का दस रुपए का चेक दे रहा है यार नहीं एक्सेप्ट कर रहा मैं तो वो एक्सेप्ट करने से क्या कर सकता है मना कर सकता है मना कर सकता है परंतु लीगल टेंडर मनी होगी द एंडलिक मनी इन सर्कुलेशन ऑफ कंट्री ये भी कोई जरूरी नहीं है तो इसका मतलब सही आंसर क्या है इसका बी जिसको स्वीकार करने से क्या नहीं किया जा सकता मना नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं लीगल टेंडर मनी कहते हैं इसलिए मनी कैसी है लीगल टेंडर तो लीगल टेंडर बनाया भी भी जाता है 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 और लीगल टेंडर को क्या किया जा सकता है? भी किया जा जा सकता सकता खत्म फिर अब लीगल टेंडर मनी से थोड़े आगे बढ़ गए और कुछ लोगों ने खुद की अपनी खुद की मुद्रा जो है वो चला दी और वो खुद की मुद्रा जो है वो कौन सी है बिटकॉइन है तो बिटकॉइन के बारे में ये क्वेश्चन है पढ़ो देखें पढ़ने में तो आ रहा है क्या नहीं आ रहा है बैठे रहो तो, तो नहीं आ रहा था इतनी देर धीरे धीरे नहीं पड़ा विद रेफरेंस टू बिटकॉइन समटाइम सीन इन न्यूज विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट कभी कभी समाचारों में आने वाले बिटकॉइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है? या कौन से कथन सही हैं? तो बिटकॉइंस की खोज खबर देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा रखी जाती है बिटकॉइंस आर ट्रैक्ड बाय बै सेंट्रल बैंक्स ऑफ कंट्रीज बिटकॉइन जो होते हैं लीगल टेंडर नहीं होते हैं इसको जो है ये क्रिप्टो करेंसी है इसको किसने बनाया है इसके बारे में कोई जानता नहीं है ठीक है नाम आता है वो सतोशी नाकोमोटो का पर वो सतोशी नाकोमोटो कौन है आज तक कोई जानता

बिटकॉइन के पते वाला कोई भी व्यक्ति बिटकॉइन के पते वाले किसी अन्य व्यक्ति को बिटकॉइन भेज या उससे प्राप्त कर सकता है उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो फिर तीसरा स्टेटमेंट ऑनलाइन पेमेंट्स कैन बी सेंट विदाउट इधर साइड नोइंग आइडेंटिटी ऑफ अदर ऑनलाइन अदायगी दोनों तरफ में से किसी की भी तरफ की पहचान जाने बगैर की जा सकती है हाँ तो ये सिर्फ एड्रेस को बिटकॉइन एड्रेस पे भेज रहे हो और बिटकॉइन एड्रेस को प्राप्त कर रहे हो तो फिर इसका मतलब उसकी खुद की आइडेंटिटी जो है वो हम जानते नहीं तो बिटकॉइन का इसलिए प्रयोग जो है ज्यादा गलत कार्यों के अंदर प्रयोग किसका होता है बिटकॉइन का प्रयोग होने लग रहा है तो इस वजह से ये टू एंड थ्री जो है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा अब ये बिटकॉइन वैसे ही इतने न्यूज में पिछले एक साल में तो खूब ही ज्यादा न्यूज के अंदर रहे हैं आजकल इसका प्रयोग जो है ट्रांजेक्शन में कम किया जाता है और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ज्यादा किया जाता है इसलिए थोड़ा बहुत इसके बारे में ध्यान रखना इसके पीछे बिटकॉइन के पीछे या क्रिप्टो करेंसी के पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है टेक्नोलॉजी जो है वो यूज होती है तो बस ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी याद रखो ये याद रखो कोई केंद्रीय बैंक उसको जो, जो है वो गवर्न नहीं करता और ये याद रखो कि लेने देने वाले का कुछ एड्रेस अपन को पता नहीं होता उसके बारे में उसकी पहचान जो है पता नहीं होती है तीन बातें पता है तो बिटकॉइन जो है वो पता है इसका इतना ही

नियमन करना ये कौन है साहब शक्तिकांत दास शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर और ये निर्देश दे रहे हैं बैंकों को तो बैंकों को निर्देश दे रहे हैं तो इसका मतलब आरबीआई क्या कर सकता है बैंकों को रेगुलेट कर सकता है बैंकों का नियमन कर सकता है और बैंकों का नियमन कौन से कानून के तहत करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट Nine के तहत जो है वो रेगुलेशन किया जाता है और रेगुलेशन का मतलब है उनको किसी भी प्रकार का निर्देश दिया जा सकता है बैंकों को आरबीआई के द्वारा और आरबीआई और जो बैंक है उन बैंकों को आरबीआई के निर्देश मानने पड़ेंगे अगर वो नहीं मानते तो आरबीआई उनके ऊपर क्या कर सकता है कार्यवाही जो है कार्यवाही कर सकता है ये आरबीआई का जो है दूसरा कार्य होता है बैंकों का नियमन करना उनको लाइसेंस वगैरह भी देता है इवन अगर कोई अगर नहीं मानता तो उसके लाइसेंस को क्या कर सकता है आरबीआई जो है लाइसेंस को रद्द भी कर सकता है क्वेश्चन देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स कमर्शियल बैंक इन मैटर्स ऑफ लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स परिसंपत्तियों की तरलता ब्रांच एक्सपेंशन शाखा का विस्तार मर्जर ऑफ बैंक बैंकों का विलय और वाइंडिंग अप ऑफ बैंक बैंकों का समापन कौन कौन से क्षेत्रों में करता है नियमन चारों में ही करता है आपने अब आगे अभी देखेंगे लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स का मतलब है एसएलआर एल आर स्टेचुट्री लिक्विडिटी रेशियो बैंक को जो है वो अपनी जितनी भी जमाएं आती है उसका कुछ परसेंट लिक्विड एसेट्स में रखना होता है तरल परिसंपत्तियों में रखना पड़ता है तो कितना तरल परिसंपत्ति में रखना है कितना नहीं रखना है ये कौन बताएगा आरबीआई बताएगा तो इस मामले में आरबीआई उसको रेगुलेट करता है ब्रांच एक्सपांशन पहले अपन ने आरबीआई जब लाइसेंस की बात की तभी पच्चीस परसेंट ब्रांचे कहां रखनी होगी गांव क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में यानी ब्रांच एक्सपांशन जो है कहां करना है कहां नहीं करना इसके बारे में बताता है मर्जर ऑफ बैंक बैंकों का विलय जो है वो भी आरबीआई जो है बता सकता है कि इस बैंक का विलय किसमें कर दिया जाए इसमें कर दिया जाना चाहिए और वाइंडिंग ऑफ बैंक्स तो उसके लाइसेंस को क्या कर सकता है कैंसिल कर, कर सकता है और लाइसेंस कैंसिल कर सकता है यानी बैंकों का समापन भी किया जा सकता है इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा डी एक, 2 3 4 ठीक है ये सारे आरबीआई की क्या है पावर्स है नहीं गवर्नमेंट से गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक का विलय करती है जिसकी मालिक सरकार है उसके बारे में कहते हैं कि हमारे बैंक को विलय कर दो पर आरबीआई भी निर्देश दे सकता है कि बहुत दिन हो गए तुम्हारा ये बैंक चलते हुए इसका क्या कर दिया जाए विलय कर दिया जाए अगर कोई बैंक ढंग से नहीं काम कर रहा तो उसका विलय किसी दूसरे में कर सकता है आरबीआई ठीक है फिर सरकार का क्या है बैंकर तीसरा काम क्या होता है सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है मतलब सरकार के आंतरिक ऋणों का क्या करता है प्रबंधन करता है सरकार के बैंकर का मतलब है सरकार के ऋण सरकार के ऋण दो प्रकार के हो सकते हैं या तो आंतरिक हो सकते हैं या बाहरी हो सकते हैं बाहरी हो सकते हैं एक्सटर्नल हो सकते हैं या तो इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरनल का तो प्रबंधन कौन करेगा आरबीआई करेगी हाँ और एक्सटर्नल का प्रबंधन कौन करेगा वो सरकार खुद करेगी ये सरकार खुद करेगी अब ये जो आंतरिक है वो या तो शॉर्ट टर्म के हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म के हो सकते हैं जब भी ऋण का प्रबंधन किया जाता है तो ऋण कैसे लेते हैं तो ऋण लेने के लिए क्या जारी की जाती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी क्या जारी की जाती है सरकारी प्रतिभूति जो है वो जारी की जाती है ये कुछ ऐसी सरकारी प्रतिभूतियां होती है ऐसे कागज के टुकड़े होते हैं इनको क्या करते हैं जारी करते हैं जिसको चाहिए वो खरीद लेता है ये कागज खरीद लेता है और उसके बदले में क्या दे देता है नोट दे देता है इसमें लिखा होता है कि एक साल बाद आ जाना या छह महीने बाद आ जाना और अपना ये पैसा ये जो है वो कागज का टुकड़ा हमें वापस दे देना और आपका पैसा और ब्याज ले जाना ठीक है ऐसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो जारी की जाती है यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से या तो शॉर्ट टर्म के जारी किए जा सकते हैं मतलब है मतलब है 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 है? टी बिल चौदह चौ दिन के होते हैं ना बयासी बहियास एक सौ बयासी दिन के और कई होता है नाइनटी वन डेज के और लॉन्ग टर्म का मतलब एक साल से ज्यादा तो इसके लिए होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी और उसको कहते हैं क्या गिलेज सिक्योरिटीज क्या कहते हैं सिक्योरिटी जो है वो अब ये सरकार सरकार के ऋण कौन सी राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों राज्य और केंद्र परंतु ये जो लॉन्ग टर्म है इसके लिए तो राज्य सरकार भी होती है और राज्य भी होती है और केंद्र भी होता है पर ये जो टी बिल है ट्रेजरी बिल ये सिर्फ किसके लिए होते हैं केंद्र केंद्र के लिए होते हैं के है, ये राज्य सरकार के लिए जारी नहीं किए जाते है। ठीक है तो इसलिए केंद्र और राज्य दोनों के लिए करता है परंतु केंद्र के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का यानी टी बिल भी जारी करता है और राज्य सरकार के लिए टी बिल जारी नहीं ये जो है राज्य के, के लिए और टी बिल जो है वो दोनों के लिए। और बाहरी वालों का प्रबंधन तो सरकार खुद करती है अब सरकार ये विचार कर रही है कि इसका क्या कर दिया जाए ये काम जो है आरबीआई से ले लिया जाए और लेकर क्या बना दिया जाए पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी पीडीएमए पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी बनाने पर क्या किया जा रहा है विचार किया जा रहा है और अभी तक क्या बनाई गई है पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल जो है वो सेल बना दी गई पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल जो है वो बनाई गई है यह है ऋण का प्रबंधन फटो फटो फटाफट तो तीसरा ऑप्शन भले छोड़ देना पर शुरू के दो ऑप्शन आने चाहिए भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है किंतु राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं ये बात सही है क्या गलत है केंद्र सरकार राज्य सरकार के दोनों का ही करता है ट्रेजरी बिल आर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देर आर नो ट्रेजरी बिल इश्यूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार कोष पत्र ट्रेजरी बिल जारी करती है राज्य सरकार कोई कोष पत्र जारी नहीं करते हैं तो सही है ट्रेजरी बिल्स ऑफर आर इश्यूड एट डिस्काउंट फ्रॉम दार वैल्यू कोष पत्र ऑफर अपने सममूल्य के बट्टे पर जारी किए जाते हैं सही तो पता नहीं है पर यो लग रहा है कि कुछ सही होगा सममूल्य का बट्टा मतलब क्या होता है डिस्काउंट एट पार वैल्यू डिस्काउंट एट वैल्यू का मतलब होता है कि जितना उसके ऊपर लिखा होता है जैसे सौ रुपए का बिल है सौ रुपए उसके ऊपर लिखे हुए पर बेचा कितने पे जाएगा डिस्काउंट पर बेचा जाता है डिस्काउंट जो खरीदने वाला है उस खरीदने वाले को नब्बे में बेचा कितने बेच बेच और जिसको बेचा है तो नब्बे आरबीआई के देगी गवर्नमेंट को दे देगी ठीक है तो नब्बे रुपए अब इसमें एक आए कि आप तीस दिन के बाद वापस आ जाना मतलब वो तीस दिन का है सपोज करो और तीस दिन का है तो क्या होगा तीस दिन बाद में ये व्यक्ति वापस आएगा और वापस आकर किसको देगा इनको ये वाला का जो ट्रेजरी बिल ये देगा सौ रुपए की और ये वापस कितने देंगे सौ रुपए देंगे यानी लिए थे कितने, नब्बे और कितने? सौ दिए इसका मतलब दस रुपए क्या हो गए ब्याज के हो गए दस रुपये ब्याज के ऊपर ब्याज इस पर लिखा हुआ नहीं है इस पर लिखा हुआ कितना है सौ रुपये यानी सौ रुपए पे लेन देन जो है वो सौ रुपए पे होना चाहिए परंतु सरकार अब कितना ब्याज देना चाहती है वो क्या कर सकती है उतना डिस्काउंट कर देगी कि सरकार इसके ऊपर कितना ब्याज देना चाहती है तो नब्बे रुपए में बेचा जा सकता है ये जो है वो आपको पिचानवे में बेचा जा सकता है और कई बार तो सौ का मतलब सौ में ही बेच देते हैं डिस्काउंट जीरो बिना किसी डिस्काउंट यानी कोई ब्याज पे नहीं किया फिर भी क्या कर दिया बेच दिया ठीक है तो ऐसा भी सरकार कई जगह करती है और ये जब जहां पर बिल्कुल कुछ नहीं लिखा होता इसको कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स इसको क्या कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड्स बॉन्ड्स हैं परंतु कैसे हैं जीरो कूपन जीरो कूपन का मतलब है उस पर कोई ब्याज नहीं लिखा हुआ उसको क्या कर रहे हैं हम डिस्काउंट के ऊपर बेच रहे हैं और डिस्काउंट के ऊपर बेचने से जब वो वापस उसको लिया जाता है तब जब पैसा देता है तो वो क्या कर देते हैं जो बाकी पूरा पैसा देते हैं जितना लिखा हुआ होता है तो पैसा देते हैं और उतना पैसा देंगे तो ब्याज उसके साथ में जो है वो सम्मिलित हो जाएगा इसको क्या कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं और यही मतलब होता है कि इसका डिस्काउंट पर जारी करेगा और ट्रेजरी बिल किस किसपे जारी किए जाते हैं डिस्काउंट पर जो है जारी किए जाते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा

जो विदेशी मुद्रा भंडार वैसे इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और सिंपल सा क्वेश्चन है बताओ बताओ क्या होगा है? सिंपल सी बात है, भी होगा इसमें पूछा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिजर्व जो होता है फॉरेक्स उसके अंदर कौन सी चीजें जो है वो होती है सबसे पहला विदेशी assets, विदेशी फॉरेन करेंसी एसेट्स मुद्रा परिसंपत्ति हाँ होती है फिर विशेष आहरण अधिकार हाँ ये भी होते हैं विदेशों से ऋण नहीं ये नहीं होते है. तो इसका मतलब पहला गलत हो जाएगा फिर दूसरा है फॉरेन करेंसी एसेट्स गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ आरबीआई और एसडीआर विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व की स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकार हाँ ये तो होते हैं ठीक है एक, रिजर्व ट्रांस हालांकि नहीं लिखा परंतु ये तीनों तो होते हैं इसमें ये थोड़ी है कि टोटल कितने पूछा इनमें से कौन से होता, हाँ ये होता है, ये बिल्कुल सही है फिर इस पर एसेट्स लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक के लोन ना वर्ल्ड बैंक लेना देना ही नहीं है क्योंकि रिजर्व ट्रांच और एसडीआर दोनों ही आई से रिलेटेड है वर्ल्ड बैंक का तो कहीं कोई लेना देना होता है आंसर क्या है वो आंसर हो जाएगा विनिमय दर का क्या करता है प्रबंधन विनिमय दर क्या होती है घरेलू मुद्रा को विदेशी मुद्रा को में और विदेशी मुद्रा को घरेलू मुद्रा में जिस रेट पर चेंज किया किया जाता जाता है है उसको क्या कहते है? कहते है. क्या कहते कहते हैं हैं विनिमय विनिमय दर प्र, दर और को प्रबंधित किया जाता है उसको मैनेज किया जाता है ठीक है पहले फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट होती है भारत के अंदर फ्लोटिंग बट मैनेज मतलब वो मार्केट डिसाइड करता है ऊपर नीचे तो मार्केट डिमांड एंड सप्लाई से होगा परंतु उसको मैनेज करने का काम कौन करता है आरबीआई करता है क्यों करता है मैनेज आरबीआई विदेशी मुद्रा भंडार विदेशी मुद्रा को या सॉरी विनिमय दर को को एक्सचेंज रेट मैनेज क्यों करता है ताकि इसमें बहुत बड़े उतार चढ़ाव ना आए इसमें अगर बहुत बड़े उतार चढ़ाव आते हैं बहुत बड़े फ्लक्चुएशन होते हैं तो आपके जितना भी आपका प्लान है वो पूरा पूरा क्या हो सकता है खराब हो सकता है कि आपको अगर जैसे विदेश में जाना पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए विदेश जाना है आपने पूरा अपना बजट बनाया कि साहब इतने इतने रुपए लगेंगे और वहां तो डॉलर में लगेंगे और डॉलर में लगेंगे और आपने उसको रुपए में कन्वर्ट किया घर वालों को बताया कि साहब इतने इतने पैसे लगे घर वालों ने किसी तरीके से प्रबंधन किया और अगले दिन एक्सचेंज रेट बढ़ गई दुगनी हो गई दुगनी हो गई तो फिर घर वाले कहेंगे यार तू तो कह रहा था इतने ही लगेंगे तो फिर आपका प्लान क्या हो गया पूरा खराब हो गया और मान लो किसी तरीके से उधार कर कर आके दे भी दिए और फिर अगले दिन बिल्कुल कम हो गई तो इसका मतलब है यार ये क्या हुआ थोड़े दिन एक दिन रुक जाते अपन तो तो इसका मतलब बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव क्या नहीं होना चाहिए विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव नहीं होना चाहिए इसलिए उसको प्रबंधित करने की जरूरत कर पड़ती है और वो प्रबंधित कौन करता है आरबीआई करता है फिर है क्लियरिंग हाउस की क्लियरिंग हाउस का मतलब जो भी बैंकों के बीच में लेन देन हो रहे होते हैं सभी लेन देन को सेटल करने का काम कौन करता है आरबीआई करता है जैसे चेक क्लियर करना इधर से आप चेक देते हो बैंक के अंदर और बैंक आपको क्या दे देता है पैसे दे देता है पैसे दे, दे, देता, है। पैसे दे, दे देता है तो चेक आपका खाता तो किसी और अकाउंट में होगा जिसने चेक प्राप्त किया है उसका खाता किसी और अकाउंट में ये रहा है ये जमा कराया बैंक ऑफ बड़ौदा में और ये चेक है किसका जिसने जमा कराया उसका खाता है एसबीआई के अंदर तो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले क्या करेंगे आरबीआई को देंगे आरबीआई के क्लियरिंग हाउस में देंगे और क्लियरिंग हाउस वाले किसको भेज देंगे SBI को भेज देंगे SBI वाले चेक करेंगे कि कि ये खाता है नहीं है नहीं अगर अकाउंट है इस अकाउंट में पैसे हैं कि नहीं है पैसे भी हैं खाता भी है साइन भी मैच कर रहे हैं इसका मतलब क्या कर दो दो पैसे दे दो. किसको दे दो आरबीआई को और आरबीआई किसको दे देगा इनको और ये किसको दे देंगे जो जिसने ये चेक लगाया था उसको चेक क्लियर कर दिया जाएगा इस तरीके से चेक क्लियरिंग सिस्टम जो है काम करता है पर अभी वर्तमान में ऐसा काम नहीं होता है वर्तमान में क्या होता है चेक ट्रंकेशन सिस्टम आ गया है अब तो क्या होता है सीटीएस चेक ट्रंकेशन सिस्टम उसमें क्या होता है जो भी चेक होता है उस चेक को ये वाला जो बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा ये क्या करेगा इसके पास में एक मशीन है उस मशीन के ऊपर उसको रखता है उसकी स्कैनिंग हो जाती है वो जो चेक है उसका क्या हो जाता है स्कैंड कॉपी बन जाती है इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बन जाती है और वो स्कैन कॉपी सीधी किसको भेज दी जाती है एसबीआई एस बी आई वाले अपने यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक है या नहीं है अगर है तो फिर कह देते हैं हाँ एकदम सही है तो ये इन्फॉर्मेशन वापस किसको भेज देंगे इसको और पैसा किसको दे देंगे आरबीआई को और आरबीआई किसको दे देगा इसको दे देगा इससे पैसा निकल जाएगा तो फिजिकल चेक का मूवमेंट होने की बजाय अब क्या होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है उसका मूवमेंट होता है और इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं ये सी चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो उसका प्रयोग करते हैं यानी अब चेक लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाया नहीं जाता ठीक है ये अलग ये फैसिलिटी कौन देता है आरबीआई देता है फिर आरबीआई का अगला काम क्या है तरलता का और ये सबसे महत्वपूर्ण काम है तरलता का नियंत्रण करना तरलता क्या होती है पैसे बाजार के अंदर जो मनी है जो रुपए हैं वो है तरलता तरलता का संबंध होता है किससे डिमांड से, से। रुपए का संबंध किससे है डिमांड से मांग से दो प्रकार की सिचुएशन होती है या तो मांग ज्यादा है आपूर्ति से और या आपूर्ति ज्यादा है मांग से या तो डिमांड ज्यादा है सप्लाई से या सप्लाई ज्यादा है डिमांड से जब ये डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से तब क्या होगा इन्फ्लेशन होगी और ये होगा तो मंदी होगी डिफ्लेशन डिफ्लेशन होगा हुई मुद्रा अपस्फीति हुई अपस्फीति हुई तो वो मंदी आ जाएगी और मुद्रा स्फीति इन्फ्लेशन हुई तो महंगाई जो है वो बढ़ जाएगी और इसलिए इन दोनों को क्या करना पड़ता है कंट्रोल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मांग को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा और यहां पर मांग को बढ़ाना पड़ेगा और मांग का संबंध किससे है पैसों से रुपए से तो रुपयों को, तो को या तो बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है यानी तरलता को या तो बढ़ाया जाता है या कम किया जाता है और तरलता को बढ़ाने कम करने का, का काम कौन करता है आरबीआई करती है आरबीआई ऐसा इसके पास में है इसको तो ऊपर नीचे करते रहते हैं वाल घुमाते रहते हैं और तरलता को कम ज्यादा करते रहते हैं कैसे करते हैं तो इसके लिए उनके पास होते हैं टूल्स ये टूल क्या होते हैं वाल नहीं होता वाल की जगह एक तो होता है क्वान्टिटेटिव मेजर्स और दूसरे क्वालिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपाय कौन सा दीर्घकालिक ऋण दिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा बैंक को ठीक है और उसके ऊपर जो ब्याज दर होती है उस ब्याज दर को क्या कहते हैं बैंक रेट कहते हैं तो बैंक रेट क्या होती है वह ब्याज दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक ऋण

शुद्ध जमाएं भी कह सकते हैं इसको शुद्ध देनदारियां भी कह सकते हैं ठीक जमाएं क्या होती है, है, है। तो तो पूरा -पूरा परंतु कुछ जो है किसके पास चला जाता है आरबीआई के पास आरबीआई के पास जमा कराना होता है किस फॉर्म में कैश फॉर्म में किस फॉर्म में कैश फॉर्म में जमा कराना होता है और इस पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देती है किसी प्रकार का ब्याज जो है वो नहीं दिया जाता है और जितना पैसा जमा कराना होता है उसको क्या कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो यानी यहां पर आपके पास में आए सौ करोड़ और चार परसेंट है आपका सीआरआर है इसका मतलब यहां कितने जमा कराने पड़ेंगे चार करोड़ जो है वो जमा कराने पड़ेंगे ठीक है इसके बाद में दूसरा होता है ये तो सीआरआर सीआरआर के बाद एस सांविधिक तरलता अनुपात इसमें क्या करते हैं जितनी भी जमाएं आई है उस जमाओं का कुछ परसेंट आपको तरल परिसंपत्तियों में रखना होता है किसमें रखना होता है

नहीं मिलता और ये दोनों क्यों ये व्यवस्था क्यों रखी जाती है ताकि आपका जो बैंक है वो क्या रहे सुरक्षित रहे सारे के सारे 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 के के जितने पैसे आए आप रिस्की लोन में ना दे दो इस वजह से पहले से आरबीआई कुछ प्रावधान जो है है वो करके रखता है। और इनके बाद जो बचा उसको क्या दिया जा सकता है लोन में दिया जा सकता है उसको कहते हैं ऋण योग्य राशि ठीक है तो ये होती है ये फिर होता है रेपो रेट आरबीआई देता है किसको बैंक को कैसे लोन

के पास है, तो सॉरी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक को और खरीदनी पड़ती है दूसरा होता है रिवर्स रेपो रिवर्स रेपो में बैंक जमा कराता है पैसे किसके पास आरबीआई के पास जो है बैंक पैसे जमा करवाता कर है और इसके ऊपर आरबीआई बैंक को क्या देता है ब्याज देता है और उस ब्याज को क्या कहते हैं रिवर्स रेपो रेट

एस एल आर वाली परिसंपत्तियों का क्या किया जा सकता है तो प्रयोग किया जा सकता है और रेपो के अंदर वाली परिसंपत्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता दोनों ही ऋण कैसे होते हैं शॉर्ट टर्म के होते हैं अब यहां पर आपको एक विशेष सुविधा कि एस एल आर की परिसंपत्तियों का प्रयोग कर सकते हो और परिसंपत्तियों का प्रयोग कर सकते हो तो ब्याज क्या लगेगा ज्यादा लगेगा आपको विशेष सुविधा मिली सुविधा मिली तो पेनल्टी भी लगनी चाहिए और पेनल्टी लगनी चाहिए तो इसलिए इसको भी क्या कहते हैं पीनल रेट कहते हैं एमएसएफ जो होता है उसको भी पीनल रेट कहते हैं ये भी एक प्रकार की पेनल्टी रेट जो है वो है फिर होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन ये जो अपन ने कहा कि रेपो के तहत क्या होगा रेपो रेट के तहत बैंक को कुछ यहां पर परिसंपत्तियां गिरवी रखनी पड़ेगी और ये गिरवी गिर रखनी पड़ेगी तो एस एल के अतिरिक्त परिसंपत्तियां परिसंपत्ति का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो ये अतिरिक्त गवर्नमेंट सिक्योरिटी आएगी कहां से तो उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदा जाएगा और वो खरीदने का काम कहां करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में करते हैं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की खरीद और बिक्री ये कहां होती है ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद और बिक्री होती है रेपो ऑपरेशन में तो और ओपन अंतर होता है किसके अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशन में और रेपो के अंदर रेपो बाजार और ओपन मार्केट ऑपरेशन ओपन मार्केट ऑपरेशन में तो क्या होगा खरीद और बिक्री होगी और इसमें क्या करेंगे सिर्फ जो है वो गिरवी रखेंगे देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बात है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज कहां पर न्यूज में होती है देखे गए सीमांत स्थायी सुविधा दर और निवल मांग और सावधि देताएं पदबंध कभी कभी समाचार में आते रहते हैं अब पदबंद के नाम से इसलिए इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लेना है यह इकोनॉमी में हमेशा ही हिंदी में भी पढ़ना है और इंग्लिश में भी पढ़ना है ठीक है तो बैंक कार्यों के अंदर बैंकिंग ऑपरेशन में एमएसएफ वगैरह कहां आती है बैंकिंग ऑपरेशन के अंदर जो है वो एमएसएफ और ये नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है जमाएं जो जमाए वही उसकी लाइबिलिटी है और जमाए दो प्रकार की हो सकती है या तो डिमांड डिमांड डिपोजिट हो सकते हैं या टाइम डिपोजिट हो सकते हैं तो इसलिए उसको कहते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी जो है वो कहा जाता है पढ़ो देखे थोड़ा लंबा है फिर भी क्वेश्चन पढ़ने में तो आने चाहिए तुम्हें पढ़ने में क्या तो सॉल्व ही कर दोगे

टू इनेबल द बैंक सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांज क्रिएट केंद्रीय द्वारा निर्मित की जाने वाली अग्रिम राशियों पर नियंत्रण रखने की सक्षमता प्रदान करना सीआरआर को बढ़ा दिया तो लोन देने वाली राशि क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और सीआरआर को कम कर दिया तो लोन देने वाली राशि बढ़ जाएगी ठीक है तो पहला ऑप्शन सही है कोई दिक्कत नहीं है टू मेक द पीपल डिपोजिट विद सेफ एंड लिक्विड ये भी सही है दूसरा ऑप्शन भी सही है तीसरा ऑप्शन टू प्रिवेंट द बैंक कमर्शियल बैंक फ्रॉम मेकिंग एक्सेसिव व्यवसायिक अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना ऐसा थोड़ी होता है अत्यधिक लाभ कमाने से रोकना चाहता है आरबीआई आरबीआई तो तीसरा तो क्या हो जाएगा गलत जो है वो गलत हो जाएगा दो सही हो गए तीन गलत हो गए तो ये तो वैसे ही गलत हो गया आंसर अब तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर भी टू तो फोर्स द बैंक टू तो फोर्स द बैंक टू हैव सफिशिएंट वॉल्ट कैश टू मीट देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट बैंकों को दिन प्रतिदिन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोष नकदी रखने पर बाध्य करना तो ये इसके लिए नहीं भाई ये जो सीआरआरसला होती है लास्ट के लिए होती है जब आपके बिल्कुल बाकी सब कैश खत्म हो जाए उसके बाद आप किसको रख कर सकते हो इसका प्रयोग कर सकते हो बाकी डे टू डे आपकी आवश्यकता है तो आप किसी दूसरे बैंक वगैरह से ले लो सीधे सीधे ऐसा नहीं है थोड़ी कैश की जरूरत हो सी आर आर में से निकाल लिया इसके इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता इसका प्रयोग होता है इमरजेंसी के अंदर लास्ट जो ऑप्शन के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है है इसलिए यह वाला जो वैसे ही अपन को पर जब तीसरा आपको गलत हो गया तो इसका मतलब ये दो तो गलत हो गए और पहले दो सही थे इसका मतलब बीच जो है वो सही हो गया अब लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं तो किसको बढ़ाया जाता है और किसको कम किया जाता है बहुत सिंपल बात है महंगाई को नियंत्रित करना है महंगाई को नियंत्रित करना है मतलब लिक्विडिटी को क्या करना है कम करना है लिक्विडिटी को क्या करना है कम करना है कम करना है तो रेपो रेट को क्या किया जाएगा बढ़ाया जाएगा रेपो रेपो रेट रेट को बढ़ा को बढ़ाएंगे बढ़ाने से क्या होगा रेपो रेट को बढ़ाएंगे तो जो कमर्शियल बैंक है उस कमर्शियल बैंक की इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी तो लोग लोन कम लेंगे और लोग लोन कम लेंगे तो तरलता क्या हो जाएगी कम हो जाएगी कम हो जाएगी तो ठीक है सीआरआर को बढ़ाया जाएगा सीआरआर बढ़ा देगी तो ऋण योग्य राशि कम 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 बचेगी कम बचेगी ऋण योग्य राशि तो लोन जो है वो दिए जाएंगे या फिर दिए जाएंगे तो बड़ी इंटरेस्ट रेट पर दिए जाएंगे ठीक है तो यानी ये भी सही। SLR को भी को बढ़ाया जाएगा सीआरआर दोनों का लॉजिक एक जैसा ही है ठीक है इसमें भी सीआरआर को भी अलग रखा SLR को अलग रखा तो ऋण योग्य राशि क्या हो गई कम होगी ठीक है एम एस एफ जैसा रेपो रेट की बात है वैसे ही एमएसएफ की बात है दोनों जो है वो एक ही बातें होती है बस इसके अंदर जो है वो एसएलआर का प्रयोग किया जा सकता है और इसमें एसएलआर वाली सिक्योरिटी का प्रयोग नहीं किया जा सकता तो इसको भी क्या किया जाएगा बढ़ाया जाएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन में सरकारी प्रतिभूतियों खरीद की जाएगी या बिक्री की जाएगी सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाएगा बेचने से क्या होगा आपने आरबीआई ने बेची तो सरकारी आरबीआई की तरफ से लोगों के पास गई और लोगों से पैसे आरबीआई के पास आ गए तो रेट सर... तो तो को, को, को भी क्या किया जाता है बढ़ाया जाता।, को भी बढ़ाया जाता है इसको क्यों बढ़ाया जाता है ताकि बैंक जो है बैंक के पास में पैसे बढ़े बैंक के पास दो ऑप्शन है तो या तो वो लोन दे

क्वेश्चन शायद मैंने एड भी किया है ये आर दो हजार सोलह का ही क्वेश्चन है उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है अब उपभोक्ता कीमत सूचकांक और कौन मुद्रा मुद्रास्फीति बढ़ रही है मुद्रास्फीति बढ़ रही है मतलब तरलता क्या है ज्यादा है तो तरलता ज्यादा तरलता को क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा बेस रेट कंज्यूमर प्राइस कि, नहीं की दर बढ़ती है यदि तो मुद्रास्फीति बढ़ती कब है घटती कब है नहीं मुद्रा <coughs> मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है कब बढ़ती है समझ लो तरलता कब बढ़ती है कौन सी चीज से तरलता जो है वो बढ़ती है बैंक दर को कम कर दिया जाए अगर बैंक दर को कम कर दिया गया तो क्या होगा तो मुद्रा तो तरलता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी अगर बैंक दर कम है तो बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा और सस्ता लोन मिलेगा तो वो लो, ज, लो, लोग लोगों को लोन ज्यादा देंगे और ज्यादा देंगे तो तरलता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो पहला सही है पर अब दूसरा भी जो है वो सही है पर अब और फिर तीसरा एस एल को बढ़ाया नहीं जाएगा एस को तो क्या किया जाएगा कम किया जाएगा और रेपो रेट को भी बढ़ाया नहीं जाएगा उसको भी कम किया पर अब इन दो में से चूज करना है तब किसको किया जाएगा बैंक रेट को जो है वो चूज किया जाएगा क्योंकि आरबीआई के पास मतलब बैंक के पास पैसे हैं और पैसे वो बैंक रेट के तहत मतलब लोगों को भी दे सकते हैं और किसको दे सकते हैं आरबीआई को भी दे सकते हैं तो अब आ, <coughs> तो तो आरबीआई आरबीआई सॉरी लोगों को भी दे सकते हैं RBA, तो उसमें ज्यादा कौन सा चूज कर रहे हैं वो लोगों वाला ज्यादा चूज कर रहे हैं हालांकि ये ऑप्शन जो है गलत है होना यह चाहिए था कि इसको भी क्या किया जाना चाहिए था बढ़ाया जाना चाहिए था तो ये आरपीएससी ने जो है दो में गलती की थी बाकी सही जो है वो क्या होता है दोनों ही चीजें क्या की जाती है कम की जाती है जैसे यहां पर अपस्फीति है ये देखो ये दूसरा वाला ऑप्शन देखो तरलता को यहां पर ये महंगाई बढ़ानी है तरलता को क्या करना है बढ़ाना है तरलता को बढ़ाना है तो क्या करें एसी बंद करवा दो अरे यार एक तो तुम एसी के नीचे बैठा ही मत करो जिनके दिक्कत तो वो दूर बैठा करो एसी से और ये कोई एसी वैसे बंद ही कराऊंगा मैं हां लिखो ये देखो तरलता तरलता को क्या किया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है तरलता को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा रेपो को कम करना पड़ेगा सीआरआर को भी कम करना पड़ेगा एसएलआर को भी कम करना पड़ेगा उल्टा होगा उसका एमएसएफ का भी कम करना पड़ेगा सरकारी प्रति बेचने की जगह खरीद लेंगे बैंक रेट को कम कर देंगे रिवर्स रेपो रेट को भी कम जो है वो कम कर दिया जाना चाहिए ठीक है तो पर इसका ऑप्शन जो है उन्होंने कहा क्या माना है ए इधर देखो दूसरा इनक्रीज इन बैंक रेट जनरली इंडिकेट्स दैट बैंक दर की में वृद्धि सामान्यतया इस बात का संकेत है कि बैंक दर में वृद्धि होगी तो क्या होगा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल बैंक दर में वृद्धि हुई है बैंक दर में वृद्धि हुई है तो इसका मतलब बैंकों को जो ब्याज मिल रहा है वो जो पैसा मिल रहा है वो अधिक पे मिलेगा अधिक में मिलेगा तो आगे भी अधिक पे देंगे सेंट्रल बैंक इज नॉन लोकर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को कर्जे ही नहीं दे रहा है कर्जे तो दे रहा है परंतु हाई रेट पे दे रहा है सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग इजी मनी पॉलिसी अब ये इजी मनी को अगर अब इजी को इसमें देखो तो क्या है सस्ती, सस्ती का मतलब इसका मतलब तो कम दर पे जो है वो पैसे मिल रहे हैं तो पर बैंक की ये जो रेट है वो तो क्या हुई है बढ़ी है बैंक रेट बढ़ी बैंक रेट बढ़ी है तो बैंकों को पैसा सस्ता मिलेगा महंगा मिलेगा महंगा मिलेगा तो इसलिए इजी तो नहीं है सस्ती मुद्रा नीति तो नहीं है कैसी है सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग टाइट मनी पॉलिसी केंद्रीय बैंक महंगी मुद्री मुद्रा नीति का क्या कर रहा है प्रयोग कर रहा है तो डी जो है वो सही है देखो महंगी और सस्ती का मतलब जो है समझ लो सस्ती तो मतलब टाइट का मतलब होगा तो भाई आपको लिक्विडिटी कम करनी है तो टाइट है और लिक्विडिटी बढ़ानी है तो इजी है हिंदी में तो सस्ता महंगा जो है इजी समझ में आता है इंग्लिश में इजी और टाइट का मतलब एक और दूसरा कई बार शब्द यूज होता है केंद्रीय बैंक के द्वारा विस्तारवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है एक्सपेंशनरी तो एक्सपेंशनरी का मतलब तरलता को क्या किया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है यह संकुचित मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जा रहा है इसका मतलब तरलता क्या किया जा रहा है कम के। ये विस्तार संकुचन ये किसका हो रहा है तरलता का हो रहा है तो ठीक है तो उस हिसाब से जो है वो समझ तो कर ही लिया था क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है नहीं दिख रहा है क्या पीछे करो करो सब क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश तो करो आए नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन पढ़ने पढ़ने में आ जाना चाहिए ताकि को जो कठिन भाषा होती है वो एक बार पढ़ने में तो आ जाए और वैसा ऐसा होगा नहीं कि तुम्हें आएगा नहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस टू हैपन जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात अनुपातरी लिक्विडिटी रेशियो को पचास आधार अंक से कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है एस को क्या कर दिया है कम कर दिया और ये बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है 50 बेसिस पॉइंट का मतलब पॉइंट फाइव परसेंट इसे परसेंटेज में कितना पॉइंट फाइव यानी पहले 18 परसेंट थी तो अब कितना कर दिया साढ़े सत्रह परसेंट जो है वो कर दिया तो एस को क्या कर दिया गया है कम कर दिया गया आधे परसेंट से कम कर दिया गया अब क्या होगा इंडिया जी डी पी ग्रोथ इज रेट इंक्रीज ड्रेस्टिकली एकदम से जीडीपी पचास पॉइंट आपने कम किया जी डी पी ग्रोथ रेट ड्रेस्टिकली और देखो ये भी ध्यान रखने होते जहां पर ऐसे शब्द लगे होते ना ये ड्रास्टिकली प्रबलता से केवल मोस्ट ऐसे जो शब्द होते हैं इनको कहते हैं एबसुलूट स्टेटमेंट क्या होता है एबसुलूट वर्ड्स होते हैं स्टेटमेंट तो क्या वर्ड्स जो कि ऐसे बिल्कुल बहुत ज्यादा सभी हमेशा ये चीज जो है हमेशा ही होती है या कभी कोई भी ऐसा नहीं हुआ है ठीक है या केवल एक बार हुआ है या कभी नहीं हुआ है ऐसा अगर कहीं पर भी शब्द आता है तो इसलिए उस पर ध्यान थोड़ा ज्यादा देना होता है और वो जनरली क्या होते हैं गलत होते हैं ऐसे स्टेटमेंट जनरली गलत होते हैं जनरली गलत होते हैं मतलब हमेशा ही गलत होते हैं पर उस पर ध्यान जो है आपको क्या देना है

अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं हाँ सकते हैं घटाएंगे ही या शेड्यूल कमर्शियल बैंक को अपनी दर घटानी पड़ेगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है एस कम पड़ेगी ऐसा कुछ नहीं है कर सकते हैं वो कर सकते हैं तो ये बात जो है वो सही इट मे ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी इन वापस शब्द क्या गया ड्रास्टिकली वो बहुत नकदी को प्रबलता से कमी हो जाएगी तो कोई प्रबलता वाली जो शब्द सही नहीं है क्या नहीं करेगा इफ आरबीआई डिसाइड टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट डू यदि आरबीआई प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा प्रसारवादी का मतलब तरलता को क्या कर रहा है बढ़ा रहा है तो तरलता को बढ़ा रहा है पर वो क्या नहीं करेगा उल्टा सोचना है कट एंड ऑप्टिमाइज दी स्टैचरी लिक्विडिटी रेशियो अगर लिक्विडिटी स्टेचुटरी को कम करता है कम करेगा तो क्या होगा तरलता बढ़ेगी और तरलता बढ़ेगी यहां पर तरलता तरलता बढ़ाने वाली नहीं करनी है अपन को तो देखना किससे कम होती है। उल्टा करना है क्योंकि तरलता किससे कम होती है इससे तरलता बढ़ती है इंक्रीज दी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एमएसएफ को क्या कर देगा बढ़ा देगा हाँ तो एमएसएफ को बढ़ा देगा तो लिक्विडिटी तो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी हाँ ये बात एकदम सही है कट बैंक 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 रेट रेट एंड दर 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 को दर को घटाना घटाना और हो जाएगी. और भी नहीं, नहीं वाला देखना तो आंसर क्या होगा बी जो है वो आंसर यानी क्वेश्चन कठिन नहीं होते है. हम उसको ध्यान से पढ़ते नहीं क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं आता जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं सारे ही क्वेश्चन जो है सिंपल कॉन्स अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है तो आप कोई से भी क्वेश्चन क्या कर सकते हो इजीली कर सकते हो पर एक तो हम जल्दीबाजी करते हैं या भाषा समझ में नहीं आती तो घबरा जाते हैं कि क्या पूछ रहा है क्या पूछ रहा? क्या पूछ पूछ रहा है पता नहीं तो ऐसे घबराना नहीं होता है ध्यान से पढ़ो कि भाई क्या है धीरे धीरे पढ़ो और क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा जाए सबसे पहली बात तो क्या होनी चाहिए क्वेश्चन और ये फिर ये जो इन नॉट इन हालांकि अब इसकी खूब प्रैक्टिस हो चुकी है तुम्हें फिर भी एग्जाम के अंदर जो है वो थोड़ा और ध्यान जो है वो रखना पहली बात तो ये द्रव्य क्या होता है तो इसलिए इंग्लिश पढ़ लेना चाहिए द्रव्य के आधार पर घूमते रहोगे तुम कि ठोस है एक द्रव्य है गैस है सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग दी सेम व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉर मनी द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है द्रव्य का मतलब है मनी पैसे बैंक के पास में पैसे जितने थे उतने ही है किसी चीज का चेंज नहीं हुआ मांगने वाले बहुत सारे आए हुए हैं सब कह रहे हैं हमें भी लोन दे दो हमें भी लोन दे दो हमें लोन दे दो तो डिमांड क्या है ज्यादा है सप्लाई तो उतनी की उतनी है और डिमांड ज्यादा है यानी डिमांड ज्यादा होकर सप्लाई क्या है कम है जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो क्या होता है कीमतें बढ़ती है अब यहां कीमतें कैसे बढ़ेगी अः फॉल इन लेवल ऑफ प्राइसेस प्राइसेस तो दूसरों की प्राइसेस से क्या यहां तो बात किसकी हो रही है बैंक की एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज दर में क्या कर देना बढ़ा देना हाँ, ब्याज क्या करेगा बढ़ा देगा भाई इन लोगों को कम करना है कम कैसे करोगे कुछ लोगों को हटा दो कुछ लोगों को हटाओगे कैसे तो साहब ब्याज जो है वो 5 ले, है वो नहीं लगेगा लगेगा बताओ किसको लेना फिर कुछ लोग नहीं नहीं हमें तो नहीं लेना तो यानी तो जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी वापस कंट्रोल में आ जाएगी तो इसका मतलब यहीं पर आंसर तो यही हो गया फिर भी डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर दिया तो और आ जाएंगे लोग बात दो परसेंट में दे रहे हैं हमें दो हमें दो हमें दो फ्री में रिवीजन हो रहा है इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इनकम और एम्प्लॉयमेंट का कोई लेना देना नहीं है तो ये है। ठीक है चलो फिर और ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कब किए गए एलटीआरओ भाई रेपो ऑपरेशन होता है न? एक होता है एलटीआरओ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन 2020 में शुरू किए गए और इसके तहत आरबीआई ने बैंकों को ऋण दिए आरबीआई ने बैंक को लोन दिए एक साल से तीन साल तक के एक साल से तीन साल इसका मतलब दीर्घकालिक है दीर्घकालिक ऋण है तो रेट कौन सी लगनी चाहिए थी बैंक रेट लगनी चाहिए थी पर बैंक रेट होती है ज्यादा और 2020 के अंदर लगा हुआ कोरोना का लॉकडाउन तो बैंकों की हालत थी खराब तो आरबीआई ने सोचा कि जब खराब हालत है इनसे ज्यादा रेट लेंगे तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है और इसलिए उसको क्या कर दिया गया रेपो तो रेपो रेट के ऊपर दीर्घकालिक ऋण जो है वो दिए गए रेपो रेट पे दीर्घकालिक ऋण दिए गए इसको नाम क्या दिया गया एल टी आर ओ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन रेपो ऑपरेशन है परंतु लॉन्ग टर्म का है रेपो रेट पे और दो बार किए गए टू एलटीआरओ वन के तहत एक लाख करोड़ रुपए और एलटीआरओ टू के तहत पचास हजार करोड़ रुपए जो है वो दिए गए और इसको लागू कैसे लागू लग, किया गया तो जो पैसे दिए बैंक को

या टी टी एल आर फिर होते हैं गुणात्मक उपाय ये तो थे सारे के सारे मात्रात्मक और अब है गुणात्मक गुणात्मक में सबसे पहला क्या आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है जब भी आप किसी चीज को लोन लेने जाते हो तो लोन लेने ले जाएंगे तो क्या रखेंगे कुछ ना कुछ गिरवी रखेंगे जिस चीज को गिरवी रखा गया उसका कुछ मूल्य होगा आपने सोना गिरवी रखा एक लाख का गोल्ड गिरवी रखा है तो बैंक क्या एक लाख का एक लाख रुपए दे देगा आपको नहीं देगा उससे कुछ कम देगा अब वो कम कितना देता है वो डिपेंड करता है कि स्पेस मार्जिन, है। कि जैसे उसने अगर कि मार्जिन ज्यादा रखो पचास परसेंट रखो पचास परसेंट रखोगे तो लोन कितना मिलेगा मात्र पचास हजार का लोन मिलेगा और अगर पचास हजार का लोन मिलेगा तो लिक्विडिटी क्या होगी कम हो जाएगी लिक्विडिटी कम हो जाएगी लोगों को पैसे कम मिलेंगे पैसे कम मिलेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी यानी मार्जिन आवश्यकता को बढ़ाया जाएगा तब तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और मार्जिन आवश्यकता को कम करेंगे तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी संबंध होता किस है किसमें मार्जिन आवश्यकता दूसरा क्या होता है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन क्या होता है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुल उपभोक्ता साख नियमन ये विनियमन उपभोक्ता साख नियमन जो है उसमें क्या करते हैं उसमें ये करते हैं कि मैं कितना डाउन पेमेंट आपको पे करना है जब भी आप कोई लोन लेने जाओ या कोई फाइनेंस करवा रहे हो तो फाइनेंस किसी से करवाया जा रहा है जिस चीज का भी आपने घर खरीदा और घर खरीदने के लिए आपके पास अभी जेब में कोई पैसे नहीं है आप किसी फाइनेंस कंपनी के पास में गए या किसी बैंक के पास में गए कि मेरे को ये घर खरीदना है आप पूरा पूरा इसको क्या कर दो फाइनेंस कर दो बैंक पूरा पूरा फाइनेंस करे कि नहीं करे तो बैंक ये कि नहीं पूरा नहीं करेंगे आपको कुछ पैसा क्या कर देना पड़ेगा उस बिल्डर को कुछ पैसा आपको खुद को देना पड़ेगा और बाकी हम दे देंगे जो खुद आप पैसा दोगे उसको कहते हैं डाउन पेमेंट उसको क्या कहते हैं डाउन पेमेंट जैसे गाड़ियों वाड़ियों के अंदर ज्यादा फेमसली होता है तो डाउन पेमेंट या अपफ्रंट मनी के रूप में आपको कुछ पैसे जो है वो देने पड़ते अब अगर इसकी आवश्यकता आरबीआई ने बढ़ा दी कि डाउन पेमेंट जो है पचास तो कम से कम डाउन पेमेंट होना चाहिए तो एक करोड़ का अगर घर है एक करोड़ का अगर आप फ्लैट खरीद रहे हो तो डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा पचास लाख यानी जेब के अंदर कुछ नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप फ्लैट खरीदने चले जाओगे और एक उन्होंने कह दिया कि नहीं, जीरो डाउन पेमेंट कोई जरूरी नहीं है डाउन पेमेंट लेने की तो यू घूमते फिरते दिखा यार फ्लैट हाँ फ्लैट दे देना यार एक <laughs> कितने का दिया तो ये फ्लैट जो है वो आप ले सकते हो तो ये डाउन पेमेंट जो है उसको अगर बढ़ाया और कम किया जा सकता है इसको क्या कहते हैं कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन जो है वो अच्छा सीसीआर कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन जो है वो कहा जाता है ठीक है और क्या होता है इसके अलावा होता है क्रेडिट राशनिंग क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या होता है ऋण को बांटना ऋण को क्या किया जा सकता है अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जा सकता है तो आरबीआई जो है बताती है कि कौन से कौन से सेक्टर में कितना कितना ऋण देना है जैसे अभी अपन तो तो ने देखा टारगेटेड एलटीआरओ तो टारगेटेड एलटीआरओ के तहत उन्होंने बताया ना किस किस क्षेत्र को कितना कितना ऋण देना है तो इसका मतलब यह है क्या है? एक तरीके से क्रेडिट की राशनिंग क्रेडिट तो आपको एक लाख करोड़ तो दे दिए पर इस एक लाख करोड़ में किस किसको दोगे और किसको नहीं दोगे ये किसने बताया आरबीआई ने आरबीआई ने, ने बताया तो ये क्या हो गया एक प्रकार से क्रेडिट राशनिंग आपका पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है क्रेडिट की राशनिंग होती है किस किस सेक्टर को कितना पैसा देना है ठीक है अब इसके अंदर या तो वो इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं या वो कंज्यूमर को दे सकते हैं इन्वेस्टर को कब देते हैं अगर आपको उत्पादन को बढ़ाना है उत्पादन को बढ़ाना है तो आरबीआई बैंक ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाएंगे नया उत्पादन करेंगे उत्पादन करेंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी अगर मंदी की सिचुएशन है सप्लाई को बढ़ाने के लिए ऐसा जो है वो किया जा सकता है और अगर कंज्यूमर सॉरी ये जो कंज्यूमर को कब देंगे जब क्या बढ़ाना हो डिमांड ये ये तो है जब आपकी इन्फ्लेशन ज्यादा और सप्लाई को बढ़ाना हो जब डिमांड को बढ़ाना हो तब क्या होगा कंज्यूमर को कि साहब ज्यादा कहेंगे ज्यादा ऑटो लोन ज्यादा दो होम लोन ज्यादा दो एजुकेशन के लोन ज्यादा दो क्रेडिट कार्ड ज्यादा बांटो तब क्या किया जा सकता है कंज्यूमर को जो है वो ज्यादा दिए जा सकते हैं तो ये भी गया क्रेडिट राशनिंग और क्रेडिट राशनिंग के बाद में मॉरल स्वेजन नैतिक दबाव आरबीआई जो है बैंकों में क्या बनाता है नैतिक दबाव जो है वो बनाता है कि भाई बैंक को यह कहा जाएगा कि आपको ज्यादा ऋण देने चाहिए या कम ऋण देने चाहिए ठीक है और उसके बाद में अगला होता है सीधी

मात्रात्मक है रेपुर नहीं मात्रात्मक है खुले बाजार की क्रियाएं नहीं ये इधर छिप गया इधर है मार्जिन रिक्वायर्ड मार्जिन आवश्यकता गुणात्मक उपाय होती है मार्जिन आवश्यकताएं जो है वो तुम ये देते रहो मैं इधर रखता आवश्यकता वैसे बहुत धीरे चल रहे प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होती है तो इसके तहत कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र के ऋण प्राथमिक क्षेत्र के ऋण का मतलब है इधर से आया डिपॉजिट बैंक के पास इस डिपॉजिट में कुछ निकाल दिया सीआरआर कुछ निकाल दिया एस उसके बाद कुछ बचा पैसा इसको कहते हैं ऋण योग्य राशि और इस ऋण योग्य राशि का 40 प्रतिशत किसको देना है पीएसएल को देना होता है ऋण योग्य राशि का 40 परसेंट किसमें देना होता है पीएसएल के तहत जो है वो देना होता है और पीएसएल के तहत फिर अलग अलग सेक्टर्स जो है वो निर्धारित किए गए जैसे इसके तहत कहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर को कृषि क्षेत्र को कितना देना है अठारह को कितना कार, माइनॉरिटी ये सब जो है वो आ जाते हैं बहुत सारे सेक्टर होते से हैं फिर आता है माइक्रो इंडस्ट्री सूक्ष्म उद्योग इनको कितने देने साढ़े सात परसेंट साढ़े सात परसेंट किसको देने सूक्ष्म उद्योग को यानी साढ़े सैंतीस परसेंट तो यही खप गए अब बचा ढाई परसेंट इस ढाई परसेंट को भी अन्य के अंदर भी दिया जा सकता है जैसे एक्सपोर्टर को निर्यातकों को दे सकते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज और मीडियम इंडस्ट्री को इनको दे सकते हैं ये में नहीं तो इसमें गए। फिर पीपल लिविंग इन रोहेबिटेशन या कच्ची बस्तियों के अंदर जो रहने वाले लोग होते हैं उनको दे देते हैं आवास के लिए दे सकते हैं एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उनको दिया जा सकता है एजुकेशन के लिए दिया जा सकता है इसके अलावा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कोई स्कूल बनाना चाहता है कोई अगर जो है वो या हॉस्पिटल बनाना चाहता है या फिर कोई आदमी ड्रिंकिंग वाटर की पेयजल की सुविधा बनाना चाहता है लगाना चाहता है तो उसको क्या मिल सकते हैं लोन जो है वो दिए जा सकते हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी अगर कोई नवीकरणीय ऊर्जा के लिए काम करना चाहता है तो उसको भी क्या दिया जा सकते हैं ऋण दिए जा सकते इवन स्टार्टअप वगैरह को भी इसमें का, अब जो है वो काउंट करने लग गए ये स्टार्टअप को भी ऋण देते हो तो वो भी क्या है आपका प्रायोरिटी सेक्टर जो है लेंडिंग ठीक है ढाई परसेंट जो है वो इनके अंदर बांटा जा सकता है इसको क्या कहा जाता है प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है वो कहा जाता है अब अगर कोई कोई जो बैंक है वो अगर पीएसएल के टारगेट को पूरा नहीं कर पाए तो क्या करना पड़ेगा उसको पीएसएल के टारगेट को अगर आप पूरा नहीं कर पाए तो जितना पैसा बचता है जैसे मान लो सैतीस परसेंट आपने दे दिया तीन परसेंट बच गया तो ये एक फंड में जमा कराना होता है जिसको कहते हैं आर आई डी जमा कराना होता है एक फंड होता है जिसको क्या कहते हैं आर आई डी एफ आरआईडी मतलब क्या है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऐसा एक फंड बना हुआ है किसके अधीन है ये फंड नाबार्ड के अधीन किसके अधीन होता है नाबार्ड जो है नाबार्ड के अधीन ये फंड है और इस फंड के अंदर पैसा जमा कराना होता है फिर तो बैंक की मौज हो गई बैंक तो जो है किसी को दे ही नहीं सीधा सीधा पैसा किस में डाल दे सारा का सारा पैसा इसी में डाल दो पर अगर आपने बार बार इसमें पैसे डाले आर में तो बैंक का आर आरबीआई आपके विरुद्ध क्या कर सकता है कार्यवाही कर सकता है तो इसलिए बार बार इसमें पैसे नहीं डाले जा सकते हालांकि अगर नहीं हो तो इसमें डाले जा सकते तो पहले तो यही चीजें चलती थी फिर आरबीआई जो है उस आरबीआई ने एक और व्यवस्था की चलो पहले ये क्वेश्चन कर लो फिर आगे सिंपल सा ये एक देखते हुए जानना चाहिए All of the above. Agriculture, micro enterprises, weaker section. किसको हैं हैं तो 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 कृषि, लघु, छोटे उद्योग, दुर्बल के सभी, सभी सभी जाएगा? होते अंदर। फिर आते सेक्टर सर्टिफिकेट. तो ये एक नई व्यवस्था जो है वो आरबीआई ने शुरू की आरबीआई ने पहले तो लोग जो है वो आर में पैसे डालते थे और अब कहा कि अगर आपके पास में आपका अगर नहीं होता है भाई एक बैंक है एसबीआई पैतालीस परसेंट दे रहा है पीएसएल को प्रियोटी सेक्टर को कितना दे रहा है 45 परसेंट और दूसरा बैंक है 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 एचडीएफसी वो वो जो है, वो 38 दे रहा है, और आईसीआईसीआई ये जो है है वो कुछ 37 दे रहा है, तो इसकी कमी कितनी है दो परसेंट इसकी कमी कितनी तीन परसेंट और इसके बाद ज्यादा कितने पांच परसेंट तो ये क्या जारी कर सकता है प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट फिगेट जारी करता है जो प्राथमिक क्षेत्र ऋण के प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र जो है जारी कर सकता है और इन प्रमाण पत्र को कौन खरीद सकता है यह भी खरीद सकता है और यह भी खरीद सकता है इस तरीके से जो है वो प्रियोर सर्टिफिकेट की तो इसलिए आरबीआई का एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ई कुबेर आरबीआई का सॉफ्टवेयर है क्या नाम है उसका ई e कुबेर उस ई कुबेर पर लेन देन जो है वो किए जाते हैं और एक बार अगर आपने प्रियोरटी लेंडिंग सर्टिफिकेट खरीद लिया तो उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी एक वित्तीय वर्ष एक फाइनेंशियल ईयर जो है

पत्र सामान्य पीएसएल प्रमाण पत्र ये जो है वो चार प्रकार के पीएसएल सर्टिफिकेट्स जो है वो सर्टिफिकेट्स होते हैं ठीक है और ये व्यवस्था कब से शुरू हुई 2016 से और अगर किसी बैंक को मिला ही नहीं पीएसएल सर्टिफिकेट कहीं पे नहीं मिला है ही नहीं बेचने वाला ही नहीं है कोई तो क्या होगा तो आरआईडीएफ में पैसे डालने पड़ेंगे फिर तो किस में डालने पड़ेंगे वो आरआईडीएफ में पैसे डालने पड़ेंगे कबूतरों के नाम कोई ये कैपिटल एडिक्यूसी रेशियो कैपिटल एडिक्यूएसी रेशियो क्या होता है नाम बता रहा है पूंजी पर्याप्तता अनुपात अनुपात होता है एक रेशो होता है किसके बीच में पूंजी और जो आपकी रिस्की एसेट्स जो आपकी जोखिम युक्त परिसंपत्तियों और पूंजी इन दोनों के बीच में क्या है अनुपात होता है बैंक बैंक के पास में इधर से आएंगे डिपॉजिट इधर से बैंक क्या देगा लोन लोन देगा लोन जो है वो सुरक्षित भी हो सकते हैं यानी सरकार को दिए तो सुरक्षित है और या फिर जोखिम युक्त भी हो सकते हैं जिसमें जीरो रिस्क है वो तो सुरक्षित है है एकदम और जिसमें रिस्क है, किसी के अंदर थोड़ी ज्यादा होगी किसी में थोड़ी कम होगी एयरलाइन इंडस्ट्री है तो उसकी रिस्क ज्यादा होगी ठीक है अभी जैसे बिजली वाली किसी कंपनी को डिस्कॉम को अंदर को लोन दे रहे हो तो रिस्क ज्यादा है ठीक है वो वैसे घाटे में चल रहे हैं पहले से तो इसलिए हर क्षेत्र की क्या होगी कुछ ना कुछ रिस्क और जो लोन होते हैं वही होते हैं उसके क्या होते हैं एसेट्स 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 तो तो यानी यानी ये ये भी भी इसको लोन दिए गए जोखिम युक्त एसेट्स तो कितने लोन आपने जोखिम के दिए और जब भी कोई बैंक शुरू करता है तो क्या लगाता है पूंजी तो पूंजी और ये इन दोनों को क्या करना है डिवाइड करना है पूंजी और इनका जो है वो डिविजन होता है और वैसे समझने के लिए जितना आपको ऋण देना होता है उसका कुछ परसेंट किसमें होना चाहिए पूंजी में होना चाहिए जैसे अगर कैपिटल रेशियो एडुकेश को रखा है दस और आपको अगर सौ करोड़ का ऋण देना है सौ करोड़ का ऋण देना है तो पूंजी में कितने होने चाहिए दस करोड़ होने चाहिए दस करोड़ पूंजी में होंगे तभी आप क्या दे सकोगे सौ करोड़ का ऋण दे सकोगे ऐसा नहीं है कि भाई पूंजी में एक करोड़ ही रुपए और इधर से जमा करने वालों के लोगों के पैसे आगे सौ करोड़ रुपए और आप सारे के सारे पैसे दे दो, दो लोन में ना ऐसा नहीं कर सकते अगर आपको ये जितने जमा सारी की सारी लोन में देनी है तो अपनी पूंजी को क्या करो बढ़ाओ जो मालिक है उस मालिक को उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो दस करोड़ करना पड़ेगा अगर ये एक हजार करोड़ करना हो तो सौ करोड़ करो अगर दस हजार करना हो तो इधर जो है हजार करो अगर सीआर कितना हो दस परसेंट हो तो यह मतलब होता है जितना ऋण देना है उसका कुछ परसेंट किसमें होना चाहिए पूंजी के रूप में रखा जाना चाहिए इसको कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और यह कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होना चाहिए इसके लिए एक स्टैंडर्ड निकलता है उसको कहते हैं

नहीं यहाँ लोन नहीं मिलते नाम में जरूर बैंक है परंतु यहाँ कोई लोन नहीं मिलते यहाँ कोई आप जाकर अपना खाता नहीं खुलवा सकते हो जमा नहीं करवा सकते हो ये तो है केंद्रीय बैंकों की एक संस्था जितने भी दुनिया के अंदर देश हैं देशों हर देश के अंदर एक केंद्रीय बैंक होता है केंद्रीय बैंकों की एक संस्था बनी एक हुई है और इसका काम है बैंकिंग क्षेत्र में रिसर्च करना बैंकिंग क्षेत्र में क्या करता है ये रिसर्च करता है अनुसंधान करता है और अनुसंधान करके कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड निकालता है कुछ मानक निकालता है और उन मानकों को अगर अपनाओगे तो आपका बैंकिंग तंत्र क्या होगा सुधरेगा या बैंकिंग तंत्र की जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ेगी ठीक है तो इसके लिए इसलिए इसका सदस्य कौन होता है केंद्रीय बैंक और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है आरबीआई आरबीआई और RBI इसका सदस्य कब बना सिक्स के अंदर उन्नीस सौ सदस्य बना अब ये रिसर्च करता है रिसर्च करके कुछ गाइडलाइन निकालता है ये जो गाइडलाइन होती है इन गाइडलाइन को क्या कहा जाता है बेसल स्टैंडर्ड जो है वो कहा जाता है अब तक कितनी बार निकाले जा चुके हैं तीन बार बेसल स्टैंडर्ड कितनी बार, बार, 2004 और 2010 हालांकि ऐसा नहीं है बेसल, तो बेसल मानक जो है बाध्यकारी नहीं होते लेकिन फिर भी अगर आप मानोगे तो इससे आपकी विश्वसनीयता क्या होगी बढ़ेगी इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी आपको जैसे कोई बताए कोई बात बताई जाए आप मानो तो सही है नहीं मानो तो मत मानो कोई दिक्कत नहीं है पर अगर मान लोगे तो चीजें अच्छी हो जाएगी और तो कोई दिक्कत नहीं होगी तो ऐसे ही ये भी जो है वो हर केंद्रीय बैंक को कुछ गाइडलाइंस बताते हैं कि ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए ऐसा करना चाहिए वो उसको मान लेते हैं तो उनकी विश्वसनीयता बढ़ती है और नहीं मानेंगे तो विश्वसनीयता भी कम हो जाएगी और उनके बैंकिंग तंत्र को नुकसान भी हो सकता है ठीक है और इन्होंने अभी वर्तमान के अंदर कौन से बेसल स्टैंडर्ड है बेसल थर्ड बेसल थर्ड जो है अभी लागू रखे बेसल थर्ड दो में अपनाए गए थे भारत ने कहा कि हम भी बेसल थर्ड अपनाएंगे और बेसल थर्ड से ज्यादा करेंगे अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड जो है उससे हम कुछ ज्यादा करेंगे ठीक है और ज्यादा करके कहा कि साहब हम जो है निजी क्षेत्रों के लिए बेसल में तो कहा गया बेसल थर्ड के अंदर कहा गया कि सी कितना होना चाहिए आठ परसेंट होना चाहिए हमने कहा कि नहीं आठ क्यों होना चाहिए आठ तो बहुत कम है नौ परसेंट होना चाहिए नौ परसेंट तो किसके लिए प्राइवेट बैंक के लिए और सरकारी बैंक पब्लिक सेक्टर का बैंक है तो बारह परसेंट होना चाहिए ये ऐसा हमने कहा है

तो इसलिए सरकार जो है वो हमेशा ही घबराती रहती है कि साहब ये कैसे कैसे करें ये तो सरकार ने एक जो है तरीका निकाला इसमें तो सरकार ने क्या किया तो वैसे टाइम लग जाएगा थोड़ा सरकार ने क्या किया यहां से ये जो लोन है जैसे पंजाब और सिंध बैंक है इस पंजाब और सिंध बैंक को कहा कि तुमको जो है क्या जारी करने है जीरो कूपन बॉन्ड जारी करो क्या जारी करो जीरो कूपन बॉन्ड नहीं इन्होंने सरकार ने जारी किए सरकार ने जारी किया जीरो कूपन बॉन्ड जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है लिखा हुआ भी नहीं है और जो डिस्काउंट है वो भी जीरो है यानी किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दे रहे और इनसे कहा सौ करोड़ के सौ करोड़ के जारी किए और खरीद कौन ले रहा है ये ये खरीद ले रहा है यानी इसने लोन दे दिया किसको सरकार पंजाब सिंध और बैंक ने कितने लोन दे दिए सरकार को सौ करोड़ रुपए जो है वो ऋण में दे दिए सरकार के पास आ गए फिर सरकार ने कहा अब हम इस सौ करोड़ का क्या करेंगे इसको इसके पूंजी बढ़ा देंगे इसकी पूंजी क्या कर दी बढ़ा दी अब इसकी पूंजी कितनी हो गई और एक हजार करोड़ वापस पूंजी पूंजी होगी तो और ज़्यादा दे दे सकता है किसको देगा सरकार को और तो सरकार इसकी पूंजी बढ़ाती रहेगी ऐसे घपला जो है वो चल रहा है खैर तो ये कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशो जो है वो हुआ करता है हालांकि अपने यहां पर अभी था कि 2020 तक इसको लागू करना था परंतु 2020 के अंदर तो फिर कोरोना आ गया तो अब एक और बहाना मिल गया तो और क्या बाद में करेंगे 2022 तक करेंगे और 22 भी अब आने वाला वाला तो कोई खास होने वाला कुछ है? नहीं इसको जो है बढ़ा दिया जाएगा और फिर होता है कॉल मनी मार्केट कॉल मनी मार्केट का मतलब डे टू डे ट्रांजेक्शन में एक बैंक जिसके पास ज्यादा पैसे है एक बैंक के पास कम कैश है कैश जो है कैश की कमी है के पास कैश ज्यादा है तो दूसरे को क्या करता है फोन करता है और कॉल करके जो है पैसे अरेंज

कॉल पे डिसाइड होती है और इंटरेस्ट रेट कॉल पे डिसाइड होती है उसको क्या कहते हैं कॉल रेट उसका नाम क्या होता है कॉल रेट जो है कॉल रेट उसको कहा जाता है ठीक है ये जो पैसा आता है इस पैसे को कॉल मनी मार्केट से पैसा आया उस पैसों को क्या कहेंगे कॉल मनी कहते हैं पैसों को क्या है? कहते हैं कॉल मनी कहते हैं अगर एक दिन के लिए लिया जा रहा है तो कॉल मनी अगर दो से चौदह दिन के लिए लिया जा रहा है तो नोटिस मनी दो से चौदह दिन के लिए लिया, जा तो दिन के लिया, जा, लिया जाता है तब उसको क्या कहते हैं नोटिस मनी जो है वो कहा जाता है अगर एक दिन के लिए लिया जाए तो कॉल मनी और दो से चौदह दिन के लिए लिया जाए तो नोटिस मनी जो है नोटिस मनी उसको कहते हैं और अब ये क्या होता है कि कई बार तो ऐसा है कि कोई बैंक बैंक है उस के पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है और कोई एक ही बैंक का फोन आया है ये एस वालों के पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है और बैंक ऑफ बड़ौदा वालों ने फोन किया है इनके पास सुबह से कोई आया ही नहीं था तो अब नहीं आया तो ये क्या करेंगे बहुत कम रेट पर भी दे देंगे कम रेट पर भी दे देंगे और कम रेट पर दे देंगे तो उस दिन तो रेट क्या कॉल रेट क्या रहेगी बहुत

जो ये बैंकों को सीआरआर एसएलआर मेंटेन करनी होती थी और इसके लिए जो पैसे चाहिए होते थे वो किससे अरेंज करते थे कॉल मनी मार्केट से अरेंज करते थे इसलिए अब चौदह तारीख को या पंद्रह तारीख को आरबीआई का चेक, चेकिंग होगी और चेकिंग होगी तो पंद्रह तारीख को सबको सब कैश चाहिए सबको कैश चाहिए तो डिमांड बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत ज्यादा तो जिसके पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा है वो फिर क्या करेगा वो मनमानी रेट वसूल करेगा और सामने वाले बैंक को देना पड़ेगा इस वजह से बैंकों को दिक्कत आ रही थी और इसलिए आरबीआई ने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है तो क्या करें तो इसको ऐसा करते हैं कि जो है वो रेपो ऑपरेशन शुरू कर देते हैं आरबीआई ने कहा कि बे दूसरे बैंकों से क्यों लेते हो उदाह चाहिए हमसे ले लो हमारे पास भी पैसे पड़े हैं कैश हमारे पास में कौन सी कम है तुम्हें कैश चाहिए तो ये किससे ले लिया जाए हमसे ले लो और हम आपसे ऐसी इतनी ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है कभी चार्ज नहीं करेंगे और हम एक बार इंटरेस्ट रेट बताएंगे तो दो महीने तक उसको चेंज नहीं करेंगे उस समय पैंतालीस होता था तो एक लंबे समय तक उसको चेंज नहीं किया जाता तो इसलिए क्या शुरू किए गए रेपो ऑपरेशन जो है वो शुरू किए गए रेपो ऑपरेशन क्यों शुरू किए गए थे क्योंकि कॉल मनी मार्केट में जो है बहुत बड़े उतार चढ़ाव थे अब परंतु रेपो ऑपरेशन से तो सिर्फ वो सीआरआर एस वाले दिन की दिक्कत पूरी होती है चौदह तारीख पंद्रह तारीख वाली

और आरबीआई कह रहा है हम रेपो दे दे देंगे छह परसेंट कौन लेगा तो मार्केट से ले लेंगे छह परसेंट ले रहे हो तो इसलिए तो इसको रेफरेंस रेट भी कहते हैं इस रेट को रेफरेंस दर जो है रेफरेंस दर भी कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा कॉल मार्केट कहां पर है कॉल मनी मार्केट लंदन के अंदर है और वहां की जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या कह देता है लिबोर कहते हैं लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट और जो भारत का है वो है मुंबई और वहां की है मिबोर ये होते कॉल मनी मार्केट फिर है उर्जित पटेल कमेटी उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे और इनके नेतृत्व में क्या बनाई गई थी एक समिति रघुराम राजन रघुराम राजन ने कितनी समितियां बनाई तीन राजन ने तीन समितियां बनाई थी पहली थी विमल जालान कमेटी किसके लिए प्राइवेट बैंकों को लाइसेंस देने की दूसरा पटेल ने, ने 2013 में इसलिए कहा आरबीआई का जो है वो एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए महंगाई को नियंत्रित करना है महंगाई को क्या करना है नियंत्रित करना है महंगाई को कंट्रोल करना है और महंगाई को कंट्रोल करो बाकी सब चीजें छोड़ दो कि जीडीपी में ग्रोथ होगी नहीं होगी अनएम्प्लॉयमेंट का

इसलिए इसने कहा कि थोक मूल्य सूचकांक के बजाय किसका प्रयोग किया जाए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिन में, और इसने का 45 में, नहीं, में करो साठ दिन में जो है वो पैंतालीस बहुत जल्दी हो जाता है तो साठ दिन तो कम से कम रखो कि एक बार इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर लिए तो साठ दिन तक तो अपने आप की मत सुनो तो साठ दिन के अंदर जो है फिर मॉनेटरी पॉलिसी पहले जारी कौन करता था जितने निर्णय कि रेपो रेट को ज्यादा रखना है कम रखना है ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ कौन लेता था आरबीआई का गवर्नर लेता अब गवर्नर की अकेले के दिमाग चल रहा है इसका मतलब बाकी किसी का दिमाग जो है वो सलाहें जरूर लेता था लोगों से परंतु लास्ट फाइनल डिसीजन सिर्फ अकेला ही लिया करता था इसने इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और भी समझदार लोग हैं इस दुनिया के अंदर उनसे भी पूछा जाना चाहिए और उनके निर्णय को माना जाना चाहिए इसलिए मौद्रिक नीति की समिति का गठन किया जाए हालांकि इसने कहा था कि समिति में कितने मेंबर होने चाहिए पांच मेंबर होने चाहिए और महंगाई का नियंत्रण करना है तो सरकार का सहयोग जो है वो आवश्यक है ये तो है उस उर्जित पटेल की कमेटी की सिफारिश है। फिर बनाई गई उसी सिफारिशों पर मॉनिटरी पॉलिसी की क्या बना दी गई कमेटी बनाई गई अब कमेटी के अंदर मेंबर कितने हैं उसने पांच बताए थे इसने बताए छह छह मेंबर होने चाहिए और ये जो छह मेंबर होने चाहिए उसमें एक तो होना चाहिए आरबीआई का गवर्नर आरबीआई का गवर्नर जो है उसका अध्यक्ष होता है उसके अलावा आरबीआई के दो और सदस्य होने चाहिए आरबीआई का डिप्टी गवर्नर और आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये भी क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य होते हैं और तीन सदस्य जो होते हैं वो नियुक्त किए जाते हैं वो सरकार से नियुक्त करते हैं तो तीन तो आते हैं सरकार से तीन आते हैं आरबीआई से और जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं मतदान से वोटिंग से वोटिंग से डिसीजन लिया जाएगा अब वोटिंग से अगर चार दो का निर्णय है अगर फोर टू से डिसीजन हो गया

कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अगर वो नहीं रख पाती है तो असफल हो रही है और अगर लगातार तीन क्वार्टर तो हो गए तीनों क्वार्टर में असफल है असफल है तो आरबीआई को क्या जारी करना पड़ेगा एक स्पष्टीकरण जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें स्पष्टीकरण जारी, जारी करेंगे और उसमें बताएंगे कि हमने मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या प्रयास किए वो प्रयास असफल रहे तो क्यों रहे और भविष्य के अंदर हम इसको सफल करने के लिए क्या क्या काम करेंगे इसको कहते हैं मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी क्वेश्चन ये क्वेश्चन करने से थोड़ा टाइम लग रहा है परंतु तो फिर भी क्वेश्चन करना जो है सही हैबिट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनिटर पॉलिसी कमिटी मौद्रिक नीति समिति के संबंध सम्बन्ध कौन सा कथन सही है इट आरबीआई yeah, की मानक बेंच मार्क दरों को निर्धारित करती करती है बिल्कुल रेपो रेपो रिवर्स ये सब है और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है रेपो पॉलिसी रेट कौन सी है रेपो तो पहला सही है बारह मेंबर की बॉडी है नहीं बारह मेंबर की छह ही है इंक्लूडिंग गवर्नर ऑफ आरबीआई रिकन्स्टिट्यूट एवरी ईयर तो ऐसा भी नहीं होता तीन साल में एक बार होता है इसको तो ये गलत है फिर इट फंक्शन अंडर द चेयरमैन ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर क्या लेना देना इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है तो आंसर sure क्या हो जाएगा ए ए जो है उसका सही आंसर ये वाला देखो सोच समझ के करना आरबीआई नहीं है इसका आंसर इसका आंसर है भारत सरकार आरबीआई तो फॉलो करती है आरबीआई तो इस बात को क्या करती है फॉलो करती है सरकार मैंने कहा सरकार आरबीआई को क्या देती है निर्देश देती है सरकार ने आरबीआई को ये निर्देश दिया ये मॉनिटरी पॉलिसी का गठन जो है वो आरबीआई एक्ट में संशोधन करके किया गया है तो आरबीआई का जो कानून है एक्ट है उस एक्ट में संशोधन किया गया और एक्ट में संशोधन करके उसको निर्देश दिया आरबीआई को कि आपको क्या करना है चार परसेंट प्लस माइनस टू से ज्यादा नहीं जाना है तो ये आरबीआई ने निर्धारित नहीं किया इसमें क्या पूछा है निम्नलिखित तो किसने भारत में वर्ष दो से दो के लिए प्लस माइनस टू प्रतिशत के सहनीय स्तर के साथ चार प्रतिशत मुद्रास्फीति का लक्ष्य निश्चित किया किसने निश्चित किया तो भारत सरकार ने निश्चित किया है और फॉलो किसको करना है

विदेशी बैंक जो है उनको भी प्रोत्साहित करो कि वो भी काम कर सके और तो भेदभाव तो तो <coughs> तो नहीं किया जाना चाहिए और ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है सरकार वो सरकार ऐसे घपलेबाजी करती है खुद ही ऋण ले लेती है और खुद ही जो है वो उनके कैपिटल में डाल देती है तो ऐसा ना हो तो इसलिए सरकार अकेली मालिक नहीं होनी चाहिए इसके मालिक किसको बढ़ाओ प्राइवेट सेक्टर को मालिक बनाओ तो इसलिए बैंकों का क्या किया जाए निजीकरण जो है किया जाना चाहिए और कितना करना है इक्यावन प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ निजीकरण किया जाना चाहिए सीएलआर पहले बहुत ज्यादा होते थे सीआरआर जो है वो सीआरआर लगभग चार सॉरी पंद्रह परसेंट के करीब होता था और एस लगभग चालीस परसेंट के करीब भी हुआ करता था तो इतना सीआरआर एस रखा हुआ था तो उसके बाद में ऋण देने के लिए कुछ बचता नहीं था और बचेगा नहीं तो बैंक का लाभ नहीं होगा लाभ नहीं होगा तो बैंक नई ब्रांचेस नहीं खोलेगा नहीं खोलेगा तो भारत में बैंकिंग स्तर का बैंकिंग क्षेत्र का विकास नहीं होगा इसलिए का के दो, तीन से चार बैंक कैसे हो इंटरनेशनल लेवल के होने से. तीन से चार बैंक जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय स्तर के आठ से दस बैंक और बाकी सब राष्ट्रीय बैंक बहुत सारे जो है क्या हो राष्ट्रीय स्थानीय स्तर के बैंक लोकल बैंक जो है वो होने चाहिए यानी बैंकों कितने स्तर बताए

क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड ये हर बात के हर व्यक्ति की क्रेडिट का इंफॉर्मेशन रखता है कि व्यक्ति ने कितना क्रेडिट लिया था कहां से लोन लिया है लोन चुकाया चुकाया या नहीं चुकाया, तो उस सब की सूचनाएं किसके पास रहती है सिविल जो है सिविल के पास ये सूचनाएं रहती है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ऋण वसूली न्यायाधिकरण जो है वो स्थापित किए जाने चाहिए और 1993 में कितने ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित किए गए 29 कितने किए गए थे 29 डीआरटी जो है वो स्थापित किए गए 29 डीआरटी स्थापित किए गए थे कब

कमजोर बैंक का विलय मत करो जो अच्छा काम कर रहा है उसको तो अच्छा काम करने दो ठीक है और ये अगर जो कमजोर बैंक है फिर उसका करें क्या तो क्या कमजोर बैंक को किसमें बना दो नैरो बैंक जो है नैरो बैंक में उसको कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए किसमें कन्वर्ट कर दो नैरो बैंक क्या होता है नैरो बैंक सिर्फ और सिर्फ लोन किसको देता है सुरक्षित सिर्फ सरकारी प्रतिभूतियों में ही निवेश

उन बेसल मानकों का क्या किया जाए पालन किया जाना चाहिए तो बेसल मानकों का पालन करो NBFC, जो नॉन नॉन बैंक फाइनेंस फाइनेंस कंपनी कंपनी होती है इनको आरबीआई के अधीन लाओ क्योंकि कई बैंकिंग थी जो कि ऋण देती थी और डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती थी लोगों से पैसे भी ले लेते थे और ऋण भी देते थे तो कहा कि उनको जो है वो आरबीआई के अंडर में लिया जाना चाहिए और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट के विकास विकास से संबंधित जो वित्तीय संस्थान थे उनको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाए बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए जैसे आईडीबीआई, आईसीआईसीआई ये पहले डीएफआई uh, थे कितनी है तरलता तरलता कम करना है ज्यादा करना है तरलता कम ज्यादा करनी है तरलता पता भी होना चाहिए कि है कितनी तरलता और तरलता को पता करने के लिए किसकी सप्लाई क्या यूज करते है मनी सप्लाई का प्रयोग जो है वो करते हैं और मनी सप्लाई में कि बैंक जो होते हैं बैंकों के पास में जनता से पैसा आता है तो जनता से पैसा आता है तो जनता खाते खुलाती है बैंक में कितने प्रकार के खाते हो सकते हैं वैसे दो प्रकार के होते हैं और फिर उनके अंडर दो दो और है एक तो डिमांड डिपॉजिट होते हैं मांग जमाई और एक होती है अवधि जमाई या टाइम डिपॉजिट एक तो आप करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट खोलते हो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट चालू खाता और बचत खाता एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट और एक होता है फिक्स डिपॉज एफ डी कराते और आरडी कराते हैं आरडी में बार बार पैसा डाला जाता है एफडी में एक बार पैसा जो है वो डाल दिया जाता है निकाला हालांकि दोनों में एक ही बार जाएगा इसमें तो हर महीने जैसे पैसे डाल रहे हो और दस साल तक पैसे डालोगे और दस साल के बाद में उसको मेच्योर करवा लो इसमें एक साथ पैसे डाल दिए दस साल तक दस साल के बाद में मेच्योर हो जाएगी तो ये एफ और आरडी ठीक है ये एफ डी ये क्या है टाइम डिपॉजिट और ये क्या है

ठीक है हाँ ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है तरलता तरलता क्या होती है कैसे

करंसी वन तो पे आ जाएगी फिर इनके अंदर से डिमांड डिमांड डिपॉजिट विद बैंक या सेविंग डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट के अंदर करंट करंट अकाउंट अकाउंट भी भी आता है और भी आता है है और और सेविंग सेविंग में ज्यादा होता है करंट अकाउंट करंट अकाउंट ज्यादा क्यों करंट अकाउंट कितने भी ट्रांजेक्शन किए जा सकते आप कभी भी चाहो तो करंट अकाउंट से पैसे क्या कर सकते हो निकाल सकते हो सेविंग अकाउंट में पैसे निकालने की एक लिमिट होती है एक लिमिट से ज्यादा पैसे जो है वो नहीं निकाले जा सकते इसलिए करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट तो में देखा जाए तो ज्यादा लिक्विड कौन सिर्फ है वो ज्यादा लिक्विड होगा क्योंकि क्या है? है। आपका जो है चालू खाता इंक्लूडेड है यानी उसको ज्यादा आप कन्वर्ट कर सकते हो तो पहला तो ये हो गया दूसरा ये हो जाएगा फिर फिर ये तीसरा जाएगा और टाइम डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट तो एक समय बाद में दस साल पांच साल एफ जब मेच्योर होगी तब जाके उससे पैसे निकाले जाएंगे यानी उसकी लिक्विडिटी कम है सबसे कम है तो सही आंसर क्या हो जाएगा 4, 1, 4, 1, 3, है ये रहा तो डी जो है वो उसका आंसर हो जाएगा हाँ अब ये मनी सप्लाई को नापने के कई सारे फॉर्मूले जैसे सबसे पहला क्या होता है एम वन एम वन क्या होता है कैश विद पब्लिक जनता जो है जनता के पास कितना नकद है दूसरा होता है बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट बैंकों के पास जो है, उसमें कौन से डिपॉजिट ले रहे हैं डिमांड डिपॉजिट मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में कितने पैसे पड़े और तीसरा आरबीआई के पास अन्य जमा तीन चीजें होती है करेंसी विद पब्लिक बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट और आरबीआई के पास अन्य जमा आरबीआई के पास अन्य जमाओं के मतलब किसी सरकार की क्या जमाएं हैं किसी दूसरे देश की अगर कोई केंद्रीय बैंक है उसने कुछ पैसा जमा करा रखा है आईएमएफ वालों ने कुछ पैसा जमा करा रखे हैं वो सब क्या है उसके अन्य जमाएं होती है तो इन तीन को मिलाकर क्या निकलता है M1 निकलता है फिर आता है एम वन प्लस पोस्ट ऑफिस की साविधि जमाई नहीं होती है होती है डिमांड डिपॉजिट मांग जमाई होती है मांग जमाई होती है पोस्ट ऑफिस के अंदर जो डिमांड डिपॉजिट्स है उनको इसमें रखा जाता है फिर एम थ्री एम थ्री क्या होता है एम वन प्लस बैंक की डिमांड सॉरी टर्म डिपोजिट टाइम डिपोजिट बैंक की डिमांड तो यहां पर आ गई और टाइम यहां पर आ गई. M1 के अंदर तो बैंकों की कौन सी डिमांड डिमांडिट और एम थ्री में बैंकों की टाइम डिपोजिट फिर होता है एम फोर तो एम फोर में एम थ्री प्लस डाकघरों की सभी जमा तो डाकघरों की मांग जमाए और डाकघरों की सभी जमा तो ये ऐसा उल्टा मतलब वैसे चल रहा है यहां पर डिमांड फिर वापस डिमांड मतलब यहां पर डिमांड होगा फिर तीसरे के अंदर क्या आएगा टाइम आएगा और किसकी बैंकों की और इधर पोस्ट ऑफिस की पोस्ट ऑफिस के पहले डिमांड और फिर पोस्ट ऑफिस की सभी जमाएं पोस्ट ऑफिस की तो एम टू और एम फोर एम टू और एम फोर में तो पोस्ट ऑफिस होंगे और एम वन और एम थ्री के अंदर बैंक होंगे तो बैंकों के पहले तो आएंगे डिमांड और फिर आएंगे बैंकों के टाइम डिपॉजिट जो है वो आएंगे और फिर होता है एम जीरो एम जीरो क्या होता है तो जनता के पास नकद प्लस आरबीआई के पास अन्य जमाएं और बैंकों का जो आरबीआई के पास जमा है बैंकों का आरबीआई के पास क्या है सीआरआर के तहत जो पैसा बैंकों ने आरबीआई के पास जमा करा रखा है इसको कहते हैं एम जीरो अब इसमें सबसे ज्यादा लिक्विड क्या होता है एम जीरो लिक्विडिटी मॉनिटरी बेस मौद्रिक जो बेस है उसको क्या कहते हैं एम जीरो ही सबसे महत्वपूर्ण होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं हाई पावर मनी जो है वो कहा जाता है आरबीआई जब तरलता को बढ़ाती है कम करती है तो कैलकुलेशन किसका करती है एम जीरो का कैलकुलेशन करती है कि एम जीरो जो है ज्यादा है या कम है तो एम जीरो जो है वो हाई पावर मनी है

ब्रॉड मनी कहते हैं और और लिक्विडिटी का सबसे ज्यादा फिर M2, फिर M3 और फिर M4 की जो है मनी मल्टीप्लायर तो जो है वो आता है और इसका संबंध किससे होता है सीआरआर से भी होता है CRR. CRR अगर कम है तो मनी मल्टीप्लायर ज्यादा होगा और अगर सी आर आर ज्यादा है तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा ठीक है तो मनी मल्टीप्लायर और सीआरआर में कैसा संबंध होता है नकारात्मक संबंध होता है मनी मल्टीप्लायर और सीआरआर में नकारात्मक संबंध जो है वो जैसे क्वेश्चन है यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट से एक लाख रुपए नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा

और जनता के पास नकद हो गई ना तो पहले तो डिमांड डिपॉजिट में थी और फिर क्या हो गई जनता के पास नकद हो गई एम वन जब कैलकुलेट करते हैं तो क्या कैलकुलेट करते हैं जनता के पास नकद प्लस बैंकों में मांग जमा जनता के पास क्या है प्लस बैंक और बैंक में भी कौन सी मांग जमा और प्लस आरबीआई के पास अन्य जमा अब ये मांग जमा में से एक लाख निकाले और किस में डाल दिए इसमें इसमें डाल दो परंतु तो एम पर कोई फर्क पड़ेगा क्या कोई नहीं फर्क पड़ेगा तो ये मनी एग्रीगेट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मुद्रा की समग्र जो इट विल लीव वो जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ये तो दिख ही नहीं रहा होगा

और कैश किसके पास चला जाएगा आरबीआई के पास तो जनता के पास कैश कम हो तो जाएगा जनता से कैश किसके पास चला गया आरबीआई के पास आरबीआई के पास, पास चला गया तो जनता के पास कैश क्या जा हो जाएगा कम हो जाएगा ना आपकी जेब में से तो गए पैसे किसके पास चले गए आरबीआई के पास आरबीआई के पास चले गए तो एम वन क्या हो गया कम हो गया ना एम वन में क्या होता है जनता के पास नकद क्या है खरीद अच्छा खरीद लिखा है मैं बिक्री बता रहा हूं हाँ तो फिर उल्टा होगा इसका तो उल्टा सोच लो तो इससे लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी और अपन ने पूछा क्या यहां पर किससे उसकी वृद्धि होती है मनी सप्लाई की तो आरबीआई तो तो के पास, आ गई? के पास। और जनता के पास क्या कैश तो जनता के पास कैश क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा और जनता के पास कैश बढ़ जाएगा तो एम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या लिखते हैं जनता के पास नकद और जनता के पास नकद क्या हो गया बढ़ गया बढ़ गया तो मनी सप्लाई

सॉरी ये उल्टा कर दिया ये वाला गलत हो गया सरकार द्वारा केंद्रीय बैंकों से लिया गया ऋण सरकार क्या कर ले केंद्रीय बैंक से ऋण ले ले और सरकार केंद्रीय बैंक से ऋण तो सरकार के पास पैसे आ गए और सरकार उस पैसे को क्या करेगी जनता में खर्चा करेगी और जनता में खर्चा करेगी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो इससे मनी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और केंद्र तो ये तो इसका उल्टा है केंद्रीय बैंकों द्वारा लोगों की सरकारी प्रतिभूति का विक्रय विक्रय वाला तो उल्टा हो गया तो ये तो क्या है गलत हो सही क्या हो जाएगा वन एन सी एन सी कहां पर है जो है वो सही तो ये थोड़ा सा आप सोचो तो आंसर जो है वो निकल जाता है ऐसा कुछ खास नहीं होता है में आया अभी ये तो किसका हो गया मनी मल्टीप्लायर हाँ देखो देखो आराम से हो जाएगा मनी मल्टीप्लायर इन एन इकॉनमी इंक्रीज इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्थिक मंदी के समय अच्छा ये उल्टा ये अलग है ये अलग है भाई तो ये मत पढ़ना यही पढ़ो मनी मल्टीप्लायर का क्वेश्चन करना है मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विद विच वन ऑफ दी फॉलोइंग किसके साथ मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर से तो उल्टा संबंध होता है अगर ये लिखा होता डिक्रीज इन कैश रेशियो यानी कैश रिजर्व कम करना तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाता

ये तो खैर ये भी कर लो देखे बाद में आना चाहिए था हालांकि तो कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट्स रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट सार्वजनिक चुकौती अरे चुकौती कौन कहता है यार रीपेमेंट को यूपीएससी कहती और को सार्वजनिक में चुकौती क्या होता है चुकाना रीपेमेंट ऑफ डेट बजट घाटे में वित्तयन के जनता से उधार लेना इससे भी इन्फ्लेशन का कोई लेनदेन नहीं इस to, to, to है इसमें सीधे क्रिएशन ऑफ न्यू मनी ड्यू टू फाइनेंस या अपन जो हालांकि ये बजट बजट का बात है फिर कुछ मनी एग्रीगेट्स जो है नए मनी एग्रीगेट्स भी थे एन एम और एम दोनों क्या होते हैं बराबर ही होते हैं जैसा एम वन था वैसा ही NM. NM, में क्या था कैश विद पब्लिक डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक बैंकों की मांग जमाए और आरबीआई के साथ अदर डिपॉजिट्स इनको तो क्या रखेगा एनएम वन फिर आता है एन एम टू एन एम टू में क्या करते हैं एन एम टू में ये देखते हैं कि भाई अब ये जो डिपॉजिट्स है उसमें निवासी और जो आपके नॉन रेजिडेंट्स है एनआरआई और रेजिडेंट इंडियन दो प्रकार के इंडियन होते हैं एक तो एनआरआई होते हैं और एक रेजिडेंट इंडियंस होते हैं तो इसमें सिर्फ रेजिडेंट इंडियंस उनको देखा जाता है तो शॉर्ट टर्म किसके रेजिडेंट रेजिडेंट जो निवासी है उन निवासियों शॉर्ट टर्म अल्पकालिक उनकी जो है जमाएं देखनी है और फिर बैंकों की बैंकों द्वारा जारी की गई सीडी सीडी का मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है तो बैंक जो होता है वो क्या करता है वो कॉर्पोरेट से लोन ले सकता है कॉर्पोरेट से पैसे लेता है कॉर्पोरेट से पैसे लेता है तो बैंक के पास तो आ जाते हैं और वो उसके बदले जारी क्या करता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करता है जैसे सरकार को अगर लोन लेना होता है तो सरकार क्या करती है सरकारी प्रतिभूति जारी करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करती है वैसे बैंक को लेना होता है तो बैंक किसे ले रहा है? से कॉर्पोरेट से लोन ले रहा है और इसके बदले जारी क्या करेगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी एक ऐसा कागज का टुकड़ा होगा उसमें लिखेगा सर्टिफिकेट डिपॉजिट सर्टिफिकट उसमें लिखेगा रिलायंस इंडस्ट्री से एक लाख करोड़ हमने लिए हैं दस दिन के लिए इंटरेस्ट होगा और और दिन बाद में चुका देंगे ये रिलायंस वाले फिर दस दिन बाद में वापस वो सीडी लेके जाएंगे उनके पास कि ये लो सर्टिफिकेट डिपॉजिट और हमें हमारा पैसा वापस दे दो तो वो जितना पैसा आपने लिया था उतना प्लस उसका इंटरेस्ट वापस दे दिया जाएगा तो इसको किसमें रखा जाता है एन टू में फिर आता है एनएम थ्री तो एनएम टू और बैंकों की अब यहां पर तो अल्पकालिक थी निवासियों की अब क्या हो जाएगी दीर्घकालिक दीर्घकालिक और बैंकों की ये साविधि जमा की जगह बैंकों की बोरोइंग होती है नहीं होती है बैंक जो है वो लंबे लॉन्ग टर्म के लोन जो लेते हैं भाई देखो ये वाले जो सीडी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करके जो लोन लेते हैं वो तो कैसे हैं अल्पकाल के दस दिन के पंद्रह दिन के बीस दिन के ऐसे होते हैं और एक बैंक जो है वो क्या करे दीर्घकाल के लोन ले ले दीर्घकाल के लोन एक साल दो साल के लोन लिए हुए किसी से भी लिए तो एक साल दो साल के दीर्घ काल के अगर लोन लिए तो उसको किसमें रखेंगे एनएम थ्री मिले तो एन एम टू में तो दोनों ही चीजें शॉर्ट टर्म बैंक ने लोगों से लिए वो भी शॉर्ट टर्म लोगों के बैंकों के अंदर जमा वो भी शॉर्ट टर्म और लोगों में कौन निवासियों एन एम थ्री में भी निवासियों के लॉन्ग टर्म और बैंक ने जो लोन लिए वो भी लॉन्ग टर्म फिर आता है एल वन एल वन के अंदर क्या आता है एन एम थ्री और पोस्ट ऑफिस फिर किसको जोड़ दो इसके अंदर पोस्ट और पोस्ट ऑफिस में किसको छोड़ देते हैं नेशनल सेविंग जो सर्टिफिकेट उनको फिर आता है एल टू एल टू में एल वन प्लस पुनर्वित रिफाइनेंसिंग एजेंसी जैसे नाबार्ड वाबार्ड रिफाइनेंसिंग एजेंसी इनके पास में जो पैसे होते हैं फिर एल थ्री में इस l2 को जोड़ो और nbfc वगैरह के पास जो पैसे हैं उसको यानी देखो पहले m1 m0 m3 ये थे इनमें हमने ये रीफाइनेंस एजेंसी के पास कितने पैसे हैं ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास कितने पैसे हैं इन सब चीजों को हमने उसके अंदर कैलकुलेट नहीं किया और अब उन सब चीजों को भी क्या किया जा रहा है कैलकुलेट किया ये इसके न्यू एग्रीगेट्स हैं यादोगे तो ठीक है नहींोगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं नहीं पूछा जाएगा ये किया था क्या ये भी वैसे टैक्स का है क्वेश्चन तो पर यहां लगाया हुआ है देख लो वैसे क्या टैक्स तो आता ही नहीं तुम्हें ब्लैक मनी का। मैं काला धन जो है वो क्यों भारत के लिए चिंताजनक है भारतीय सरकार के लिए चिंता का विषय क्यों है काला धन क्या होता है वो धन होता है जिसपे टैक्स नहीं चुकाया होता तो ये क्रिएशन in में काले धन के के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत की चिंता का मनुख कारण डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू दर्चेज ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का ये क्या होता है अप्योजन?

इससे भी कोई सरकार को चिंता नहीं सरकार की चिंता क्या है कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि लॉस ऑफ रेवेन्यू टू जो 10 अक्टूबर को एग्जाम था उसका है और ये कई लोगों के गलत हुए ये अभी तक ने किए बहुत सरल सरल क्वेश्चन है फिर भी बहुत सारे लोगों के गलत है क्यों गलत है वहां ध्यान से पढ़े नहीं ध्यान से धीरज से अगर पढ़ते तो हो जाता पर यूं उसको धीरज से नहीं पढ़ा रहा उसको हा हू कर करा कर तो मेरे को बर्बाद होना है तो कैसे ना कैसे बर्बाद होंगे बर्बाद होने के एक लाख एक तरीके उसके अंदर से एक ये भी है फिर आरबीआई की जो है वो ये जो बैंक है अपने इंटरेस्ट रेट कैसे जारी करते हैं तो अब इसमें ये इतने सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है सीधे सीधे याद करो कौन सी चीज कब आई थी बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट कब आया दो के अंदर एक प्राइम रेट प्राइम जो कस्टमर होते हैं सबसे अच्छे कस्टमर होते हैं जिनको रिस्क फ्री होते हैं उनको जिस रेट पे दिया जा रहा है उसको बेंचमार्क रेट कहा जाएगा प्राइम लैंडिंग रेट जो है वो है पर फिर आया 2010 2010 में क्या आई बेस रेट बेस रेट वो न्यूनतम रेट थी जिसके नीचे से इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जा सकता इस रेट से नीचे जो है वो कोई भी किसी को लोन नहीं दे सकता उसको क्या कहते हैं बेस रेट जो है बेस रेट कहा गया दो के अंदर आया पर बेस रेट की गणना में समस्या क्या थी बेस रेट की गणना में समस्या ये थी कि इसके अंदर मौद्रिक नीति का सीधा सीधा कोई प्रभाव नहीं था भाई इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये कई प्रकार की कॉस्ट निकालते हैं अब ये याद रखने की जरूरत नहीं कौन कौन सी कॉस्ट है कौन सी नहीं याद हो गई है आपको तो तो बहुत अच्छी बात है नहीं हुई है तो कोई ज्यादा लोड नहीं लेना बहुत सारी कॉस्ट है परंतु ये जो कॉस्ट है इसमें कहीं पर भी रेपो रेट नहीं है तो होता क्या था कि आरबीआई तो अपनी रेपो रेट को कम कर देती थी पर बैंक अपने रेट को कम नहीं करते थे नहीं करते थे तो फिर आरबीआई उनसे पूछती थी अरे यार ये क्या तरीका है हमने रेपो रेट कम कर दी तुमने क्यों नहीं की

लिखने में टाइम लग जाएगा वैसे अपन बहुत लेट चल रहे हैं एक आदमी खेच लो बाकी सब एक दूसरे को भेज देना सब क्यों खेच रहे हो अब देखो होता क्या है जो आपका एमसीएलआर था एमसीएलआर तो इंटरनली कैलकुलेटेड होता है उसके अंदर और सारी खूब सारी कॉस्ट है उसमें एक रेपोरेट है अब आरबीआई ने ये कहा कि एमसीएलआर के साथ साथ में एमसीएलआर को रखना चाहता है तो, तो रख ही ले अगर उसके अलावा आप एक दूसरे बेंच मार्क भी रख सकते हो एक्सटर्नल बेंचमार्क जिसमें आपकी इंटरेस्ट रेट किससे होगी किसी बाहरी बेंचमार्क से लिंक होगी और चार बेंचमार्क जो है वो निर्धारित किए गए या तो सीधे सीधे आरबीआई की रेपो रेट से उसको डिसाइड कर लिया जाए कि सारी की सारी इंटरेस्ट रेट किससे लिंक हो जाए रेपो रेट से कि भाई जैसे अभी है कि अगर आपको ऑटो लोन लेना है तो सपोज करो किसी बैंक ने यह कह रखा है मोटर लोन कितने देते हैं तो एमसीएल प्लस दस परसेंट पे या प्लस तीन परसेंट पे देते हैं अब एमसीएल दस परसेंट होगी तो ऑटो लोन कितने का हो गया तेरह परसेंट का होम लोन कितने में देते हो साहब साहब होम लोन चार परसेंट में देते हैं एजुकेशन का लोन कितने में मिलेगा एमसीएल प्लस पांच परसेंट में दे देते हैं तो यानी सारी, -सारी की सारी इंटरेस्ट रेट किससे लिंक्ड है MCLR से अब न, और एमसीएल का कैलकुलेशन वो बैंक अपने खुद करता है अब ये कहा कि एम सेल आर की जगह आप किसी दूसरे बेंच मार्क को बाहरी बेंच मार्क को यूज करो और बाहरी बेंच मार्क सीधे सीधे किसको यूज कर लो रेपो रेट को यानी अब रखो ऑटो लोन कितना है सब रेपो प्लस दस परसेंट है कितना है रेपो प्लस दस परसेंट अब रेपो अगर चार परसेंट है तो ऑटो लोन कितने का हो गया चौदह परसेंट का और अगर आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को घटा दिया घटाकर जो है साढ़े तीन कर दिया साढ़े तीन कर दिया तो ये अपने आप ही घट जाएगा और घट के कितना हो जाएगा साढ़े तेरह जो है वो हो जाएगा बैंक को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है रेपो रेट अगर उसको लिंक कर दिया तो आरबीआई जैसा करेगी वैसा सारी इंटरेस्ट रेट जो है, है, तो है। अल्पकालिक ऋण लेती है उसके लिए जो प्रतिभूतियां जारी करती है उसको क्या कहते हैं ट्रेजरी बिल ट्रेजरी बिल कितने दिन के इकानवे दिन के अल्पकालिक ऋण का मतलब एक साल से कम के इकानवे दिन का मतलब तीन महीने तो तीन महीने का ऋण लिया गया और मतलब लाभ उस ट्रेजरी बिल के ऊपर कितना लाभ मिल रहा है ठीक है उस लाभ को भी आप क्या कर सकते हो उसको इंटरेस्ट रेट आपके बेंचमार्क रेट कर सकते हो टू डे एक दिनों के ट्रेजरी बिल और उसके ऊपर क्या लाभ मिल रहा है उसको भी कर सकते हो और अगर आपको इन तीनों को नहीं करना है तो एक कंपनी है जिसका नाम है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

वो इसके अंदर जो है वो दिखाई देगा कोषों की सीमांत लागत पर आधारित उधारी दर आरबीआई द्वारा घोषित मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट का उद्देश्य क्या है इतना क्या सोच रहे हो इतना तो कुछ है ही नहीं इज और ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कॉस्ट रेट अनाउंस दिशा निर्देश उधारों की ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु बैंकों द्वारा बैंकों द्वारा अपनाई गई विधि में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेंगे हाँ तो मदद करेंगे न पारदर्शिता अब ज्यादा हो जाएगी पहले तो वो इंटरनली कैलकुलेट कर रहे थे अब किसको शामिल कर लिया उन्होंने रेपो रेट को भी शामिल कर लिया और इसमें आपको सारी सारी बातें किसको बतानी पड़ती है आरबीआई को बताना पड़ता है तो पारदर्शिता दिशा निर्देश बैंक की उपलब्धता ऐसी ब्याज दरों पर सुनिश्चित करने में मदद करते हैं जो ऋण लेने वाले और बैंक दोनों के तो न्याय संगत हो गए तो अगर आपने रेपो रेट को ऊपर नीचे हो रही है तो आरबीआई बहुत सोच समझ के रेपो रेट को ऊपर नीचे कर रही है जस्टिफाइड कर रही है और न्याय संगत है अब अगर उसको आप शामिल करोगे तो उधार लेने वाले के लिए भी न्याय संगत और बैंक के लिए भी न्याय संगत है तो इसलिए ये दोनों ही क्या है सही है इसके बाद में अगला है पेमेंट बैंक बैंक अपने बैंक में पढ़े थे शेड्यूल बैंक शेड्यूल बैंक जो है कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं कमर्शियल कॉपरेटिव शेड्यूल बैंक के कमर्शियल बैंक जो है उसमें पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं प्राइवेट बैंक होते हैं और फॉरेन बैंक होते हैं इसके अलावा आरआरबीज होते हैं और स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक होते हैं पेमेंट बैंक क्या होता है तो पेमेंट बैंक 2000 शुरू किया गया 15 में कितनी पूंजी होनी चाहिए 100 करोड़ रुपए की और जो जो प्रवर्तक है जो है प्रमोटर उसकी पूंजी 40 करोड़ रुपए की पूंजी उसके पास में होनी चाहिए और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ऑनलाइन जो पेमेंट्स है उनको बढ़ावा देना ऑनलाइन पेमेंट्स को बढ़ावा देना है और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है देखो ये इधर से आते हैं डिपोजिट और इधर से आता है पूंजी और इधर दी जाती है लोन पेमेंट बैंक जो है उनका मुख्य कार्य क्या सिर्फ पेमेंट को बढ़ावा देना है पेमेंट को बढ़ावा देना तो ये ये किसी प्रकार प्रकार का लोन लोन नहीं नहीं दे सकते सकते जो है वो एक्सटेंड कर डिपॉजिट 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 अब के के अंदर दो होते हैं डिमांड और टाइम या तो मांग जमाई होगी डिमांड डिपॉजिट होंगी या टाइम डिपॉजिट होगी एफडी आर डी एफ डी क्यों करवाता है कोई व्यक्ति ताकि ऋण कोई बैंक ताकि ऋण दे सके जब ऋण नहीं दे सकेगा तो इसकी जरूरत ही नहीं है तो ये आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते इसका लेन देन जो है वो किया जा सकता है इस पर डिपॉजिट कितना करवाया जा सकता है मैक्सिमम तो दो लाख रुपए का जो है वो पहले एक लाख हुआ करता था अब लिमिट को बढ़ाकर कितना कर दिया है दो लाख रुपए तक का डिपॉजिट जो है वो करवाया जा सकता है ये पूंजी कितनी होनी चाहिए मिनिमम सौ करोड़ और जो इसको शुरू करने वाला है उसको उसके पास में कितनी होनी चाहिए चालीस करोड़ चालीस परसेंट जो उसके पास होनी चाहिए <coughs> अब आप लेन देन के लिए कर रहे हो उसको लेन देन के लिए कर रहे हो तो लेन देन के लिए और आपके पास डिमांड डिपॉजिट है डिमांड डिपॉजिट है तो आपके पास में डेबिट कार्ड होगा एटीएम से पैसे निकालोगे और पैसे निकाल सकते हैं एटीएम से एटीएम से निकाल सकते हो तो डेबिट कार्ड तो जारी कर सकता है पर क्रेडिट कार्ड नहीं क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक तो तरीका क्या है लोन है लोन है तो लोन तो दे ही नहीं सकते हैं, तो क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकता बस ये इसकी बेसिक शर्तें डेबिट कार्ड जारी कर सकता है क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता डिपॉजिट के अंदर टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं हो सकते डिमांड डिपॉजिट हो सकते हैं डिपॉजिट कितने हो सकते हैं डिमांड डिपॉजिट तो दो लाख रुपए तक का डिपॉजिट हो सकता है मुख्य उद्देश्य क्या है पेमेंट पेमेंट करना जो है मुख्य उद्देश्य है और फिर अब इनको क्या करना पड़ेगा तो भाई इनको नहीं देंगे तो पैसे पैसा करेंगे का कहीं तो रखेंगे तो किसको दो सीआरआर का पालन करो पहले तो सी में पैसे दे दिए चार करोड़ रुपए और उसके बाद जो बचे उसका सेवेंटी पचहत्तर देना पड़ेगा एस के रूप में जो है वो रखना पड़ेगा और फिर जो बाकी जो बचा पच्चीस परसेंट उसको अन्य बैंक के अंदर रख दो और दूसरा बैंक जो है वो आपको डिपॉजिट पे कुछ दे दे, दे तो दे, दे इसका मतलब हुआ अब एस में पिछहत्तर रखोगे तो यानी सरकारी प्रतिभूतियों प्रतिभूतियों में में रखोगे सरकारी रखोगे तो ब्याज कम मिलेगा और यहां पर भी ब्याज कम मिलेगा दोनों ही जगह ब्याज कम मिल रहा है और दोनों जगह ब्याज कम कम मिलेगा तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट कम होगा तो, तो ये बैंक जो है इसलिए ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए इसलिए भारत में कितने पेमेंट बैंक बने दो ही पेमेंट बैंक जो है वो बने पेटीएम बैंक और एयरटेल बैंक जो है वो हालांकि क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर पर छोड़ो छोटा क्वेश्चन खूब कर रहे हैं अपन पढ़ लो एक बार जल्दी से ट ऑफ पेमेंट बैंक इज बिंग अलाउड इन इंडिया टू प्रमोट फाइनेशियल इंक्लूजन ऑफ द फोइंग स्टेटमेंट इज और इन दिस कॉन्टेक्स भारत में वित्तीय समावेश करने के लिए हुँ? दूसरा स्टेटमेंट क्या है भुगतान बैंक क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों जारी कर सकता है तो दोनों तो नहीं कर सकते दो गलत हो गया दो गलत हो गया तो ये गलत हो गया ये गलत हो गया ये गलत हो गया आंसर बी आंसर क्या हो गया बी हो गया बाकी नहीं पढ़ने थे, <coughs> <नहीं। laughs> <नहीं पड़ने> थे। <coughs> <बेंक। laughs> स्मॉल फाइनेंस बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं तो ये भी वही 2015 में शुरू किए गए शुरुआत में इनकी कैपिटल कितनी हो सकती है मिनिमम 100 करोड़ रुपए 40 करोड़ रुपए प्र, प्रमोटर का होना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन और ये स्मॉल बैंक फाइनेंस बैंक दोनों फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए कौन सी कमेटी बनाई थी नचिकेत मोर तो नचिकेत मोर समिति की सिफारिशों पर बने हुए और क्या करता है तो नाम बता रहा है स्मॉल फाइनेंस बैंक तो छोटे जो उद्योग होंगे या छोटे जो व्यापारी होंगे उनको ऋण देगा अब ऋण देने तो ऋण देने तो डिपॉजिट पर कोई भी लिमिट ऋण तो तभी दे पाओगे जब डिपॉजिट लोगे डिपोजिट नहीं ले तो ऋण कैसे दोगे तो ऋण के ऊपर डिपॉजिट पर कोई किसी प्रकार की रोक नहीं है सभी प्रकार के खाते खुलाए जा सकते हैं करंट अकाउंट भी खोल सकते हैं सेविंग अकाउंट भी खोल सकते हैं रिकरिंग डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट सब खोले जा सकते हैं सीआरआर एस का पालन करना होता है इनको भी इनको भी करना होता है परंतु अब इनका नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक तो छोटे व्यापारियों को देंगे तो छोटे व्यापारी आपको कोई हजार करोड़ का दो हजार करोड़ का ऋण तो लेगा नहीं छोटे ऋण ही लेंगे छोटे ऋण लेंगे तो कितने ऋण का पच्चीस लाख यानी इनको अपने जितने भी ऋण दिए गए उसका पचास परसेंट ऋण कितने होने चाहिए पच्चीस लाख या पच्चीस लाख से कम होने चाहिए तब आप छोटे छोटे लोग छोटे छोटे जो व्यापारी है कोई ठेला लगाने वाला है कोई सब्जी वाला है उनको जो है क्या दे सकते हो आप ऋण दे सकते हो ठीक है फिर पीएसएल का टारगेट कितना इनका सेवेंटी फाइव परसेंट का टारगेट है पीएसएल का और बैंक रहित क्षेत्रों में पच्चीस परसेंट ब्रांचेज खोलने हो तो सबके लिए टारगेट है तो इनके लिए भी ऐसा ही है और सूक्ष्म और लघु उद्योगों को और एग्रीकल्चर वगैरह को जो है ये देते हैं एग्जाम्पल कौन सा है एयू फाइनेंस बैंक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ये सब इसके व्हाट इज द purpose ऑफ सेटिंग अप स्मॉल फाइनेंस बैंक लघु वित्त बैंकों को स्थापित करने का क्या प्रयोजन है टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस लघु व्यवसायों को ऋण की पूर्ति करना बिल्कुल सही बात है दूसरा टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स लघु और सीमांत कृषकों को ऋण की करना बिल्कुल सही है टू टू एनकरेज यंग बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज युवा उद्यमियों को विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना यह कोई मोटिवेशन क्लास लगाते नहीं है ठीक है ऐसा कुछ नहीं होता ऋण देते हैं जिसको करना हो करो नहीं करना हो मत करो ठीक है ऐसा किसी को प्रोत्साहित करने का काम इनका नहीं है तो इसलिए आंसर मुद्रा बैंक मुद्रा बैंक जो है वो क्या है रिफाइन मुद्रा का मतलब क्या होता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी क्या फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी माइक्रो यूनिट छोटी सूक्ष्म इकाइया सूक्ष्म का डेवलपमेंट उनका विकास और उनको विकास के लिए रीफाइनेंस रीफाइनेंस देने का काम कौन करता है ये एजेंसी करती है मुद्रा बैंक और ये मुद्रा बैंक जो है किसके अधीन होता है सिडबी सिडबी किसके अधीन होता है सब सिद्वी है सब्सिडरी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया पहले से स्मॉल इंडस्ट्री के लिए पहले से काम कर रही है सिडबी और अब सिडबी के अधीन किसको ले आए मुद्रा बैंक और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत इसकी स्थापना जो है वो की गई रीफाइनेंसिंग एजेंसी है मतलब सीधे ऋण नहीं देती ऐसा नहीं है कि आप जाओगे आपको रोड के ऊपर मुद्रा बैंक का कोई ब्रांच मिलेगी ऐसा ब्रांच नहीं मिलेगी ठीक है ये किसको बैंक पैसे देते हैं बैंकों को और बैंकों को पैसे देके बैंकों को ये कहते हैं हैं कि आपको किसको ऋण ऋण देने देने जो छोटे व्यापारी उनको रेन देने. छोटे व्यापारी व्यापारी उनको को तीन प्रकार के ऋण देते हैं शिशु किशोर और तरुण शिशु जो ऋण होते, है, तो होते, है, होते हैं वो तो कितने तक होते हैं पचास हजार फिर किशोर किशोर पचास हजार से पांच लाख और फिर होते हैं तरुण तरुण कितने होते हैं पांच लाख से दस लाख तक के जो है ऋण होते हैं और माइक्रो यूनिट्स अब ये शहरी क्षेत्रों के अंदर जो सड़क के विक्रेता होते हैं स्ट्रीट वेंडर्स हैं, इन सबको जो है वो ये पैसे देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को ये लोन नहीं देते एग्रीकल्चर सेक्टर को पहले ही बहुत सारी लोग दे रहे हैं इनका काम है शहरों के अंदर जो छोटे छोटे व्यापारी है उनको ऋण उपलब्ध करवाना तो ये सिडबी के अधीन है रीफाइनेंस पुनर्वित्त संस्थान है बैंकों को लोन देता है ताकि माइक्रो यूनिट्स को वो क्या दे सके लोन दे सके और माइक्रो यूनिट्स को स्मॉल ट्रेडर्स को स्ट्रीट वेंडर्स को छोटे व्यवसायी सड़क विक्रेता इन सबको देता है एग्रीकल्चर सेक्टर को लोन नहीं देता ये याद रखने की बात है तीन प्रकार के लोन है शिशु किशोर और तरुण शिशु तो पचास हजार किशोर पचास हजार से पांच लाख तरुण पांच लाख से दस लाख फ्रेम पहले वाले नहीं पढ़ी हाँ टाइम है दस मिनट का अरे ब्रेक ले लो अभी करो तो सही कुछ तो ब्रेक तारीख के बाद में लंबा ब्रेक लो जाएगा अरे इतना क्या पढ़ रहे हो यार फटाफट करो दिमाग तेज चलाओ अब हाँ लघु उद्यमी औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना ये इसका उद्देश्य निर्धन कृषकों कृषकों को देता ही नहीं है वृद्ध निशाय को कोई दिक्कत नहीं को, कैसा कोई कौशल विकास नहीं प्रदान करता तो, ये। लोकल एरिया बैंक लोकल एरिया बैंक होते हैं बहुत छोटे बैंक होते हैं जो कि जैसे उसने बताया था नरसिमन समी साहब ने कि बैंक चार प्रकार के होने चाहिए इंटरनेशनल लेवल के फिर नेशनल लेवल के और फिर

फिर डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन विकास को बढ़ावा देने के लिए अलग से कुछ वित्तीय संस्थाएं जो है वो बनाई गई है ठीक है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है बनाए गए इनका कुछ स्पेसिफिक पर्पज से होता है स्पेसिफिक पर्पज का मतलब वैसे तो सीधा सीधा नाम तो है विकास को बढ़ावा देना है और विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या चाहिए पैसे और वित्त की सुविधा जो है वो उपलब्ध करवाता है फाइनेंस देता है फाइनेंशियल सिर्फ फाइनेंशियल इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देता है कि सर सिर्फ पैसों से काम नहीं चलेगा उनको थोड़ा सिखाओ भी कि बिजनेस करते कैसे है स्किल वगैरह सिखाओ थोड़ा उनको जो है वो मार्केटिंग वगैरह कैसे करते हैं वो आईपीओ आईपीओ जारी करना है तो अंडर राइटिंग फैसिलिटी वगैरह उपलब्ध करवाना ट्रेड फेयर वगैरह ऑर्गेनाइज कराना ये सब काम कौन करता है डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है ये काम करता है अगर डीएफआई को देखा जाए तो कुछ तो है सीधे डीएफआई और कुछ है ऑल इंडिया रीफाइनेंस रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन तो एफ सी आई आई और आईसीआईसीआई ये तीनों तो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन डीएफआई एफ है सिडबी नाबार्ड एक्सिम बैंक और नेशनल हाउसिंग बैंक ये सब क्या है रीफाइनेंसिंग एजेंसीज एजेंसी क्या है रीफाइनेंसिंग एजेंसी यानी पुनर्वित्त की सुविधा यहां से मिलती है अब डेवलपमेंट बैंक हर क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है आपको तो क्षेत्र का डेवलपमेंट करना है तो ये सब बैंक तो कौन से किसके क्षेत्र के इंडस्ट्रियल सेक्टर उद्योग का विकास करो उद्योग तो करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट करना है तो नाबार्ड नाबार्ड क्रेडिट क्रेडिट देता है को और इनको सबको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का डेवलपमेंट करना है तो एक्सिम बैंक है हाउसिंग का डेवलपमेंट करना है तो नेशनल हाउसिंग बैंक है नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो हुआ करता है अब इसमें सबसे पहला आई इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कब स्थापित हुआ था

तो इसलिए 2002 के अंदर इस आईसीआई को क्या बना दिया गया बैंक जो है वो बना दिया गया इसलिए अब ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक बन गया फिर है आईडीबीआई आईडीबीआई की स्थापना हुई 1964 के अंदर शुरुआत में इसकी सारी की सारी जो ओनरशिप थी वो किसके पास थी आरबीआई के पास थी फिर आरबीआई सेवनटी सिक्स में किसको स्थापित कर दी गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को जो है भारत सरकार को दे दी गई इसका स्वामित्व तो जो है ट्रांसफर कर दिया गया और 2018 के अंदर और 2004 में ये क्या बन गया एक बैंक बन गया वही नरसिम्हन समिति की सिफारिश कि डीएफआई को किसमें कन्वर्ट करो बैंक में तो आईडीबीआई को क्या बना दिया बैंक बना दिया और फिर अब 2018 में सरकार से किसको दे दी गई इसकी स्वामित्व तो, एलआईसी को जो है वो अब एलआईसी भी सरकार की है परंतु तो फिर भी एलआईसी के पास पैसा है तो सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करके जो है उसको दे दी ये कौन सी है आईडीबीआई फिर रिको 1969 में स्थापित हुआ था ये तुमने वैसे राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ लिया होगा तो इसको एग्जिम बैंक आयात और निर्यात को बढ़ावा देना है तो आयात निर्यात को भारत सरकार के पास और काम क्या है नाम ही है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बैंक है तो आयातकों और निर्यातकों को, को रिफाइनेंसिंग फिर है नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना में एक समिति थी कौन सी शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुआ मुख्यालय कहां है इसका मुंबई के अंदर है। और प्रारंभ में जब नाबार्ड का एक्ट आया था नाबार्ड एक्ट से उसको बनाया गया था और एक्ट में लिखा था कि आरबीआई और सरकार दोनों मिलकर इसकी क्या करेंगे स्थापना करेंगे हालांकि फिर सरकार ने बाद में एक समझा कि भाई आरबीआई के पास पहले से बहुत सारे काम है और आरबीआई को जो अब तो मुख्य काम महंगाई पर कंसंट्रेट करने दो ये रीफाइनेंसिंग वगैरह का काम और ये सब काम जो है वो आरबीआई से ले लिए जाने चाहिए वापस और किसके पास आ जाने चाहिए सरकार के पास इसलिए फिर सरकार ने जो है वो आरबीआई की हिस्सेदारी उसके अंदर बहुत कम कर दी थी लगभग एक के करीब जो है वो कुछ बची थी पर फिर भी पहले ये माना जाता था कि आरबीआई और केंद्र सरकार दोनों मिलकर काम कर रही है और अभी फिर 2018 के अंदर भारत सरकार ने उस एक्ट के अंदर आरबीआई एक्ट में वापस संशोधन कर दिया आरबीआई एक्ट क्या नाबार्ड एक्ट में वापस संशोधन कर दिया और नाबार्ड एक्ट में संशोधन करके पूर्ण रूप से स्वामित्व किसके पास आ गया है अब भारत सरकार के पास अब इसमें आरबीआई का को कोई लेना देना नहीं है काम क्या है इसका कोई सरकारी जो सहकारी बैंक होते हैं कॉपरेटिव बैंक और जो रीजनल रूरल बैंक उनको रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है ठीक है उनके डेवलपमेंट के लिए ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए ऋण के लिए भी काम करता है और इसके अधीन एक फंड आता है आर मैंने बताया था पी के टारगेट पूरे नहीं होते तो पैसे कहां जमा कराने होते हैं में और किसके अधीन काम करता है नाबार्ड और अब इस RIDF में पैसे आए हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए उसके पैसे को क्या कर दिया जाएगा खर्च कर दिया जाएगा तो ये होता है कौन नाबार्ड नाबार्ड के बाद में नेशनल हाउसिंग राष्ट्रीय आवास बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना 1988 के अंदर हेडक्वार्टर कहा इसका नई दिल्ली में उन दोनों का मुंबई में था इसका नई दिल्ली के अंदर है और इसका हंड्रेड परसेंट प्रारंभ में ओनरशिप किसके पास थी आरबीआई के पास थी और जैसा कि मैंने कहा कि आरबीआई सब किसको ट्रांसफर की जा रही है गवर्नमेंट को तो अब दो में भारत सरकार ने खरीद लिया और इसका काम क्या है नाम ये नेशनल हाउसिंग बैंक तो हाउसिंग सेक्टर जो आवास क्षेत्र है उसको विकसित करना और मूल्य की निगरानी के लिए क्या करते हैं ये एक इंडेक्स जारी करता है जिसका नाम है रेजिडेक्स फिर है सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक नाम बता रहे हैं उन्नीस में स्थापित हुआ हेडक्वार्टर कहा लखनऊ के अंदर हेडक्वार्टर कहा है इसका लखनऊ में शुरुआत के अंदर आरबीआई के स्वामित्व में था और वर्तमान में इसके कई सारे मालिक है भारत सरकार भी है एसबीआई भी है एल है आई है ये सब इसके जो है वो मालिक है नाम बता रहा है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट लघु उद्योगों का क्या करना है विकास तो लघु उद्योगों का विकास के लिए पुनर्वृत्ति की सुविधा उपलब्ध करवाता है और सूचकांक है इसका कृषि डेक्स वैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए फंड भी है इसके अधीन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड भी होता है जैसे नाबार्ड के अंदर रूरल का डेवलपमेंट फंड है वैसे इसके तहत स्मॉल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट का फंड जो है वो भी होता है फिर एनबीएफसी एनबीएफसी वैसे अपने सिलेबस में है नहीं परंतु जो बैंक नहीं है पर फिर भी फाइनेंस का काम करते हैं उनको क्या कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर होते हैं अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं जैसे क्या है मणप्पुरम गोल्ड लोन मुथूट फाइनेंस टाटा कैपिटल एल ये सब क्या है एनबीएफसी है ये बैंक नहीं है परंतु तो फिर भी फाइनेंस सेक्टर में ये लोग क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं तो ये सब के सब एनबीएफसी हैं और इनको रजिस्ट्रेशन इनका किसके तहत होता है कंपनी एक्ट कंपनी एक्ट 1956 के तहत जो है उनका अब इन एनबीएफसी में कुछ एनबीएफसी ऐसी है जो कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है कुछ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं लोगों से पैसे ले सकते हैं लोगों से पैसे ले सकते हैं तो उनको रेगुलेट कौन करेगा आरबीआई हालांकि इनके अंदर जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो आपका रेगुलेटर अलग अलग होता है पेंशन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो तो रेगुलेटर कौन होगा पीएफआरडीए अगर इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हो तो आईआरडीए ठीक है <सथ> ये होते हैं जैसे अगर हाउसिंग के सेक्टर में काम कर रहे हो तो एनएचबी इस तरीके से इनके अलग अलग सेक्टर के रेगुलेटर क्या होते हैं अलग अलग हुआ करते हैं और जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं जो अगर डिपॉजिट आप एक्सेप्ट करते हो तो रेगुलेटर कौन होगा आरबीआई आरबीआई भी रेगुलेशन जो है वो इनका करता है पर डिपॉजिट जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या नहीं कर सकते, हैं? वो जारी नहीं कर सकते। आपको वो जो है में, और आपके पैसे तो डूब गए तो डूब गए उसका कोई प्रोटेक्शन जो है वो नहीं होता ऐसा मतलब बैंकों के अंदर पैसे अगर हो तो प्रोटेक्शन होता है और वो प्रोटेक्शन कौन देता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन क्या क्या है इसका मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी जो डिपॉजिट है जो भी जमाए हैं उन जमाओं को क्या देता है इंश्योरेंस उसको बीमा उपलब्ध करवाता है डिपॉजिट्स को जमाओं को बीमा उपलब्ध कराता है साथ में कुछ बहुत अगर स्मॉल जो छोटे छोटे व्यापारी वगैरह होते हैं उनको क्रेडिट चाहिए तो क्रेडिट के लिए क्या देता है गारंटी भी देता है दोनों काम करता है पर इसका मुख्य काम क्या है वो है डिपॉजिट को इंश्योर

और डीआईसी देगा तो इसको ये इंश्योरेंस करवाने के लिए प्रीमियम लगता है और वो प्रीमियम कौन देता है वो बैंक पे करता है आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है बैंक जो है वो प्रीमियम को पे करता है ठीक है और यहां से इंश्योरेंस जो है इंश्योरेंस लेने का काम किया करता है स्थापना कब हुई थी इसकी नाइनटीन सेवेंटी में स्थापना स्वामित्व किसका पा, किसके पास है इसका मालिक कौन है आरबीआई आरबीआई इसका मालिक है इंश्योरेंस कराता है किसको पब्लिक डिपोजिट कब कितने रुपए तक का पांच लाख ये याद रखना है पांच लाख रुपए तक का करता है पहले एक लाख रुपए था अब इसको बढ़ाकर कर बैंक जो, जो है वो दो हजार दस में स्थापित की गई एक परिषद बनाई गई वित्तीय स्थिरता और विकास के लिए भारत के अंदर जो वित्तीय क्षेत्र है वो क्या क्या रहे स्थिर रहे और वित्तीय क्षेत्र के अंदर अलग अलग प्रकार के रेगुलेटर है जैसे शेयर बाजार को रेगुलेट करने के लिए सेबी है बैंकों को रेगुलट रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है एक ये एंड बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया है जो एनपीए वगैरह को देखता है फिर इडा है ये किसको करता है इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने का काम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसके अलावा पेंशन को रेगुलेट करने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है ये सब लोग काम करते हैं और सब वित्तीय क्षेत्र के अंदर और काम कौन कर रहा है सरकार भी तो सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जो कंपनियां है उन कंपनियों को रेगुलेट कौन करता है ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये सब जो है किसके सदस्य होते हैं एफ के सदस्य होते हैं कब स्थापित हुआ ये 2010 और इसकी अध्यक्षता कौन करता है फाइनेंस मिनिस्टर एफ का अध्यक्ष कौन होता है फाइनेंस मिनिस्टर और इसका एक मुख्य काम होता है कि ये जो अलग अलग रेगुलेटर हैं इनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन जो है वो बना रहना चाहिए इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे किसी प्रकार का विवाद हो तो विवाद को हल कर लिया जाए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निलंबित कथनों पर विचार कीजिए विद रेफरेंस टू तो फाइनेंस रिप्यूटेड डेवलपमेंट काउंसिल इट्स एन ऑर्गन ऑफ नीति आयोग ये नीति आयोग का एक अंग है नहीं है तो पहला तो गलत है यानी ये गलत हो गया ये गलत हो गया दो बचे संघ और का वित्त मंत्री इसका प्रमुख होता है बिल्कुल होता है तो ये हो गया सही आंसर मिल गया थर्ड हो गया फिर है बैंकिंग ऑम्बर्ड्समैन बैंक के अंदर अगर आपको कोई शिकायत है तो बैंकिंग लोकपाल को क्या कर की जा सकते है, शिकायत की जा सकती है शुरुआत के अंदर कुछ कहते पंद्रह बैंकिंग लोकपाल हुए थे और वर्तमान में बाईस जो है वो बैंकिंग लोकपाल है बैंक के अंदर आपका खाता नहीं खुलता है बैंक में कोई पैसे गलत चार्ज कर लिए गए हैं कोई हिडन चार्ज हो गया है कहीं पर आपके पास में सारे डॉक्यूमेंट है फिर भी आपको लोन नहीं दिया जा रहा है ऐसी कोई भी शिकायत हो तो किसको की जा सकती है बैंकिंग लोकपाल को शिकायत की जा सकती है इस बैंकिंग ऑम्बर्ट्समैन को शिकायत की जा सकती है हालांकि एक साल से ज्यादा की शिकायत नहीं की जा सकती अगर इंसिडेंट हुआ है घटना हुई है और उसके एक साल बाद में आप जागे हो तो फिर ये बैंकिंग लोकपाल उसकी शिकायत को नहीं सुनता है। सीधे शिकायत इससे नहीं की जा सकती पहले किससे अप्रोच करना पड़ेगा बैंक के मैनेजर को एप्लीकेशन लिखो किसी कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है तो इसके पास में नहीं जा सकते हो बैंकिंग लोकपाल के पास में नहीं जा सकते हो ठीक है और 20 लाख रुपए से ज्यादा का मामला है तो भी किसके पास नहीं जा सकते हो बैंकिंग लोकपाल पास नहीं जा सकते हो ठीक है इसके पास में नहीं जा सकते इनके पास शक्ति क्या होती है तो बैंकों पे जुर्माना लगा सकते हैं कितना एक लाख रुपए का जुर्माना लगाने का अधिकार जो है, है। बैंक ने लोन दिए जो लोन दिए वो बैंक के एसेट्स हैं एसेट्स परफॉर्म कर रहे हैं कस का मतलब ब्याज जो लगातार आता जा रहा है ऋण वापस चुका रहे हैं अगर किसी ने ऋण नहीं चुकाया 90 दिन तक अगर ब्याज या आपका जो आपका मूलधन है उसको नहीं चुकाया गया तो ऐसी परिसंपत्तियों को क्या घोषित कर दिया जाता है एनपीए घोषित कर दिया जाता है ऐसी परिसंपत्तियां जो है क्या हो जाती है एनपीए हो जाती है फिर वो जो एनपीए वो सब स्टैंडर्ड बन जाती है एनपीए घोषित होने के एक साल बाद में एनपीए घोषित हो गया और एक साल और हो गया तो क्या बन जाएगी वो सबसे घटिया परिसंपत्तियां बन जाएगी फिर एक साल बाद में डाउटफुल बन जाती है और फिर एक साल बाद में लॉस एनपीए जो है उसको या हानि एनपीए के अंदर उसको मान लिया जाता है और एनपीए की समस्या जो है वो बीच में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी हालांकि अभी तो थोड़ी बहुत कंट्रोल हो गई है वर्तमान में लगभग आठ लाख करोड़ रुपए का एनपीए है बैंकों का टोटल एनपीए कितना है लगभग लाख करोड़ रुपए का एनपीए और इसमें ज्यादा किसका है पब्लिक सेक्टर बैंक का एनपीए ज्यादा है, है। प्राइवेट का बैंक प्राइवेट बैंक जो है उनका एनपीए कम है लगभग आठ लाख में से छह लाख करोड़ तो सिर्फ किसका है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ही है और बाकी जो है किसका है निजी बैंकों का दो लाख करोड़ के करीब जो है वो है. तो ये पब्लिक सेक्टर के बैंक क्योंकि ज़्यादा रिस्की लोन देते है, इनके के अंदर सरकार का हस्तक्षेपी एनपीए तो, तो एन एन को वापस वसूली के लिए क्या क्या प्रयास किए गए तो सबसे पहले उन्नीस में उनतीस डीआरटी जो है वो ओपन किए गए ऋण वसूली न्यायाधिकरण और पांच अपीलीय न्यायाधिकरण जो है वो भी ओपन कर दिए गए वर्ष 2000 के अंदर सिविल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड ताकि कौन ऋण लेने वाला है उसके बारे में सूचनाएं पता रहे फिर सरफेसी एक्ट सरफेसी एक्ट कब आया दो में सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह होता है कि भाई आपने जो भी चीज गिरवी रखी है

ना कुछ और आता है तो बैंक क्या करेगा उसको किसी को बेच देगा ठीक तो ये कंपनी होती है उनको लोन क्या कर दिए जाते हैं बेच दिए जाते हैं तो ये आसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इनके साथ में होती है एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसको क्या करती है मैनेज करती रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो खरीदती है ऋण जो भी एनपी है उनको एनपीओ खरीदने का काम करती है और उसको मैनेज करने वाली कंपनी कौन सी होती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो होती है और फिर 2016 के अंदर लाए इंसॉल्वेंसी एंड कोड अब जैसे मैंने कहा कि उसकी कंपनी की परिसंपत्तियों को को बेच दो या उसकी मैनेजमेंट बदल दो पर ये इतना आसान नहीं है क्योंकि कंपनी के अंदर बहुत सारे लोगों के क्या होते हैं हित जुड़े हुए होते हैं बहुत सारे लोगों के हित जुड़े हुए होते हैं इसलिए कंपनी को इतनी आसानी से बेचा नहीं जा सकता या उसके जो है मैनेजमेंट में परिवर्तन नहीं किया जा सकता इस वजह से क्या होता था कि भाई ये एक्ट के तहत ये ले तो लेते थे परंतु फिर भी वो सोल्यूशन कोई निकलता नहीं था और इस वजह से फिर एक कानून लेके आए इन कोड 2016 में और इसके अंदर कहा कि 180 दिनों में 180 डेज के अंदर उस चीज का क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन करना पड़ेगा रेजोल्यूशन कितने दिन में करना पड़ता है 180 दिन के अंदर और अलग से रेजोल्यूशन के प्र, प्रोफेशनल ये दिवालिया करने वाले कई अलग से प्रोफेशनल होते हैं उनको इसमें नियुक्त किया जाता है तो ये इंसॉल्वेंस इन बैंक कोड के लागू होने के बाद में भारत का एनपीए क्या हुआ अब काफी रिकवर हो गया कई जगहों से एनपीए जो है वो रिकवर किए गए किसी ऋण को घोषित करते हैं उसके फसल चक्र से एग्रीकल्चर लोन होते हैं उनको फसल चक्र के आधार पर करते हैं वो नब्बे दिन के आधार पर नहीं करते अगर शॉर्ट टर्म का लोन होता है शायद दो फसल चक्र है और लॉन्ग टर्म का है तो एक फसल चक्र जो है वो होता है फिर अभी रिसेंटली इसके अंदर क्या किया गया वो है ये बैड बैंक क्या बनाया गया है बैड बैंक जो है वो बनाया गया बैड बैंक क्या होता है बैड बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो कि दूसरे बैंकों से एनपीए की खरीद कर लेता है दूसरे जो भी बैंक होते हैं उनसे क्या खरीदेगा एनपीए खरी। एक बैड बैंक होगा और वो जैसे ये एसबीआई वालों ने एनपीए कर रखे हैं पीएनबी वालों ने कर रखे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर रखे हैं इन सब ने कर रखे तो इन सबसे खरीद कौन कर लेगा बैड बैंक जो है वो खरीद क्योंकि इसमें ये ये देखा गया कि सब ये जो बैंक होते हैं ये सब बैंक है इसके अंदर जो है इन को ऋण देना तो आता है ऋण देने में तो ये बहुत ऐसे अच्छे होते हैं कि किसी को भी जो है ऋण चिपका देते हैं परंतु तो वसूल करना इनको इतना ज्यादा अच्छा नहीं आता वसूली भाई ये नहीं है ठीक है तो इनसे ऐसे लोगों के पीछे पड़ पड़ के जो है वो पीछे नहीं पड़ा जाता तो कहा कि एक ऐसा बैंक हो जिसका काम ही वसूल करना ही हो जिसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या हो वसूल करना ही हो उसको उसी में एक्सपर्ट हो जैसा वसूल करवाना हो किसी से तो लो हमें बताओ हम करवा देंगे किससे वसूल करवाना तो ऐसा एक बैंक बनाया जाए और सभी बैंकों के जो एनपीए उसको कौन खरीद ले ये बैड बैंक जो है वो खरीद जैसे मान लो सौ करोड़ का एनपीए सौ करोड़ का लोन दिया था किसी बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा वालों ने किसी को दे दिया सौ करोड़ का अब सौ करोड़ नहीं आ रहे तो बैंक ऑफ बड़ौदा के तो सौ के सौ करोड़ गए तो फिर ये बैड बैंक वाले जाएंगे और इसकी बोली लगाएंगे और ये कहेंगे साहब हमको साठ में दे दो भाई आपके तो पूरे पूरे गए हुए

पिछहत्तर करोड़ में रिकवर कर लिया सत्तर करोड़ में तो दस करोड़ पंद्रह करोड़ का कर क्या हो गया उस लोन पे आपको फायदा हो गया तो इस तरीके से ये क्या करेंगे पर इनकी रिस्क भी है कि मान लो नहीं कर पाए नहीं कर पाए पचास करोड़ ही आए तो दस करोड़ का नुकसान भी हो गया तो इसका मतलब रिस्क भी इन्वॉल्व होती है तो बैड बैंक जो है वो क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऋण रिकवर करने का काम करते हैं ऋण देने का काम नहीं करते और भारत के अंदर भी अब क्या स्थापित कर दिया गया है एक बैड बैंक जो है स्थापित किया गया और उसका नाम क्या रखा गया है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड क्या करेगा वो बैंकों से जो है ऋण खरीद लेगा कितने ऋण ऋण खरीदेगा लाख करोड़ के जो है वो खरीद लेगा बैंक जो है उन बैंकों के पास में जितने एनपीएज से दो लाख करोड़ एनपीए कौन खरीद लेगा ये खरीद लेगा और इसके लिए इनके पास में खरीदेगा तो जैसे मैंने कहा साठ करोड़ रुपए में खरीदा तो साठ करोड़ रुपए देने पड़ेंगे तो ये साठ करोड़ रुपए इनके पास कहां से आएंगे तो ये क्या करेंगे पंद्रह परसेंट उसका तो जो है वो तो देंगे पैसे साठ करोड़ का पंद्रह परसेंट तो किस में दे देंगे पैसों में दे देंगे बाकी पिछासी परसेंट जो है उसके लिए पैसे नहीं देके सरकार की रिसिप्ट दे, दे देंगे गवर्नमेंट की रिसिप्ट गवर्नमेंट ने कुछ रिसिप्ट जारी किए कि तीस हजार छह सौ करोड़ की रिसिप्ट जारी करके इनको दे दी कि ये तीस हजार छह सौ करोड़ रुपए हमने अलग रख दिए उसकी पर्ची जारी कर दी कि तीस हजार छह सौ करोड़ हमारे पास पड़े हैं अब आपको किसी को देने हो तो पैसे किसमें दे दो

सौ करोड़ का खरीदा सौ करोड़ का खरीदा कुछ लोग खुदने पर प्रयास लगाए और एक सौ बीस करोड़ रुपए लिया एक सौ बीस करोड़ रुपए वापस लिया तो क्या करेंगे ये जो पिचासी करोड़ की सिक्योरिटी रिसिप्ट है इसको छुड़वा लिया जाएगा यहां पर आपके पास पैसे आ गए ये पैसे आप किसको दे दो इस बैंक को दे दो और ये सिक्का दो हमारे सिक्योरिटी जो हमारी वापस दे दो तो सिक्योरिटी रिसिप्ट क्या हो जाएगी इस तरीके से वापस मिल जाएगी फिर दूसरा कोई लोन खरीदना है तो उसके लिए वापस किसका प्रयोग कर लो उसी सिक्योरिटी रिसिप्ट का प्रयोग कर लो तो सरकार ने कितनी सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी किए हजार छह सौ करोड़ की सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी की अब एक तो है ये, NARCL, मतलब की सब सारी परिसंपत्तियां इनके पास में आ गई अब उस कंपनी को मैनेज करना है तो मैनेज करने के लिए एक अलग से कंपनी बनाई है जिसका नाम क्या है इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी अलग से कंपनी बनाई है

IDRCL. तो क्या करेगी लोन खरीदेगी और ये आई क्या करेगी उसको मैनेज करेगी उन कंपनियों को मैनेज करने का काम जो जो है है वो करेगी तो ये दोनों बैड बैंक के तहत स्थापित किए गए फिर नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में जितने पेमेंट हो रहे हैं उस पेमेंट के पीछे कंपनी कौन सी है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो है कब स्थापित हुई थी ये 2008 में किसके द्वारा आरबीआई और इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 2009 में इसको इसने काम करना क्या कर दिया? कर दिया दिया शुरू इसके द्वारा कई प्रकार की सर्विसेज दी जाती है जैसे आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस एकदम से इमीडिएट पेमेंट सर्विस होते हैं आईएमपीएस आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हो तो यह 2010 में शुरू हुई मोबाइल बैंक बैंकिंग जितनी भी मोबाइल बैंकिंग कर रहे हो किस पर आधारित है आई आईएमपीएस का सर्वर है वही सर्वर क्या करता है सारे ट्रांजैक्शन करता है पेमेंट एक दो लाख अभी वर्तमान में इसकी बढ़ाकर कितना है पांच लाख कर दिया है आई एम पी एस के तहत आप कितना पांच लाख रुपए तक जो है ट्रांसफर किए जा सकते हैं स्कैंड कॉपी जो है वो एक बैंक से दूसरे बैंक में भेज जाती है और ये भी सर्विस कौन दे रहा है एनपीसीआई जो है वो दे रहा है किसकी है इसी क्या एनपीसीआई की है रूपे कार्ड हम जितने भी आजकल एस वगैरह के सरकारी बैंकों के जो कार्ड होते हैं उनके ऊपर क्या लिखा होता है वीजा मास्टर कार्ड नहीं लिखा होता उसके ऊपर रूपे लिखा होता है तो ये रूपे जो कार्ड है वो किसका है वो इस इस कंपनी का है एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है उस कंपनी का ये फिर यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कि आपको एक जग, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना है तो उसके अकाउंट नंबर वगैरह पता करने की जरूरत नहीं है सीधे मोबाइल नंबर से क्या किया जा सकता है ट्रांसफर किया जा सकता है और ये किसके तहत हो रहा है यूपीआई के तहत और ये भी किसकी सर्विस है ये भी एनपीसीआई की सर्विस है नेशनल फाइनेंस स्विच नेशनल फाइनेंस स्विच का मतलब जितने भी एटीएम के नेटवर्क है एटीएम जितने भी है वो आपस में किससे जुड़े हुए हैं एक नेटवर्क से जुड़े हुए और वो एटीएम का नेटवर्क जो है उसको क्या कहते हैं फाइनेंस स्विच उसको कहा जाता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस इसका मतलब क्या नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस का नाच इसका मतलब है कि अगर आपको बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन एक साथ करना है तो किसके तहत करते हैं नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस से करते हैं जैसे अभी वो आता है पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान किसान योजना है ना उसके तहत क्या करते हैं छह हजार रुपए सब्सिडी आती है किसानों के खाते में अब एक साथ इतने सारे किसान हैं और कई बार आपने देखा होगा कि भाई न्यूज भी बनती है कि सब प्रधानमंत्री ने एक क्लिक किया और आठ हजार करोड़ की जो सब्सिडी है वो लोगों के खाते में आ गई दस हजार करोड़ की सब्सिडी लोगों के खाते में तो एक क्लिक करते ही दस हजार करोड़ की कैसे आ गई सबके खाते में तो इस इस सिस्टम के माध्यम से वो क्लियरिंग हाउस वो सेटलमेंट इसके माध्यम से हुआ है फिर फास्टैग हम जो टोल वगैरह पे जाते हैं तो फास्टैग का सिस्टम है वो भी एनपीसीआई की सर्विस है और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अब आपने रुपए कार्ड वगैरह बनाया है तो इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसका प्रयोग किया जाए तो उसको बढ़ाने के लिए जो है 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 वो एक अलग से कंपनी बनाई गई जिसका नाम एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ये जो आपका रुपए कार्ड है यूपीआई वगैरह है इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ज्यादा प्रचारित करना ताकि बाकी देश भी इसको प्रयोग करें और नेशनल बिल पे लिमिटेड दो में शुरू हुआ ये भी किसका है एनपीसीआई का है क्या आंसर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम देश में वित्तीय समावेशन में संवर्धन में सहायता करता है हाँ, बिल्कुल करता है। लोग पेमेंट वगैरह तो कर रहे हैं आजकल सब डिजिटल पेमेंट हो गए तो करता है एनपीसीआई लॉन्च रूपे कार्ड पेमेंट सिस्टम बिल्कुल रूपे जो है किसका है एनपीसीआई का तो सी आंसर हो गया विच ऑफ लाइकली कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंप्लीमेंटिंग यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एकीकृत भुगतान अंतराप्रष्ठ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को कार्यान्वित करने लोगे किसके सबसे अधिक संभाव्यता है ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट की आवश्यक नहीं रहेंगे तो पहले क्या होते थे एक होता है प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जैसे पेटीएम वगैरह थे तो पेटीएम वगैरह का क्या होता है एक मोबाइल वॉलेट होता है आपका अकाउंट है उस अकाउंट से पैसे पहले इसमें जमा करो और फिर इससे फिर जो है क्या करो ट्रांसफर करो ट्रांसफर करोगे तो दूसरे के मोबाइल अकाउंट में जाएंगे उसमें वॉलेट में जाएंगे और फिर वॉलेट से किसमें जाएंगे अकाउंट में जाएंगे अब यूपीआई जब आया है तो फिर अब इसकी आवश्यकता नहीं रही। सीधे आपके से पैसा इस में तो यूपीआई से क्या होगा ऑनलाइन भुगतान के लिए मोबाइल वॉलेट के आवश्यक नहीं रहेंगे मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन लगभग दो दशकों में पूरी तरह से भौतिक मुद्रा का स्थान डिजिटल मुद्रा ले लेगी ऐसा किसी का उद्देश्य हो सकता है एफडीआई अंतरप्रवाह में भारी वृद्धि होगी <laughs> कोई भारी वृद्धि नहीं होनी निर्धन व्यक्तियों को उपदानों का प्रत्यक्ष अंतरण बहुत प्रभावकारी हो पाएगा डायरेक्ट ट्रांसफर और सब्सिडीज टू द अब यूपीआई का कोई डायरेक्ट ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं है ठीक है तो इसलिए आंसर क्या हो गया ये आंसर हो गया

दो तो घटक होते हैं क्या तीन घटक होते हैं अरे एक ही घटक होता है भाई आपके पास डेबिट कार्ड यूज करते हो डेबिट कार्ड में पिन लगाना पड़ता है कितनी बार लगाना पड़ता है एक बार लगाना पड़ता है एक बार लगाना पड़ता है तो फैक्टर कितने हो गए एक ठीक है अब अगर ये हो सब एक बार तो आपका डेबिट कार्ड का पिन भी लगाना पड़े साथ में जैसे एस ने आजकल शुरू कर दिया है कि उन्होंने मोबाइल के ऊपर जो है वो एक ओटीपी भी आता है तो आपको ओटीपी भी एंटर करना पड़ रहा है यानी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कितने हो गए दो फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन अब ये तो कह रहा है कि जो डेबिट कार्ड होता है उसके अंदर फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन कितने हैं? चार इतना भी कोई सुरक्षित अपन ने बनाया उसको नहीं है। ठीक है ठीक तो वो ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया पहला जो है वो ऑप्शन सही हो गया इन इंडिया कौन करता है इसको कौन लिंक करता है एटीएम्स को मैं बताया था एटीएम्स जो है वो नेशनल फाइनेंस स्विच होता है और नेशनल फाइनेंस स्विच जो है किसके अधीन काम करता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत काम करता है तो तो आंसर क्या हो गया सी तो ये इसी के साथ में बैंकिंग वाला चैप्टर जो है वो क्या हो गया पूरा ये इसका अपने इकोनॉमी में सबसे बड़ा चैप्टर था हालांकि क्वेश्चन तो आएगा एक ही ज्यादा से ज्यादा दो आ जाएंगे पर ये चैप्टर क्या है बहुत बड़ा है ठीक है बड़ा है इसलिए जो है वो क्या अभी एक और कर लेते हैं शेयर बाजार फिर ब्रेक ले लेंगे ये पांच मिनट का ब्रेक ले लेते हैं फिर शेयर बाजार भाई बड़ा ब्रेक अभी नहीं लेंगे पहले पांच मिनट का या दस मिनट का ब्रेक ले लो फिर जो है वो शेयर बाजार और इन्फ्लेशन कर लेंगे और या एक और चीज कर ले अब वाले जो है वो छोटे छोटे हैं है, ज्यादा उसमें टाइम नहीं लगेगा और इसमें टाइम इसलिए लगा ये क्वेश्चन वेस्चन करने में थोड़ा टाइम लगे पर क्वेश्चन करने से थोड़ा तुम्हें प्रैक्टिस हो जाती है चलो सिंपल है विद रेफरेंस टू इंडियन द फॉलोइंग स्टेट भारतीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित विचार कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म एनसिक्योर्ड प्रॉमिजरी नोट वाणिज्यिक पत्र अल्पकालिक प्रतिभूति रहित वचन पत्र होता है तो वचन पत्र होता है अल्पकालिक लेन देन के लिए मनी मार्केट में प्रयोग में लिया जाता है सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इश्यूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू अ कारपोरेशन जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रमाण दीर्घकालिक प्रमाण पत्र के अल्पकालिक और कौन जारी करता है बैंक करता है आरबीआई नहीं जारी करता है, करता है किसको कॉर्पोरेट्स को जो है वो जारी करता है, अब कॉल अब अब मनी को क्या वहां तो याचना बाजार का लिखा अब क्या लिखा है शीघ्रवधि द्रव्य शीघ्रावधि द्रव्य तो जो है वो किसी के काका जी को ये समझ में नहीं आया क्या ही फिर भी यूपीएससी ने इसको ब्रैकेट में कॉल मनी लिख दिया अंतरबैक लेनदेनों के लिए प्रयुक्त अल्प अवधि का वित्त है तो होता ही है कॉल मनी जो है वो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होता है शॉर्ट टर्म के होता है यानी इसका मतलब तीसरा क्या है सही है तीसरा सही है तो ये गलत हो गया

कर रहे हैं कि भाई पैसे चाहिए तो कंपनी को चाहिए तो कंपनी को चाहिए तो कंपनी पैसे दो तरीके से लाती है तो शेयर से लाओ या या तो किससे लाएगी भाई या तो जो हिस्सेदारी बांटेगी कंपनी कंपनी या तो हिस्सेदारी देगी लोगों को भाई आपके पास पैसे नहीं है तो वास 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 पैसे नहीं है तो आप क्या करोगे पार्टनर बनाओगे कंपनी खोलनी है पैसे नहीं है तो पार्टनर बनाओगे किसी दोस्त को कहोगे किसी रिश्तेदार को कहोगे किसी को कहोगे कि यार हमारे साथ पार्टनर बन जाओ या फिर कहां से लाओगे ऋण में पैसे लाओ अब ये जो कंपनी होती है ये कंपनी कितने प्रकार की होती है कंपनी में एक प्रकार होता है उसको कहते हैं लिमिटेड कंपनी कौन सी कंपनी लिमिटेड को लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है जिसमें ये जो लेंडर है ऋणदाता है इस ऋणदाता के अधिकार क्या होते हैं लिमिटेड होते हैं ऋणदाता के अधिकार क्या हैं लिमिटेड है लिमिटेड का मतलब अब ऋणदाता ने ऋण दिया किसको दिया इस हिस्सेदार को दिया या इसको दिया तो कंपनी को दिया है ऋण किसको दिया है कंपनी को दिया है यानी आपको ये ऋण वसूली के अधिकार हैं वो भी किसके हैं सिर्फ कंपनी तक सीमित है कंपनी तक सीमित है मतलब कंपनी की प्रॉपर्टी इसमें से ऋण ले सकते हो अगर ऋण नहीं दे कोई नहीं दे तो क्या होगा जैसे पहले पढ़ा सरफेस एक्ट अब ये ऋणदाता जो है सपोज करो सपोजा बैंक है बैंक है तो सरफेस एक्ट के तहत क्या होता है बैंक जो है वो क्या कर लेगा प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगा प्रॉपर्टी जब्त कर लेगा तो किसकी प्रॉपर्टी को कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी की को 60 दिन का देगा और इसको जब्त कर लिया जाएगा डाल सकते इसके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते क्यों क्योंकि आप ये कंपनी कैसी है लिमिटेड कंपनी लिमिटेड कंपनी है इसलिए लैंडर ऋणदाता के जो अधिकार है वो क्या है लिमिटेड होते है. है? एक होती है अनलिमिटेड नाम की कोई कंपनी नहीं होती उसको कहते है हैं प्रोप्राइटरशिप एक दूसरे प्रकार की कंपनी होती है क्या कहते हैं प्रोप्राइटरशिप प्रोप्राइटरशिप के अंदर ऐसा अंतर नहीं होता अगर वो कंपनी कैसी हो प्रोप्राइटरशिप हो तो फिर ये अंतर नहीं होगा फिर जो है ऋणदाता इससे भी ले सकता है और आपकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी पैसा जो है वो ले सकता है पर लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं होता और ये जो लिमिटेड कंपनी है वो कितने प्रकार की होती है तीन प्रकार की होती है लिमिटेड कंपनी एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो शेयर धारक होते हैं जो शेयर होल्डर्स हैं वो कितने होंगे दो से लेके दो सौ तक जो है वो होते हैं शेयर और शेयर जो है बाजार में जारी नहीं किए गए तो आपस आप में ऐसा कोई बेचा वगैरह नहीं जा सकता को बेचा एक तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसमें मिनिमम सात लोग हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने भी हो मैक्सिमम जो है कितने भी हो सके यानी कितने भी शेयर जो है जारी किए जा सकते हैं और एक वन पर्सन कंपनी तो जिसमें एक ही ओनर जो है वो है ये जो हिस्सेदार हैं और हिस्सेदार के आधार पर उसको बांटा जाता है एक तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दो से दो सौ हिस्सेदार जो है वो हो सकते हैं दो से दो सौ हिस्सेदार हैं और ये पब्लिक को नहीं बांटे गए ये शेयर उन्होंने आपस में पार्टनरशिप करके लोगों ने खोली है तो पार्टनरशिप करके आप अगर अपना कोई कंपनी खोल रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा पार्टनर कितने बन सकते हैं दो सौ पार्टनर ज्यादा से ज्यादा बन सकते हैं ठीक है और मिनिमम अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो दो हो सकते हैं और अब 2013 के अंदर जो कंपनी भी है कि एक व्यक्ति अकेला जो होगी ये जो शेयर है वो शेयर सात तो मिनिमम होनी चाहिए शेयर होल्डर और फिर कितने भी हो सकते हैं कितने भी जो है जारी किए जा सकते हैं हालांकि ऐसे कितने भी असंख्य नहीं है उसकी भी एक सीमा होती है परंतु मैक्सिमम जो है उसकी कोई लिमिट रखी नहीं गई है ठीक है तो ये इस तरीके से जो है कंपनियां तीन प्रकार की होती है पूंजी तो तो बाजार, 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 तो बाजार, बाजार मुद्रा बाजार तो क्या होता है मनी मार्केट तो शॉर्ट टर्म का लेन देन होता है एक साल से कम का ठीक है तो उसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है कमर्शियल पेपर है कॉल मनी है ये ट्रेजरी बिल है कमर्शियल बिल्स है ये सब में आते हैं मुद्रा बाजार फिर आता है पूंजी बाजार कैपिटल कैपिटल मार्केट दो प्रकार का होता है एक तो प्राथमिक प्राइमरी मार्केट होता है और एक होता है सेकेंडरी मार्केट प्राथमिक जो बाजार होता है उसके अंदर फ्रेश सिक्योरिटी जो है वो जारी की जाती है पहली बार सिक्योरिटी जारी की गई है पहली बार सबसे पहले जिसने खरीदा है तो वो खरीदेगा कहां से प्राथमिक बाजार से खरीदेगा पहली बार अगर कोई सिक्योरिटी मान लो सरकार ने जारी की है और अगर उसको खरीदना है और हम पहली बार खरीदने जाए तो फिर कहां पर जाकर खरीदेंगे प्राइमरी मार्केट में जो है जाकर खरीदेंगे ठीक है और इसके अंदर ये आईपीओ एफपीओ ये सब जो है वो लॉन्च होते हैं फिर सेकेंडरी मार्केट होता है द्वितीयक बाजार द्वितीयक बाजार का मतलब है सेकेंड हैंड मार्केट मान लो एक तो भाई आपने फ्रेश कार खरीदी नई शोरूम से खरीदी है और एक सेकेंड हैंड जो कार पहले से यूज चल रही है उसी को लोग क्या कर रहे हैं खरीद रहे है और बेच रहे हैं। तो एक तो आपने फ्रेश सिक्योरिटी खरीदी है और एक जो सिक्योरिटी खरीदी है अब उसका वापस लेन देन जो है वो हो रहा है उसका जहां लेन देन होगा उसको क्या कहा जाएगा सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है और भारत के अंदर द्वितीय बाजार जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये क्या है सेकेंडरी मार्केट के एग्जाम्पल है तो ये क्या होता है आपका कैपिटल मार्केट जो है वो हुआ करता है अब कैपिटल मार्केट में प्राथमिक बाजार प्राथमिक बाजार में क्या जारी किए जाते हैं आईपीओ और एफपीओ जाते हैं

तो फिर क्या कर सकती है कंपनी कुछ और नए शेयर जो है जारी किए जा सकते हैं कुछ और नए शेयर जा, जारी किए जाए तब उसको क्या कहा जाता है एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कि भाई एक बार तो हो गया अब दूसरी बार जो है वापस जारी किया जा रहा है फिर होता है राइट इश्यू राइट इशू का मतलब क्या होता है कंपनी ने जैसे मान लो अभी दो चल रहा है दो में उन्होंने आईपीओ जारी किया और आईपीओ जारी करके जैसे भी इस साल तो खूब सारे आईपीओ आए हैं मार्केट के अंदर बहुत सारे आईपीओ जो है वो हैं और आगे भी आने वाले है एलआईसी का भी आईपीओ आने वाला है और लगभग हर दस पंद्रह कोई ना कोई आईपीओ जो है वो आ ही रहा है अब इतने सारे आईपीओ आ रहे हैं अब इनको अब लगे कि साहब हमने आईपीओ लिया और लोगों से पैसे जो है वो ले लिए हिस्सेदार बना लिया लोगों को कि आप भी हमारी कंपनी में हिस्सेदार हो आप भी हमारी कंपनी में हिस्सेदार हो फिर 10-12 साल बाद में इनको लगे वापस कि यार और थोड़े नए शेयर जो है क्या करते हैं जारी करते हैं अब दस बारह साल बाद वापस नए शेयर 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 जारी कर रहे हो तब वो जो होते हैं उनको क्या कहा कहा जाता जाता है है राइट राइट इशू और राइट इशू किसको जारी किसको दिए जाते हैं जिनके पास पहले से कंपनी के क्या है शेयर है तो ओल्ड कंपनी है पुरानी कंपनी है और वो वापस एडिशनल न्यू शेयर जो है जारी करती हैं और किसको दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो पहले से शेयर होल्डर है

हिस्सेदार बनाना है लोगों को हिस्सेदार बनाना है तो शेयर जारी किया जाए अब कितना ये क्या क्या होती है इसकी जो कैपिटल होती है कि भाई मैंने ये कहा भाई से कोई भी कंपनी कंपनी है कम्पनी के पास पैसे कहां से आएंगे या तो हिस्सेदार देंगे उसको पैसे या फिर ऋण में लाएगी पैसे दो ही जगहों से पूंजी जो है वो आ सकती है हिस्सेदारों की जो पूंजी आती है इसको क्या क्या ये जो कैपिटल आता है उसको क्या क्या कहते हैं एक तो होता है ऑथोराइज कैपिटल एक तो क्या होता है ऑथोराइज कैपिटल भाई इतना तो प्राधिकृत है कि भाई इसमें नियम वगैरह सब सेबी के वगैरह वगैरा कि आप बाजार से कितना कैपिटल ले सकते हो कितने के शेयर जो है टोटल जारी कर सकते हो कितना कैपिटल ले सकते हो उसको तो क्या कहते हैं कैपिटल कितने कितने के के ले सकते हो तो ऑथोराइज कैपिटल जैसे उन्होंने जारी मान लो सेबी से आपने परमिशन ली तो वो सब आपकी बाकी बैलेंस शीट वगैरह चेक करेंगे सब देखेंगे कि कितने ले सकते हैं बाजार से तो सेबी ने आपको परमिशन दे कैपिटल दिया हजार करोड़ रुपए कितनी है एक हजार करोड़ रुपए के आप मार्केट में शेयर जारी कर सकते हो ये ये तो अब कंपनी क्या पूरे पूरे के एक साथ लेना चाहती है या नहीं चाहती कंपनी यार अपन को इतने का मौका दिया गया है इतने का मौका दिया है तो क्या पता अपने लोग शेयर खरीदेंगे एक नहीं खरीदेंगे एक एक, एक, एक करोड़ के शेयर बिकेंगे एक नहीं बिकेंगे तो कंपनी क्या करेगी एक बार में सारे के सारे शेयर इश्यू नहीं करेगी सारे के सारे शेयर जारी नहीं किए कंपनी ने जारी किए आठ करोड़ के कितने के जारी किए आठ सौ करोड़ यानी कंपनी कह रही कि 800 है कि हमारे आठ सौ करोड़ के शेयर हैं ये कोई खरीदना चाहे तो खरीद लो तो इश्यूड कैपिटल क्या हो गई आठ सौ करोड़ ऑथोराइज तो कितनी एक हजार करोड़ और जितने की इन्होंने जारी किए वो क्या है इशूड कैपिटल है जितनी जारी की गई है अब आठ सौ का तो ये खुद सोच रहे हैं ये लोगों कह रहे हैं हमारे आठ सौ करोड़ के शेयर आप खरीद लो खरीद लो खरीद लो लोग खरीदे या नहीं खरीदे कोई कोई मतलब ऐसा गारंटी थोड़ी है कि भाई खरीदेंगे ही लोग भाई आपका आपकी कंपनी में लोग हिस्सेदार बनना चाहें

शेयर खरीदने वाले तो बहुत ज्यादा और शेयर हैं बहुत कम इसका मतलब शेयर है ओवर सब्सक्राइब इसके लिए क्या हो गया ओवर सब्सक्राइब कोई बहुत अच्छी कंपनी होती है तो उसके ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं जैसे शेयर जारी होता है जारी क्या? जैसे उसका एप्लीकेशन की डेट होती है आईपीओ होता है उसकी एप्लीकेशन की डेट होती है कि जैसे मान लो एक तारीख से लेकर तीन तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो तो पहले दिन ही इतने लोग अप्लाई कर देते हैं शेयर के लिए कि वो शेयर क्या हो जाता है ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो मार्केट में न्यूज हो जाती है यार यार ये वाला शेयर जो है वो ओवर सब्सक्राइब हो गया

उसी दिन भारत के रिटेल मार्केट में जितने शेयर के अंदर खरीदने वाले लोग हैं सब अप्लाई कर देंगे सब अप्लाई कर देंगे तो 10-15 20 गुना, गुना सब्सक्राइब हो जाएगा मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन भी कितना हो गया बीस गुना पच्चीस गुना भी सब्सक्राइब हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया तब तो होता है ओवर सब्सक्राइब और कम करे तो अंडर सब्सक्राइब और ये जो कैपिटल होती है उसको क्या कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल अब इतने लोगों ने अप्लाई किया था वास्तविक रूप में कितने लोगों ने पैसे दिए हैं अभी तो अप्लाई किया है अप्लाई करके वास्तविक रूप में कितने लोगों ने पैसे दिए अगर मान लो पांच करोड़ का कर अप्लाई कर किया पैसे दिए मात्र चार करोड़ रुपए आए आपके पास चार करोड़ रुपए आए हैं इसका मतलब ये है आपकी पेड अप कैपिटल ये क्या होती है पेड अप कैपिटल यानी कैपिटल में कौन कौन सी होगी सबसे पहले कौन सी होती है ऑथोराइज कैपिटल जितने के आप जारी कर सकते हो इशूड कैपिटल जितने के जारी किए गए वो इशूड कैपिटल लोगों ने जितना अप्लाई किया वो सब्सक्राइब सब्सक्राइब अंडर भी हो सकता है और ओवर भी हो सकता है अगर इससे कम है तो अंडर सब्सक्राइब इससे ज्यादा है तो ओवर सब्सक्राइब और जितना पैसा पे किया उसको क्या कहते हैं पेड अप कैपिटल जो है वो है है वो ये होती इशूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल और पेड अप कैपिटल ये चार प्रकार के जो है वो शेयर कैपिटल हुआ करती फिर अंडर राइटिंग आईपीओ जारी करना है ये कंपनी कंपनी को जो हिस्सेदार चाहिए और हिस्सेदार कहां से लाएं तो कहा हम तो जो है कैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी है है क्या है प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी कंपनी नहीं क्या पब्लिक बनना चाहती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनना चाहती है तो सेबी से परमिशन से ले ली और सेबी से परमिशन से लेगा कि हम क्या जारी करना चाहते हैं आईपीओ जारी करना चाहते है. अब आईपीओ जारी ऐसे नहीं होता सीधे ऐसे गए साहब हमारा आईपीओ जारी हो गया खरीद लो इससे पहले आपको क्या करवानी पड़ती है अंडर राइटिंग करवानी पड़ती है कोई वित्तीय संस्थान आता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएगा और वो आपको अंडर करेगा अंडर का मतलब हुआ गारंटी देगा मतलब तो आपकी जो वित्तीय हालात है कंपनी कैसी गए उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा चल रहा है फायदे में है नहीं है उसके आधार पर वो क्या देता है एक गारंटी देता है गारंटी देकर ये लिखता है कि सब ये कंपनी बहुत अच्छी है और इसने जितने शेयर जारी किए सारे के सारे क्या कर लिए जाएंगे खरीद लिए जाएंगे ताकि जो निवेशक है उस निवेशक को विश्वास हो सके नि, कोई भी निवेशक है जैसे मान लो मुझे किसी कंपनी में निवेश करना है तो मैं तो उस कंपनी के आगे पीछे का कुछ जानता ही नहीं हूं तो मैं तो उस, अब मैं, या तो मैं हर कंपनी की स्टडी करता रहूं कि साहब हर कंपनी की बैलेंस शीट लेके स्टडी करते रहे तो फिर वो करेंगे तो फिर ये काम कब करेंगे तो आपको खुद का काम भी तो करना है तो फिर आप क्या करोगे आप किसी अंडर पर विश्वास कर लोगे क्या यार ये अंडर है ये कह रहा है कि हाँ कंपनी अच्छी है और ये गारंटी भी दे रहा है कि अगर इसके शेयर नहीं खरीदे जाते हैं अगर कोई दूसरा नहीं खरीदता तो कौन खरीद लेगा मैं खुद खरीद लू ये पैसे वालों है बैंक है कोई इन्वेस्टर बैंक है कोई ऐसा है जिस पैसे हैं तो इसलिए ये कह देगा कि मैं खुद खरीद लूंगा तो ये क्या उसका? है उसका अंडर है आश्वासन देता है, है अशोरेंस देता है कि अगर सब्सक्राइब नहीं हुए वो जितने का इशू किया गया वो सब्सक्राइब नहीं होता है तो बचा हुआ कौन खरीद लेगा मैं जैसे वो केस था ना अभी बड़ा अपना कि अब उसने आठ करोड़ का तो इशू किया और सब्सक्राइब कितने हुआ पांच करोड़

Is an IPO, जब भी कोई कंपनी जारी करती है तो वह अपने आईपीओ को किसी अन्य वित्तीय संस्था द्वारा अंडर राइट करवाती है जिसके तहत वह वित्तीय संस्थान निवेशकों को आश्वासन देता है दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गिव्स टू इन्वेस्टर्स कि यह प्रोजेक्ट जो है वह व्यवहार्य है मतलब यह कंपनी अच्छी है और अगर उसके सारे शेयर बिक जाएंगे और अगर शेयर नहीं बिके तो कौन खरीद लेगा अंडर राइटर जो है वो खरीद लेगा तो इस तरीके की अंडर राइटिंग की कार्य जो है वो की जाती है फिर होता है बुक बिल्डिंग बुक बिल्डिंग क्या होती है आपने शेयर जारी किए, तो आपके शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए एक शेयर जो है कितने रुपए का बेचा जाए किस कैसे पता लगेगा कितने का बेचा जाए भाई बाजार के अंदर डिमांड सप्लाई का पता लगा सप्लाई तो खैर आपके हाथ में है कि आपको कितनी सप्लाई करनी है पर बाजार में डिमांड कितनी है उसकी आपके शेयर की लोग जो इंतजार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अब एल वाले हैं

तीन हजार अरे नहीं यार सोचेंगे फिर तो अच्छा तो फिर अच्छा तीन हजार तक नहीं जा रहे हैं लोग पच्चीस सौ में हाँ पच्चीस सौ तक देगा तो यानी एक हजार से मतलब दो हजार से पच्चीस सौ तक फिर और थोड़ा और उसको क्लोज लाने की कोशिश की जाएगी तो एक रेंज देखी जाएगी कि आपके जो शेयर है उसकी मार्केट में जब आप पहली बार जाओ तो पहली बार जाओ तो कितने रुपए में उसको बेचा जाए तो वो रेंज पता करने के लिए क्या करवाई जाती है बुक बिल्डिंग तो बुक बिल्डिंग के तहत एक सर्वे करवाया जाता है और सर्वे कौन करवाता है अंडर राइटर करवाता है जो अंडर राइटर है वही सर्वे करवाता है और वो जो शेयर है उस शेयर की कीमतों का निर्धारण जो है इसके माध्यम से किया जाता है फिर मैंने कहा कि भाई ये जो आईपीओ वगैरह ये जारी कहां करते हैं प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंज में प्राथमिक बाजार में और प्राथमिक जो बाजार होता है उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज होते हैं प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंज हालांकि ऐसा कोई स्टॉक एक्सचेंज होता नहीं है इसका ऐसा ना तो कोई नाम होता है ना कोई जगह होती है जैसे आपके पास में जो ब्रोकर्स होते हैं वो पहली बार जारी करते हैं और ब्रोकर से क्या करना पड़ता है आपको खरीदना पड़ता है ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर जाकर जो है आप उसको खरीद सकते हो ठीक है तो जो प्राइमरी स्टॉक एक्सचेंज होता है वो स्टॉक एक्सचेंज जहां पर ये आईपीओ एफपीओ राइट इश्यू न्यू डिबेंचर ये सब क्या किए जाते हैं जारी किए जाते हैं जितने भी प्राथमिक बाजार की चीजें वो और इसमें याद रखने की बात यह है, इसका कोई फिक्स तो ना तो नाम होता है और ना ही कोई जगह जो है वो होती है ठीक है नई सिक्योरिटी इसी में इशू की जाती है फिर होता है सेकेंडरी स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी बाजार सेकेंडरी बाजार में क्या होगा प्राइमरी बाजार में जो चीज इशू हुई है जो शेयर इशू हुआ है उसको आप क्या कर सकते हो बेच सकते हो कि मैं किसी कंपनी का हिस्सेदार बना मैंने किसी का शेयर खरीदा अब मुझे लगता है कि अब बहुत दिन हो गए हिस्सेदार बने हुए अपन को इससे बाहर निकल जाना चाहिए तो मैं अपना शेयर क्या कर सकता हूँ किसी दूसरे को बेच सकता हूँ और मैं मेरे पैसे लेकर जो है उससे बाहर निकल सकता हूँ तो ये ये खरीद बिक्री ये कहाँ पर होती है ये सेकेंडरी मार्केट के अंदर होती है तो जो पुरानी जो प्रतिभूतियां होती है जो पुरानी सिक्योरिटीज होती है उनको क्या किया जाता है बी एस सी और दूसरा है एनएससी बीएससी और एनएस ट्रांजेक्शन के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और वैसे वॉल्यूम देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन सा है एनएससी जो है एनएससी भारत का सबसे बड़ा स्टॉक तो इनका नाम भी होता है और इनकी जगह भी होती है इनका नाम भी है और इनका जगह जो है वो दोनों ही चीजें जो है वो हुआ करती है फिर ये जो सिक्योरिटी के चर्चा कर रहे हैं तो सिक्योरिटी दो प्रकार की है तो मैंने कहा कि भी कोई भी कंपनी है कंपनी पैसे कहां से लाएगी या तो हिस्सेदारी से लाएगी या फिर ऋण से लाएगी तो हिस्सेदारी या ऋण इसके लिए जिस चीज को जारी किया जाता है उसको क्या कहते हैं सिक्योरिटी कहते हैं वो तो जो कागज का टुकड़ा आप जारी करते हो उसको इनको दोगे तो शेयर कहेंगे इनको दोगे तो डेट या बॉन्ड कहेंगे अगर आप ऋण में लाओगे तब तो क्या कहेंगे बॉन्ड और इनको दोगे तो हिस्सेदारों को दोगे तो शेयर तो सिक्योरिटी प्रतिभूति होती होती कितने प्रकार की होती है दो प्रकार की, होती है. दो प्रकार की होती है. या तो डेट या शेयर या तो जो है बॉन्ड होता है या क्या होता है शेयर होते हैं अब जो बॉन्ड होता है वो दो प्रकार का हो सकता है कौन जारी कर रहा है ये ऋण जो है कौन दे रहा है ये किसको दिया जा रहा है सरकार को दे सकते हैं या निजी कंपनी को भी दे सकती है ऋण लेने वाला है ये सरकार भी हो सकती है और निजी कंपनी भी हो सकती है तो सरकारी बॉन्ड भी हो सकते हैं और निजी क्षेत्र की भी हो सकते हैं अल्पकाल के भी हो सकते हैं और दीर्घकाल के भी हो सकते हैं सरकार के हैं और अल्पकाल के हैं तब उसको क्या कहा जाता है ट्रेजरी बिल कहा जाता है सरकार के हैं और दीर्घ काल के हैं तब उसको क्या कहते हैं गिलटेज सिक्योरिटी कहते हैं उस प्रतिभूति को क्या कहते हैं गिलटेज सिक्योरिटी होती है जो कि सबसे ज्यादा विश्वसनीय है जिसकी क्रेडिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है निजी क्षेत्र का अगर ऋण निजी क्षेत्र ऋण ले रहा है तो क्या जारी करता है अल्पकाल के लिए भी ऋण ले सकता है और दीर्घ काल के लिए भी अगर अल्पकाल के लिए ऋण लेता है तब तो कमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट डिपॉजिट कमर्शियल बिल ये अपन ने पढ़ी लिए ठीक है मनी मार्केट में कि अगर अल्पकाल के लिए ऋण ले रहा है तो ये सब करेगा अगर दीर्घ काल के लिए ले, ले रहा है तो क्या करेगा डिबेंचर जारी करेगा तो क्या जारी करेगा डिबेंचर तो डिबेंचर क्या होते हैं ऋण पत्र होते हैं ऋण होता है यानी ऋण प्रतिभूति होती है कौन लेता है निजी क्षेत्र कैसे होते हैं दीर्घकालिक निजी क्षेत्र के दीर्घकालिक ऋण पत्र या ऋण प्रतिभूतियां जो होती है 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 उसको क्या कहा कहा जाता जाता तो दीर्घ साल से ज्यादा का शेयर जो है वो दो प्रकार के होते हैं प्रेफरेंस और इक्विटी दो प्रकार के होते हैं एक तो क्या होते हैं इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर तो सबके अंदर समान समान जो है वो बांट दिया जाता है और जो भी प्रॉफिट वगैरह होता है इक्विटी शेयर में अगर कोई निवेश करता है तो आपको हिस्सेदारी तो मिलती है पर कोई व्यक्ति जो है वो जैसे उस को लाभ हुआ अब हिस्सेदार है हिस्सेदारों में जाएगा, को हिस्सेदारों दे, और जब हिस्सेदार बहुत ज्यादा हो जाए तो लाभ क्या मिलेगा लाभ का अंश मिलेगा तो उसको क्या देते हैं लाभांश डिविडेंड उसको क्या कहते हैं डिविडेंड कहते हैं ठीक है, है. अब डिविडेंड देने में प्रेफरेंस किसको दी जाती है प्रेफरेंस शेयर वालों को जिनके पास प्रेफरेंस शेयर होती है यानी कंपनी के तो ज्यादा वरीयता किसको दी जाती है प्रेफरेंस शेयर वालों को ज्यादा वरीयता दी जाती है इक्विटी शेयर वालों को वरीयता क्या मिलती है कम मिलती है किसके अंदर लाभ के वितरण में पर इक्विटी शेयर वाला व्यक्ति जो, जो है लाभ के लिए कभी निवेश करता भी नहीं है लाभ में से हिस्सा लेने के लिए निवेश नहीं करता वो किस लिए निवेश करता है वो तो ये इसलिए निवेश करता है कि मैं अभी शेयर ले लूं और कल को इस शेयर जब शेयर की कीमत बढ़ जाएगी तो मैं शेयर को क्या कर दूंगा बेच दू उसका प्रौफ, वो प्रॉफिट कहां से कमाता है कंपनी के लाभ तक तो इंतजार नहीं करता कंपनी का शेयर खरीदा शेयर किसी दूसरे को बड़ी दाम पर एक में खरीदा और दो में बेच दिया तो बीच में एक क्या हो गया प्रॉफिट हो गया ये उस लाभ के अंश के लिए इंतजार नहीं करते तो ऐसे कौन से होते हैं इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर वाले जिनको लाभ के अंदर जो है क्या मिलती है प्रेफरेंस मिलती है वरीयता मिलती है इक्विटी शेयर जो होता है उसके वोटिंग राइट होते हैं उसके क्या होते हैं वोटिंग राइट होते हैं क्योंकि वो बराबर का हिस्सेदार है बराबर का हिस्सेदार है और लाभ में भी कोई वरीयता नहीं ले रहा है तो उसकी बात क्या होनी चाहिए सुनी जानी चाहिए और बात सुनी जानी चाहिए तो कोई निर्णय अगर कंपनी ले रही है तो उस कंपनी के अंदर किसका किसकी वोटिंग होगी इसकी ये तो वोटिंग जो है वो करेगा और इन्होंने लाभ में ज्यादा हिस्सा ले लिया वोटिंग फिर इनको नहीं मिलेगी

जो लाभ का वितरण है उसमें वैरियता किसको दी जाती है ऐसी इनको दी जाती है भले ही कंपनी कम लाभ कमाती हो फिर भी उनको लाभ दिया जाएगा कम लाभ भी होगा तो भी उनको प्रेफरेंस वालों को तो जो है लाभ देंगे दीज आर फ्यू इन ये कम होते हैं संख्या में और सिर्फ किसके पास में होते हैं प्रमोटर्स जो कंपनी के शुरू में प्रवर्तक हैं जो कंपनी को शुरू करने वाले लोग हैं उन्हीं के पास में होते हैं और इन्हें किसका अधिकार नहीं होता दे डो नॉट हैव वोटिंग इन्हें वोट देने का अधिकार जो है वो नहीं होता और दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर में शेयर होल्डर्स आर नॉट गिवन प्रियोरिटी दॉफिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डिविडेंड्स इफ मेक मोर इनको लाभ वितरण में क्या नहीं अगर कंपनी का बहुत ज्यादा लाभ हुआ तब जरूर इनको कुछ थोड़ा बहुत जो है वो डिविडेंडे दो वरना इनको डिविडेंड नहीं दिया जाए और मैंने जैसे कहा कि ये डिविडेंड के लिए निवेश करते भी नहीं है इनका जो है निवेश करने का उद्देश्य क्या होता है कि शेयर की कीमतें बढ़े और कीमतें बढ़े कर उसको और इनको वोटिंग राइट जो है वो हुआ करते फिर तो ये तो हो गई किसकी शेयर की बात सिक्योरिटी और, और दूसरी किस प्रकार की हो सकती है बॉन्ड तो बॉन्ड में क्या होता है इसमें इन्वेस्टर इज द लेंडर मतलब जो ऋण के अंदर पैसा जो है वो लिया जाता है जो भी निवेशक है वो ऋण में पैसा देता है कंपनी को वो कंपनी का हिस्सेदार बनना नहीं चाहता देखो आप या तो हिस्सेदार बनो या ऋण में दो दोनों में अंतर क्या है अगर आप हिस्सेदार बन गए किसी के तब तो कंपनी फायदा कमाएगी तो आप भी कमाओगे और कंपनी घाटा कमाएगी तो आपको भी घाटा होगा फायदा होगा तो फायदा घाटा होगा तो घाटा रिस्क लेने के लिए तैयार हो या नहीं जो रिस्क लेने के लिए तैयार है वो तो क्या बन जाता है शेयर धारक बन जाता है उसका भागीदार बन जाता है हिस्सेदार बन जाता है और जो कहेगी नहीं साहब मेरे को यार ये कंपनी के क्या पता कंपनी कैसे काम करेगी क्या नहीं करेगी अपने इतनी रिस्क नहीं ली जाती अपन तो जो है वो कंपनी के हिस्सेदार आज बने कल बने मेरे पास पैसे हैं कंपनी ले जाए इस पैसों को पर मेरे को सीधा सीधा क्या दे ब्याज दे अब भले तुम कमाओ या मत कमाओ पैसे कमाते हो लाभ कमाते हो तो तुम रखो लाभ नहीं कमाते हो तो घाटा भी तुम रखो मुझे सिर्फ क्या चाहिए तो ब्याज गया गया ब्याज 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 तो तो जो है के ऊपर पैसा रखा जाए तो आप उसके बदले में क्या दोगे बॉन्ड उसको क्या देते हैं बॉन्ड जो है वो जारी किए जाते हैं ऋण प्रतिभूति जारी की जाती है तो अब ये कितनी कि कि क्या हो सकती है शॉर्ट टर्म तो मैंने बताया शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी की, सरकार की, अल्पकालिक भी हो सकती है और दीर्घकालिक तो बिल, बिल के प्रकार चार टी फोर्टीन टी नाइन टी वन एटी टू और टी थ्री सिक्सटी फोर क्या मतलब है? अल्पकाल का मतलब एक साल से कम टी फोर्टीन का मतलब लगभग पंद्रह दिन के लिए ऋण लिया गया ट्रेजरी बिल है नाइनटी वन डे का मतलब लगभग तीन महीने के लिए 182 का मतलब छह महीने के लिए और थ्री सिक्सटी फोर मतलब लगभग एक साल के लिए अब थ्री सिक्सटी फाइव नहीं किया थ्री सिक्स कर दिया ताकि एक साल से कम हो जाए तो ये इस प्रकार से ट्रेजरी बिल और अगर लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक ऋण लेती है है तो सरकार तब क्या कहा जाता है? गिल्टेज सिक्योरिटी जो है है वो कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा क्योंकि रिलायबल होता है इसलिए गिल्टेज कहते हैं और जंक बॉन्ड क्या होते हैं एक तो गिलेज होती है और दूसरी जंक जंक का मतलब होता है जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है जंक का मतलब कचरा जंक का क्या है

तो तुम भी भाग जाओगे और तो फिर वो ऋण नहीं दोगे पैसा लेके भाग जाओगे तो तुम्हारी इसका मतलब विश्वसनीयता नहीं, नहीं है तो तो उनके बॉन्ड को क्या कहा जाएगा जंक वो कचरा है फिर प्राइवेट सिक्योरिटी निजी क्षेत्र तो सरकारी भी हो सकता है सरकारी में दीर्घकाल और अल्पकालिक निजी क्षेत्र के अंदर शॉर्ट टर्म होता है तो कमर्शियल पेपर सर्टिफिकेट डिपॉजिट कमर्शियल बिल ये सब अपन ने पढ़ लिया और एक होती है हुंडी हुंडी अभी नहीं प्रयोग में होती

तो इसलिए एक दो बार तो ऐसा किया फिर कहा कि यार ये वाला तो मामला नहीं जमेगा तो क्या करें इन पैसों को किसी एक व्यापारी के पास जमा करा देते हैं क्या करते हैं व्यापारी के पास जमा करते हैं और व्यापारी क्या जारी कर देता है हुंडी जारी करता है हुंडी पे लिख देता है कि ये आदमी है इस आदमी का इतना इतना पैसा मेरे पास जमा है और इस फला फला को इतने दिनों बाद में या फिर जब भी ये तुम्हारे पास लाए तो इसको इतने रुपए वापस तो दे दिए जाएगा जैसे इसके जो है वो हजार रुपए मेरे पास जमा है और इसको जब ये तुम्हारे को हुंडी दिखाए तो इसको नौ सौ रुपए दे दिए जाए सौ रुपए खुद की फीस काट लो और नौ सौ रुपए जो है वो वापस दे दी जाएगी तो फिर ये आदमी क्या लेकर जाएगा पैसे लेकर जाने के बजाय क्या ले जाएगा हुंडी लेके जाएगा तो फिर डाकू आएंगे तो ले लो सारा माल निकालो ये लो हंडिया जाओ अब किस करोगे तो इसलिए फिर ये हुंडी जो है उसको ले जाकर जयपुर में उसका जो लिंक इस, इस व्यापारी का जो लिंक वाला व्यक्ति होगा उसके पास हुंडी जमा कराओ और उससे वापस पैसे ले लो तो एक हजार रुपए जमा कराए थे वापस कितने मिले नौ सौ मतलब दो सौ रुपए क्या कर लिए बीच में फीस जो है वो काट ली तो ये होती है शॉर्ट टर्म के और लॉन्ग टर्म के जो होते हैं उसको क्या कहते हैं डिबेंचर अगर आप कोई निजी व्यक्ति है और दीर्घ काल के लिए ऋण ले रहा है तब वो क्या जारी करता है निजी व्यक्ति या निजी कंपनी है तो डिबेंचर जारी करता है ऋण पत्र जो है जारी करता है अब ये डिबेंचर जो है दो प्रकार के होते हैं एक तो सीधा सीधा डिवेंचर आपने उधार लिया है एक होते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होते हैं कन्वर्टिबल कंपनी है कंपनी के अंदर या तो क्या होंगे हिस्सेदार होंगे या फिर ऋण

कल को आज तो शुरुआत 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 शुरु 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 में तो तुम हमारे साथ रिस्क नहीं लोगे क्योंकि शुरू में तो हम भी कंपनी जो नहीं नहीं है नई नई है एस्टेब्लिश होने में टाइम मिलेगा पर कल को कंपनी ढंग से एस्टेब्लिश हो गई फिर तुम आओगे और हमें कहोगे कि हिस्सेदार तो बना लो और तब तो हम कहेंगे कि हम हिस्सेदार नहीं बनाएंगे तो इसलिए कुछ डिवेंचर वालों को क्या दिया जाता है ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपने डिवेंचर को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो इसमें कन्वर्ट कर यानी पहले तो आप ऋणदाता थे और अब क्या बन गए शेयर धारक बन गए अगर ऋणदाता से शेयर धारक बनने का आपके पास ऑप्शन है

कि भविष्य में जब मैं अच्छा काम कर लूं जब तुम्हें मुझ विश्वास हो जाए तब तुम मेरे हिस्सेदार जाना तब क्योंकि मेरे रिस्क 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 तुम्हें लगेगा कि अब रिस्क कम है तो शुरुआत में रिस्क मैं उठाऊंगा बाद में जो है तुम किसमें आ आ जाना इदर से इदर आ जाना इधर 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 से से और आओगे तो मुझे तुम्हारे ये पैसे वापस चुकाने की जरूरत नहीं रहेगी तुम फिर क्या बन जाओगे हिस्सेदार बन जाओगे तो ये होता है डिवेंचर फिर ये जो लेन देन होती है वो कहां की जाती है स्टॉक सेकेंडरी मार्केट के अंदर पहले तो आईपीओ जारी हो गया फिर ये जो प्रतिभूति है इन प्रतिभूतियों क्या होती है लेनदेन होती है और लेन देन होती है सेकेंडरी मार्केट में सेकेंडरी मार्केट में भारत के अंदर दो बड़े नेशनल एक्सचेंज फाइव और ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक किस मामले अंदर टर्नओवर के अंदर लार्जेस्ट एक्सचेंज इन एम कैप मार्केट कैपिटल जो है तो ये दूसरा सबसे बड़ा है पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से देखा जाए लेन देन के हिसाब से सबसे ज्यादा है कि जितने भी लोग हैं जैसे आजकल ये जो हर्षद मेहता के रोज थे ना स्कैम वो देखकर बहुत सारे लोग इन्वेस्टर बन गए और खूब सारे लोग अपने आप को क्या समझते हैं हर्षद मेहता समझते हैं और हर्षद मेहता समझ के आजकल जो है वो शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा

और उनको सबको लगने लगा कि अब अपन क्या है? अब अपने है, नेक्स्ट बिग बुल अपनी है और वो वो सब सब के सब किस में आ गए हैं अभी आरबीआई सेबी की एक रिपोर्ट थी और उसमें कहा ये बड़ा चिंताजनक मामला है कि लोग जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं और यूं मजे में ट्रेडिंग कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं और वो भी सबसे रिस्की जो सेक्टर होता है उसके अंदर जो है ट्रेडिंग की जा रही है रिटेलर्स के द्वारा जो पहली बार मार्केट में एंटर किए हैं पहली बार मार्केट में एंटर कर रहा है और सबसे रिस्की सेक्टर के अंदर अपना पैसा चल रहा है। अगर थोड़ा भी गिर गया तो ये लोग बर्बाद हो जाएंगे फिर ये जिंदगी में कभी कहीं निवेश करने लायक नहीं और इनके अंदर भी कोई निवेश नहीं करेगा तो ये इतने बड़ी संख्या में लोग बर्बाद हो जाएंगे और इस वजह से कहा कि आप इनको समझाओ कुछ कोई तो इनको बताओ रहे ये कि भाई कहां कर रहे हो ये ये ऐसा जगह खेलने का इतना भी आसान काम ये नहीं है भाई आपने शेयर बाजार में निवेश किया तो थोड़ा सोच समझ के अच्छी कंपनी में निवेश करो तो ठीक है पर आप ट्रेडिंग करते हो कि मैं सुबह खरीदूंगा शाम को बेच दूंगा या एक घंटे पहले खरीद के एक घंटे बाद में बेच दूंगा ये बहुत रिस्की काम होता है बहुत ज्यादा निवेश मतलब रिसर्च करके काम करना होता है पर बहुत सारे लोग ऐसा कार्य जो है वो कर रहे हैं ठीक है तो और ये सब काम कहां करते हैं ये सब लोग ये इस के करते बी एस सी के अंदर जो है अपना डीमेट अकाउंट खुलाते हैं और डीमेट अकाउंट कोई भी नया निवेशक आता है सबसे पहले कहां जाता है बीएससी में जाता है और वो फिर छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करते हैं हजार रुपए का शेयर खरीद लिया पंद्रह में बेच दिया तो हजार रुपए का एक एक जो है वो क्या हो गया ट्रांजेक्शन हो गया तो ये छोटे 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 ट्रांजेक्शन -छोट बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा इसलिए ट्रांजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू जो सबसे बड़ा कौन सा है बीएससी है पर वैसे टर्नओवर के हिसाब से देखा जाए तो एन एनएससी में बड़े बड़े संस्थागत निवेशक आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स कम है जो है सामान्यतया जो है हर्षद मेहता की फिल्में देख के नहीं आते हैं वो लोग वो लोग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे संस्थागत होते हैं उनकी पूरा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर होता है और बहुत सोच समझ के निवेश करते हैं और ये छोटे मोटे हजार पंद्रह सौ के अंदर काम नहीं करते सीधे दस हजार करोड़ का शेयर खरीदो या एक हजार करोड़ का शेयर खरीद लिया तो इतने बड़े ट्रांजेक्शन एक ही ट्रांजेक्शन हुआ पर बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन जो है वो कर दिया गया ये कहाँ पर हुआ एनएससी की एनएससी में ट्रांजेक्शन बड़े होते हैं और यहाँ पर ट्रांजेक्शन के नंबर ज्यादा है ठीक है, फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो व्यक्तिगत निवेशक होते हैं वो इसमें ज़्यादा निवेश करते हैं और 2005 में इसको भी कंपनी के भी सकते हो आप सी के भी शेयर खरीदे जा सकते और ये वर्ल्ड के अंदर नाइन्थ लार्जेस्ट है किसके आधार पर मार्केट कैपिटल के आधार पर और इसका जो मेन इंडेक्स है उसको क्या कहते हैं बी सेंसेक्स जो है वो कहा जाता है सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स तो सेंसेक्स क्या होता है तो ये क्या करता है जो टॉप की थर्टी मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो टॉप थर्टी कंपनीज हैं उनके जो एवरेज प्राइसेस हैं उसके अंदर कितना उतार चढ़ा हुआ है उसको क्या करता है ये दर्शाता है तो मैंने कहा शेयर बाजार साठ हजार से ऊपर चला गया मतलब ये क्या है साठ हजार क्या साठ हजार किसकी वैल्यू है सेंसेक्स की वैल्यू किसकी वैल्यू है ये सेंसेक्स की वैल्यू जो है वो सेंसेक्स और सेंसेक्स में भी ये किसकी दिखा रहा है टॉप की थर्टी कंपनीज और 30s कंपनी विद हाइएस्ट मार्केट कैपिटल मार्केट कैपिटल क्या होती है लेन देन तो तो किया जाएगा लेनदेन किया, किया जाएगा तो आपका जो शेयर है उस एक शेयर की कीमत कितनी है कल तो एक शेयर की कीमत निकाली जाएगी और आपके बाजार में कितने शेयर टोटल कितने शेयर है शेयर है और एक जो है शेयर उसकी कीमत जो है वो सौ रुपए सौ रुपए यानी कितना हो गया दस हजार हो गया सॉरी एक लाख हो गया एक लाख हो गया तो एक लाख इसका मतलब आपकी क्या मार्केट कैपिटल है मार्केट कैपिटल कितने रुपए की होगी एक लाख रुपए की होगी अब जिसकी सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटल है ऐसी तीस कंपनियां निकालो और उन तीस कंपनियों का एवरेज जो है वो देखा जाए कि उनमें कुछ की शेयर बाजार शेयर ऊपर बढ़ेगा कुछ का नीचे जाएगा तो एवरेज कितना है और उसके आधार पर क्या निकाला जाता है जो आपका सेंसेक्स जो है वो सेंसेक्स इंडेक्स निकाला जाता है कब शुरू हुआ था ये सेंसेक्स 1986 और इसका बेस ईयर कितना है 78 79 78 79 का मतलब 78 79 के अंदर जो 30 कंपनियां थी उनका पहले देखो और उसके आधार पर देखो कि अब कितना कितना जो है वो बढ़ा हुआ तो आधार वर्ष कौन सा है इसके अंदर 78, 79 और हाईएस्ट मार्केट कैपिटल हालांकि अब ये देखो ये रोज चेंज होते रहते हैं इसलिए इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई रिलायंस की ज्यादा सेकंड ऐसा कुछ नहीं है और विश्व के अंदर भी ये चीजें क्या होती रहती है लगातार चेंज होती रहती है और बीएससी के और इंडेक्स भी होते हैं जैसे बी एस ये तो तीस कंपनियों का है सेंसेक्स तो सौ कंपनियों का देखो जाओगे तो बी एस सी कंपनियों का देखो तो बी एस और एक होता है बैंक बारह जो बैंक है

और ये शुरू से ही कैसा है कंप्यूटराइज है सारे के सारे काम इसमें कैसे किए जा रहे हैं बीएससी में तो पहले लोग जो कंप्यूटरा वो वैसे शेयर से खरीदते थे वो जो देखा अगर सेम तो वो जॉबर जो है वो क्या करता है वो जाता है और वहां पर पर्चियों के अंदर जो है वो लिखते हैं लोग जो है वाकई में शेयर वो जो कागज है वो दिए भी जाते हैं दिए लिए भी जाते हैं शेयर तो पर ऐसा इसमें नहीं इसमें शुरू से ये कैसा सारा काम कंप्यूटराइज होता है और इसका जो मुख्य इंडेक्स है वो कौन सा है

इसको अंदर जो है वो देखा जाता है और फिर इनके ये तो दो बड़े जो है वो है वो स्टॉक एक्सचेंज इसके अलावा पहले बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंज भी थे जयपुर में भी था कलकत्ता में था ऐसे रीजनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो वो भी हुआ करते थे पर तो अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं बंद हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं क्योंकि अब उनके वहां पर कोई भी लेन देन नहीं करता आजकल सब लोग जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन हो गई है तो सब यहीं पर अपना खाता खुलवाते हैं वहां पर अपना खाता जो है व्यक्ति नहीं खुलवाता फिर दुनिया के अंदर देखा जाए तो सबसे बड़ा एक्सचेंज है वो कौन सा है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कौन सी है वॉल स्ट्रीट है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कौन सी स्ट्रीट पर है वॉल स्ट्रीट स्ट्रीट पर पर ये कौन है दलाल स्ट्रीट तो अपने भी कुछ ना कुछ स्ट्रीट होनी चाहिए तो अपने दलाल स्ट्रीट जो है वो देखे. विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और इसका जो इंडेक्स है जैसे अपने बी का सेंसेक्स है एनएससी का निफ्टी है वैसे इसका कौन सा है

और इसमें तो जो है ज्यादा नेस्टडेक में कौन सी कंपनी आती है सॉफ्टवेयर वगैरह की कंपनियां जो 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 है 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 वो वो ज्यादा ज्यादा लिस्टेड लिस्टेड और इसमें मैन्युफैक्चरिंग फिर होते हैं मार्केट के अंदर इन्वेस्ट ये जो निवेशक शेयर खरीदने वाले ये जो है वो निवेशक तो निवेशक जो है वो दो प्रकार के होते हैं एक तो होते हैं रियल इन्वेस्टर एक तो क्या होते हैं रियल इन्वेस्टर और एक होते हैं अर्षद मेहता रियल इन्वेस्टर तो क्या करते हैं रियल इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टिंग को अपना मुख्य बिजनेस नहीं बनाते अपना उनका जो मुख्य काम होता है जैसे पढ़ाने का काम है तो पढ़ाते हैं वो 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 जो है है मेहता नहीं बनते अगर उनके पास ज्यादा पैसा है थोड़ा बहुत तो वो क्या कर देंगे? कर देंगे देंगे शेयर में निवेश और फिर दो चार साल पांच साल दस साल भूल जाएंगे उसको जो अच्छी कंपनी देखी उसमें पैसा डाल दिया और भूल जाओ दस साल बाद में उसका जब शेयर अपने आप बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा तो पैसा वहां से निकाल लिया जाएगा इसको तो कहते हैं रियल इन्वेस्टर और दूसरे होते हैं स्पेक्यूलेटर्स सट्टेबाज़

अप करो और बाजार को अप करके और फिर उससे बाद में बेच दो और पैसे कमा लो ठीक है तो ये और ये ट्रेडिंग करते हैं मतलब रोज का ट्रेडिंग है इनका रोज का ट्रेडिंग मतलब सुबह आपने शेयर खरीद लिए और फिर कोशिश करेंगे आज आज के अंदर मार्केट को जो है वो चढ़ा दिया जाए और जैसे मार्केट चढ़ेगा तो फिर शाम तक वापस अपने पैसे बेच दिए और बेचकर अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल कर ले लिया ये तो होते हैं कौन से दूसरे होते हैं कौन से मंदड़िए मंदड़िए क्या करते हैं मंदड़िए बाजार को गिराने की कोशिश करते हैं बाजार को गिराने की कोशिश करते हैं जितना गिरा सकते हो उतना गिराओ और जब बाजार बहुत ज्यादा गिर जाए तब क्या कर लो खरीद लो बाजार को तब खरीद लो खरीद कर रख लो फिर बाजार को चढ़ने दो जैसे चढ़ते चढ़ते फिर एकदम से वापस गिराओ उसको और बाजार को जैसे गिराओ मतलब एक बार से आप बेचो बेचकर पैसे कमा लिए फिर मार्केट क्या हो जाएगा वापस गिर जाएगा और वापस गिर जाएगा जब गिर जाएगा बहुत कम हो जाएगा तो वापस खरीद लिया जाएगा तो कुछ तो जो है वो बाजार को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं और कुछ बाजार को नीचे करने की कोशिश करते हैं ये होते हैं बियर और

खरीदने बेचने वाले लोग हैं वो तो है निवेशक खरीदना बेचना इसको क्या के कहते हैं ट्रेडिंग कहते हैं ट्रेडिंग या तो सेल करो शेयर सेल कर लो और शेयर बेच दो खरीदना और बेचना एक तो उसी समय खरीद सकते हैं एट टाइम खरीदना और बेचना तब तो क्या है स्पॉट ट्रेडिंग एक होता है फ्यूचर ट्रेडिंग भविष्य की खरीद बिक्री हो रही है किसकी हो रही है भविष्य की हो रही है तो उसको क्या कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं तो दो प्रकार की ट्रेडिंग होती है एक तो वर्तमान की उसी समय और एक है आपके ऊपर जो है वो चाय पीने गए और आपने कहा चाय लेके आना और उसको पैसे दिए उसी समय चाय ले ली और चाय पी ली ये तो है स्पॉट ऑन द स्पॉट उसी समय ट्रांजेक्शन पूरा हो गया और एक भविष्य में आपके घर में कल पार्टी है और आपने आज किसी को ऑर्डर दे दिया कि साहब सौ समोसे जो है बना के रखना हमारे घर में पार्टी है कल चाहिए तो कल चाहिए तो फ्यूचर इसका डिलीवरी कब होगी फ्यूचर में होगी, फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो भी होती है जैसे आपको मकान वकान लेने जाते हो कि तो भाई अगर कोई कमरा लेने गए और कमरा लेने गए तो अभी मान लो कोचिंग नहीं करनी है और पर पहले से एक, एक बार देख के आ जाते हैं और मकान वकान लेके आ जाते हैं फिर दस दिन बाद वापस आ जाएंगे तो उसको कुछ जो है वो आप दे ते हो कुछ ना कुछ टोकन मनी जो है वो दे देते हो और फिर आप कहते हो मैं दस दिन बाद में आएंगे और फिर हम ये जो है कमरा ले लेंगे तो उस उसमें तो आप फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे तो क्या होगा कुछ टोकन मनी वगैरह जो है वो दी जा सकती है ये होता है जैसे समोसे के लिए अगर ऑर्डर दिया तो कुछ पैसा आप कह दोगे एडवांस दे दोगे कुछ तो एडवांस दोगे और फिर बाकी जब तर, जब डिलीवरी होगी तब जो है वो पैसा दिया जाएगा तो इस तरीके से दो प्रकार की ट्रेडिंग होती है एक तो स्पॉट ट्रेडिंग और दूसरी फ्यूचर ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है वो ऑप्शन में होती है

और शेयर बाजार के अंदर क्योंकि शेयर बाजार को रेगुलेट कौन करता है सेबी करती है से शेयर बाजार के अंदर आप फ्यूचर की ट्रेडिंग करते हो तो उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है और उसी तरीके से काम करना होगा कि तो भाई आपको एडवांस कितना दोगे तो इतना एडवांस देना पड़ेगा इतने दिन में इसकी डिलीवरी होनी चाहिए तो वो सब चीजें जो है वो पहले से निर्धारित होती है और निर्धारित अगर हो तब तो कहते हैं फ्यूचर्स और अगर इनफॉर्मल है चीजें अनौपचारिक है दोनों के अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है तब क्या कहते हैं फ्यूचर फॉरवर्ड फॉरवर्ड का प्रयोग स्टॉक मार्केट में नहीं होता सिर्फ किसका होता है स्पॉट का और फ्यूचर इन दो का ही प्रयोग जो है वो किया जाता है तो स्पॉट ट्रेडिंग इफ द ट्रांजेक्शन यदि शेयरों की खरीद बिक्री का लेन देन और निष्पादन एक ही समय पर होता है तब तो क्या कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग और इसमें कौन सा नियम काम करता है टी प्लस टू टी प्लस टू का मतलब है दो दिन का टाइम जो है वो दिया जाता है दो दिन में समझौते को क्या करना पड़ता है पूरा करना पड़ता है फिर दूसरा होता है फॉरवर्ड ट्रेडिंग यदि भविष्य में समझौते का क्रियान्वयन किया जाना है तो क्या कहते हैं फॉरवर्ड ट्रेडिंग इफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द एग्रीमेंट इज डन इन फ्यूचर देन इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ट्रेडिंग और ये जो होते हैं फॉरवर्ड ट्रेडिंग वो स्टॉक मार्केट से बाहर होते हैं और इनका कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होता कोई जो है वो असमानक निर्धारित नहीं होता और फिर होता है फ्यूचर ट्रेडिंग ये होती है इफ द एग्रीमेंट इज इंप्लीमेंटेड इन द फ्यूचर और ये किसके माध्यम से हो रहा है स्टॉक मार्केट के माध्यम से हो रहा है तब इसको क्या कहते हैं

उधार लिए फिर इसने दस शेयर जो है वो कहां पर लिया ये, मार्केट में और मार्केट में ले जाकर बेच दिए मार्केट में और ये तो दस तो एग्जाम्पल है बहुत बड़ी संख्या में आपने लिए और एकदम से मार्केट के अंदर क्या कर दिए बेच दिए मार्केट में जैसे बेचोगे तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी तो जो प्राइस है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी प्राइसेस कम हो जाएगी अब जैसे पांच सौ में इसने बेचे पांच सौ में बेचे और उसकी वजह से मार्केट में सप्लाई बढ़ गई सप्लाई बढ़ गई तो क्या हो गया मार्केट

चार सौ में चार सौ में लिए और वापस इसको उसके दस शेयर वापस लौटा दिए इस तक दस सौ पहुंच के और यहाँ पर आपने बेचे पांच सौ में खरीदे तो चार सौ का, तो पैसे, पैसे का डिफरेंस हुआ करता है और वो भी खूब होता है मतलब इतने सारे शेयर होते हैं कि वो भी बहुत बड़ा जो है वो हुआ करता है और मार्केट में शॉर्ट सेलिंग जो है वो की जाती है तो इस तरीके से शॉर्ट सेलिंग से मार्केट को क्या किया जाता है डाउन किया जाता है फिर एक होता है आर्बिट्रेज दूसरा तरीका कौन सा है आर्बिट्रेज निवेश का एक और तरीका होता है तो आर्बिट्रेज में क्या करते हैं दो मार्केट है और दोनों मार्केट में अलग अलग प्राइस चल रहे हैं जैसे मान लो ये मार्केट वन है और ये मार्केट टू है यहां पर ये आइसक्रीम मिल रही है एक डॉलर की एक रुपए की यहां से खरीदो और इस मार्केट में ले जाकर पांच के अंदर बेचो क्योंकि दोनों के अंदर प्राइस में क्या है अंतर है दोनों में प्राइस में जब अंतर हो तो कम जहां पर हो वहां से तो खरीद लिया जाए और जहां पर ज्यादा हो वहां पर बेच दिया जाए और बीच वाला आपने प्रॉफिट रख लिया जाए इसको क्या कहा जाता है इसको आर्बिट्रेज कहते हैं हालांकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व होती है आपने खरीदा और खरीदा और जब तक यहां बेचने गए तो पता लगा यहां पर भी प्राइस क्या हो गए कम हो गए ये एक डॉलर की जगह पचास पैसे में मिलने लग गए तो आपको क्या हो सकता है नुकसान भी हो सकता है तो ये ट्रेडिंग जो होती है ये काफी एक्सपर्ट्स के काम होते हैं और इसलिए इसमें क्या होता है वित्तीय जोखिम जो है वो शामिल होता है इसलिए जो है वो निवेशक अपने खुद के जोखिम पे करे तो ए मार्केट से खरीदते हैं बी मार्केट में बेच देते हैं तो इसको कहते हैं क्या आर्बिट्रेज एक तो होती है शॉर्ट सेलिंग और दूसरी होती है आर्बिट्रेज शॉर्ट सेलिंग और आर्बिट्रेज फिर होते हैं म्यूचुअल फंड फिर क्या होते हैं म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है भाई अपन को नहीं पता रिविजन क्लास लेनी है इतने सारे बारा बारह घंटे बोलने हैं तो सब आपके पास में इतना टाइम नहीं है हर कंपनी की बैलेंस शीट जो है पढ़ने है बैठो तो हर कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ने बैठो और एक्सपर्ट बनो मार्केट के तो कोई जरूरत नहीं एक्सपर्ट बनने का कुछ लोग हैं जो कि एक्सपर्ट हैं जैसे तुम आए यहां कोचिंग लेने तो तुम एक तो खुद भी पढ़ सकते थे पर तुम्हें लगा कि यार अपने पास पैसे खूब है तो एक आदमी ऐसा रख लिया जाए या फिर ऐसे बहुत सारे लोग रख लिए जाए जो कि अपने को आगे और सुबह शाम रिविजन करवाएंगे हम क्यों करें रिविजन कराओ तुम तो तुमने क्या किए कि भाई पढ़ने का काम तुम करो ये सब काम पढ़ने का काम तुम हम तो क्या करेंगे सिर्फ सुनने का काम करें और फिर हम बीच बीच में क्या लेते रहेंगे ब्रेक भी लेते रहेंगे पैसे हैं तुम्हारे पास में तुम कुछ भी कर सकते हो तुम ऐसा निवेश जो है तो वैसे ही इन्वेस्टर जो होता है वो क्या करता है उसको पता नहीं होता कि यार मेरे से ये मार्केट की रिस्क -विस्क क्या होती है क्या होती है इतना सब अपन को समझ में नहीं आता तो जिसको समझ में आता है अपन उसको पैसे दे दे तो ये जो इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है फंड मैनेजर को पैसे दे देता है और ये जो फंड मैनेजर होता है ये एक्सपर्ट होता है मार्केट के और ये लोग क्या करते हैं ये फिर इन्वेस्ट करते हैं

लाभ कमाते हैं और ये लाभ कमा लिया रिटर्न और रिटर्न किसको दे देते हैं इसको दे देते हैं और ये व्यक्ति अब इनको क्या देगा जिसने सब इतना पैसा कमाया है उसको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी तो वो ये व्यक्ति इसको क्या कर देगा कुछ फीस जो है वो पे कर देगा तो फीस जो है है वो पे कर दी जाती इस तरीके से क्या काम करता है म्यूचुअल फंड इसको क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड जो है म्यूचुअल फंड इसको क्या करते हैं म्यूचुअल फंड एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट जनरल पब्लिक एंड द स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड आम जनता और शेयर बार

के अंदर ठीक है और फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में 1991 के और फिर कहा कि इस क्षेत्र में निजी जो लोग हैं उनको भी आने दो प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो या फिर ऐसे जो बाजार के मैनेजर हैं फंड मैनेजर्स उनको भी आने दिया जाए एक होता है वेंचर कैपिटल फंड वेंचर कैपिटल फंड वेंचर एडवेंचर शब्द सुना होगा एडवेंचर आज कुछ तूफानी करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं कुछ तूफानी जो है वो क्या करते हैं रिस्क लेने की इनको आदत होती है तो ये लोग क्या करते हैं वेंचर करते हुए कैपिटल फंड मतलब स्टार्टअप वगैरह जो है नई जिनमें जोखिम ज्यादा है जहां जोखिम ज्यादा होता है वहां लाभ भी क्या होता है ज्यादा होता है जहां जोखिम ज्यादा है वहां लाभ भी ज्यादा होता है इसलिए ये जोखिम लेते हुए वेंचर कैपिटल फंड जो है उसके तहत निवेश करते हैं कि इसके अंदर ऐसे स्टार्टअप वगैरह जो होते हैं उनमें निवेश करते हैं कि वो स्टार्टअप चल गया तब तो आपको प्रॉफिट टू प्रॉफिट है और स्टार्टअप नहीं चला तो नुकसान तो पर उनके अंदर फंडिंग जो है वो की जाती है अभी भारत के अंदर जितने भी स्टार्टअप्स हैं उन सबको खूब सारी फंडिंग जो है वो आ रही है ये फंडिंग कौन कर रहा है सब ये वेंचर जो वीसी वाले जो लोग हैं ये लोग उनको फंडिंग करते हैं और इनका अल्टीमेटली प्लान क्या होता है अल्टीमेटली प्लान ये होता है कि सब फंडिंग करो खूब जम के फंडिंग करो ताकि लोग जो है उसको उस ब्रांड को पहचानने लग जाए ब्रांड को पहचानने लगे वो खूब एडवर्टाइजमेंट करें सब कुछ करें लोग लोग उसको जानने लग जाएंगे फिर जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा बहुत सारे लोग उससे जुड़ जाएंगे फिर अपन उसका के ले आएंगे आईपीओ

मिनटों के अंदर डबल पैसा यूं लगाओ लाख रुपए लगाओ दो लाख अमीरों वाली स्कीम पता लगी थी तो इतना और अब और जोमेटो को 2000 काफी से काम कर दो हजार दस या 8 से काम करा और अभी तक वो कंपनी प्रॉफिट के अंदर नहीं है अभी तक प्रॉफिट उन्होंने कमाया नहीं है फिर भी लोग उसके अंदर निवेश करने को क्या हो रहे हैं तैयार हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से वैल्यूएशन की वजह और वैल्यूएशन कौन बढ़ा रहा है उनके जो वेंचर कैपिटल फंड वाले लोग हैं वो उसके वैल्यूएशन को बढ़ा रहे हैं और जब इनके ठीक ठाक हो गई तो ये अपने वाले शेयर को क्या कर देंगे बेच देंगे मार्केट में और मार्केट से पैसा लेकर बाहर हो जाएंगे फिर आप जानो और मार्केट जाने तो ये होते हैं क्या वेंचर कैपिटल फिर दूसरे होते हैं हेज हेज फंड वाले क्या होते हैं ये होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए कोई व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसा है व्यक्ति है वो कोई जैसे मान लो विराट कोहली है या महेंद्र सिंह धोनी है अब इनको खेलना आता है खेलना आता है ब्रांड है इस वजह से पैसा भी खूब है परंतु इनको बाजार के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तो ये हेज फंड वाला कोई व्यक्ति जो है वो उनके पास जाएगा करे यार आप तो ये टेस्ट मैच खेलो मस्त रहो कोई दिक्कत नहीं है अपने फील्डिंग विल्डिंग पर उनपे ध्यान दो तुम्हारे पैसे जो है उनको उन संभालेगा हम संभाल लेंगे और हम आपको जो है पैसा कमाई करके देंगे कैसे कमाई करके दोगे तो हम निवेश करेंगे आपके पैसों को ऐसी जगहों पर निवेश करेंगे इतने सही तरीके से निवेश करेंगे कि आपको क्या हो उससे प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट हो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो तो ये हेज फंड वाले लोग जो है वो क्या करते हैं ऐसे बड़े बड़े लोगों से पैसे ले लेते हैं और पैसे लेकर फिर उसको क्या करते हैं निवेश जो है निवेश करते हैं होते बहुत एक्सपर्ट होते हैं मार्केट के बहुत एक्सपर्ट होते हैं सब इनको पता होता है पर ये लोग भी क्या करते हैं रिस्क ज्यादा लेते हैं वैसे तो होने तो चाहिए सिक्योर्ड परंतु ये कहते भी हैं कि सब हेजिंग का मतलब ही होता है कि सब आपका पैसा सिक्योर है परंतु यहां पर ये सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो लेते हैं क्यों लेते हैं क्योंकि इनको पैसा कमाकर वापस उसको देना है जो भी जिसने पैसे दिए उसको पैसा कमा कर दो और जैसे ही पैसा कमाया विराट कोहली ने पैसा कमाया तो फिर वो रोहित शर्मा को कहेगा अरे यार तू क्या फालतू तो क्रिकेट खेलता रहता है उधर दे पैसे ये पैसे किसको दे? उनको दे एज हेज फंड वालों को वो पैसे डबल करके दे देंगे तो फिर वो भी अपने पैसे देगा उनको पैसा कमा कर दोगे तो वो किसी तीसरे को भी ऐसा बताएंगे तो इस तरीके से ये जो है काम काम करता है वेंचर कैपिटल फंड और म्यूचुअल फंड जो है वो काम करता है तो हेज फंड और वेंचर कैपिटल फंड सिंपल है जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य तो शॉर्ट टर्म कैपिटल प्रोवाइडेड टू तो इंडस्ट्रीज उद्यमों को उपलब्ध कराएगी अल्पकालीन पुंजी लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू तो न्यू अंतरप्रोर्स ये होता है वेंचर कैपिटल जो है कहा निवेश करते हैं स्टार्टअप वगैरह के अंदर निवेश करते हैं प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्री एट द टाइम ऑफ इनकरिंग लॉसेस तुम सी बता रहे हो कौन कह रहा था सी भाई जब उसके घाटा हो रहा है तब उसको पैसे देंगे अरे भाई घाटा हो रहा है हमसे पैसे ले जा ऐसा कौन करेगा भाई मैं ये कह रहा हूं वो लॉस में चल रहे हैं पर लॉस में चल रहे हैं इस वजह से किसी ने निवेश नहीं किया है निवेश तो क्योंकि वो स्टार्टअप था इस वजह से निवेश किया गया है हालांकि स्टार्टअप में आइडिया अच्छा है आइडिया अच्छा लगा जो कि मैं इसलिए पैसे डाल दिए अब हो सकता है कि वो प्रॉफिट में भी आ जाए कभी भविष्य के अंदर कभी प्रॉफिट में पर अभी तक वो प्रॉफिट में नहीं आ पाया पर ये लोग निवेश इसलिए नहीं करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि क्या वो नया है नया स्टार्टअप है तो लोग जो है उसको ज्यादा एक्सेप्ट कर सकते हैं फिर होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स एक तो क्या होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं एंजल Angel... हाँ तो ये लोग क्या होते हैं कि भाई जिनको कोई पैसे देने को तैयार नहीं होता ये वेंचर कैपिटल वेंचर कैपिटल वाले ऐसे ही पैसे नहीं देते आपको वीसी के पास में जाओगे वहां से पैसे लेने जाओगे तो वो फंडिंग के लिए क्या करेंगे आपसे बहुत सारी बातें पूछते तुम्हारा प्लान कैसा है तुम्हारा आइडिया कैसा है तुम्हारी खुद की क्वालिफिकेशन कैसी है तुम्हारे पास में और कहीं से पैसा आया हुआ है कि नहीं आया हुआ पिछली फंडिंग कितनी हुई थी तुम्हारी बैंक बैलेंस कितना चल रहा है खुद की कैपिटल जो है वो कितनी है बहुत सारी चीजें पूछ ही कौन देता है पैसा वेंचर कैपिटल वाले तो पैसा बहुत पूछ पाछ के देते हैं पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में सिर्फ आइडिया होता है जिसके पास सिर्फ आइडिया होता है और उनके पास में कुछ भी नहीं होता है फिर वो लोग क्या करते हैं वो जाते हैं कुछ ऐसे भले लोगों के पास में और उनको कहते हैं साहब तो अपने पास बहुत है दिमाग तो हमारे पास में बहुत ज्यादा है परंतु क्या नहीं है पैसे नहीं एक बार कोई हमें पैसे दे देना तो फिर देखो हम मार्केट को क्या कर देंगे बदल दे तो फिर कोई भला व्यक्ति कहता है अरे यहाँ यार तुम्हारी बात तो बहुत अच्छी है और तुमको लगता भी है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और लो तुम हमसे कुछ पैसे ले जाओ ऐसा जो भला व्यक्ति होता है जो आपके बैंक बैलेंस नहीं देखता जो आपके बैलेंस शीट को नहीं देखता आपके प्रीवियस रिकॉर्ड को नहीं देखता सिर्फ आपके टैलेंट पर क्या करता है भरोसा करता है और टैलेंट पर भरोसा करके पैसा दे देता है उसको क्या कहते हैं एंजल इन्वेस्टर कहते हैं जैसे ये रतन टाटा है उसने कई सारे स्टार्टअप में निवेश कर रखा है और वो एंजल इन्वेस्टर के रूप में ही निवेश किया हुआ है ठीक है नारायण मूर्ति है इन्फोसिस का जो चेयरमैन था नारायण नारायण तो नारायण मूर्ति ने भी कई ऐसे पैसे जो है वो दिए हुए हैं कि साहब देख लो जय तो जय नहीं तो नहीं हो उन, फिर उनको भी ऐसा लगता है कि अपने मार्केट में नाम होगा थोड़ा अपनी जो खुद की पार्टिसिपेटरी नोट पार्टिसिपेटरी नोट क्या होते है विदेश में विदेश में रहा हुआ रहने वाला कोई व्यक्ति अगर भारत के अंदर क्या करना चाहता है निवेश करना चाहता है कोई व्यक्ति है वो यूएसए में रहता है कमला हैरिस यूएसए में रहती है और वो क्या करना चाहती है भारत में उसको पता है एल का आईपी आने वाला है और वो एल में क्या करना चाहती है निवेश करना चाहती है अब एल में निवेश करने के लिए तो भारत आओ या भारत में आपको आधार कार्ड वगैरह कुछ बनाओ या कोई डॉक्यूमेंट लो और फिर सेबी के पास में जो है रजिस्ट्रेशन करवाओ या जो भी आपका डीमेट अकाउंट वगैरह वो खुलवाना पड़ेगा उसके बाद ये खरीद सकते हो सीधे आप खरीद नहीं सकते हो और वो कहेगा साहब अपने तो वैसे बहुत सारे काम है कौन तो ये काम करेगा तो फिर क्या होगा यहां पर ही कोई बैंक होगा जैसे ये कोई मान लो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है बैंक ऑफ न्यूयॉर्क वाले कहेंगे कि हम सेबी के पास में है। के पास है? सेबी के के पास 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 में में रजिस्टर्ड 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 है 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 किसके किसके जो वो और ये कमला एरिस जाएगी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के पास उनको कहेगी कि मेरे को क्या दिलवा दो एल का कुछ शेयर जो है वो खरीद के दे दो तो ये इसको खरीद के दे देंगे खरीदेंगे तो ये वाले तो इनके पास में आया तो शेयर और पर ये इसको क्या जारी करेंगे इसको देंगे पी

सिंपल सा है डी पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का क्या बनाना चा, बनना चाहते हैं हिस्सा बनना चाहते हैं कमला एरे सीधे यहां पर रजिस्टर नहीं होना चाहती फिर भी भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते मतलब एल खरीदना चाहती क्या इनको क्या जारी किया जाएगा जमा प्रमाण पत्र नहीं वाणिज्यिक पत्र नहीं वचन पत्र

डीमेट अकाउंट जो है वो खोलना पड़ता है अगर आप बैंक में पैसा जमा कराना चाहते हो तो बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा अगर आप शेयर बाजार में अगर निवेश करना चाहते हो खरीदना बेचना चाहते हो तो आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा उस अकाउंट 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 को क्या कहते हैं जो जो है 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 उसको कहा जाता जाता उसी के आधार पर जो है, वो किया जाता है। और दो प्रकार की ये जो डीमेट है तो आपके पास में जो, जो सिक्योरिटीज है वो कहीं कही ना कहीं तो होनी चाहिए ना शेयर है आपने खुद ने तो फिजिकल फॉर्म में अपने पास में नहीं लिए पहले तो खुद लेते थे कागज का गट्ठर और जो है वो खुद के घर पे कहीं पर

सेंट्रल डिपॉजिट सर्विस लिमिटेड ये किसकी है कब स्थापित हुआ था 1998 में और किसका है ये बी का जो है वो है फिर शेयर बाजार है ये हो गया शेयर बाजार अब शेयर बाजार को इसका नियमन कौन करता है तो सेबी सेबी जो है कब स्थापित हुई थी 1988 में और 1992 में सेबी का कानून पारित हुआ सेबी एक्ट पारित हुआ और सेबी एक्ट से इसको क्या कर दी गई अधिक पावर जो है वो दे दी गई काम क्या है इसका भारत में डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक मार्केट स्टॉक बाजार का विकास हो जैसे आरबीआई का, का काम है बैंकिंग का विकास वैसे इनका काम है छे। जो भी निवेशक है उन निवेशकों के हितों की रक्षा करना कि निवेशकों को जो है नुकसान ना हो जाए बहुत ज्यादा जो है जैसे अभी बता रहा हूं सेबी की रिपोर्ट दी कि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर आ गए और ये बहुत खतरनाक चीजों पर क्या कर रहे हैं निवेश कर रहे हैं और सब अपने आप को क्या मानने लग गए हैं हरजत मेहता मानने लगे और ये बर्बाद हो जाएंगे थोड़े दिनों में और इसलिए ऐसे लोगों पर ध्यान रखना और ऐसे लोगों को जो है समझाना तो अब ऐसे लोगों को कैसे समझाएंगे तो से भी जो है वो अखबारों के अंदर ऐसी न्यूज देगी कि अरे भाई ज्यादा निवेश मत करो खतरनाक सेक्टर में निवेश मत करो कुछ सेंसिटिव होती है चीजें उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्ट लोग ये शॉर्ट सेलिंग वगैरह ये आर्बिट्रेजर ये कोई आम आदमी का काम नहीं है शॉर्ट सेलिंग करना आर्बिट्रेज करना इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनना पड़ता है ऐसे नहीं है कि अरे वा यार इधर से खरीदे इधर से बेच दे इतना आसान होता तो कोई भी कर देता जैसे वो एग्जाम्पल के अंदर तो मैंने लिया भाई एक डॉलर में लिया और पांच डॉलर में बेच दिया एक रुपये की चीज पांच रुपये इतना अंतर होता नहीं है पच्चीस पैसे पांच पैसे का इतना अंतर होता है आपने इस बाजार से खरीदा और जब तक वहां पहुंचे तब तक पता लगा मार्केट वहां का बढ़ गया और वहां का बढ़कर जो है वो पचास पैसे एक रुपए भी बढ़ गया आपका शेयर की कीमत तो आप तो हो गए लंबे चले गए हो अब जो है वो कुछ नहीं बचा ठीक है टाटा बाई बाय हो जाएगा तो फिर ये जो है उनके हितों की रक्षा करता है स्टॉक एक्सचेंज अगर एक्स्टेब्लिश करना है तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी सेबी से लाइसेंस देता है ब्रोकर को जो ये जितने भी शेयर को बेचने वाला ब्रोकर के नीचे काम करने वाले सब ब्रोकर म्यूचुअल फंड वेंचर कैपिटल फंड हेज फंड ये जितने भी लोग काम करते हैं इन सबको लाइसेंस लाइसेंस किससे मिलता है से भी से जो है है से जो जो वो ये जो अभी अपन ने पढ़ी डिपोजिट्री को भी कौन रेगुलेट करता है से भी रेगुलेट करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी इनकी है क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया कब स्टेब्लिश हुआ था 1987 और इसका मालिक कौन है स्टैंडर्ड एंड

ट्रेडिंग वैसे कॉम्युटिटी ट्रेडिंग अपने सिलेबस में है नहीं सिलेबस में शेयर बाजार और स्टॉक बाजार ही है तो इसलिए ये पढ़ना नहीं है फिर पढ़ना चाहो तो भले पढ़ लो पहले से बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए तो अगर तुम्हें याद है पहले से याद की हुई है तब तो बहुत अच्छी बात है और नहीं की हुई है तो और भी अच्छी बात है परेशान होने की जरूरत नहीं फॉरवर्ड मार्केट कमीशन ये फॉर एफ एम सी एफ जो है इस कॉमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करने की संस्था हुआ करती थी फिर अब इसको किसमें शामिल कर दिया सेबी में शामिल जो है वो कर दिया गया तो ये हो गया अपना फाइनेंस मार्केट फाइनेंस मार्केट के बाद में है इन्फ्लेशन 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 क्या होती है प्राइसेस का बढ़ना जैसे प्राइसेस बढ़ती है तो क्या होती है इन्फ्लेशन होती है और प्राइसेस जब बढ़ती है तो मुद्रा का मूल्य क्या हो जाता है कम हो जाता है और प्राइसेस क्यों बढ़ती है कब बढ़ती है प्राइसेस मार्केट के अंदर मांग जो है वो ज्यादा है किससे आपूर्ति से डिमांड ज्यादा है किससे सप्लाई से तो क्या हो जाएगी प्राइसेस बढ़ेगी और कीमतों का बढ़ना क्या कहलाता है इन्फ्लेशन कहलाता है महंगाई कहलाता है मुद्रास्फीति कहलाता है ठीक है और इसमें मुद्रा के मूल्य क्या हो जाता है कम जो है वो कम हो जाता है और जब इन्फ्लेशन होती है तो उससे लॉस किसको होता है लेंडर्स को जो ऋण देने वाले लोग होते हैं उनको क्या होने लगता है वो नुकसान होने लगता है क्योंकि जिसने ऋण दिया उससे भाई उसने जो है ओशियारी दिखाई किसी को ऋण दे दिया और पहले तो क्या था मुद्रा का मूल्य अब क्या हो गया है कम जैसे सौ रुपए बराबर एक पेन आता है या मान लो एक किलो चावल आता है सौ रुपए का एक किलो चावल है अब इस व्यक्ति ने चावल खरीदने की बजाय बजायरी दिखाई और कहा कि मैं इसको क्या करूंगा जो है वो ऋण में दूंगा और ऋण में दिया किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को बी को जो है ऋण में दे दिया और कहा दस परसेंट क्या चार्ज करूंगा ब्याज ब्याज भी ज्यादा ही चार्ज कर रहा है कहा ठीक है दे देंगे एक साल बाद में आपको उस व्यक्ति ने पैसे वापस चुकाए वापस कितने चुकाएगा एक सौ दस रुपए इस व्यक्ति के पास में पैसे कितने आ गए एक सौ दस रुपए आ गए और उसी समय ये एक किलो वाली जो कीमत है वो बढ़कर हो गई एक सौ पंद्रह एक किलो चावल कितने का गया एक सौ का यानी अब एक सौ के अंदर जो चावल आएगा वो कम आएगा कम आएगा मतलब इसको तो नुकसान हो गया पहले तो कम से कम एक किलो चावल आ रहा था और अब क्या आ रहा है कम आ रहा है कम आ रहा है यानी आपने ऋण देकर क्या कर ली गलती कर ली तो इसलिए जो ऋण देने वाला होता है उसको क्या होता है नुकसान होता है ऋण देने वाले को तो नुकसान होता है और ऋण लेने वाले को लेने वाले को फायदा होता है इसने पिछले साल सौ रुपए लिए थे और सौ रुपए लेकर इसने एक किलो चावल खरीद लिया इसे क्या खरीद लिया एक किलो चावल खरीद लिया सौ रुपए किलो चावल गया अगले साल इस व्यक्ति को चावल चाहिए एक सौ पंद्रह में बेच दिया इसी व्यक्ति को क्या कर एक सौ पंद्रह में चावल बेच दिया तो पैसे भी उसी के चावल भी अब उसी का इस तरीके से ऋण जो देने वाला होता है उसको तो क्या होता है नुकसान होता है और ऋण लेने वाले को इससे क्या होता है लाभ हुआ करता है एक होता है कर्व एम्प्लॉयमेंट और सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन इन दोनों के बीच रिलेशन बताता है किसके बीच में अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी और इन्फ्लेशन महंगाई और बेरोजगारी महंगाई और बेरोजगारी के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है महंगाई बढ़ने से कुछ समय के लिए बेरोजगारी क्या हो जाती है कम हो जाती है कुछ समय तक बेरोजगारी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अगर महंगाई क्या होती है बढ़ती है तो ये अल्पकाल का जो रिलेशन होता है उसको क्या कर्व से दिखाते हैं फिलिप कर्व जो है फिलिप कर्व से उसको दिखाया जाता है फिर होता है टारगेटिंग इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन को क्या करना है टारगेट करना है टारगेट करना है मतलब इन्फ्लेशन ना तो बहुत ज्यादा हो ना इन्फ्लेशन बहुत कम हो ना तो जो है मुद्रास्पीति बहुत ज्यादा होनी चाहिए ना बहुत कम होनी चाहिए उसको क्या कहेंगे टारगेट करना जैसे भारत के अंदर टारगेट करते हैं और चार परसेंट प्लस माइनस टू परसेंट ठीक है तो ये टारगेटिंग इन्फ्लेशन जो होती है लक्षित मुद्रा स्फीति होती है और ये टारगेटिंग इन्फ्लेशन क्योंकि इसी को क्या कहा जाता है ग्रोथ फ्लेशन भी कहा जाता है क्योंकि आप अगर उतनी मुद्रास्फीति रखो क्योंकि मुद्रास्फीति थोड़ी बहुत होनी चाहिए महंगाई थोड़ी बहुत जरूरी होती है महंगाई होती है तो उससे निवेशकों को लाभ होता है लाभ होता है तो वो क्या करते हैं और निवेश करते हैं और निवेश करते हैं तो रोजगार उत्पन्न होते हैं रोजगार उत्पन्न होते हैं तो उससे रेगुलर इनकम होती है रेगुलर इनकम होती है तो जीवन स्तर जो है वो क्या होता है सुधरता है ठीक है तो इस वजह से उसको ग्रोथ फ्लेशन या ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी इसको कहा जाता है डेवलपिंग कंट्री विकासशील जो देश होते हैं उसके लिए तीन से पांच परसेंट के करीब रखते हैं और जो विकसित देश होते हैं वो एक से दो परसेंट के बीच और भारत में कितनी है, चार प्लस टू जो है वो। फिर इन्फ्लेशन जो होती है, है? कि है। कि इन्फ्लेशन कितनी तेज गति से बढ़ रही है इन्फ्लेशन का जो है वो और हालांकि जो प्राइसेस वो तो कस के नापेंगे पिछले साल के भाई पिछले साल वो चावल जो है वो सौ रुपए का था अब इस वाल जो है वो कितने का हो गया एक का एक का हो गया तो पिछले साल भी कब जनवरी जनवरी में जन्वरी में जो पंद्रह का मिल रहा है यानी जनवरी के अंदर इन्फ्लेशन कितनी हो गई ठीक है पिछले साल वापस फरवरी के अंदर सौ रुपए का मिल रहा था इस साल जो है एक सौ तीस रुपए का मिलने लग गया यानी फरवरी की इन्फ्लेशन कितनी है तीस परसेंट तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रही है पहले पंद्रह परसेंट थी और अब कितनी हो गई तीस तो, परसेंट इन्फ्लेशन इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी अब ये जो इन्फ्लेशन की जो बढ़ती जा रही है इन्फ्लेशन आपकी ये कितनी तेज गति से बढ़ रही है उसके आधार पर इन्फ्लेशन के क्या रखे जाते हैं अलग अलग नाम रखे गए कितनी तेज गति से इन्फ्लेशन बढ़ रही है उसके आधार पर मतलब क्रीपिंग। क्रीपिंग रेंगती हुई कैसी है बिल्कुल रेंगती हुई रेंगती हुई मतलब लगभग तीन परसेंट से या उससे भी कम है तो यानी इन्फ्लेशन क्या कर रही है रेंग रही है और अगर वो तीन से दस परसेंट के बीच में तीन परसेंट से दस परसेंट तो चल रही है तो उसको कहेंगे वॉकिंग तो क्या चलती हुई वॉकिंग है ठीक है और अगर दस परसेंट से ज्यादा है दस परसेंट ज्यादा है तो कूद रही है छलांगे मार रही है छलांगे मार रही है तो गैलोपिंग तो उसका नाम क्या हो जाता है गैलोपिंग एक घोड़े जैसा छलांग मारता है ना वैसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं और अगर बहुत ही तेज गति से बढ़ गई है पचास से भी ज्यादा बढ़ रही है तो फिर हाइपर इन्फ्लेशन उसका नाम कर देते हैं हाइपर ऐसे रॉकेट ऊपर जा रहा है रॉकेट तो की गति से जो है ऊपर जा रही है तो इन्फ्लेशन जो है या तो रेंग सकती है या चल सकती है या घोड़े की जैसे उछल कूद कर सकती है या रॉकेट के जैसे बहुत तेज जो है वो चल सकती है अगर रेंगती है तो क्रीपिंग या मिल्ड माइल्ड इन्फ्लेशन चल रही है तो वॉकिंग और अगर घोड़े के जैसे तो गैलोपिंग और बहुत तेज है तो हाइपर तो ये हाइपर इसका मतलब इस गैलोपिंग का ही बहुत बड़ा स्वरूप जो है वो होता है और हाइपर इन्फ्लेशन कहीं पर हो जाती है तो मुद्रा का कोई मूल्य नहीं रहता मुद्रा जो है वो पूर्ण रूप से आपका करेंसी करेंसी सिस्टम सिस्टम कर जाता है है जो उसकी हालत खराब जाती है। ऐसे आप जो है वो ये खूब सारे पैसे इनके पास हुए जिम्बाब्वे के अंदर आई थी और जिम्बाब्वे के अंदर हर व्यक्ति हर गरीब व्यक्ति बिलेनियर था हर गरीब व्यक्ति बिलेनियर बिलियन पैसे रुपए तो हैं आपके पास पर उससे आता कुछ भी नहीं है आप जो ऐसे बोरी भर के या फिर या ऐसे रेडी के अंदर पैसे लेके जाओ और कोई एक ब्रेड का एक पैकेट ले आओ इतना ही उससे मतलब मूल्य मुद्रा का मूल्य जो है वो कुछ भी नहीं रहा और मुद्रा का मूल्य नहीं रहता तो इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट जो है क्या हो जाती है वो ज्यादा हो जाती है प्रिंट करना ज्यादा महंगा है उसमें जो कागज लगा हुआ है वो ज्यादा महंगा है बजाय उसकी उससे जो चीज आती है वो इसलिए फिर सरकार क्या करती है बड़े नोट जारी करती है जैसे ये वन ट्रिलियन डॉलर का नोट जो है जारी किया कितने का नोट है ये रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने 100 ट्रिलियन डॉलर का नोट जो है वो जारी किया। क्यों जारी किया किया क्यों ये क्योंकि भाई साहब प्रिंटिंग की कॉस्ट ज्यादा है इसे प्रिंटिंग की कॉस्ट ज्यादा लग रही है और उससे जो चीज आ रही है वो बहुत कम की है और लोग जो है फिर इतना बड़ा जो है वो रखना इनके लिए पॉसिबल नहीं तो इस प्रकार की जो इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का ये है विभत्स और इससे आपका करेंसी सिस्टम क्या हो गया पूर्ण रूप से

ऐसे कई फोटो तो ऐसी है जिसके अंदर जो झाड़ू वाला है वो झाड़ू से क्या कर रहा है पैसों को हटा रहा है तो पैसा नहीं है वो कचरा है पैसों को क्या माना जा रहा है और लोगों के पास में पीने के लिए पानी नहीं है जो बेसिक जो चीजें होती है वो नहीं है और उनके पास पैसे इतने सारे हैं तो इसका मतलब आपके पैसों की कोई वैल्यू नहीं है इस ये स्थिति कब क्रिएट होती है हाइपर इन्फ्लेशन से क्रिएट जो है वो हो जाती है जब करेंसी बहुत मतलब इन्फ्लेशन क्या हो जाए बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन जो है वो क्या करते हैं तो इन्फ्लेशन एक तो होती क्रीपिंग जो रेंगने वाली थी लगभग तीन परसेंट वॉकिंग तीन से दस परसेंट गैलोपिंग लगभग दस परसेंट से ऊपर हो और इस गैलोपिंग को और क्या नाम से जाते हैं रनवे इन्फ्लेशन भी इसको कहते हैं फिर होती है हाइपर इन्फ्लेशन यानी बहुत ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है पचास परसेंट तो दो सौ परसेंट हजार परसेंट दो हजार परसेंट इतने से अगर अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो फिर वो जो है वो उसका मतलब क्या होता है आपका करेंसी सिस्टम क्या हो जाता है? कॉलेप्स कर जाता है है कर ये तो सब है इन्फ्लेशन जब क्या हो रही हो दाम बढ़ रहे हो एक होता है डिफ्लेशन सो डिसन डिस इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ नहीं रही है इन्फ्लेशन क्या हो रही है कम रही है पर इन्फ्लेशन है अभी भी महंगाई तो है पर महंगाई कम हो रही है महंगाई जो है वो क्या हो रही है कम हो रही है मतलब कोई रुपए की चीज थी वो जनवरी में मिल रही थी एक सौ पचास रुपए की वही सौ रुपए की चीज फरवरी में मिल एक सौ तीस रुपए की फिर वही रुपए की चीज मार्च के अंदर मिल एक सौ बीस रुपए की फिर वही सौ रुपए की चीज एक सौ दस रुपए की मिल रही अब सौ रुपए के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो बढ़ तो रही है महंगाई तो है परंतु अगर यूं देखें तो कम हो रही है इन्फ्लेशन क्या हो रही है कम हो रही है इसलिए इसको क्या कहते हैं डिस इनफ्लेशन कहते हैं इस व्यवस्था को क्या कहते हैं तो डिस इंफ्लेशन में जो कीमतें वो घटती नहीं है कीमतें घटती नहीं है कीमतों की बढ़ने की जो दर है वो क्या हो जाती है वो कम हो जाती है जो बढ़ने की दर है जो वृद्धि की दर है वो क्या हो गई है कम हो गई और इसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं डिस इनफ्लेशन एक होता है डिफ्लेशन अपस्फीति अपस्फीति में क्या होता कीमते है कीमतें कम होती सौ रुपए की चीज है ये नब्बे में मिलने लग गई ठीक है फिर ये जो है वो सत्तर में मिलने लग गई फिर अस्सी में मिलने लगी तो ये क्या है अपस्फीति कीमतें क्या हुई है कम हुई है तो इसको कहेंगे अपस्फीति या डिफ्लेशन और वृद्धि दर अगर कम हो तो डिस तो दो शब्द जो है वो याद रखना तो डिफ्लेशन में जो है कीमतें क्या होती रहती है कम होती रहती है तो अपस्फीति डिफ्लेशन नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की कैसी दर होती है ये नकारात्मक वस्तु तो और की सेवाओं की कीमत कम होती है यानी वे सस्ती हो जाती है और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और और इससे क्या किस, किसको घाटा होगा अगर मुद्रा की कीमतें मतलब अगर कीमतें कम हुई तो जो भी उत्पादक है निवेशक है उनको घाटा होगा और घाटा होगा तो वो क्या करेंगे कीमतें कम हो रही है पेन बनाया पहले सौ रुपए का बिकता था अब पचास रुपए का बिक रहा है तो कीमत प्रोडक्शन प्याज किसी ने उत्पादित किए प्याज जो है वो पहले पचास रुपए के बिक रहे थे किलो अब दस रुपए के ही बिक रहे हैं तो प्याज उत्पादन करने वाले को कम नुकसान हुआ नुकसान हुआ तो आगे से वो प्याज नहीं उगाएगा और नहीं उगाएगा तो उत्पादक जो है वो क्या कर देगा उत्पादन को कम कर देगा उत्पादन कम कर देगा तो रोजगार कम हो जाएंगे और रोजगार कम हुए तो जीवन स्तर जो है वो प्रभावित होता है और अगर और अगर ऐसा रोजगार कम हो गया उत्पादन कम हो गया उत्पादन कम हो गया तो जीडीपी की ग्रोथ रेट भी क्या हो जाती है वो कम हो जाती है इससे मंदी आ जाती है और अगर ये जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाए और लगातार दो क्वार्टर तक नेगेटिव रह जाए तो टेक्निकली उसको क्या कहते हैं रिसेशन कहते हैं अगर लगातार दो क्वार्टर दो तिमाहिया ऐसी निकली है जिसके अंदर जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है नेगेटिव तो तो इसको क्या कहा कहा जाता जाता है तो है है रिसेशन रिसेशन कब आता जब दो बार जो है वो दो क्वार्टर ऐसे हैं जबकि नेगेटिव जो है आपकी है और इससे बड़ी मंदी आ जाएगी और भी अगर ये रिसेशन बहुत लंबे समय तक चला लगातार आपकी दो क्वार्टर क्या और खूब सारे एक साल दो साल तक जो है वो नेगेटिव ही है यानी उत्पादन क्या हो रहा है बहुत ज्यादा कम हो गया और उत्पादन बहुत ज्यादा कम हो गया तो इसको कहेंगे डिप्रेशन अब क्या हो जाता है वो डिप्रेशन हो जाता है और जैसे डिप्रेशन आया था नाइनटीन ट्वेंटी उसको गया ग्रेट डिप्रेशन और उस समय लोगों की हालत जो, जो है वो क्या हो गई बहुत ज्यादा खराब हो गई मंदी हो गई अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन बिल्कुल खत्म हो गया तो लोगों के पास में रोजगार नहीं बचा तो इसलिए रोजगार वगैरह की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है एक होता है स्टैग क्या होता है स्टेग फ्लेशन फ्लेशन दो शब्दों से बना हुआ है स्टेग्नेशन और इन्फ्लेशन यानी स्टेग्नेशन का मतलब कि जीडीपी जो है वो तो क्या हो रही है कम हो रही है जीडीपी की ग्रोथ रेट तो कम हो रही है जीडीपी तो कम होती जा रही है और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है डिमांड कम है और साथ साथ में इन्फ्लेशन भी क्या है बढ़ रही है महंगाई भी बढ़ रही है वैसे हम सामान्यता तो, तो कहते हैं कि महंगाई बढ़ती है महंगाई बढ़ने से उत्पादकों को लाभ होता है लाभ होता है तो ज्यादा निवेश करते हैं ज्यादा निवेश करते हैं तो रोजगार बढ़ता है पर ये एक कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर क्या होता है बेरोजगारी बे महंगाई भी बढ़ रही है और साथ साथ में बेरोजगारी भी बढ़ रही है और जो जीडीपी है वो उत्पादन उत्पादन क्या हो 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 रहा 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 है 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 कम कम और आपकी जो डिमांड है वो क्या है कम है यानी अर्थव्यवस्था मंदी में भी है और इन्फ्लेशन भी है जैसे अभी कोरोना के बाद लगभग लगभग ऐसी सिचुएशन थी कि अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी में भी थी एक तरफ तो जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव के अंदर है वे पिछले साल माइनस सात परसेंट सात पॉइंट सात परसेंट से ग्रोथ किया माइनस तो इसका मतलब जीडीपी कम हो गई और दूसरी तरफ महंगाई भी अच्छी ठीक ठाक है 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 अब ऐसी जब सिचुएशन हो जाती है, तो समस्या में कौन आ जाता रिजर्व बैंक बैंक ये जो आपका केंद्रीय होता उसके लिए समस्या हो जाती है कि केंद्रीय बैंक क्या करे इसमें इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करे अब अगर इन्फ्लेशन को कम करनी है तो क्या करेगा तो इन्फ्लेशन ज्यादा है इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है इसका मतलब तरलता ज्यादा है तरलता ज्यादा तो क्या करे तरलता कम करनी है तरलता कम करनी है तो अपनी ब्याज दरों को बढ़ाएगा और ब्याज दरों को बढ़ाएगा तो ये जो उत्पादक है ऋण महंगा मिलेगा ऋण महंगा मिलेगा तो वो उत्पादन कम कर देंगे उत्पादन कम कर देंगे तो बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या करे इधर कुआ और इधर खाई और इस तरीके से जो आपका रिजर्व बैंक होता है वो किसमें चला जाता है वो एक एक डिलेमा में चला जाता है उसके बीच में एक डिलेमा होता है, उसको एक में जाता है कि जो उसको बढ़ाई या होती है या आएगा, आएगा। क्योंकि पिछले साल जो है स्टेक की सिचुएशन रही हुई है रही हुई है इसलिए इसमें क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है तो इसलिए ध्यान रखना जीडीपी कम हो जाती है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है डिमांड कम होती है और इन्फ्लेशन बढ़ जाती है ऐसी जहां कंडीशन है वो कंडीशन क्या है उसको क्या कहते हैं स्टेक फ्लेशन की कंडीशन कहते हैं स्टेक फ्लेशनरी कंडीशन जो वो है वो कहते हैं फिर ये बातें तो ही कि इससे जो आपका केंद्रीय बैंक है वो किसमें फंस जाता है एक दुविधा के अंदर फंस जाता है फिर एक होती है कोर आगा इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन क्या होती है कोर इन्फ्लेशन का मतलब है कि ये जो इन्फ्लेशन है जो आपकी मुद्रास्फीति है ये मूल मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति में से अन्य कारकों को क्या कर देते हैं हटा देते हैं उनको हटा देते अदर फैक्टर्स मतलब अगर आपके क्रॉप्स को डैमेज हो गया फसलों को नुकसान हो गया तो फसलों को नुकसान होने से भी मुद्रास्फीति क्या हो सकती है बढ़ सकती है कि भाई अगर फसलें नहीं है तो खाद्य पदार्थ क्या हो जाएंगे महंगे हो जाएंगे और खाद्य पदार्थ महंगे हो तो इन्फ्लेशन बढ़ गई अब ये फसल खराब हुई है ये कोई आरबीआई की तरलता ज्यादा होने होने से से कम नहीं हुआ है है इसमें आरबीआई का इतना कोई खास रोल नहीं है। तो ये अदर फैक्टर होगी तो भाई आरबीआई या कोई भी केंद्रीय बैंक है वो सोचता है कि मुझे मुद्रास्फीति को करन, आ, कंट्रोल में करना है तो मैं तरलता को ज्यादा करूं या तरलता को कम करूं अब तरलता को ज्यादा करूंगा या कम करूंगा ये किस पर निर्भर करेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि ये जो मुद्रास्फीति है वो वाकई में क्या तरलता की वजह से हुई है भी या नहीं हुई है अगर वाकई में तरलता की वजह से हुई है तब तो हम उसको कम करने से तरलता को कम करने से मुद्रास्पीति भी कम हो जाएगी पर मुद्रास्फीति का कारण कुछ और ही है और आप क्या कम जा जा रहे रहे हो तरलता कम किया जा रहे। तो कि मार्केट में तरलता भी कम हो गई और मुद्रास्फीति भी बढ़ी हुई है तो फिर जो है वो सिचुएशन क्या हो जाएगी वो खराब हो जाएगी तो इस वजह से आरबीआई क्या करता है क्या निकालते हैं ये कोर इन्फ्लेशन जो है वो निकालते हैं तो इन्फ्लेशन में से किसको हटा देते हैं दूसरे जैसे फसलों को क्रूड ऑयल कच्चे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी

तो लाना ले जाना होता है और वो सब ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन में अगर फ्यूल महंगा हो गया तो सब चीजें क्या हो जाएगी महंगी हो जाएगी भाई किसान के यहाँ पर सब्जी उगी हुई है सब्जी सब्जी मंडी आएगी तो सब्जी मंडी वो लेकर आएगा कोई पिकअप वाले को किराए पे लेगा तो पिकअप वाला पैसे क्या मांगेगा ज्यादा मांगेगा वो कहेगा यार मेरे इतने दूर आने में मेरे डीजल इतना जल जाता है तो अपने कॉस्ट को क्या कर देगा बढ़ा देगा और वो कॉस्ट को बढ़ा देगा तो चीजें महंगी बिकेगी तो इसलिए और ये आरबीआई के करने से कुछ हुआ नहीं ये तो इंटरनेशनल मार्केट के कारण है और डिस्टर्बेंस इन ट्रांसपोर्टेशन में कोई क्या हो गई है डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट हो गया है जैसे कोई लॉकडाउन लग गया ट्रांसपोर्टेशन हो ही नहीं रहा है ठीक है बाहर जाओ तो पुलिस वाले डंडे मारते हैं तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन में क्या आ गया है? एक बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस आ गया और डिस्टर्बेंस आ गया तो ये सब अदर फैक्टर्स हैं इन अदर फैक्टर्स को हटा दो और फिर क्या निकलता है कोर इन्फ्लेशन निकलता है पर याद याद रखने के लिए इसमें ये होता है कि इसमें फूड और क्रूड ऑयल को क्या कर देते हैं हटा देते हैं कोर इन्फ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन में से खाद्य पदार्थ और जो ईधन है उसको क्या कर दो हटा दो खाद्य पदार्थ ईधन हटा दो तो बचे वो क्या है कोर इन्फ्लेशन तो ये हो गया कोर इन्फ्लेशन और ये तो बात मैंने बताई तो तो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता फिर इन्फ्लेशन क्यों होती है तो इन्फ्लेशन के क्या कारण हो सकते हैं तो तरलता वाला तो वही इसके अलावा इन्फ्लेशन दो प्रकार से हो सकती है एक तो होती है एक होती है डिमांड ठीक है एक तो लागत जनित और दूसरी होती है मांग जनित किया तो लागत के कारण लागत बढ़ गई है इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई महंगी हुई है चीजें या फिर उसकी डिमांड जो है वो बढ़ गई है इस वजह से चीजें महंगी हुई है कॉस्ट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है किसी भी चीज के उत्पादन के अंदर चार चीजें होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं चार होते हैं लैंड लेबर कैपिटल और आंतरप्रोन्योरशिप भूमि श्रम पूंजी और उद्यमिता ये चार होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और हर फैक्टर के सामने क्या लगता है उसके कुछ कॉस्ट होती है अगर किसी भी प्रकार की कॉस्ट बढ़ी रेंट बढ़ गया तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर जो मजदूरी है वो बढ़ गई तो कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर आपकी जो पूंजी है उसकी ब्याज दरें बढ़ गई तो भी जो है वो आपका कीमतें वो बढ़ जाएगी और अगर जो उद्यमी है उन्होंने अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया तो भी कीमतें जो है वो बढ़ जाएगी तो इन सब चीजों के कारण क्या होता है कॉस्ट। तो अगर कच्चे माल की कीमत में वृद्धि आ गई ठीक है उसको ज्यादा में थोड़ी बेचोगे? उसको बेचोगे और ज्यादा तो कीमतें क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी श्रम इंक्रीज इन द रेट ऑफ लेबर जो मजदूर उसमें ला रहे हो और मजदूरों ने अपनी रेट क्या कर रही है बढ़ा दी है सरकार ने कोई सातवा वेतन आयोग लागू कर दिया या फिर जो जैसे नरेगा लागू किया गया अब नरेगा लागू किया गया तो लोग जो है वो कहा जाने लगे नरेगा में और नरेगा से आपको जो है वो मजदूरी मिल रही है अब गांव के अंदर खेत में काम करनी है तो फिर वो मजदूर क्या मांगेगा क्या नरेगा वाले से तो ज्यादा दो तब आपके यहाँ काम करेंगे वरना तो नरेगा में जाकर काम कर लेंगे आपके यहाँ काम करना है तो उससे ज्यादा होगा और ज्यादा होगा तो उसके मजदूर की कॉस्ट क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी और कई बार सरकार क्या होती है सरकार भी मिनिमम वेजेस निर्धारित करती है न्यूनतम मजदूरी सरकार निर्धारित करती है और सरकार ने अगर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ा दिया तो मजदूरी की कॉस्ट बढ़ जाएगी और मजदूरी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से भी जो है वो क्या होगी वो जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है और लेबर कई जगह विकसित देशों में तो लेबर मिलता ही नहीं है ये तो अपने विकासशील देशों में ही है लेबर ही लेबर पड़ा है बाकी विकसित देशों में लेबर नहीं है अभी जैसे ब्रिटेन के अंदर हालत खराब चल रही है ब्रिटेन के पोर्ट है पोर्ट के ऊपर खूब सारे कंटेनर्स पड़े हुए हैं उन कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ड्राइवर नहीं है क्या नहीं, नहीं <laughs> नहीं क्या नहीं मिल रहे ड्राइवर नहीं मिल रहे और यहां लोग जो रेट पे लगे हुए रेट पटवारी से फुर्सत नहीं मिल रही इंटरनेशनल अगर आरबीआई ने क्या कर दिया अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया या फिर प्रॉफिट जो है वो बढ़ा दिया तो ये सब तो जो है किसके कौन से फैक्टर तो ऐसी जो होगी उसको क्या कहेगीस्ट पुष्ट दूसरी होती है डिमांड पुल डिमांड बढ़ गई है लोग उस चीज की क्या करने लगे हैं ज्यादा मांग करने लगे और ज्यादा मांग क्यों करेंगे अगर पॉपुलेशन ही बढ़ गई जनसंख्या में वृद्धि हुई जनसंख्या में वृद्धि हुई तो नए लोग हैं उनको खाने के लिए भी चाहिए पहनने के लिए कपड़े चाहिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ये सब चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कॉस्ट जो आपकी प्राइसेस है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि सरकार ने अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया बढ़ा दिया और जब भी कभी मांग बढ़ानी होती है तो सरकार क्या करती है अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है पब्लिक एक्सपेंडिचर जो उसको क्या कर दिया जाता है बढ़ा दिया जाता है जैसे कोई आपने हाईवे बना दिया कोई आपने बहुत बड़ी सार्वजनिक जैसे सेंट्रल विस्टा का को प्रोजेक्ट या कोई बड़ी प्रोजेक्ट जो है वो चालू कर दिया और उस बड़ा प्रोजेक्ट चालू करोगे तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा या सरकार क्या कर रही है खर्च कर रही है सरकार खर्च कर रही है तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी लिक्विडिटी बढ़ गई तो डिमांड क्या होगी बढ़ जाएगी तो इस तरह भी डिमांड बढ़ जाती है काला धन अगर मार्केट में क्या ज्यादा हो काला धन ब्लैक मनी जो है वो ज्यादा है तो ब्लैक मनी ज्यादा तो ब्लैक मनी भी लिक्विड है पैसे हैं लोगों के पास और पैसे हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं तो उसको क्या करेंगे लगाएंगे और इसीलिए कई पहले ब्लैक मनी जो को सरकारें कई बार कोशिश भी करती है ब्लैक मनी को कुछ लोग समझदार लोग कहते हैं ब्लैक मनी को खत्म नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ब्लैक मनी से लोग मार्केट में क्या बनी रहती है डिमांड बनी रहती है खासकर जैसे हाउसिंग केयर सेक्टर जो है इनके अंदर बहुत बड़ा पैसा जो है किसका लगा हुआ था ब्लैक मनी का लगा तो एकदम से जैसे ब्लैक मनी को कम करने की तो कोशिश की कोई विदेशी मुद्रा बाहर से पैसा आ रहा है और बाहर से पैसा आ रहा है तो डिमांड बढ़ेगी लिक्विडिटी बढ़ सकती है तो लिक्विडिटी तो बढ़ सकती है तो यहां पर भी ये होते हैं क्या डिमांड पुल तो एक तो, तो और दूसरा होता है डिमांड ये भी इंपॉर्टेंट है इस पर भी आएगा क्वेश्चन या तो उस परेशन आएगा या वो मतलब इसके आए थे ठीक डिमांड पुल का और या कॉस्ट पुश की डिमांड कौन सी तो डिमांड पुल और कौन सी कॉस्ट पुश है तो वो बस ध्यान रखना कि इससे डिमांड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही या फिर इससे कॉस्ट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही फिर एक होता है स्क्यू इन्फ्लेशन स्क्यू इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है इन्फ्लेशन बहुत सारे चीजें हैं और उनके सबके कीमतों में क्या हो वृद्धि हो दस उत्पाद हैं और दस उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हो तब तो सीधी सीधी भाई इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन है है सभी जगह सब चीजें महंगी हो गई है महंगी अब एक सब चीजें महंगी ना हो बाकी सब की तो प्राइसेस ठीक ठाक सी चल रही है ये कुछ एक चीजें हैं जिनकी क्या है बहुत ज्यादा बढ़ गई है और कुछ एक चीजों के बढ़ने के कारण हमको ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन क्या हो रही है बढ़ रही है पर ओवरऑल सबकी नहीं बढ़ी बढ़ी क्या है सिर्फ कुछ चीजों की ही बढ़ी ऐसी जो इन्फ्लेशन होती है इसको क्या कहते हैं ये तिरछी हो गई ना इन्फ्लेशन Inflation क्या जैसे जैसे प्रोटीन उत्पादों की बढ़ जाए जो दालों की कीमत अंडों की और इनकी जो मीट प्रोडक्ट्स है इनकी अगर कीमत बढ़ जाए तो फिर बाकी सब चीजें बाकी सारे खाद्य पदार्थ जो है वो ठीक ठाक हैं, उनका कोई प्राइस नहीं बढ़ी पर कुछ प्रोटीन वाले उत्पाद उनकी कीमतें क्या हो गई है बढ़ गई और उस इन्फ्लेशन को क्या नाम दे देते हैं प्रोटीन इन्फ्लेशन कह देते हैं इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं प्रोटीन तो प्रोटीन इन्फ्लेशन सिर्फ प्रोटीन वाले उत्पादों के अंदर बढ़ी है सिर्फ मेटल के प्राइस बढ़ जाए सिर्फ किसके बढ़े हुए हैं मेटल के कि जितने भी मेटल है लोहा है आपका स्टील है ये सब मेटल है और ये महंगे मिल रहे हैं बाकी सब मार्केट में सब सही चल रहा है तो ये मेटल की आप मेटल कुछ भी खरीदने जाओ तो वो क्या मिल रहा है महंगा मिल रहा है महंगा मिल रहा है तो उस इन्फ्लेशन को क्या नाम दे दिया जाता है मेटल इन्फ्लेशन जो है उसको कह दिया जाता है और ये क्या है एक प्रकार की स्क्यू इन्फ्लेशन कुछ चीजों के अंदर इन्फ्लेशन है और बाकी के अंदर नहीं है फिर ये करो देखिये हिंदी में नहीं समझ में आए तो इंग्लिश में पढ़ लेना समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण पोएटिक हिंदी है ये अब विवर्तन क्या होता है ये तो यू तो मुश्किल हो जाएगा तो परावर्तन अपवर्तन समझ लोगे तुम सोचोगे साइंस का क्वेश्चन है साइंस का क्वेश्चन नहीं है किसका क्वेश्चन है ये बे लागत प्रेरित स्फीति होती है जो है, उसके अंदर क्या हुई है परिवर्तन हो गया शिफ्ट हो गया उसमें परिवर्तन हो गया या तो बढ़ गई है, है? है वो क्या हो रही है बढ़ गई है चीजों की कॉस्ट बढ़ गई है किसके कारण सप्लाई कम हो गई होगी किसी चीज की सप्लाई कम होगी इसके कारण उसकी कॉस्ट बढ़ गई है तो ये तो इसका असर्शन ये तो जो है वो अभिकथन है फिर उसका रीजन बताया उसने मजदूरी में वृद्धि के कारण समग्र वक्र में विवर्तन होता है शिफ्ट इन इन एग्रीगेट सप्लाई टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज वेजेस तो ये हो सकता है कि भाई सप्लाई कम क्यों हो गई सप्लाई कम इसलिए हो गई क्योंकि वेजेस क्या हो गई बढ़ गई वेजेस बढ़ गई तो लोग जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो इस वजह से क्या है इस वजह से वो लोग जो है सप्लाई को क्या कर दिया गया है कम कर दिया गया तो इस वजह से इसका मतलब और सप्लाई से चीजें चेंज होती है तो कॉस्ट भी है तो ये वाला भी सही है और ये उसका सही रीजन जो है वो है तो यानी एक कथन सही है और आर जो है उसका सही स्पष्टीकरण है तो क्या आंसर हो जाएगा पहला आंसर जो है वो हो जाएगा फिर भारत में जो इन्फ्लेशन को मापते हैं तो भारत में इन्फ्लेशन को कितने तरीके से मापा जाता है दो तरीके से जो है वो माप एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक तो होता है थोक मूल्य सूचकांक एक तो है ये थोक मूल्य सूचकांक और एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सॉरी जब भी कोई भी उत्पादक होता है प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूसर अपना जो भी उत्पादन है वो उत्पादन ले जाकर किसको देता है उससे कौन खरीदता है थोक मूल्य वाले खरीदते हैं थोक विक्रेता जो होते हैं होलसेलर खरीदते हैं और होलसेलर से रिटेलर खरीदता है खुदरा मूल्य वाले जो होते हैं वो रिटेलर खरीदते हैं और रिटेलर से कंज्यूमर खरीदता है तो मुद्रा स्फीति प्राइसेस के जो चेंज हैं उसको दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है या तो इस होलसेलर के दृष्टिकोण से कि ये इस उत्पादक से जब खरीद रहा है ये जो होलसेलर है ये होलसेलर जब उत्पादक से खरीद रहा है तो इसको कितनी पड़ रही है पहले कोई चीज सौ रुपए की पड़ रही थी इसको और अब जो है वो एक सौ दस रुपए की पड़ रही है तो यानी होलसेल की प्राइस में क्या हुआ है चेंज हो गया सौ रुपए की चीज कितने की पड़ने लग गई अब एक सौ दस की पड़ने लगे तो अब इससे पूछा जाएगा यार तुम्हारा पिछले साल कितने की मिली थी यही चीज ये यह चावल एक किलो चावल का लिया तो सौ रुपए का लिया इस साल कितने का लिया एक सौ दस का इसका मतलब तुम्हारी प्राइस में कितना हो दस रुपए का इंक्रीमेंट हो गया यानी दस परसेंट का इंक्रीमेंट जो है वो होलसेल के अंदर है एक तो इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं फिर इस होलसेलर से कौन खरीदता है रिटेलर खरीदता है और रिटेलर किसको बेचता है कंज्यूमर को कंज्यूमर को बेचता है और कंज्यूमर जो है उसके दृष्टिकोण से फिर देखो कि भाई कंज्यूमर को भी क्या होगी महंगी होगी पर कंज्यूमर को बीच में रिटेलर भी जुड़ गया

दस रुपए की मिल रही सौ बीस रुपए की मिल रही है तो यहां पर परिवर्तन अलग होगा और यहां पर परिवर्तन अलग होगा अगर इस परिवर्तन को देखा जाए तब तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और इस परिवर्तन को देखा जाए तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स तो प्राइस के को कीमतों की वृद्धि को दो दृष्टिकोण से देखा जा सकता है थोक विक्रेता के दृष्टिकोण से भी और जो कंज्यूमर उपभोक्ता के दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है और इसी के आधार पर भारत में क्या निकाले जाते हैं ये दो चीजें जो है वो निकाली जाती है होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो उसको प्रकाशित करती है और इसको कौन निकालता है सांख्य की एवं कार्य कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय निकालता है और इस मंत्रालय के अधीन एक ऑफिस होता है किसका ऑफिस है इकोनॉमिक एडवाइजर आर्थिक सलाहकार का जो ऑफिस होता है वो जारी करता है और सीपीआई सेंट्रल अब हालांकि आजकल सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस नहीं है आजकल ये किसमें मर्ज हो गया है एनएसओ में मर्ज हो गया नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस जो है वो एनएसओ बन गया है. फिर ये चार प्रकार की डब्ल्यूपीआई प्राथमिक वस्तुओं के लिए कितनी है फिर डब्ल्यूपीआई फ्यूल और ईंधन के लिए कितनी है और डब्ल्यू मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के लिए कि भाई आप जो कीमतों में वृद्धि हो रही है तो होलसेलर से से पूछा जाए कि प्राथमिक वस्तुओं में ये जो खाद्य पदार्थ वगैरह हैं इनकी कीमतों में कितनी वृद्धि हुई चावल गेहूं दाल इनकी जो कीमतें उनमें कितनी वृद्धि हुई तो वो उनमें वृद्धि बताएगा पिछले साल की रेट ये थी इस साल की रेट ये चल रही है तो आप उससे निकालोगे ये एक उत्पादों की जो है चीजें देखते हैं कि उनके अंदर कितना कितना परिवर्तन फिर फिर देखा जाएगा ईंधन और ऊर्जा के अंदर फ्यूल और

डब्ल्यू पी आई मेन निकाली जाती है कितने आर्टिकल्स होते हैं छह सौ होती है में, और गांव और शहर हालांकि नहीं होती हुआ है सिर्फ वस्तुएं और सेवाएं भी होती है वस्तुओं की कीमतें भी देखते हैं और सेवाएं कंज्यूमर जो है वस्तुएं भी लेता और सेवाएं भी लेता और पूरे भारत के लिए क्या निकाली जाती है सिंगल एक डब्ल्यूपीआई होती है डब्ल्यूपीआई पूरे भारत के लिए क्या है एक ही है कोई रीजनल सीपीआई डब्ल्यू नहीं होती जबकि सीपीआई सीपीआई जो है है वो क्या होती है? भारत के लिए भी होती है और साथ साथ में ये जो स्टेट्स होते हैं उन स्टेट के लिए भी होती है और स्टेट के लिए अलग अलग क्यों होती है अलग अलग राज्य में सीपीआई अलग अलग क्यों अल... प्राइसेस जो है अलग अलग राज्य में क्या हो सकते हैं अलग हो सकते। अलग हो सकता है अलग अलग राज्य में किसी चीज का उत्पादन और आपका ट्रांसपोर्टेशन है तो उसका कॉस्ट भी अलग हो अलग हो सकता है और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट अलग अलग होगा तो प्राइसेस भी क्या होगी अलग अलग होगी इसमें सिर्फ वस्तुएं शामिल होती है और उसमें वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल होती है इसमें वेटेज फूड आर्टिकल्स का वेटेज कितना है कम है कितना है लगभग बीस परसेंट और उसमें ज्यादा लगभग चालीस परसेंट जो है चालीस पैंतालीस परसेंट ईयर इसका भी दो है और सीपीआई का भी दो हजार चेंज हो गया नहीं नहीं वो वो दूसरा है ठीक है ठीक है तो कितना चेंज कर दिया अरे नहीं वो चेंज नहीं हुआ वो 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 आगे अभी एक और आएगा लेबर ब्यूरो वाली ये, कर ये तो कौन जारी कर रहा है सांख्यिकी मंत्रालय अरे अभी यही रहने दो बाद में और देख लेंगे अभी के लिए तो यही रखो और ये कितने दिनों में जारी किया जाता है चौदह दिनों में और वो कितने दिनों में जारी किया जाता है ग्यारह दिनों में और ये दो से पहले या दो से पहले मेजर इंडेक्स होता था और जैसे उर्जित पटेल ने कहा कि जो टारगेटिंग इन्फ्लेशन है वो किसको किसको टारगेट करो सीपीआई को तो अभी मेजर इंडेक्स कौन सा है ये आजकल डब्ल्यूपीआई पे ध्यान नहीं दिया जाता वापस देखो देखो इसको। कौन करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिकल प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और इसको WPI को कॉमर्स में कौन सा कार्यालय आर्थिक सलाहकार इकोनॉमिक एडवाइजर का और वो एनएसओ ये कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की डब्ल्यू प्राइमरी आर्टिकल्स प्राथमिक वस्तुएं। कितनी वस्तुएं टोटल 117 डब्ल्यूटीपीआई ईधन और ऊर्जा कितने वस्तुएं 16 डब्ल्यूपीआई मैन्युफैक्चरिंग गुड्स 564 टोटल कितनी है 697 और उधर ग्रामीण शहरी और दोनों ग्रामीण शहरी और दोनों जो है वो तीन प्रकार की होती है इसकी पूरी भारत में एक ही गणना होती है कोई रीजनल नहीं होती और वो रीजनल भी होती है इसमें सिर्फ वस्तुओं होती है और सीपीआई में वस्तु और सेवाएं दोनों होती है इसमें फूड का वेटेज बहुत कम है और उसमें फूड का वेटेज बहुत ज्यादा है और इसका बेस ईयर 2011 उसका भी 2011 हजार ग्यारह यार दिन में वह हर 11 दिन के अंदर जो है वो जारी की जाती है पहला क्या खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है अधिक है तो थो, तो इसमें थोक मूल्य में तो कितना होता है 20 है 20 के करीब और उसमें चालीस परसेंट यानी पहला तो सही है डब्लूपीआई सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसा कि सीपीआई करता है डीपीआई डब्लूपीआई डॉट कैप्चर चेंजेस इन प्राइस ऑफ सर्विस विच सी पी डज सही है सही है सही है, सही है. भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रा स्मृति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण के लिए डब्लू को अपना लिया है नहीं किसको अपनाया है सीपीआई को अपना लिया यानी ये वाला ऑप्शन गलत है पहला और दो यानी आंसर क्या हो गया जो है वो आंसर हो गया फिर कुछ ये तो हुई जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जो जारी की जाती है डब्ल्यू और सीपीआई कुछ सीपीआई जो है कौन जारी करता है लेबर ब्यूरो भी जारी करता है कौन जारी करता है लेबर ब्यूरो जो आपका श्रम ब्यूरो होता है वो भी जारी करता है शिमला के अंदर स्थित है श्रम ब्यूरो जो है वो दो प्रकार की सीपीआई जारी करता है एक तो रूरल और एक अर्बन एक तो जो है ग्रामीण होती है और एक शहरी ग्रामीण जो होती है वो दो प्रकार की होती है सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर गाँव के अंदर कृषि के एग्रीकल्चर के जो लेबर हैं उनके कॉस्ट में कितना परिवर्तन हुआ उनके प्राइसेस में कितना चेंज हुआ उनके दृष्टिकोण से और दूसरा नॉन एग्रीकल्चर लेबर जारी करता है और अर्बन के अंदर सिर्फ इंडस्ट्रियल वर्कर भाई लेबर ब्यूरो है तो सिर्फ लेबर की बात करेगा तो लेबर या तो एग्रीकल्चर में हो सकते हैं या नॉन एग्रीकल्चर में हो सकते है। हैं एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर वाली बातें तो गांव में होगी और शहरों में अगर कोई काम करेगा तो कहाँ पर करेगा उद्योगों में काम करेगा तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स की तो ये सारी सीपीआई कौन जारी करता है लेबर ब्यूरो जो है लेबर ब्यूरो जारी करता है सीधा सीधा ही पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंक्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए कौन निकालता है लेबर ब्यूरो जो है वो निकालता है इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेटर्स मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाता है ऋणिया क्या होते हैं ऋणिया क्या होते हैं डेटर्स मतलब जो जिसने ऋण एक 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 तो 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 क्रेडिटर क्रेडिटर और और जिन्होंने जिन्होंने ऋण ऋण दिया है डेटर लिया एक तो ऋण दाता और एक ऋण प्राप्त करने वाला व्यक्ति तो ऋण प्राप्त करने वाले को क्या होता है लाभ होता है तो ऋण प्राप्त करने वाले को लाभ होता है इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बेनिफिट बॉन्ड होल्डर्स बॉन्ड होल्डर मतलब ऋण दाता जिसने बॉन्ड कौन होल्ड करेगा बॉन्ड पे जिसने पैसे दिए तो पैसे दिए तो ऋणदाता हो गया तो ऋणदाता हुआ तो ये इसको बेनिफिट होता है क्या इसको तो नुकसान होता है तो इसको तो नुकसान होगा आंसर क्या हो जाएगा ए फिर एक और होता है ये सब तो डब्ल्यू पी आई सीपीआई वगैरह तो है कुछ एक यूरोप के अंदर एक और चीज निकालते हैं उसको कहते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भाई अपन ने कहा कि उत्पादक होता है उत्पादक से कौन लेता है होलसेलर और होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर अब ये उत्पादक भी तो कहीं से चीजें लेता होगा फिर ही बनाता होगा कोई चीज को तो उत्पादक के दृष्टिकोण से देखा जाए कि उसको कितना प्राइस में जो है क्या हो रहा है चेंज हो रहा है उसके कितने प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसके आधार पर क्या निकालते हैं प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है वो निकाला जाता है पर भारत में नहीं निकालते ये ओईसीडी कंट्रीज जो है वहां पर निकालते मतलब यूरोपीय देश जो है उन यूरोपीय देशों में निकालते हैं भारत के अंदर तो सीधापन क्या निकालते हैं या तो होलसेल निकालते हैं या कंज्यूमर निकालते हैं इंडिया के अंदर इसका प्रयोग नहीं किया जाता परंतु तो फिर भी एक ऐसा इंडेक्स भी होता है जिसके अंदर प्रोड्यूसर का प्राइस इंडेक्स जो है वो भी देखा जाता है आधार प्रभाव बेस इफेक्ट क्या होता है पिछले साल बेस जो है वो कैसा रहा था बेस के आधार पर कई बार अपन को जो है वो इन्फ्लेशन की जो पिक्चर है वो सही नहीं दिखती क्यों नहीं दिखती बेस इफेक्ट के कारण किसके कारण बेस इफेक्ट कर मतलब मान लो कि कोई चीज है वो पहले सौ रुपए की थी 2019 में कोरोना का लॉकडाउन लग गया उसके खराब हुई वही चीज पचास रुपए की मिल रही है पचास रुपए कीमतें क्या हो इसमें हो गया. के हुई है कम हुई है, कम हुई है. फिर दो हजार इक्कीस आया और 2021 के अंदर ये पचास रुपए की जो चीज है वो वापस कितने की मिलने लग गई सौ रुपए और आप कहोगे तो जो 100 परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया पर ये क्या बात सही है कि इन्फ्लेशन सौ से बढ़ गई भाई तो ये तो इसलिए बढ़ा हुआ दिख रहा है क्योंकि ये जो बेस है वही क्या है बहुत कम है और ये बेस कम क्यों है? क्योंकि पहले चीजें क्या हुई थी सस्ती हुई थी पहले चीजें सस्ती हुई थी पहले चीजें सस्ती हुई इसके इस रेस्पेक्ट में देख रहे हो इसलिए आपको क्या दिख रही है ज्यादा परंतु अभी भी 2019 फिर 2020 और फिर 2019 हजार उन्नीस तो ये दोनों प्राइस तो अभी भी क्या है बराबर तो यानी कीमतों में अभी भी कोई बहुत ज्यादा बड़ी वृद्धि नहीं हुई है। सिर्फ बड़ी वृद्धि हमको दिख क्यों रही है बेस इफेक्ट के कारण क्योंकि आपका बेस जो है वो क्या है बहुत छोटा है अगर ये बेस बड़ा होता तब क्या होता तब हो सकता है कि हमको कुछ और चीज दिखती भाई ये बेस जो है वो ऐसा होता कि साहब सौ रुपए की चीज थी ये दो सौ की मिलने लग गई ये चीज कितने की, की मिल रही है दो सौ की मिल रही है और फिर दो हजार इक्कीस में वापस वही तो सौ की मिल रही है अब आप कहते नहीं नहीं है है तो डिफ्लेशन डिफ्लेशन हो गया अरे हुआ ये करेक्शन हुआ है पहले क्या हो गया था चीजें एकदम से बढ़ गई थी और आप किसके रेस्पेक्ट में देखते हो बेस के रेस्पेक्ट में देखते हो पिछले साल से कंपेयर कर रहे हो और पिछले साल से कंपेयर करना सही नहीं है क्योंकि पिछले साल कीमतों में बहुत बड़ा क्या आया था उतार चढ़ाव आया था इसलिए जैसे अभी आया ना कोई जीडीपी के डेटा आए थे और कहा साहब वो जीडीपी जो है कितनी बीस परसेंट तीस परसेंट से ग्रो कर रही है अब जीडीपी कोई बीस परसेंट तीस परसेंट से ग्रो नहीं कर रही है जीडीपी तो अभी भी 2019 वाले लेवल के आसपास पहुंची है पर क्योंकि पिछले साल कमी बहुत ज्यादा हो गई थी इसलिए अब हमको क्या दिख रही है ग्रोथ जो है वो दिख रही है ठीक है तो वो किसके कारण आता है ये बेस इफेक्ट इसी को क्या कहते हैं बेस इफेक्ट जो है है वो कहा जाता तो मुद्रा स्फीति की दरों में पिछले वर्ष की कीमतों से प्रभावित होती है यदि पिछले वर्ष में कीमतों में भारी कमी आई है तो अगले वर्ष डेटा उच्च मुद्रा स्फीति दिखाता है और यदि पिछले वर्ष में मुद्रा स्फीति की दर में की तुलना में बहुत अधिक है तो डेटा बहुत कम स्फीति दिखाता है ठीक है तो ये पिछले वर्ष के आधार पर जो चीजें कैलकुलेट होती है इसको क्या कहा जाता है बेस इफेक्ट जो है बेस इफेक्ट कहा जाता है तो ये हो गया अपना इन्फ्लेशन वाला चैप्टर पूरा अब इन्फ्लेशन के बाद में राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय कह रहे राजकोषीय नीति राजकोषीय नीति राजकोषीय नीति, नीति के बाद नेशनल इनकम नेशनल इनकम के बाद ग्रोथ और एच वगैरह वो सब और फिर क्या है उसके बाद तो क्या बचा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा फिर पॉलिसी राजकोषीय नीति राजकोषीय नीति क्या होती है के कोष की नीति राज का सरकार का कोष है सरकार के कोष में कहीं से तो पैसा आता है और कहीं पैसा जाता है सरकार का कोष है इसमें कहीं से तो पैसा आता है पैसा आता है तो होती है प्राप्तियां और पैसा जाता है उसको क्या कहते हैं खर्च व्यय उसको क्या कहते हैं व्यय कहते हैं एक्सपेंडिचर कहते हैं ठीक है अरे ये ज्यादा एक साथ मत जाओ भाई धीरे धीरे जाओ ये डिस्टर्ब होता है ना इससे हाँ, तो प्राप्तियां और व्य तो ये हो गई आय और मतलब आय का नहीं सरकार की प्राप्ति और व्यय की जो नीति होती है उसको क्या कहते हैं अपन राजकोषीय नीति कहते हैं और राजकोषीय नीति को किससे लागू किया जाता है बजट के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं बजट हर साल पेश किया जाता है और बजट जो है वो पेश करना क्यों जरूरी है क्या जरूरी है बजट पेश करना हाँ बजट पेश करना जरूरी है पर क्या संविधान के अंदर बजट शब्द का प्रयोग किया गया नहीं किया गया आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 में क्या कहा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो पेश किया जाना चाहिए बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया बजट एक पॉपुलर शब्द है ठीक है उसका प्रयोग जो है वो संविधान के अंदर नहीं किया गया भारत में सबसे पहला बजट जो है 1860 में पेश हुआ था किसने किया था जेम्स विल्सन ने जो है वो 1860 में किया था स्वतंत्र भारत में षणमुखम शेट्टी ने किया था 1947 के अंदर आजादी के बाद में ठीक है फिर भारत के अंदर जो है वो तो हो गए बजट कौन पेश करता है वित्त मंत्री वित्त मंत्री करता है कहां पर लोकसभा संसद में भी कहां पर लोकसभा में करता है लोकसभा में करता है किसके बिहाव पर करता है राष्ट्रपति के बिहाव पर जो है वो बजट पेश किया जाता है और जब कब पेश करते हैं फरवरी के पहले दिन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को फरवरी के पहले कार्य दिवस को पेश किया जाता है और 2017 से पहले कब करते थे फरवरी के लास्ट वर्किंग डे लास्ट वर्किंग डे अंतिम कार्य दिवस को पेश किया जाता था यानी 2017 में बजट के अंदर कुछ परिवर्तन किए गए टोटल कितने परिवर्तन किए गए थे तीन बड़े परिवर्तन थे पहला तो बजट पेश करने की डेट को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया दिया गया दूसरा ये गया गया चेंज दूसरा कहा रेल बजट और आम बजट दोनों को क्या कर दिया गया मर्ज कर दिया रेल बजट और आम बजट को मर्ज कर दिया गया किस समिति की सिफारिश पर किया गया था विवेक देवराय कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया था विवेक

1924 में किया गया। कौन सी थी? क्या कर दिया खत्म कर दिया जो आपका योजनागत और गैर योजनागत व्यय जो है इसके भेद को समाप्त कर दिया गया योजनागत व्यय प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता था फाइव ईयर प्लान को अचीव करने के लिए जो खर्चा किया जाता था उसको कहते थे प्लान एक्सपेंडिचर क्योंकि अब योजना आयोग ही खत्म कर दिया है फाइव ईयर प्लान ही खत्म कर दिए गए तो फिर योजना में गया हो गया? तो गया, और उसके तो के साथ ही फाइव ईयर प्लान जो है हो क्या हो गए खत्म हो गए और वो खत्म हो गए तो ये जो भेद था वो भी क्या हो गया वो समाप्त तो हो गया ये सब चेंजेस जो है वो किए गए बजट कितने बजे पेश किया जाता है सुबह ग्यारह बजे पेश किया जाता है 1999 से पहले शाम को पांच बजे जो है पेश किया जाता अंग्रेजों के काल से चले आ रहा था क्योंकि तो शाम को यहाँ शाम होती थी तो वहां ब्रिटेन के अंदर सुबह दिन होता था इसलिए इंग्लैंड के लोग जो है वो देख सके भारत के बजट को इस वजह से शाम को पांच बजे करते थे परंतु फिर 99 के अंदर कहा कि नहीं अब अब तो इंग्लैंड में कोई देखने वाला बचा नहीं है अब तो भारतीयों को ही दिखाना है तो कम से कम सुबह पेश करो ग्यारह बजे तो इसलिए अब क्या करते हैं ग्यारह बजे उसको पेश किया जाता है ठीक है बजट पेश करने से एक दिन पहले जो आर्थिक समीक्षा है वो पेश की जाती है आर्थिक समीक्षा पेश और आर्थिक समीक्षा को कौन लिखता है लिखने का काम कौन करता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन करता है मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, है? कृष्णमूर्ति सुब्र, सुब्रमण्यम हाँ तो उसने रिजाइन कर दिया है तो अभी तो कोई नहीं है कुछ दिन पहले अभी एक दो दिन पहले ही

और प्राइम मिनिस्टर का इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल वो अलग है और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अलग है बजट कौन सा विभाग तैयार करता है वित्त वित्त मंत्रालय मंत्रालय में में आर्थिक में एक विभाग होता होता है जिसका नाम होता है जिसका क्या क्या नाम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है उसके अधीन एक बजट का डिवीजन होता है एक बजट का अलग से विभाग होता है और बजट डिवीजन के अंदर बजट के सारे काम जो है वो चलते हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां चलते हैं और वित्त मंत्री बजट पेश करता है एक फरवरी को और फिर ये कोशिश की जाती है कि उसको 31 मार्च से पहले पहले क्या कर लिया जाए पास करवा लिया जाए और पिछले जब से 2017 के बाद से जब जब पेश किया है तो 31 मार्च से पहले पहले क्या कर लेते हैं बजट को पारित करवा लेते हैं पारित करवाने से फायदा क्या होता है अब आपको वोट ऑन अकाउंट की जरूरत नहीं है वोट ऑन अकाउंट क्या होता है कुछ समय के लिए जो टेम्परेरी सरकार के खर्चे हैं जब तक बजट पास नहीं हो जाए तब तक टेम्परेरी और जो नेसेसरी खर्चे हैं वो करने के लिए संसद से जो अनुमति होती है उसको कहते हैं वोट ऑन अकाउंट और अब आपको वोट ऑन अकाउंट की जरूरत नहीं वोट अकाउंट को हिंदी में कहते हैं तो वोटिंग की अब कोई जरूरत नहीं अब उनको पास जो है वो नहीं किया जाता ठीक है तो ये सब बातें जो है वो बजट बजट की की प्रक्रिया प्रक्रिया में में और में, जो <São> डॉक्यूमेंट होता है जो भी आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कुछ ऐसा दिखता है उसके अंदर जो है तीन वर्ष के क्या होते हैं आंकड़े होते हैं कितने वर्ष के होते हैं तीन वर्ष के आंकड़े होते हैं जैसे एक तो 2019-20 का आंकड़े दो हजार बीस इक्कीस के आंकड़े और दो हजार इक्कीस बाईस के आंकड़े तो वर्ष पिछला वित्तीय वर्ष और आगामी यह दो हजार इक्कीस को एक फरवरी दो हजार इक्कीस को हुआ तो वर्तमान वित्तीय वर्ष कौन सा हो गया दो हजार बीस इक्कीस वर्तमान वित्तीय वर्ष कौन सा हुआ दो हजार बीस इक्कीस क्यों वो कब खत्म होगा इकतीस मार्च को खत्म होगा और आप तो ए, 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 एक फरवरी को दे रहे हो आगामी वित्तीय वर्ष कौन सा हुआ इक्कीस बाईस

पता लग गई है भाई एक फरवरी है तो एक फरवरी से तो पीछे घूम के देखो तो आपको एक साल की बातें जो है वो पता लग जाएगी कि भाई क्योंकि जब बजट पेश हुआ होगा पिछले साल का जब बजट पेश हुआ होगा तो कब हुआ होगा एक फरवरी 2020 को पेश हुआ होगा अब एक, एक फरवरी 2020 को ये सोचा गया कि अगला वित्तीय वर्ष आएगा यानी ये 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष है इसमें क्या रहेगा तो सरकार ने कुछ आंकड़े लगाए होंगे अनुमान लगाए होंगे कि इतनी हमें आय होगी इनकम टैक्स से इतनी आय हो जाएगी जीएसटी से इतनी आय होगी यहाँ हमारा खर्च होगा ये हमारा खर्च होगा पर सरकार को भविष्य के बारे में कुछ पता नहीं किसी को भी नहीं पता एक फरवरी को सरकार को नहीं पता था कोरोना का लॉकडाउन लगेगा और फिर मार्च में लगा वो तो तो मार्च में लगा तो उनको मार्च में जाकर पता लगा कि यार अब तो अब स्थितियां क्या रहेगी अलग रहेगी तो यहां पर बजट अनुमान अलग होता है और रिवाइज एस्टिमेट अलग होते हैं तो इस तरीके से ये और फिर अगले वर्ष का वापस क्या लगाओगे अनुमान लगाओगे तो अगले वर्ष के ये जो है अनुमानित आंकड़े होते हैं ये तो आते हैं किसके बजट में ये जो है वो पेश होते हैं अब बजट का स्ट्रक्चर क्या होता है तो बजट का जो स्ट्रक्चर होता है बजट को किसमें डिवाइड किया जाता है एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट को ये दो पार्ट्स में रेवेन्यू का अकाउंट और कैपिटल का अकाउंट एक तो रेवेन्यू के राजस्व और दूसरा पूंजी आ गया ये तो बजट जो है वो कितने भागों में डिवाइडेड होता है दो होता है एक तो राजस्व और दूसरा पूंजी एक तो होता है रेवेन्यू और दूसरा होता है कैपिटल रेवेन्यू को वापस दो भागों में विभाजित करो Receipts और एक्सपेंडिचर प्राप्तियां और वह एक तो प्राप्तियां होती है और दूसरे वे होते हैं कैपिटल ये भी दो साइड में डिवाइड होता है वही प्राप्तियां और वह रिसीट्स और एक्सपेंडिचर राजस्व की प्राप्तियों में क्या क्या आती है टैक्स और नॉन टैक्स या तो कर में पैसे आए हैं आपके पास या नॉन टैक्स में या तो आपके टैक्स में आए या फिर नॉन टैक्स में टैक्स दो प्रकार के होते हैं डायरेक्ट और इंडायरेक्ट या तो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है नॉन टैक्स में

आरपीएससी का आपने फॉर्म भरा, तो मिलेगी? मिलेगी। पुलिस पुलिस है। है? सुरक्षा की सेवा जो है वो दी जाती है तो ये भाई जुर्माना वगैरह लगाती है ना तो पैसे आते हैं पैसे आते हैं तो ये टैक्स के तो पैसे नहीं है नॉन टैक्स नॉन टैक्स के रेवेन्यू रिसीट्स है इंटरेस्ट सरकार ने किसी को पैसे दिए थे और पैसे पर सरकार को मतलब उधार में पैसे दिए और वापस क्या मिला है ब्याज तो ब्याज जो है वो किसमें आता है रेवेन्यू के रिसिप्ट कौन से हैं नॉन टैक्स गैर कर ग्रांट अगर कहीं से क्या प्राप्त की गई है ग्रांट अनुदान जो है प्राप्त किए गए और अगर सरकार की कोई परिसंपत्तियां और परिसंपत्तियों में क्या प्राप्त किया गया है कोई डिविडेंड या तो जैसे रेवेन्यू की रिसिप्ट तो सरकार को क्या मिल रही है कई प्रकार की सेवाएं दी जा रही है वस्तु और सेवाएं सरकार वस्तु और सेवाएं देती है और वस्तु और सेवाएं देती है सामने क्या लेती है पैसे लेती है पैसे लेती है तो ये पैसे कैसे हैं नॉन टैक्स है ये कैसे हैं नॉन टैक्स ठीक है इसके अलावा नॉन टैक्स यहां से तो अब आरपीएससी की चाहे सेवा हो चाहिए जैसे मैगजीन आती है योजना आप खरीदते हो मैगजीन आप नहीं खरीदते होंगे पर कोई भी खरीदे तो खरीदे तो उसको सरकार ने बनाई है इसको तो बनाई है तो वस्तु दिए और सामने क्या लिए पैसे लिए तो फिर आता है ये इसमें क्या है इंटरेस्ट ये क्या है ब्याज आपने किसी को सरकार ने किसी को उधार में पैसे दिए थे और वापस प्राप्ति है पर कैसी प्राप्ति है नॉन टैक्स कैसी प्राप्ति है नॉन टैक्स सरकार की ये बहुत सारी कंपनियां होती है सरकारी कंपनियां जैसे ये एन ये, ये सब क्या है सरकार की कंपनी और ये अगर लाभ कमाए अगर ये क्या करमाए लाभ कमाए लाभ कमाएगी तो मालिक को मालिक कौन है सरकार है तो सरकार है तो सरकार को या तो लाभ देगी अगर अकेली सरकार मालिक है तो लाभ दे देगी और सरकार के पास थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग है तब सरकार को लाभांश दे देगी, तो तो देगी या तो लाभ देगी या लाभांश तो यानी सरकार के पास पैसे तो आएंगे और पैसे आएंगे तो मतलब प्राप्ति है पर क्या टैक्स की प्राप्ति है नहीं टैक्स की नहीं है ये क्या है नॉन टैक्स ये गैर कर प्राप्ति है तो गैर कर प्राप्ति आती है किसी वर्ल्ड बैंक आई एम एफ वहां से आपने क्या किया कोई उन्होंने अनुदान दिए लोन नहीं लिया आपने क्या दिया उन्होंने

अगर राज्य सरकार को लोन दिया है तब तो राज्य सरकार इसको क्या देगा ब्याज देगा ब्याज देगा तो ये तो रेवेन्यू की रिसीट्स है पर केंद्र सरकार ने खुद ने लोन लिया है हम जानते हैं कि केंद्र सरकार जो है वो आंतरिक और बाहरी ऋण लेती है भारत के अंदर से भी लेती है और बाहर से भी आंतरिक ऋण होते हैं आरबीआई प्रबंधन करता है बाहर ऋणों का प्रबंधन खुद करते हैं कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी किए ट्रेजरी बिल जारी किए तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल जारी किए तो इस पर क्या चुकाना पड़ेगा देना देना तो खर्च है पैसा जाएगा? पैसा जाएगा, तो और कैसा खर्चा का. का तो आपको दे रहा था, Bank, IMF, था एक आपने भी किसी को दी हुई है केंद्र सरकार भी क्या कर दे किसी को ग्रांट दे दे किसी राज्य को ग्रांट दे दे किसी यूनियन टेरिटरी को ग्रांट दे दिया किसी दूसरे देश को दे दिया जैसे नेपाल के अंदर भूकंप आया तो नेपाल में ने भूकंप आया तो उनको कुछ पैसे दिए कि यार आपके यहाँ भूकंप आया लो हम आपको कुछ सहायता कर देते हैं ये वापस मत चुकाना तो वो क्या है ग्रांट तो ग्रांट आपने किसी को दी तो ग्रांट दिए तो खर्चा हुआ है पैसे गए हैं पैसे गए हैं तो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर कैसा एक्सपेंडिचर है ये रेवेन्यू का सरकारी कार्यालय जितने सरकारी कार्यालय इनके ऑपरेशन का कुछ खर्चा लगता होगा इसमें ये इतने लोग हैं एक कंप्यूटर चला रहे हैं तो बिजली जलती होगी पंखा चला रहे हैं तो, तो चीजें होती है कहीं खराब भी होती होगी उनका रिपेयर रिपेयरमेंट होता होगा कहीं ये पेपर है तो पेपर कहीं से प्रिंट होते होंगे प्रिंट होते होंगे, कहीं से खरीदे भी जाते होंगे तो सरकारी कार्यालय उसको चलाना पड़ता है और उसके सरकारी कार्यालय के चलाने के भी क्या लगता है खर्चा लगता है और खर्चा लगता है तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स होगा फिर सरकार के जितने कर्मचारी उनकी सैलरी उनकी सैलरी देनी पड़ती है तो वो भी आपका खर्चा है खर्चा कैसा खर्चा है रेवेन्यू का फिर सरकार डिफेंस के ऊपर कई ऐसे खर्चे करती रहती है ये छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त को टैंक लेके घूमते रहते हैं दिल्ली के सड़कों पर तो ये टैंक ऐसे थोड़ी चलता है इसमें को तेल वेल लगता होगा इसको कहीं से लाए होंगे लाए होंगे तो उस बात का भी खर्चा लगा तो लगाए तो ये कैसा खर्चा है रेवेन्यू का खर्चा है ये कैसा खर्चा है राजस्व का खर्चा है किस कॉन्सेप्ट के लिए लग रहा है डिफेंस इसके अलावा एक और होता है जो इसमें है नहीं वो है सब्सिडी वो कौन सा है सब्सिडी जो भी सब्सिडी दी जाती है प्रधानमंत्री किसान जो योजना है छह हजार रुपए जो है वो दी जाएगी तो छह हजार रुपए दिए जाएंगे तो सरकार की तरफ से गए और सरकार की तरफ से गए तो खर्चा हुआ सरकार का तो सरकार खर्चा पर कौन सा खर्चा है ये राजस्व का खर्चा ऐसे खर्चों को क्या कहा जाता है राजस्व तो राजस्व की प्राप्तियां और राजस्व के खर्चे राजस्व की प्राप्ति में क्या क्या आता है देखो देखिए क्या क्या होता है सबसे पहला क्या है ये ये सब क्या है वस्तु और सेवाओं को प्राप्तियां दो प्रकार की होती है टैक्स और नॉन टैक्स टैक्स में तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नॉन टैक्स गैर कर में सरकार के द्वारा वस्तु और सेवाएं जो दी गई है वो और सरकार के द्वारा क्या प्राप्त किया गया है ब्याज ब्याज जो प्राप्त किया गया है सरकार की कंपनियां सरकार की कंपनियां तो क्या मिलेगा लाभ या लाभांश या तो प्रॉफिट या डिविडेंड ये प्राप्त होगा और यहां से क्या मिलेगा ग्रांट इनसे क्या मिलेगा ग्रांट वगैरह जो है मिल जाएगा फिर रेवेन्यू के कुछ खर्चे होंगे खर्चों में सबसे पहला क्या आएगा ब्याज जो आपने चुकाया है चुकाया गया ब्याज दूसरा ग्रांट ग्रांट भी किसी को दी है ठीक है सरकार के जो सरकारी कार्यालय का है उनके ऑपरेटिंग का खर्च सैलरी पैसे मतलब क्या है सैलरी है और डिफेंस के ऊपर जो खर्चा हो रहा है और फिर सब्सिडी ये सब क्या है सरकार के कौन से खर्चे हैं राजस्व के खर्चे फिर आता है कैपिटल पूंजीगत तो पूंजीगत रिसीट्स भी हो सकती है और खर्चे भी हो सकते हैं कैपिटल के एक्सपेंडिचर भी होते हैं और कैपिटल के खर्चे भी होते हैं अब देखो कैपिटल के जो एक्सपेंडिचर है उस एक्सपेंडिचर में पूंजीगत खर्च है पूंजीगत खर्च जो होता है उसके अंदर सरकार के द्वारा अगर किसी को क्या दिया गया है लोन दिया गया केंद्र सरकार ने क्या दिया किसी को लोन दिया केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लोन दिया लोन दिया तो ये पैसे गए और पैसे गए तो क्या हुआ खर्चा हुआ और खर्चा हुआ तो कौन सा खर्चा ये पूंजीगत खर्च है कैसा खर्चा ये पूंजीगत खर्च एक तो ये तो नया लोन है ये तो क्या है नया लोन है जिसमें भविष्य में क्या मिलेगा ब्याज जो है वो मिलेगा एक केंद्र सरकार ने खुद ने कहीं से उधार लिया था वो तो ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट सिक्योरिटी के तहत क्या लिया था उधार लिया था और अब उस उधार को चुकाने का समय आ गया और केंद्र सरकार ने कहा कि साहब हमने ये नाइनटी डे के ट्रेजरी बिल थे तो नाइनटी डे में क्या कर दिया चुका दिए चुका दिए पैसे चुकाए तो ऋण क्या किया गया चुकाया गया और चुकाया गया ऋण है तो भी सरकार की तरफ से तो पैसे जाएंगे और पैसे जाएंगे तो खर्चा हुआ है और ये खर्चा कैसा है कैसा खर्चा है ये कैपिटल तो ऋण या तो नए ऋण दिए हो या पुराने ऋण चुकाए गए हो तो ये कैसे हैं कैपिटल खर्च इसके अलावा सरकार अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करती है तो वो भी क्या माना जाता है कैपिटल का खर्चा माना जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर सरकार को हाईवे बनाए नई रेलवे लाइंस बिछाए कोई नए पोर्ट को बनाए कुछ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नए कोई एयरपोर्ट बना दे ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अलावा सरकार कोई पुरानी कोई नई कंपनी खोल दे सरकार ने क्या खोल दी है कोई नई कंपनी खोल दी जैसे अभी अपन ने देखा था वो जो बैड बैंक एन किसकी कंपनी है सरकार की है. अब सेल पैसे कमाए उसने जो है वो किसी बैंक से साठ करोड़ साठ करोड़ का, करोड का लोन लिया और सत्तर करोड़ कमा लिए वसूली में कितने कर लिए तो दस करोड़ कमाए दस करोड़ कमाए तो सरकार के पास में पैसे आए हैं ठीक है ठीके? पर ये जो कंपनी शुरू में खोल लिया आपने शुरू में खोली तो कुछ पैसे लगे जैसे मैंने कहा था उसमें तीस हजार छह सौ करोड़ रुपए की सरकार ने क्या किए सिक्योरिटी रिसीड जो है वो दिए तीस हजार छह सौ करोड़ रुपए सरकार ने उसमें पहले शुरू में लगाए हैं लगाए हैं तो सरकार का क्या हुआ है खर्च हुआ है और वो खर्च कैसा है कैपिटल का खर्च देखो कैपिटल का जो खर्च होता है पूंजीगत जो खर्च होते हैं उसके अंदर क्या होती है परिसंपत्तियां एसेट्स क्या हो गया परिसंपत्तियां तो बढ़ती है क्या होती है परिसंपत्तियां बढ़ती है या तो परिसंपत्तियां बढ़ती है या, तो या लाइबिलिटी कम होती है या तो आपकी एसेट्स बढ़ेगी या लाइबिलिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अब मुझे बताओ नया लोन दिया नया लोन दिया एसेट्स बढ़ी है या कम हुई है मैं नया लोन दोगे तो कल को आपको इनकम होगी किसमें ब्याज में ब्याज में, में।, में इनकम होगी तो एसेट्स है पुराना लोन चुका दिया लोन चुका दिया ऋणों की चुकाती होगी ऋणों की चुकाती होगी तो क्या होगा तो भाई अब लायबिलिटी क्या हो गई कम पहले ज्यादा ऋण चुकाने थे अब कम चुकाने तो आपके ऊपर बोझ क्या हो गया कम हो गया तो ये, भी। ये जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो तो इससे भारत में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी तो सरकार को टैक्स में इनकम ज्यादा होगी और टैक्स में ज्यादा इनकम होगी तो यह भी क्या है सरकार की एसेट्स है एसेट्स से भी क्या हो रही है बढ़ रही है कोई नई कंपनी खोली है तो नई कंपनी में भी यह भी सरकार की क्या है एसेट है क्यों क्योंकि भविष्य में लाभ और लाभांचित से मिलेगा तो ये सब जो है कौन क्या, से खर्चे होते हैं कैपिटल तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में एसेट बढ़ती है लाइबिलिटी कम हो जाती है परिसंपत्तियां बढ़ती है और देनदारियां कम हो जाती है दूसरा होता है कैपिटल की प्राप्तियां रिसीट्स रिसीट्स में इसका उल्टा हो जाएगा एक तो एसेट्स और दूसरी है लाइबिलिटीज एसेट्स तो क्या हो जाती है कम और लाइबिलिटी क्या हो जाती है बढ़ जाती है जो आपकी पूंजीगत प्राप्तियां हैं उसमें एसेट्स कम हो जाती है और लाइबिलिटी बढ़ जाती है ऋण आपने नया ले लिया सरकार ने क्या लिया है ऋण लिया ऋण लिया है तो लाइबिलिटी बढ़ी है कम हुई है आपने नया ऋण लिया है तो कल को चुकाना पड़ेगा और चुकाना पड़ेगा तो लाइविलिटी क्या हो गई है बढ़ गई तो इससे डेट अगर आप लेते हो ऋण लेते हो तो लाइबिलिटी क्या हो जाती है बढ़ जाती है फिर कुछ होती है नॉन डेट कैपिटल रिसेप्ट में और दूसरी चीज क्या होती है नॉन डेट ऋण के अलावा भी आपके पास पैसे आ सकते हैं जैसे अभी यहां पर तो अपन ने नई कंपनी स्थापित की है अब पहले से कोई स्थापित कंपनी थी और उसको बेच दिया उसको कहते हैं विनिवेश क्या कहते हैं विनिवेश जैसे भी एयर इंडिया एयर इंडिया को बेचा इसको बेच दिया टाटा टाटा ग्रुप ने खरीदा अब टाटा ग्रुप ने खरीदा तो टाटा ग्रुप ने सरकार को क्या दिए पैसे दिए सरकार को सोलह हजार करोड़ कितने बिके तो अब जितने पैसे दिए तो वो सरकार के पास आए सरकार के पास, पास पैसे आए यानी प्राप्ति तो हुई है क्या ये टैक्स की है नहीं क्या ये नॉन टैक्स की है नहीं पर इसको बेचने से आपकी एयर इंडिया को तो क्या हो गई कम हो एक आपके पास में कंपनी कम होगी कम हो गई तो एसेट क्या हुए कम हुए। क्या हुए? कम हुए एसेट्स क्या हो गए हालांकि वो एसेट्स भी भी खुद ही बने हुए थे पर फिर भी उनको होता है दूसरा ऋणों की वसूली ऋणों की क्या कर ली गई है वसूली रिकवरी कर ली ऋण दिए हुए थे रिकवर कर लिए पैसे वापस आए पैसे वापस ले आए तो अब पहले जब दिए हुए थे तब तो उससे क्या मिल रहा था ब्याज मिल रहा था अब एक बार ऋण किसी ने पूरा चुका दिया उसका मूलधन चुका दिया तो आगे से आपको ब्याज नहीं मिलेगा यानी वो नॉन टैक्स के अंदर जो पैसे आ रहे थे वो पैसे नहीं आएंगे ये होते हैं सरकार के क्या कैपिटल और रेवेन्यू के खर्चे और प्राप्तियां यही होता है बजट और कुछ नहीं होता ये बजट कितने प्रकार से डिवाइडेड होता है दो राजस्व और पूंजी रेवेन्यू और कैपिटल रेवेन्यू के कितने भाग होते हैं दो प्राप्तियां और वे पूंजी के भी दो प्राप्त रिसीड्स और एक्सपेंडिचर प्राप्तियां और वह प्राप्तियां कितने प्रकार की होती है दो टैक्स और नॉन टैक्स कर और गैर कर कर कितने प्रकार के हैं दो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गैर कर में सरकार के द्वारा बेची गई वस्तु और सेवाएं गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड बाय गवर्नमेंट प्राप्त किए गए ब्याज इंटरेस्ट रिसीव्ड प्राप्त किए गए अनुदान कोई ग्रांट्स कोई वर्ल्ड बैंक प्राप्त किए गए लाभ और लाभांश जो आपकी कंपनी है उनसे आप लाभ और लाभांश प्राप्त करते हो व्यय में क्या आता है चुकाया गया ब्याज आपने कितना ब्याज चुकाया क्योंकि ऋण ले रखा था तो ब्याज चुकाना पड़ेगा सब्सिडी कोई नई योजना वगैरह शुरू की है। सरकार के संचालन का खर्च चुकाई गई सैलरी रक्षा का खर्च डिफेंस का खर्च और दिए गए अनुदान ये सब किस में आते हैं व्यय में आते हैं पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय पूंजीगत व्यय में चुकाए गए ऋण पुराने ऋण थे चुका दिए लाइवलिटी क्या हो गई कम हो गई दिए गए नए ऋण नए ऋण दिए एसेट्स बढ़ गई एसेट्स बढ़ गई परिसंपत्तियों का निर्माण कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई नया पीएसयू कोई नया पब्लिक सेक्टर यूनिट जो आपने खोल दिया पूंजीगत प्राप्तियों में दो प्रकार की होती है ऋण और गैर ऋण या तो आप ऋण या गैर ऋण हालांकि अभी ऋण जो है वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं आंतरिक और बाहरी आंतरिक का तो प्रबंधन आरबीआई करेगा बाहरी का सरकार करेगी और इसको और भी डिवाइड किया जा सकता है

भाई वो क्या करेगा बैंक उसको खरीदना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी पड़ेगी यानी सरकारी परिसंपत्तियों में निवेश करना पड़ेगा तो आंतरिक ऋण जो होते हैं ज्यादा होते हैं बाहरी कम होते हैं ठीक है तो ये होते हैं बजट के अंदर अब होते हैं बजट के तो ये वाला क्वेश्चन देखो कर लिया था शादी क्या कर दू फोटो क्लिक करनी है अब क्या होगा थोड़े दिन बचे हैं फोटो क्लिक हो गई <laughs> मैं ये फोटो ये फोटो वापस देखी नहीं जाएगी अभी याद हो गए तो हो गए नहीं हुए तो फोटो की फोटो रह जाएगी <coughs> तो अभी अभी याद कर लो फोटो दिमाग में होनी चाहिए लो <coughs> <coughs> क्या है ये क्वेश्चन क्या इकोनॉमिक रिसेशन आ गया है तो सरकार को क्या करना चाहिए मांग को बढ़ाना चाहिए मांग को बढ़ाने मांग कैसे बढ़ाती है सरकार हम्म खर्चे क्या कर देगी ज्यादा कर देगी अभी तो इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में पढ़ाए ये मांग जनित इन्फ्लेशन कैसे होती है तो मांग जो डिमांड सरकार अपने सार्वजनिक जो खर्चे हैं उनको क्या कर देती है बढ़ा देती है सर बढ़ा देती है तो डिमांड क्या लग जाती है बढ़ने लगती है डिमांड अगर बढ़ने लग गई तो इन्फ्लेशन क्या होगी बढ़ने लग जाएगी

टैक्स रेट को बढ़ाओगे तो रिडक्शन ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक पब्लिक प्रोजेक्ट पे कम खर्चा कम कर कम खर्चा कम करोगे तो फिर लोगों को डिमांड कैसे बढ़ेगी तो आंसर बी ठंडी हो गई हल बचते निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ यूनियन बजट बजट की बज़िट, ब्याज की प्राप्तियां इंटरेस्ट प्राप्त होता है रेवेन्यू 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 अकाउंट अकाउंट में की रिसिट, में की रिसिट और तो की और रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर होते हैं आप किसकी बात कर रहा है ये राजस्व खाते की बात कर रहा है इसके अंदर प्राप्तियां और वह अभी इसने बताया है नहीं है तो प्राप्तियां भी हो सकती है और वह भी हो सकते हैं तो ब्याज की प्राप्तियां तो रेवेन्यू की

दौड़ो कि यूपीएससी वाले क्यों डराने की कोशिश करते हैं डराने के लिए दिए इतने सारे ऑप्शन बाकी दमनी which, in which, in India, in तो दमनीय ऑप्शंस में विच इन विच इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर निम्नलिखित कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है अगर फिक्सिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर ऑल फॉर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स तो एग्रीकल्चर का अगर आपने प्रोड्यूस का जो है क्या कर दिया है एमएसपी निर्धारित कर दी पर एमएसपी होती है सब्सिडी एमएसपी क्या होती है सब्सिडी होती है और सब्सिडी होती है और यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता कैपिटल का एक्सपेंडिचर होता है रेवेन्यू की एक्सपेंडिचर सब्सिडी क्या है रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्समेंट तो ये नहीं होगा

most of the india's external debt is owned by government entities भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी क्या इकाइयों सत्वों सत्वों के ऋणी होने का के द्वारा है most of the india's external debt is owned by, owned by कि भाई भारत में जितना भी विदेशी ऋण आता है विदेशी ऋण प्राइवेट सेक्टर भी ले सकता है और सरकार भी ले सकती है तो सारा का सारा किसने लिखा है most of the अधिकतर जो है वो सरकार का ही है और दूसरा है कि ऑल इंडिया इन यूएस डॉलर तो सारे के सारे यूएस डॉलर में लिए हुए वैसे ऑल शब्द लगा हुआ है शब्द है तो ये तो नहीं होगा ठीक है और ये वाली बात शायद सही है है तो, तो ए होना चाहिए ठीक फिर अब है डेफिसिट अब क्या है बजट के घाटे तो बजट के अंदर कितने घाटे होते हैं मेनली चार बड़े घाटे जो हैं वो होते हैं सबसे पहला कौन सा होता है रेवेन्यू का डेफिसिट रेवेन्यू का डेफिसिट क्या होता है ये राजस्व की इधर तो होता है एक्सपेंडिचर और इधर तो राजस्व की प्राप्तियां इन दोनों को क्या कर दो माइनस कर दो रेवेन्यू की एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू की रिसिट्स बराबर रेवेन्यू का डेफिसिट राजस्व घाटा जो है वो निकल जाता है पहला तो होता है राजस्व घाटा दूसरा दूसरा होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है? भाई ये ये जो की जो खर्च है वो सारा का सारा खर्च जो है वो ऐसा है जिससे एसेट्स का उल्टा होता है पर ये जो ग्रांट दी गई है ये इनका प्रयोग किसमें हो सकता है कैपिटल के क्रिएशन में किया जा सकता है पूंजी निर्माण में इसका प्रयोग हो सकता है इस वजह से किसको हटा दिया जाना चाहिए ये जो रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर इसमें से किसको हटा दो ग्रांट में से तो so, रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू का रिसिट्स और मैं अब क्या कर दूं इस रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर में से किसको घटा दूं ग्रांट को घटा दूं और माइनस फिर रेवेन्यू का जो रिशिट्स. तो अब ये इसको ऐसे लिख दूं माइनस आरआर माइनस ग्रांट ऐसे लिखा जा सकता है और ये आर ई माइनस आर 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 माइनस आर आर बराबर क्या होता है आर डी होता है रेवेन्यू का डेफिसिट होता है यानी रेवेन्यू का डेफिसिट लिख दूं इसकी जगह दू और माइनस क्या लिख दूं ग्रांट और ये क्या जाएगा

उसका मतलब होता है ये ऋण उसका मतलब क्या होता है ऋण आपने एक वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार के द्वारा सृजित कुल देयताएं टोटल लाइबिलिटीज क्रिएटेड इन अ सिंगल ईयर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक वित्तीय वर्ष में कितनी देयताएं कितना ऋण लिया गया है समझने के लिए क्या होता है एक वित्तीय वर्ष में कितना उधार लिया है सरकार ने एक वर्ष में कितना उधार लिया तो यानी उधार कहां होता है कैपिटल की रिसिट्स और उसमें डेट और ये कैसे कैलकुलेट होता है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं तो पहले तो पूरा का पूरा खर्चा निकाल लो सरकार का कितना खर्चा है कौन सा खर्चा है खर्चा एक तो इस तरफ लग रहा है कैपिटल का एक्सपेंडिचर लग रहा है और दूसरा इस तरफ लग रहा है कौन सा रेवेन्यू का खर्चा तो इन दोनों को मैं जोड़ दू रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर और कैपिटल का एक्सपेंडिचर इन दोनों को जोड़ दिया अब इसमें से क्या करूं घटाऊ रेवेन्यू के रिसीट्स को तो रेवेन्यू के रिसीट्स को घटा दिया माइनस कैपिटल के रिसीट पर कैपिटल रिसीट मुझे ये तो निकालना है और ये निकालना है तो मैं किसको लूंगा सिर्फ इसको कैपिटल का रिसीट लेना कौन से वाला नॉन डेट तो माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीट ये जो फॉर्मूला होता है ये किसका आता है फिजिकल डेफिसिट इससे क्या जाता है फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा जो है वो इस तरीके से निकाला जाता है तो राजकोषीय घाटे में क्या करते हैं कुल खर्च और उसमें से क्या कर दो टोटल एक्सपेंडिचर ये तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया माइनस

फिस्कल डेफिसिट सॉरी राज राजस्व घाटा प्रभावी राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा ये तीन तो मुख्य घाटे हो गए फिर एक क्या करते हैं तो राजकोषीय घाटा वो घाटा हुआ कि एक साल में आपने कितना ऋण लिया ऋण की बात कर रहे हैं यहां पर अब इस ऋण में से कितना पैसा ऐसा है जो कि ब्याज को चुकाने के लिए जा रहा है किसके लिए जा रहा है ब्याज को भाई ये पैसा ये ऋण में उधार ले रहे हो और उधार लेके खर्चे कर रहे हो इधर के खर्चे भी कर रहे हो और इधर के खर्चे भी कर रहे हो अब इसमें एक बड़ा खर्चा है कौन सा इंटरेस्ट वाला ब्याज में तो कितना पैसा है उधार में लिया हुआ कितना पैसा है जो कि किस में जा रहा है ब्याज के अंदर जा रहा है तो ब्याज में जा रहा है तो क्या करूं मैं उससे निकलता है प्राइमरी डेफिसिट क्या निकलता है प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है तो राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट और उसमें से क्या निकाल देते हैं इंटरेस्ट पेड जो ब्याज आपने चुकाया है उसको क्या कर दो घटा दो तो क्या आ जाएगा प्राथमिक घाटा आ जाता है तो घाटे कितने प्रकार के होते हैं चार मुख्य घाटे होते हैं सबसे पहला कौन सा है राज... सबसे पहला होता है राजस्व घाटा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू राजस्व का व्यय माइनस राजस्व की प्राप्तियां इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू डेफिसिट में ग्रांट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन राजस्व घाटा और उसमें से क्या कर दो पूंजी निर्माण के लिए अनुदान यानी अनुदान को क्या कर देते हैं घटा देते हैं। फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय और उसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट और माइनस नॉन डेट कैपिटल पूंजीगत व्यय और उसमें से क्या कर दो कुल व्यय माइनस माइनस राजस्व की और गैर ऋण पूंजीगत अब ये कुल cool व्यय बराबर क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर क्या है रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर और कैपिटल का एक्सपेंडिचर और ये नॉन डेट कैपिटल रिसीट क्या है तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट के अंदर होता है विनिवेश और

राजकोषीय घाटा जो है वो कितना रहा जो 2020-21 का संशोधित अनुमान था भाई पहले बजट अनुमान लगाया गया था साढ़े तीन परसेंट का बजट अनुमान तो कितना लगाया था साढ़े तीन परसेंट कि भाई हमको इस साल जीडीपी का साढ़े तीन परसेंट उधार लेना पड़ेगा परंतु फिर क्या हो गया कोरोना का लॉकडाउन हो गया लॉकडाउन के कारण सरकार की आय कम हो गई और खर्चे बढ़ गए और इसलिए सरकार को ऋण और ज्यादा लेना पड़ेगा और वास्तविक रूप में कितना रहा नाइन अगले साल कितना रहने का अनुमान है 6.8 परसेंट रहने का अनुमान है। अगले साल कितने का अनुमान रहे 6.8 परसेंट किसका है जीडीपी का ये किसका परसेंट है जीडीपी का और फिर अगले साल कितने रहने का अनुमान है पांच इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट कितना रहा रहने का अनुमान तो था वन रहा कितना 6.3 और अगले साल कितना रहेगा 4.1 रहेगा इसी तरीके से प्राइमरी डेफिसिट 0.4 परसेंट रहा रहने का अनुमान था पर वास्तविक रूप में कितना रहा 5.9 और अगले साल कम करके कितना किया जाएगा 3.1 किया जाएगा तो ये कुछ आंकड़े जो है वो फिजिकल डेफिसिट वगैरह के सीधे सीधे पूछे जाए तो हाँ याद मुख्य मुख्य फिजिकल डेफिसिट याद रखना बाकी याद रखने जरूरत नहीं ये तो सिंपल सी बात है फॉर्मूला ही पूछा था 2013 में राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य है? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है क्या आंसर होगा इसका ए हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर और उसमें से किसको घटा दिया रेवेन्यू की रिसिप्ट को फिर रिकवरी फ्रॉम लोन्स और रिसीट फ्रॉम डिसमेंट रिकवरी फ्रॉम लोन और रिसीट फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट ये क्या होती है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स होती है मतलब आपके ऋणों की वसूली और विनिवेश से प्राप्तियां ये कौन सी है गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां और इन दोनों को इसमें से घटा दे तो क्या आता है फिस्कल डेफिसिट जो है वो आता है यहीं पर आपको मिल जाएगा आखिर चीजें जो है वो ये जो होता है टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट कुल व्यय और कुल प्राप्तियां इनका जो डिफरेंस होता है इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं बजट घाटा एक अलग घटा है बजट बजट घाटा डेफिसिट होता है कुल प्राप्तियां और कुल कुल तो व्यय और कुल प्राप्तियां कुल व्यय का मतलब कुल व्यय में क्या आएगा रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर भी और प्लस कैपिटल का एक्सपेंडिचर भी और टोटल प्राप्तियों में रेवेन्यू की रिसीट भी और कैपिटल की रिसीट्स भी जो है वो आएगी और इन दोनों को अगर घटाया जाए तो आंसर क्या आना चाहिए जीरो तो इसलिए बजट घाटा वर्तमान में कितना होता है जीरो होता है वर्तमान में बजट घाटा कितना होता है जीरो जो है वो है वो क्योंकि जितना डिफरेंस बचता है ना कि खर्चा तो ज्यादा है आमदनी कम है तो जो डिफरेंस बचता है उसको हम उधार ले, ले लेते हैं उधार ले लेते ले हैं ले इस वजह से ऐसा होता है कि बजट घाटा कितना हो जाता है जीरो जो है जीरो हो जाया करता है बजट डेफिसिट वर्तमान में कितना है जीरो पर पहले ऐसा नहीं होता था पहले क्या होता था कि सरकार सारा का सारा पैसा उधार में नहीं लाती थी सरकार कुछ पैसा तो उधार में ले लेती थी, थी और बीच में उसके बाद भी कुछ पैसा जो है वो बच जाता था तो कहते थे कि बजट घाटा इतना बच गया बजट घाटा इतना बच गया फिर सरकार क्या करती थी कि वो जो बजट घाटा बचा हुआ है जैसे मान लो कि आपको पांच करोड़ रुपए टोटल बचे अब सरकार क्या करेगी उसमें से ऋण लाने की प्रयास करेगी और पहले आंतरिक ऋण भारत में बैंक वैंक इतने कमी थे तो इसलिए पैसे भी सरकार को कमी मिलते थे अब सरकार को 200 करोड़ रुपए तो मिल गए ऋण में अभी भी कितने बच गए 300 करोड़ रुपए बच गए

नहीं रहेगा और इस वजह से फिर 1997 में कमिटी थी सुखमोय चक्रवर्ती थी सुखमोय चक्रवर्ती <coughs> बंगाली बाबू थे सुखमो चक्रवर्ती समिति भी नहीं और उसने कहा ये बजट डेफिसिट वगैरह यूज करना बंद करो जितना पैसा तुम्हारे बाकी बचता है उस तो सारे के सारे पैसे को कहीं से भी उधार लाओ पर उधार लाओ या तो खर्चा ही कम करो तुमको कोई उधार नहीं देता है तुम्हारी हालत इतनी खराब है तो खर्चे मत करो खर्चे करते टाइम तो यूं बड़े फैल फैल के खर्चे करते हो और अब जो है वो पैसे है नहीं तो इसलिए या तो खर्चे कम करो या फिर जितना पैसा है सारा का सारा क्या लाओ उधार में लाओ और इसके लिए उधार में कितना पैसा लाओ ये जनता को बताओ भी और इसके लिए क्या जारी करो फिस्कल डेफिसिट जो है वो जारी करो राजकोषीय घाटा जारी करो ये बजट घाटे से काम नहीं चलेगा यानी नया संकेतक कौन सा यूज करने लग गए फिस्कल राजकोषीय घाटा तो इस तरीके से राजकोषीय घाटा जो है वो बजट का मुख्य घाटा बन गया नाइनटीन से उन्नीस सौ सत्तानवे से और कौन सी समिति थी चक्रवर्ती समिति जो है उसकी सिफारिश उससे पहले क्या यूज होता था बजट घाटा और बजट घाटे में ये क्या करते थे जो पैसे बचते थे उसके लिए सरकार एडोक बिल जारी कर देती थी और आरबीआई नोट छाप लेती थी पर आरबीआई के नोट छापने से क्या होता है इन्फ्लेशन बढ़ जाती है फिर अभी भी सरकार को क्या होता है कई बार की जो प्राप्तियां होती है और जो खर्च होते हैं उसमें थोड़ा मिसमैच हो जाता है समय का मिसमैच हो जाता है किसका मिसमैच हो जाता है समय का कि जैसे भाई आपके पास में टैक्स आने वाला है कोई टैक्स में पैसे देगा पर टैक्स में पैसा तो आएगा अगले महीने सपोज करो 20 20 तारीख तारीख को को आएगा को जो है आएंगे टैक्स में पैसे आएंगे और आपको एक तारीख को लोगों को सैलरी देनी है खर्चा तो एक तारीख को करना है पैसे कब आएंगे बीस तारीख को आएंगे तो क्या करें ये खर्चा कहां से करें कहां से लाए तो फिर वो किसके पास जाते हैं आरबीआई है, है। से कहते हैं हमको थोड़े टाइम के लिए 20 दिन के लिए क्या दो उधार दे दो बीस दिन के लिए उधार दे दो और बीस दिन के बाद में जैसे ही हमारे पास वो टैक्स वाला पैसा आएगा हम आपके पैसे वापस लौटा देंगे तो अल्पकाल के लिए बहुत शॉर्ट टर्म के लिए जो मिसमैच है टाइम का जो मिसमैच है उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं आरबीआई से पैसे ले, ले लेते हैं उधार में और उधार में आकर उसको कुछ समय बाद वापस लौटो और ये जो व्यवस्था होती है इसको क्या कहते हैं वेज एंड मीन्स एडवांस कहा जाता है और आरबीआई को ये कहते हैं यार देखो हम उधार तो ले रहे हैं तुमसे पर ये उधार जो है वो हमारे फिस्कल डेफिसिट में काउंट मत करना क्योंकि ये हम लेंगे 20 20 तारीख को वापस चुका देंगे तो ये अभी लेंगे अभी का भी चुका दिया जाएगा तो इसको फिजिकल डेफिसिट में क्या नहीं किया जाता है काउंट नहीं किया तो इसको कहते हैं वेज एंड मीन एडवांस तो अल्पकालिक रूप से किससे ऋण लिया जाता है ये आगे वो सार्वजनिक ऋणों की चुकौती फिर से

तो या तो बैंक से लेते हो या जनता से लेते हैं यही होते हैं, दो ही तरीके होते हैं तो इनसे तो ऐसा कुछ होता नहीं क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट बजट के घाटे को पूरा करने के लिए क्या कर लो नई मुद्रा जो है वो का सृजन कर दिया जाए अगर नई मुद्रा का सृजन करोगे तो आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी जो मनी सप्लाई बढ़ गई और मनी सप्लाई बढ़ गई तो तरलता बढ़ जाएगी और तरलता बढ़ गई तो इन्फ्लेशन आ जाएगी तो मोस्ट इन्फ्लेशनरी क्या है डी जो है वो सही ये तो कर लिया था घाटे का वित्त पोषण फिर क्या है कि भाई डेफिसिट फाइनेंसिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि सरकार को उधार लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए सरकार एक वर्ष में कितना उधार लेगी वो फिजिकल डेफिसिट अब सरकार को कितना उधार लेना चाहिए तो या फिर जीरो कर दे इसको तो जीरो मत करो तुम्हें कोई उधार दे रहा है तो ले लो देता कौन उधार उधार दे रहा है इसका मतलब तुम्हारी तुम्हारी क्रेडिबिलिटी है है इसका मतलब विश्वसनीयता विश्वसनीयता और है तो उधार ले लिया जाना चाहिए हालांकि बहुत ज्यादा नहीं लिया जाना चाहिए इसलिए बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए थोड़ा बहुत उधार लिया जाना चाहिए और उस उधार को लेकर क्या करो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो किया जाए आप निवेश करो ज्यादा से ज्यादा निवेश करोगे तो कल को आपको इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे और इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे तो आपको जो है उधार लेने की फिर इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसलिए निवेश करने के लिए क्या लिया जाना चाहिए उधार लिया जाना चाहिए और इसको क्या कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो कहते हैं और जब अमेरिका के अंदर ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया था नाइनटीन के अंदर उस समय वहां एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था जे कीन्स और जेएम कीन्स ने यह कहा था अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उनको कि भाई लोगों के पास तो पैसा खर्च करने के लिए नहीं है और लोग तो खर्च नहीं कर रहे हैं तो कौन खर्च करे सरकार सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए सरकार को नए प्रोजेक्ट लगाने चाहिए और नए प्रोजेक्ट लगाएगी सार्वजनिक जो है वो खर्चा बढ़ेगा सार्वजनिक खर्चा बढ़ेगा तो उससे डिमांड बढ़ेगी और इसके लिए भले आपको क्या करना पड़े उधार लेना पड़े तो उधार लेकर भी खर्चा करो खर्चा करो खर्च करना जो है वो वो इकोनॉमी के लिए जरूरी होता है इसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो कहा जाता है फिर घाटा कितना होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए तो भाई पहले तो कहा जो डेफिसिट कम रखो कम रखो फिर कहा कितने रखें तो एक कानून बना दिया एफ आरबीएम रेस्पॉन्सिबिलिटी अनुशासन को पूरा करना सरकार की जो खर्चे और सरकार की जो बोरोइ है उसको प्रभावी रूप से आप नियंत्रित कर सको उसके लिए सरकार जो आपका जो अर्थव्यवस्था है वो स्थिर रहे मैक्रोनिक और ट्रांसपेरेंसी इसमें ध्यान ये रखना है फिजिकल डेफिसिट का टारगेट कितना है

जमा कराएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट मध्य अवधि की राजकोषीय नीति का वक्तव्य राजकोषीय नीति रणनीति वक्तव्य फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट ये तीन डॉक्यूमेंट जो है क्या काम पर रखे जाएंगे बजट में जो बजट जब पेश होता है तो जो वित्त मंत्री होगा वो संसद में लोकसभा के अंदर ये तीन डॉक्यूमेंट रखेगा और साथ साथ में बताएगा कि फिस्कल डेफिसिट कितने और रेवेन्यू डेफिसिट कितने और इनको कब तक करना है 2008 तक करना था परंतु ये हुए नहीं तो ये जब भी कोई चीज नहीं होती है आर्थिक तो मंदी है इसकी वजह तो इस से नहीं कर पा रहे फिर दो हजार बारह हुआ दो हजार में भी अचीव नहीं हुआ तो उस में नहीं फिर अचीव नहीं हुआ तो एक परिवर्तन कर दिया कि रेवेन्यू डेफिसिट जीरो नहीं करेंगे क्या जीरो करेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट किसको जीरो करेंगे इफेक्टिव रेवेन्यू तो ये एक नया ही कांसेप्ट जो है वो लेकर आए 2012 के अंदर उससे पहले इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट नहीं होता था उसके बाद में कागनेनी ये जो रेवेन्यू के खर्चे हैं उसमें भी ये वाले खर्चे तो हटाओ ये वाले तो हम करेंगे तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को जीरो करना है फिर भी बार-बार में जो है लगातार बढ़ते गए परंतु तो अभी तक ये अचीव नहीं हुआ है जो है वो अभी तक अचीव नहीं हुआ तो ये कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट ये जो बजट जब पेश होता है तो उसके साथ में ये डॉक्यूमेंट भी पेश होता है फिस्कल डेफिसिट एज प्रस्क्राइब इन फिजिकल रेस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट एक्ट 2005 राजयरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत राजकोषीय घाटे का निर्धारित सीमा का लक्ष्य क्या रखा गया तीन परसेंट ऑफ ग्रॉस स्टेट अब देखो ये 2005 क्यों लिखा हुआ है पर एफ तो 2003 का है का है है परंतु ये ये राजस्थान का किसका पूछा स्टेट का पूछा है राजस्थान का एक्ट जो है हुआ है पांच में पारित हुआ है और उसके अंदर भी टारगेट वो के वही है वही फिस्कल डेफिसिट का टारगेट वही रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट ठीक है स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ऐसा ही है तो इसीलिए यहाँ पे तीन परसेंट ऑफ व्हाट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट राज्य की जो जीडीपी है उसका प्रब तो आंसर क्या हो जाएगा हाँ। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट जो है वो बजट के साथ में सम्मिलित किया जाता है क्यों किया जाता है चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण है ये ऐसी कोई चीज चिरकालिक परंपरा नहीं है भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 110 के कारण 112 में तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में लिखा है और 110 तो मनी बिल के बारे में तो ये तो नहीं होगा भारत के संविधान में अनुच्छेद 113 के अंदर नहीं 113 में भी नहीं लिखा हुआ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम दो के कारण हाँ

होता तो अपन से वो भी नहीं है कैपिटल एडिक्वेसी एडुक् आठ परसेंट तो हो नहीं रहे और नौ परसेंट और बारह परसेंट की चर्चाएं तो वैसे यहां पर तीन परसेंट नहीं कितना करेंगे 2020 तक तीन तो परसेंट पहुंच जाएंगे और दो हजार तेईस तक ढाई परसेंट तक पहुंच जाएंगे अभी 9 नौ परसेंट पे हैं हम नौ साढ़े नौ जो है वो वहां चल रहे हैं ठीक कहा पहुंच जाएंगे यहाँ तो फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपको ऐसे मोटिवेशन दिया सरकार को थोड़ा मोटिवेट किया कि आपको ऐसा करना रेवेन्यू डेफिसिट कितना होना चाहिए क्या जीरो मत करो कितना कर दो 0.8 परसेंट रखा जा सकता है और डेट टू जीडीपी ऋण और जीडीपी का अनुपात कितना होना चाहिए साठ प्रतिशत सरकार का ऋण 40 प्रतिशत और राज्य सरकार का 20 अब देखो ये ऋण टू जीडीपी से ऋण का अनुपात अब फिजिकल डेफिसिट भी ऋण ही होता है इन दोनों में क्या अंतर है फिर एक तरफ तो फिजिकल डेफिसिट तो कह रहे हो कि वो कितना होना तीन परसेंट होना चाहिए किसका जीडीपी का और कह रहे हो ऋण और जीडीपी का अनुपात जो होगा तो साठ परसेंट हो ये दोनों बातें कैसे होगी है? देखे देखे देखे। फिस्कल फिस्कल डेफिसिट डेफिसिट जो है है वो एक साल का होता है। फिस्कल डेफिसिट सिर्फ एक साल का ऋण है और डेट टू तो जीडीपी में जितने भी ऋण है, है वो बात कही गई है ठीक है इसलिए डेट टू तो जीडीपी ऋण और जीडीपी का अनुपात कितना होना चाहिए साठ परसेंट यानी केंद्र का तो चालीस प्रतिशत और राज्य का फिर कहा कि एक क्या बनाओ ये बार बार तुम आगे बढ़ाते रहते हो उसको और झूठ झूठ बोलते रहते हो जो आपकी बजट बजट में कई बातें झूठ बोली जाती है क्योंकि अनुमान लगाना होता है ना बजट का अनुमान अनुमान हमेशा अच्छा ही लगते है तो अनुमान में हमेशा ही खुद के जो इनकम होती है उसको तो बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं कह रहे इतने लाख करोड़ रुपए से आ जाएंगे इतने लाख करोड़ वहां से आ जाएंगे इनकम को तो हमेशा बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं और खर्चों को थोड़ा कम करके दिखाते हैं ताकि दिखने में क्या दिखे वो अच्छा दिखे तो इसलिए अनुमान जो है वो लगाते हैं और अनुमान में ऐसे फर्जीवाड़ा किया जाता है तो कहा कि इसको देखने के लिए एक अलग से काउंसिल होनी चाहिए और तुम ये बार बार जो खुद चेंज कर लेते हो वो भी नहीं हो इस वजह से क्या करो एक अलग से राजकोषीय परिषद फिजिकल काउंसिल जो है वो बनाई जानी चाहिए एक चेयरमैन दो मेंबर होंगे फिर कहा कि ये कुछ जरूरी नहीं है कि मतलब आपने ऐसा कई बार जो कुछ ज्यादा फिक्स कर लेते हो तीन परसेंट तो तीन परसेंट तो ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है तो एस्केप क्लॉज भी दी गई है कि आप उससे डेविएशन भी थोड़ा बहुत जो है परमिटेड है कितना हो सकता है पॉइंट फाइव परसेंट किन परिस्थितियों में या तो कोई वॉर युद्ध वगैरह हो गया हो नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ गई हो कोई राष्ट्रीय आपदा आ गई हो नेशनल कैलमिटी हो गई हो ये नेचुरल डिजास्टर वगैरह जैसे हो गया अभी ये कोरोना वोना आ गया अब इसमें तो हालांकि गया खूब ही चला गया क्योंकि इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था भाई अगर छोटी मोटी भी आती है तो पॉइंट से ज्यादा का खर्चा किया जा सकता है अगर सिक्योरिटी की बात हो गई लड़ाई छिड़ गई है अब लड़ाई छिड़ गई तो सब नए गोले चाहिए मिसाइलें चाहिए अब ऐसे थोड़े कह सकते हमारा फिसकल डेफिसिट बढ़ जाएगा खर्चा नहीं करेंगे

सामान्यतया जो बजट होता है उसमें क्या करते हैं सामान्यतया बजट के अंदर जो नए खर्चे होते हैं जितने भी कोई नए खर्च हो रहे होते हैं उसको तो क्या करते हैं अपन रिव्यू करते हैं परंतु पुराने खर्चों को एज इट इज चलने देते हैं जैसे मान लो कोई स्कूल है और उस स्कूल में शिक्षकों की जरूरत है तो शिक्षक की जरूरत है कोई नया कोई शिक्षक चाहिए तो उन्होंने स्कूल वालों में भेजा कि साहब हमें ऐसा एक नया शिक्षक चाहिए तो सरकार देखेगी कि साहब नए शिक्षक के ऊपर कितना खर्चा लगेगा उससे सरकार पर कितना वित्तीय भार होगा और उस पद को स्वीकृत किया जाए या नहीं किया जाए परंतु जो तो पहले से स्वीकृत पद है वो सही है या नहीं है उसके बारे में आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो तो उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो और सिर्फ स्रिंग और सिर्फ किसके बारे में देख रहे हो नए खर्चों के बारे में देख रहे हो पुराने जो चले आ रहे हैं खर्चे हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं की जा रही है ऐसा तो सामान्य में होता है पर जीरो बेस बजट में क्या होता है जीरो बेस बजट में हमेशा बेस को जीरो रख दिया जाता है और सभी खर्चे जितने भी खर्चे हैं चाहे वो नए हो या पुराने हो सबकी समीक्षा जो है वो की जाती है कि ये ये खर्चे जरूरी हैं या नहीं है और जो खर्चे जरूरी फिर नहीं होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है हटा दिया जाता है यानी सब चीजों की जो समीक्षा की जाए रिव्यू की जाए वो कैसे होनी चाहिए जीरो से शुरू किया जाना चाहिए सभी को वापस समीक्षा की जानी चाहिए ऐसा जो बजट होता है उसको क्या कहते हैं जीरो बेस बजट जो है जीरो बेस बजट कहा जाता है हालांकि अब अपनाना तो था पर पूर्ण रूप से इसको अपना नहीं सके 1986 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है उसमें जरूर अपनाया गया था वो भी पार्शली बाकी पूर्ण रूप से अभी तक इसको जो है वो अपनाया नहीं गया जीरो बेस बजट 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 के बाद दूसरा होता है है आउटकम बज़ेट। आउटकम बज़ेट में जो भी खर्चा है, उस खर्चे के सामने क्या रखा जाता है आउटकम उसका परिणाम और फिर उस खर्चे का जब रिव्यू किया जाएगा तो रिव्यू किस आधार पर होगा परिणाम के आधार पर ही उसका रिव्यू जो है वो किया जाएगा कि भाई वो परिणाम हमने अचीव किया या जैसे अगर आपने स्कूल के लिए एजुकेशन के लिए खर्चा मांगा है सरकार ने स्वीकृत भी कर दिया सौ करोड़ स्वीकृत कर दिए अब सरकार इसके सामने कुछ परिणाम रखेगी परिणाम क्या है तो परिणाम में सरकार ने कहा कि चलो सर लिटरेसी परसेंट में दो परसेंट का इंक्रीज होना चाहिए साक्षरता दर में कितना इंक्रीज हो दो परसेंट अगर साक्षरता दर में दो परसेंट का इंक्रीज हुआ है तब तो ये खर्चा सही किया गया है और अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये खर्चा आपने यू ही कर दिया अब सपोज करो भाई दस करोड़ और उसमें दस स्कूलें बनानी है क्या बनानी है दस स्कूल एक स्कूल की कॉस्ट जो है दस करोड़ आती है ऐसा है और दस स्कूल बनानी है अब सारी की सारी दस स्कूल आपने अगर शहर में ही खर्च कर दी शहर में पहले से बहुत सारी स्कूलें थी वहां दस स्कूलें और बना दी और बनानी तो सौ करोड़ तो खर्च हो गए पर इससे क्या है? लिटरेसी परसेंटेज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा क्योंकि वहां पर जो लोग हैं उन लोगों को तो पहले से ही शिक्षा मिल रही थी और अब सरकारी भी आ गई तो इससे आपका खर्चा तो हो गया परंतु फिर भी आउटकम अचीव नहीं हुआ यही दस स्कूलें आप ऐसी जगहों पर बनाओ जहां पर स्कूलें पहले से नहीं है नहीं है तो नए लोग जुड़ेंगे और नए लोग जुड़ेंगे तो साक्षरता दर में क्या होगा वृद्धि होगा तो खर्चा किया गया है पर खर्च और घोटाला इसमें भी नहीं है यहां पर भी अच्छे से खर्च किया है परंतु आउटकम जो है वो इससे अचीव नहीं हो रहा जो परिणाम है वो अचीव नहीं होता आउटकम बजट में क्या करते हैं जो भी खर्चा होता है उसके समक्ष का रख दिया जाता है कोई आउटकम या परिणाम रख दिया जाता है और यह देखा जाता है कि उस परिणाम को उन्होंने अचीव किया है या नहीं किया गया इसको कहां पर देखा जाएगा आउटकम बजट के अंदर देखा जाए और इसकी शुरुआत जो है कब हुई दो में पांच के अंदर जो वित्त मंत्री थे पीछे दिन उन्होंने घोषणा की थी दो तो हजार में क्या हो गया इसको लागू कर दिया गया और इससे पहले एक होता था परफॉर्मेंस बजट इससे क्या होता था पहले परफॉर्मेंस बजट और परफॉर्मेंस बजट का मतलब है कि जो खर्चा है वो ढंग से किया गया है या नहीं किया गया ढंग से का मतलब कि जैसे ये दस करोड़ के अंदर स्कूल बनानी है और आपने दस करोड़ के स्कूल के करोड़ लगा दिए खर्चा जो है क्या लगा दिया ज्यादा लगा दिया बननी दस करोड़ में चाहिए थी पर आपने खर्चा कितना किया पंद्रह कोई ज्यादा अच्छी नहीं है ठीक है है परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं है। तो पहले तो सिर्फ परफॉर्मेंस को देखा जाता था अब परफॉर्मेंस के साथ साथ क्या देखा जाता है आउटकम भी देखा जाता है और इसलिए परफॉर्मेंस बजट को किसमें मिला दिया गया दो हजार में आउटकम बजट में मिला दिया गया और ये परफॉर्मेंस बजट कब शुरू हुआ था

उसके प्रति उनकी संवेदनशीलता कितनी अब सरकार हर बार बताएगी कि साहब हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतना खर्च किया है निर्भया फंड है उस निर्भया फंड में इतना पैसा डाला है हमने जो है वो एजुकेशन के लिए विमेन एजुकेशन के लिए इतनी अलग से गर्ल्स स्कूल खोलेंगे तो उसके लिए इतना खर्चा जो है वो किया है तो अब सरकार हमेशा जो है क्या बता रही है कुछ ना कुछ पैसा बता रही है और पैसा बताएगी तो ये पता लगेगा कि ये सरकार जो है वो महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर कितनी सेंसिटिव है तो ये किसके तहत किया जाता है जेंडर बजटिंग के तहत जो है ये कार्य किया जाता है और इसकी भी शुरुआत 2005 के अंदर ही जेंडर बजट जो में लोक फाइनेंस एक लिखा गया है और दूसरी जगह जीएसटी तो लोकविथ का मतलब टैक्सेशन होता है जो भी पैसा आता है हालांकि लोकविथ टैक्सेशन बजट फिजिकल पॉलिसी ये सब एक ही है परंतु तो सिलेबस लिखने वाले ने एक ही बार जो है उसने बार बार जो है वो लिखी गई टैक्स कर क्या होता है टैक्स क्या होता है टैक्स जो होता है वो जनता के ऊपर किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया जा सकता है या किसी संस्था पे लगाया जा सकता है और सरकार के द्वारा आरोपित सरकार के द्वारा आरोपित किया जाता है और ये एक अनिवार्य शुल्क होता है एक मैंडेटरी फीस होती है मैंडेटरी चार्ज होता है जो कि आपको किसको पे करना है सरकार को पे करना है किसको पे करना है तो एक तरफ सरकार होगी और दूसरी तरफ क्या होगी या तो व्यक्ति होगा या फिर कोई संस्था होगी और इनको इस सरकार को जो है वो कुछ पैसे पे करने अनिवार्य रूप से और इसके बदले में कोई वस्तु या सेवा उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है सेवा की गारंटी नहीं दी जाती मतलब प्रत्यक्षता ऐसा नहीं है कि कोई वस्तु या सेवा दी जाएगी भाई आपने यहां सुप्रीम बोर्ड में फीस जमा कराई तो उसमें आपने टैक्स भी दिया जीएसटी भी दिया पर अब जीएसटी दिया तो आपका कोर्स कराने के लिए कोई सरकार आने वाली नहीं है ठीक है वो कोई वस्तु और सेवा नहीं देती प्रत्यक्षता नहीं देती अप्रत्यक्ष रूप से तो कई चीजों को क्रिएट करवा देती है पर डायरेक्टली जो है, वो नहीं होता। तो, इसको कहते है तो ये व्यक्ति और संस्था सीधे किसको पे करे सरकार को पे कर रही है सरकार को पे, सरकार लगा भी इन्हीं पे रही है और चुका भी यही रहे इसको तो कहते हैं प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स और एक सीधे ना चुका कर ये लोग क्या करें किसी मीडिएटर को दे और फिर वो मीडिएटर किसको दे सरकार को ऐसा भी हो सकता है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भी चुकाया जा सकता अब देखो इसके अंदर जो क्वेश्चन बनने के लिए जो होता होता है वो होता है वो कि टैक्स लगाया किस पर गया है और उसका असर किसी किस पर पड़ा है जिस व्यक्ति पर टैक्स लगाया गया है अगर असर भी उसी के ऊपर पड़े उसकी जेब में से पैसा जाए तब तो है टैक्स कैसा प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स अगर जिसके ऊपर लगाया गया असर भी उसी पे पड़े तब तो है डायरेक्ट लगाया किसी और पर गया असर किसी और पर पड़ा तो वह है अप्रत्यक्ष जैसे टैक्स जो है वो इनकम टैक्स इनकम टैक्स जिस व्यक्ति की इनकम पे लगाया जाएगा तो व्यक्ति की इनकम थी उस इनकम पर टैक्स लगा दिया टैक्स लगा दिया तो क्या होगा उसी व्यक्ति की जेब में से पैसे जाएंगे यानी असर भी क्या होगा उसी व्यक्ति के ऊपर असर पड़ेगा ठीक है एक है इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे जीएसटी है अब जीएसटी लगाया तो किस पे कोचिंग कोचिंग सर्विस पर लगाया कोचिंग सर्विस के ऊपर जीएसटी लगाया और कोचिंग लगाया तो जीएसटी कोचिंग सर्विस पर असर किसके ऊपर पड़ा स्टूडेंट के ऊपर असर किस पे पड़ा स्टूडेंट के ऊपर पड़ गया यानी टैक्स लगाया किसी और पर गया और असर कहीं और पर पड़ा है इसको कहते हैं एक तो होता है टैक्स इंसिडेंस ये जो कर लगाना टैक्स को लगाना इसको तो क्या कहते हैं टैक्स इंसिडेंस और एक इसका असर होना इसको कहते हैं टैक्स इंपैक्ट हिंदी में कहते हैं करापात और करा क्या हो गया टैक्स निकल चुका है क्या करा गात एक तो टैक्स इंसिडेंस और टैक्स इंपैक्ट अगर ये दोनों एक ही पर है एक ही बिंदु पर है जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है असर भी उसी पे पड़ रहा है तो वो टैक्स कैसा होगा डायरेक्ट टैक्स ये डायरेक्ट टैक्स की विशेषता होती है अगर टैक्स इंसिडेंस लगाया तो किसी और पर गया है और असर किसी और पर है मतलब ये दोनों अलग अलग हैं अलग अलग बिंदुओं पे लग रहे हैं तो इसका मतलब वो वो कैसे होंगे टैक्स कैसा होगा इनडायरेक्ट होगा तो टैक्स या तो डायरेक्ट हो सकता है या इनडायरेक्ट हो सकता है अब यहां पर जो डायरेक्ट टैक्स है जिसके ऊपर लगाया गया उसी को चुकाना है उसी को चुकाना है यानी वो कर भार जो टैक्स का बर्डन है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता वो तो टैक्स के बर्डन को क्या नहीं कर सकता ट्रांसफर नहीं कर सकता तो यहां पर जो कर भार होता है उसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता और यहां पर लगाया किसी और पे था उसने अपना भार लिया और भार लेकर किसके ऊपर तो डाल दिया किसी और पर डाल दिया और इसलिए प्रभाव क्या हुआ किसी और पर हुआ इसका मतलब जो कर भार है टैक्स बर्डन है उस टैक्स बर्डन को क्या किया जा सकता है ट्रांसफर किया जा सकता है ये किसमें क्या करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में तो डायरेक्ट टैक्स में तो टैक्स बर्डन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बर्डन को ट्रांसफर किया जाता मतलब है जिस पर असर पड़ा है जिस पर असर पड़ा तो जो असर जो है वो अगर एक ही पर पड़ता है तो डायरेक्ट अलग अलग पर पड़ता है तो इनडायरेक्ट ये होते हैं कौन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो होते हैं तो कंपलसरी शुल्क होता है ये दो प्रकार के होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रत्यक्ष और एक तो इसमें तो मतलब टैक्स इंसिडेंस और टैक्स इंपैक्ट होता है और यहां पर टैक्स बर्डन का हस्तांतरण किया जाए इनकम इसका इस्पल जीएसटी फिर अब अपने प्रत्यक्ष कर देखते हैं डायरेक्ट टैक्स जो है कौन कौन से है तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो केंद्र सरकार के भी हो सकते हैं और राज्य सरकार के भी हो सकते हैं अब केंद्र सरकार के इनकम टैक्स लगता है आयकर कॉरपोरेट टैक्स लगता है निगम कर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लगता है टैक्स है लाभांश वितरण कर इसको क्या कर दिया गया 2020 में खत्म कर दिया गया ये टैक्स किस चीज पे लगता था लाभांश के वितरण पर कि भाई कोई कंपनी है कंपनी के बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के हिस्सेदार हैं शेयर होल्डर हैं कंपनी ने कमाया लाभ और कंपनी ने निर्धारित किया कि ये जो लाभ है वो क्या किया जाएगा जितने भी हिस्सेदार हैं उनमें बांटा जाएगा बांटा जाएगा तो लाभांश का क्या हो रहा है वितरण तो लाभांश का जब वितरण किया जाएगा तो फिर सरकार आ जाएगी बीच में और सरकार कहेगी अच्छा इतना लाभांश का वितरण करो हमें भी पैसे दो तो सरकार को भी क्या देने पड़ेंगे पैसे देने पड़ेंगे और वो जो टैक्स होता था उस टैक्स को क्या कहते थे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स मान लो उन्होंने निर्धारित किया कि हर जो भी शेयर है हर शेयर होल्डर को हजार हजार रुपए दिए जाएंगे कितने रुपए दिए जाएंगे हजार तो में सरकार आ जाएगी और सरकार कहेगी पंद्रह परसेंट इधर पहले किस रूप में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के रूप में तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के रूप में वो कंपनी क्या करेगी पहले पंद्रह काट लेगी और जो शेयर होल्डर को उसको कितने देगी साढ़े आठ सौ रुपए ही देगी उसको कहेगी बाकी कहा बा गए मेरे तो ऊपर से आए तो हजार थे मेरे पास इतने क्यों आए तो बाकी कौन ले गया सरकार लेगी किस रूप में टैक्स अब, अब क्या होता है अब जो इनकम होती है शेयर होल्डर की ये जो हजार रुपए प्राप्त किए पूरे पूरे हजार दे देते हैं और ये जो इनकम में जोड़ देते हैं अब किसमें जोड़ देते हैं इनकम में जोड़ देते हैं फिर इनकम टैक्स लगा देना बाद में है? अभी आपको जो है वो ये, आप, लगाने एक करोड़ से ज्यादा वेल्थ होती थी उनके ऊपर एक अलग से टैक्स लगता था जिस टैक्स को क्या कहते थे वेल्थ टैक्स और ये कब खत्म कर दिया 2015 में और इसको क्यों खत्म किया गया क्योंकि इस वेल्थ टैक्स में जो पैसे आते थे वो तो थे कम और जो खर्चा होता था वो उतारा जाता है साढ़े आठ सौ करोड़ रुपए और इसको इस साढ़े आठ सौ करोड़ को लाने के लिए जो हमने इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर वगैरह पूरे जो फौज लगाई है उसे हमें खर्चा हो गया एक हजार करोड़ का खर्चा कितना है एक हजार करोड़ और टैक्स में पैसे कितने साढ़े आठ सौ मतलब उल्टा टैक्स किस पे लग गया सरकार पर ही लग गया तो सरकार ने कहा ऐसे टैक्स की हमें जरूरत नहीं तो इसके लिए होता है अगर कोई किसी को, किसी प्रकार की अतिरिक्त सुविधा देती है, है सैलरी तो दे ही रही है सैलरी के साथ साथ में और कुछ सुविधा दे कि भाई आप अगर पांच साल हमारी कंपनी में काम करोगे तो आपको यूरोप का एक ट्रिप दिया जाएगा यूरोप का ट्रिप दिया सैलरी तो दे रहे

तो सरकार आते थी बड़े पैसे लेता था सरकार और फिर बाकी बचा जो हो। अब इसको भी कर दिया। कब कर दिया गया दो में खत्म कर दिया बैंकिंग कैश ट्रांजेक्शन टैक्स बैंकों से कैश नकद का जो लेन देन है बैंक में नकद जमा कराना और बैंक से नकद निकालना दोनों पर ही पहले क्या लगता था टैक्स लगता था जमा कराने पर भी टैक्स और निकालने पर भी टैक्स 2005 में निकल लगाया गया और एक कर कब हटा दिया गया 2009 में हटा दिया यानी एक शॉर्ट पीरियड के लिए लगाया गया हटा दिया क्यों क्योंकि तो अब लोगों को अगर बैंक में जमा कराने में भी पैसे लोगे और निकालने में लोगे तो फिर कोई व्यक्ति खाता क्यों खुलाएगा भाई वो ठाला आराम से घर पे बैठा है और आप उसके पास जाओगे नहीं बैंक बहुत जरूरी है वित्तीय समावेशन होना चाहिए ये वो उसको मोटिवेशन करो और तेरे पास हजार रुपए ऐसा कर बैंक में जमा करा दे जैसे वो बैंक में जमा करे तो सरकार के ला टैक्स दे दे और उसे सौ रुपए ले लेगी ठीक है सौ रुपए टैक्स में ले लिया जमा कितने हुए रुपए और वो जैसे आगे देखेगा अरे यार मेरे तो नौ सौ ही रहे मेरे को नहीं जमा कराना है बैंक में वापस निकाल लेता हूँ पैसे वापस निकाल वापस, वापस सौ रुपए दे दे कितने बचे सौ यार बैठा था थाला मैं मेरा सही आगे से अगर किसी ने कहा ना बैंक में खाता खुला ले तो दो थप्पड़ मारेगा तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया खत्म कर दिया हालांकि एक कमेटी बनी थी चंद्रबाबू नायडू कमेटी वो बनी थी किस चीज के लिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के और उस कमेटी ने यह कहा कि इस टैक्स को वापस लगा दिया जाना चाहिए ठीक है परंतु सरकार ने अभी तक ऐसा कोई वैसे डिजिटल भुगतान बढ़ रहा है ऐसे को टैक्स लगाने से डिजिटल भुगतान नहीं बढ़ते हैं। सुविधा होती है तो वैसे ही लोग अपने आप अपना लेते हैं ये पॉलिटिशियन से सोच सकते हैं गिफ्ट टैक्स उपहार अगर कोई व्यक्ति किसी को क्या दे रहा है गिफ्ट दे रहा है तो गिफ्ट देता था देते ही सरकार आ जाती थी घर यार बड़े गिफ्ट दे रहा है ला हमें दे बीच में तो सरकार उससे क्या लेती थी टैक्स किसको किससे लगता किस पे लगता था गिफ्ट देने वाले पर किस पे लगता था गिफ्ट देने पचास हजार अब छोटा मोटा गिफ्ट नहीं ऐसे तो नहीं आती थी पचास हजार रुपए से ज्यादा का अगर कोई गिफ्ट आपने किसी को दिया है तो फिर ये टैक्स जो है वो लगा करता था फिर फिर इसको 1998 में क्या कर दिया खत्म कर दिया उन्नीस सौ में अब कोई गिफ्ट टैक्स नहीं अब क्या करते हैं अब जिसने लिया है गिफ्ट प्राप्त करना है उसकी इनकम में जोड़ देते हैं आप क्या करते हैं? जिसने गिफ्ट प्राप्त किया अगर पचास हजार से ज्यादा तो तो एस्टेट ड्यूटी, एस्टेट ड्यूटी अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी उसके वारिसों को चली जाएगी प्रॉपर्टी जैसे वारिस को जाती थी तो फिर सरकार आ जाती थी बहुत प्रॉपर्टी आई है तेरे पास ला हमें पैसे दे दे तो फिर सरकार कौन सा ड्यूटी लगाती थी और कितने

राज्य सरकार किस पे टैक्स लगा सकती है एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगा सकती है कृषि की जो आय होती है उस पर टैक्स लगा सकती है केंद्र सरकार कृषि की आय पे टैक्स नहीं लगा सकती राज्य सरकार के पास अधिकार है पर भारत में कोई भी राज्य सरकार ऐसा नहीं करती है किसी भी राज्य सरकार ने एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाती है दूसरा होता है प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है प्रोफेशनल पेशेवर जो राज्य के अंदर काम करने वाले पेशेवर होते हैं प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कोई इंजीनियर है कोई डॉक्टर है कोई आर्किटेक्ट है कोई लॉयर है ये प्रोफेशनल्स हैं सीए तो है इनकी जो इनकम होती है इस पर क्या लगा सकती है राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है प्रोफेशनल टैक्स नाम का मैक्सिमम कितना लगा सकती है ढाई हजार रुपए जो है मैक्सिम लगाया जा सकता है राजस्थान में नहीं लगाया जाता पर महाराष्ट्र में गुजरात में इन राज्यों के अंदर लगाया जाता है ठीक है तो ये राज्य लगा सकते हैं परंतु ये लगाया नहीं जाता फिर स्टाम्प ड्यूटी कोई खरीदते हो कोई चीज तो स्टाम्प खरीदना पड़ता है और स्टाम्प खरीदते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी लगती है ऐसे हाउसिंग के ऊपर घरों के ऊपर एक प्रॉपर्टी का टैक्स जो है वो भी लगता है और लैंड रेवेन्यू भू राजस्व लैंड रेवेन्यू भू राजस्व अलग बहुत मामूली सा ही होता है परंतु तो फिर भी ये टैक्स जो है वो लगाया जाता है तो ये किसके हैं राज्य सरकार के प्रत्यक्ष यानी राज्य सरकार के प्रत्यक्ष में कोई खास दम दम नहीं है 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 ठीक किसमें ज्यादा केंद्र केंद्र सरकार केंदर सरकार में सबसे पहला टैक्स कौन सा था इनकम और नाम ही बता रहा है इनकम टैक्स किस पे लगेगा व्यक्ति की इनकम के ऊपर आय के ऊपर ये टैक्स लगाते हैं अब लगाते कैसे है तो सबसे पहले जो है व्यक्ति की इनकम कैलकुलेट की जाती है उसको कहते हैं ग्रॉस इनकम तो क्या होती है ग्रॉस इनकम सकल आय ग्रॉस इनकम का मतलब होता है एक वित्तीय वर्ष के अंदर जितने भी स्रोत हैं सभी स्रोतों से प्राप्त कुल आय जितने भी स्रोत हैं चाहे आपने मकान को भाड़े पर दे रखा है उससे कुछ पैसा आता होगा आपकी कोई दुकान दुकान भाड़े पर दे रखी है उससे कुछ पैसा आता होगा आपने कोई शेयर बाजार में निवेश किया था उससे कुछ पैसा आता होगा आपके गांव के अंदर कोई एग्रीकल्चर चल रही है उससे कुछ पैसा आता होगा आपने कोई ब्याज पे किसी को पैसे दिए हुए थे उससे कुछ पैसा आता होगा आप खुद कोई कमाई करते हो तो उससे कुछ पैसा आता होगा जितनी भी टोटल इनकम है उन सबको जोड़ लो और क्या निकालो ग्रॉस इनकम फिर इस ग्रॉस इनकम में से सरकार क्या दे देती है कुछ छूट क्या दे देती है छूट एग्जाम्शन कई प्रकार के एग्जेम्पन देती है जैसे एग्रीकल्चर इनकम को क्या कर दिया जाता है हटा दिया जाता है होम लोन वगैरह की किस्त चुक रही है तो उसको हटा देते हैं कोई एजुकेशन की लोन है तो उसको हटा देते हैं एल आई सी आपने कोई खरीद रखी है तो उसको हटा देते हैं ठीक है कोई बचत योजना है उसमें जमा आपने निवेश कर रखा है तो उसको भी हटा देते हैं इन सब चीजों को छूट को क्या कर देते हैं हटा देते हैं और इनको हटाने के बाद में जो राशि बचती है उसको कहते हैं टैक्सेबल इनकम उसको क्या कहते हैं टैक्सेबल इनकम कर योग्य आय इसके ऊपर टैक्स लगता है इसके ग्रॉस इनकम पर टैक्स नहीं लगता तो यानी पहले तो क्या कैलकुलेट होता है टैक्सेबल इनकम बराबर ग्रॉस इनकम माइनस एक्ट कर योग्य आय क्या होती है सकल आय में से इसको घटा दो छूट छूट जैसे कृषि की आय घटा दो होम लोन हटा दो शिक्षा का जो लोन है एल पॉलिसीज बचत योजना इन सबको क्या कर दिया जाता है हटा दिया जाता है और फिर ये जो टैक्स होता है ये कैसे लगता है इनकम टैक्स इनकम टैक्स जो है एक प्रकार का प्रगतिशील कर है प्रोग्रेसिव टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स से मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स की रेट भी क्या होती जाती है वो बढ़ती जाती है कि भाई साहब आपकी इनकम कितनी है ये देख लिया जाएगा और फिर इस इनकम का क्या बनाए जाएंगे स्लैब बनाए जाएंगे इनकम पे क्या बनाए जाएंगे स्लैब के साहब ये जैसे ढाई लाख से कम है तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे फिर इससे ऊपर है तो कुछ पांच परसेंट लगा देंगे फिर और ऊपर है तो बीस परसेंट लगा देंगे फिर कोई और ऊपर तो उसको तीस परसेंट जो है वो लगा देंगे तो अब ये वाली इनकम है जैसे जीरो से ढाई लाख इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा फिर ढाई से पांच हुई तो उसके ऊपर कुछ टैक्स लगाएंगे इससे ऊपर होगा तो बीस परसेंट जो टैक्स लगे उससे ऊपर होगा तो तीस परसेंट यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे टैक्स की रेट भी क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही अगर इनकम बढ़ने से टैक्स की रेट बढ़ती है ऐसे तो करों को क्या कहा जाता है प्रगतिशील कर कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं और इनकम टैक्स किसका एग्जाम्पल है प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जाम्पल है और ये जो प्रगतिशील कर होते हैं इससे क्या होता है असमानता कम होती है इससे इनइक्वालिटी क्या होती है कम क्योंकि जिसके पास में आय ज्यादा है ये तीन लोग हैं जिसके पास में सारा टैक्स ले है। कम उसको देना पड़ेगा? और इसको तो बिल्कुल तो आय की जो असमानता है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इनकम की इन इससे क्या हो जाती है खत्म नहीं होती है क्या होती है कम होती है क्योंकि ज्यादा आय वाला पैसा ज्यादा देता है कम आय वाला जो है वो टैक्स कम देता है तो ये होता है कौन सा टैक्स है ये इनकम टैक्स अब इसकी पूरी वो स्लैब याद करने की जरूरत नहीं है कि साहब पांच परसेंट कौन से पे लगता है इससे कौन से पे लगता है ये जो है वो इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है कोई सीए का एग्जाम नहीं है कॉन्सेप्ट आपको जो है वो पता होना चाहिए कि ये टैक्स जो है लगता कैसे है? तो प्रोग्रेसिव टैक्स जो है वो कौन सा होता है इनकम टैक्स फिर होता है कॉर्पोरेट टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स क्या करता है तो कॉर्पोरेट टैक्स जो भी आपका प्रॉफिट होता है प्रॉफिट के ऊपर टैक्स जो है लगाया जाता है कॉर्पोरेट टैक्स ये भी वैसे होता है एक तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब कंपनी को जितना प्रॉफिट हुआ टोटल फिर उसमें से क्या दे देते हैं कुछ छूट दे देते हैं और ग्रॉस प्रॉफिट में से सकल जो आपका लाभ है उसमें से छूट को हटा दो और जो बचेगा वो क्या होगा वो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट होगा यानी पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालो सकल लाभ और उसमें से किसको घटा दो छूट घटा दो और क्या बचेगा फिर टैक्सेबल प्रॉफिट जो है वो अब ये वैसे सामान्यतया क्या होता है कि सभी कंपनियों सामान सा, पर सामान्यतया देखा जाए तो, तो इसलिए इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स है प्रपोर्शनल समानुपातिक सब पर जितनी इनकम है उसके अनुपात में पच्चीस परसेंट सबको देना है ठीक है पच्चीस परसेंट चाहे आप सौ करोड़ कमाओ तो पच्चीस लाख दे दो दस करोड़ कमाओ तो ढाई लाख दे दो आपकी इनकम का एक निश्चित प्रॉफिट का एक निश्चित प्रतिशत जाएगा? इस में जाएगा इसमें और इसलिए ये जो होता है, हो क्या है? कौन सा तो इससे इनकम की इनइक्वालिटी ना तो बढ़ती है ना कम होती है क्योंकि सबको अपनी इनकम के अनुपात में कुछ पैसा जो है वो देना पड़ता है ठीक है और भारत के अंदर अब इसको क्या कर दिया कम कर दिया क्योंकि ये छूट वाली जो है ये प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज्यादा कि भाई छूट जो है उसके कारण काफी सारे लीगल प्रॉब्लम हो रही थी कोई सर कानूनी झगड़े हो रहे थे कि भाई जो सीए वगैरह होते हैं बड़ी कंपनियां होती है वो चाहती है छूट का ज्यादा ज्यादा प्रयोग किया जाए तो वो बहुत बड़े बड़े सीए को रखती है और वो क्या करते हैं वो उनको छूट दिलवाते हैं और उधर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं इस पर छूट नहीं ली जा सकती उधर से सीए कहता है नहीं ली जा सकती है तो दोनों के दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होता है तो फिर कोर्ट में जाता है मामला और कोर्ट में खूब सारे मामले चले गए तो इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिक्कत है और जो कंपनी है 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 उसको भी दिक्कत है। इसलिए सरकार ने कहा कि हम जो है वो अगर ऐसी कोई कंपनी है जो कोई छूट नहीं ले रही है कोई छूट नहीं ले तो हम फ्लैट आपके ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगाएंगे बाईस परसेंट टैक्स लगे टैक्स की रेट ही कम कर देंगे अपने आप ही अब आपको छूट मतलब बस अगर छूट नहीं लेते हो तो फ्लैट कितना टैक्स लग जाएगा बाईस परसेंट और कोई नई कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए कि भारत में नई नई कंपनियां लगे इसके लिए टैक्स रेट कम को कम किया और कहा नई अगर कोई कंपनी लगाई जाती है 2019 के बाद में स्थापित हुई है तो कितना परसेंट टैक्स टैक्स देना देना है है मात्र 15 देना और आप जो है काम कर सकते परंतु ये ऑफर कब तक अवेलेबल है दो फिर यह ऑफर जो है क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो अभी अगर किसी ने कंपनी लगा ली तो पंद्रह का टैक्स जो है वो लगेगा यह होता है कौन सा टैक्स कॉरपोरेट टैक्स फिर होता है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स कौन सा होता है मिनिमम ये टैक्स किस पे लगाया जाता है तो क्या होता है, मैंने कहा कि ये जो छूट है उसका सीए है, है बहुत इतना ज्यादा टैक्सेबल प्रॉफिट को कितना देते हैं जीरो. जीरो अगर टैक्सेबल प्रॉफिट है तो टैक्स कितना चुकाओगे जीरो यानी कंपनी भारत में काम कर रही है और कोई टैक्स दे ही नहीं रही

वो एक लाख रुपए की है आपने खरीदी थी तब फिर आपने कुछ समय बाद में उसको बेचा दस लाख के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ कितने का नौ लाख का और ये जो नौ लाख का प्रॉफिट हुआ तो इसमें से सरकार क्या लेगी टैक्स लेगी और उस टैक्स को क्या कहते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं क्या कहते हैं कैपिटल गेन्स दो प्रकार का होता है या तो अल्पकालिक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म या तो अल्पकालिक होगा या दीर्घकालिक होगा अल्पकालिक का मतलब तीन साल से पहले बेचा गया है अगर वो जो परिसंपत्ति है जो एसेट है या वो जो कैपिटल उसको कितने दिन में कितने साल पहले तीन साल से पहले बेच दिया तीन साल से पहले बेच दिया तब तो शॉर्ट टर्म और तीन साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म जैसे वो कैसे दस साल बाद बेचा है तो तो लॉन्ग टर्म लगेगा और वही एक साल में बेच देते तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस्ट टैक्स जो आपको चुकाना पड़ता है इसको क्या कहते हैं कैपिटल गेंस्ट टैक्स जो है और इस टैक्स को लेकर कई सारे विवाद जो है भारत में खड़े हुए जैसे एक वो फेमस विवाद कौन सा वोडाफोन का तो वोडाफोन का जो डिस्प्यूट वोडाफोन का डिस्प्यूट और अभी वह के एनर्जी के एनर्जी का जो डिस्प्यूट है वो सब किस से रिलेटेड है क्योंकि ये जो कंपनियां है ये क्या नहीं चुका रही थी कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो नहीं चुका रही थी और क्यों नहीं चुका रही थी तो ये जो टैक्स के नियम है उसके अंदर कुछ कमियां थी और उन कमियों का क्या उठा रहे थे फायदा उठा रहे थे तो दो प्रकार के और कॉन्सेप्ट आ जाते हैं एक तो होता है टैक्स इवेजन और एक होता है टैक्स अवॉइडन एक तो कर की चोरी होती है और एक क्या होती है होता है क्या होता है हिंदी में कुछ कहते हैं तो एक तो, की, में एक तो इवेजन होता है, एक क्या कानून में लिखा हुआ है और टैक्स आप नहीं चुका रहे हो आपने बिल्कुल भारत के अंदर खरीदी चीज और एक लाख की चीज को दस लाख में बेचा कहा हुआ है कैपिटल टैक्स लगेगा फिर भी आपने नहीं चुकाया तो सीधे सीधे चोरी होगी सीधे सीधे चोरी हुई तो आपके ऊपर कार्यवाही कर दी जाएगी

कि जो बाहर की भारत के बाहर की और भारत के बाहर की तो इस तरीके से की ताकि कर के 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 नियमों का क्या किया जा सके, जा सके सके फायदा उठाया और और फिर जब भारत बाहर की और आपने टैक्स टैक्स अवॉइडेंस कर दिया नहीं चुकाया तो 2012 अंदर ये Vodafone वाला केस काफी फेमस हो गया था और वोडाफोन वाले केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने किसके पक्ष में फैसला दे दिया था वोडाफोन के पक्ष में फैसला दे दिया और तो फैसला दे दिया तो उस समय प्रणब मुखर्जी थे प्रणब मुखर्जी ने कहा कि मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा कि भाई अगर टैक्स के नियम में नहीं लिखा हुआ है तो इसलिए आप टैक्स बचा रहे हो तो हम टैक्स में लिखेंगे टैक्स टैक्स में लिखेंगे कि हम लगा सकते को लगाएंगे कब से, से, तो से लेकर आज तक जितनी कंपनियों ने टैक्स को अवॉइड किया है या टैक्स नहीं चुकाया है कानून की कमियों कारण के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा इसको कहा जाता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन या भूतलक्षी कराधान पीछे जाकर समय में पीछे जाकर अगर टैक्स लगाया जाए तब उसको क्या कहा जाता है भूतलक्षी या रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कहा जाता है और अभी कुछ समय पहले सरकार ने निर्धारित किया है कि हम ये जो भूतलक्षी कराधान का प्रावधान है उसको क्या करेंगे खत्म कर दे अब टैक्स के कानून में से उसको हटा दिया जाएगा क्योंकि आप पीछे जाकर टैक्स लगाओगे तो फिर कंपनियां काम कैसे करेगी भाई टैक्स में कंपनी आपका जो टैक्स नियम अच्छा या नहीं है ये इस बात से निर्धारित होता है कि टैक्स के नियमों में सर्टेनिटी है कि नहीं है निश्चितता है कि नहीं रोज रोज अगर चीजें बदल रहे हो तो इसका मतलब है उस देश के अंदर टैक्स पॉलिसी ज्यादा अच्छी नहीं है तो इसलिए सरकार ने किसको कौन से टैक्स को हटाने का निर्णय लिया गया भूतलक्षी कराधान रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इंपॉर्टेंट है ये ये आ सकता है कैपिटल टैक्स और ये वोडाफोन के मामला और कौन से किसको हटाने का फैसला लिया है रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को जो है हटाने का फैसला सरकार ने लिया यह तो हो गई कौन से टैक्स डायरेक्ट डायरेक्ट और कुछ जो खत्म कर दिए दिया इनडायरेक्ट्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर को जो है दो तरीके से लगाया जा सकता है या तो स्पेसिफिक ड्यूटी या एडवेलोरम स्पेसिफिक ड्यूटी विशिष्ट शुल्क के रूप में या एडवेलोरम स्पेसिफिक ड्यूटी मतलब क्या होता है अगर जिस वस्तु के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है उसकी भौतिक विशेषता फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप ध्यान में रखकर टैक्स लगाओ मतलब उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई उसके वजन उसके आधार पर टैक्स लगाओ तो इसका मतलब कौन सा है स्पेसिफिक ड्यूटी होती है और अगर आप उसके मूल्य के आधार पर लगाओ तो फिर एडवेलोरम एडवेलोरम का मतलब होता है मूल्य के आधार पर टैक्स लगाए जैसे बी डी सिगरेट पर लगाते हैं तो बीडी सिगरेट पर टैक्स क्या लगाते हैं लंबाई उसकी लेंथ जो है वो कितनी है लेंथ ज्यादा होगी तो टैक्स भी ज्यादा होगा टैक्स जो है वो ज्यादा लगाया जाएगा ताकि उसको महंगी बनाया जा सके वो महंगी होगी तो लोग कम खरीदेंगे ऐसा सरकार को लगता है महंगे लोग कम खरीदेंगे कम खरीदेंगे तो लोग जो जो है है वो एल्को इसका किसका तंबाकू का कंजप्शन कम करेंगे पर ऐसा होता नहीं है ठीक है है और क्या होता मूल्य के आधार पर लगता है जो चीजें मूल्य के आधार पर कितने मूल्य की वस्तु है उसके ऊपर जैसे फीस दी तो किस आधार पर दी मूल्य के आधार पर दी इतनी फीस है उसके ऊपर इतना जीएसटी लगेगा तो ये तो मूल्य के आधार पर ऐसे कोई लंबाई चौड़ाई के आधार पर नहीं दी कि भाई ये लंबा व्यक्ति तो इससे ज्यादा लेंगे ये मोटा है इससे थोड़ा जो है वो कम लेंगे ऐसा नहीं है तो स्पेसिफिक ड्यूटी नहीं है वैल्यू के आधार पर लेते हैं इंडायरेक्ट लगाया जाता जाता है जाता है इनडायरेक्ट टैक्स लगाया अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से है पहले कौन से थे तो सबसे पहला होता है वो क्या होता है एक्साइज ड्यूटी उत्पाद शुल्क उत्पाद शुल्क शुल जो होता है वो उत्पादन पर लगाया जाता है किसी भी चीज का जब उत्पादन होगा तो केंद्र सरकार उस पर क्या लगाती है टैक्स लगाती है और उस टैक्स को क्या कहते हैं उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी जो है वो कहा जाता है जैसे ही उत्पादन होगा गाड़ी उत्पादित की तो सरकार आ जाएगी कि हो गई गाड़ी उत्पादित तो टैक्स दे दो कोई भी आपने एसी बनाया जैसे एसी वाली कंपनी में एसी का उत्पादन हुआ तो सरकार आ जाएगी टैक्स 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 दे दो तो जो जो है है वो उत्पादन पर लगाया जाता उसको क्या कहते हैं उत्पाद पर कौन से पर नहीं लगा सकते एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन मानव उपभोग के लिए जो एल्कोहल है उसके ऊपर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी नहीं लगा सकती उसके ऊपर कौन लगाएगा राज्य सरकार लगाए पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है जो आपके पेट्रोलियम उत्पाद हैं, उन उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी ऑन ऑल पेट्रोल प्रोडक्ट एक्सेप्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन मर्ज क्या लिखा हुआ है? मैं उसके अंदर होता ही है कि कुछ पेट्रोलियम उत्पादों पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है पेट्रोल और कौन से हैं वो पांच हैं पांच पेट्रोलियम उत्पाद हैं क्रूड ऑयल कच्चा तेल नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस और आपका पेट्रोल डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल वायुयान के अंदर जो फ्यूल यूज किया जाता है ये पांच हैं इनका जैम भी उत्पादन होगा जैसे ही बाड़मेर के अंदर कच्चा तेल निकाला गया तो जैसे ही निकाला जाएगा किसी ऐश्वर्या भाग्यम कौन से कौन से कुएं हैं वो उनसे जैसे निकाला जाएगा निकालते केंद्र सरकार आ जाएगी लो भैया कच्चा तेल हो गया अब लो हमें क्या दो पैसे दो तो टैक्स जो है वो लिया जाए नेचुरल गैस जहां पर भी निकाली जाएगी तो क्या कह जाएगा ये पेट्रोल फिर नेचुरल गैस ये सब कहां पे जाएंगे रिफाइनरी में और रिफाइनरी में जाएंगे तो पेट्रोल बनेगा इससे डीजल बनेगा इससे एविएशन टर्बाइन फ्यूल बनेगा और ये ये उत्पादित हुए उत्पादित हुए तो इनके ऊपर भी क्या लगेगा टैक्स लगेगा कौन सा टैक्स लगेगा एक्साइज ड्यूटी जो है इनके ऊपर लगती है यानी ह्यूमन कंजप्शन के एल्कोहॉल और पेट्रोलियम उत्पाद इनके ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है बाकी सब एक्साइज ड्यूटी को शामिल कर लिया गया है उसको जीएसटी में जो है शामिल कर लिया गया ठीक है फिर होता है कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी जो है वो लगता है किसके ऊपर ऊपर आयात निर्यात पर बाहर बाहर से कोई है भारत है, भारत से कोई कोई चीज अंदर भारत 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 आए में या गई तो इसके कौन सा टैक्स लगता है कस्टम ड्यूटी और इस कस्टम ड्यूटी को कहा जाता है बेसिक कस्टम ड्यूटी कैसी है बेसिक कस्टम ड्यूटी बेसिक कस्टम ड्यूटी या जो मूलभूत सीमा शुल्क है आधार सीमा शुल्क है वो और पहले क्या होता सरकार और भी बहुत सारे सीमा शुल्क लगाती थी बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगा देती थी स्पेशल कस्टम 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 ड्यूटी 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 लगा देती थी, लगा स्पेशल अब बेसिक को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें चीज है किसमें शामिल कर लिया गया है जीएसटी में शामिल कर लिया गया ठीक है यानी अभी भी अब भारत से अगर बा, बाहर से कोई चीज भारत में आए तो उसके ऊपर सबसे पहले तो क्या लगाएंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा देंगे ठीक है फिर उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा जीएसटी और जीएसटी में आई लगाया जाता है अभी अपन पढ़ेंगे आई क्या होता है तो बेसिक कस्टम ड्यूटी अभी भी क्या की जाती है लगाई

सेंट्रल सेल्स टैक्स केंद्रीय बिक्री कर केंद्रीय बिक्री कर किस पे लगता था एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई बिक्री हुई है गुजरात से चीज आई है राजस्थान ये सपोज करो ये बोर्ड है गुजरात में उत्पादित हुआ गुजरात में कोई फैक्ट्री है वहां पर बना था राजस्थान में इसको खरीदा गया है एक जगह से दूसरी जगह आपूर्ति हो गई बिक्री हुई है इस पर पहले एक केंद्र सरकार एक कर लगाती थी जिसको क्या कहते थे

राज्य सरकार क्या लगा सकती है जो एल्कोहल है या मादक पदार्थ हैं इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाती है और एक्साइज ड्यूटी लगाती है 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 और और कौन सी वो एक्साइज 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 ड्यूटी ड्यूटी स्टेट राज्य उत्पाद शुल्क लगता लगती इसको शामिल नहीं किया गया है जीएसटी में शामिल नहीं किया जीएसटी से पूर्णतः बाहर रखा गया यानी जो राज्य सरकार है उस राज्य सरकार ने पूर्णतः मना कर दिया कि आप हमारा बाकी कुछ भी ले लो कोई सा भी टैक्स ले लो पर शराब को हम नहीं छोड़ेंगे इसको नहीं छोड़ेंगे

और ये तो साहब क्या ही पोस्ट होती है मतलब क्या एक बार आदमी बन जाए तो उसके बाद उसकी पीडियो को कमाने की जरूरत नहीं है ऐसा कुछ लोग कहते हैं <coughs> कमाने की जरूरत होगी ऐसा थोड़ी होता है कोई तो डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर जो होता है वो होता है कहां पर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर एक्साइज को देखता है और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के नीचे के होते हैं और जो मुख्य मुख्य जिले वहां तो आर लगता है वह तो अलग से एक्साइज डिपार्टमेंट तो है ही एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर बन सकते हैं परंतु जो जिला ये जो संभाग मुख्यालय मुख्यालय है, तो है, तुम तुम तो है ये तो हम समय तो सात संभाग मुख्यालय और सातों संभाग मुख्यालय पर कौन लगता है आरएस खुद लगते है चाहे वो कितने सीनियर बन जाए पर वो क्या लगेगा डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के पद जो है उसको रखना चाहता है तो ये राज्य की है ठीक है बहुत अच्छी पोस्ट है तो इससे जो है तो तुम्हें मोटिवेशन मिलना चाहिए राज्य हो हो। से दूसरे राज्य में बिक्री सेल्स टैक्स लगता है जब एक राज्य के अंदर ही बीकानेर से जयपुर कोई वस्तु आई बीकानेर से जब तो एक राज्य के अंदर ही बिक्री हुई है राज्य के अंदर बिक्री हुई है तो क्या लगेगा टैक्स लगेगा और कौन सा टैक्स लगेगा सेल्स टैक्स

पेट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर पेट्रोलियम उत्पाद में क्रूड ऑयल वही नेचुरल गैस पेट्रोलियम पेट्रोल डीजल और एयर फ्यूल ये पांच ही हैं कच्चा तेल प्राकृतिक गैस पेट्रोल डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल ये पांच है इनके ऊपर अभी भी इनकी बिक्री होगी आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदोगे तो पेट्रोल की क्या हुई है बिक्री हुई है पेट्रोल की बिक्री हुई है तो जब बिल लोगे तो बिल के ऊपर दिखाएगा कि पेट्रोल कितने का खरीदा गया है सौ रुपए का पेट्रोल खर, खरीदा गया है और उस पर क्या लगाया गया है वैट लगाया गया है दस से दस परसेंट लगा दिया तो दस परसेंट वैट लग जाएगा टोटल कितने का हो जाएगा एक सौ दस का बिल जो है आपको मिल जाएगा तो बिल पे जीएसटी नहीं लिखा होगा क्या लिखा होगा वैट क्योंकि अभी भी वैट इस पर लगता है तो ये सेल्स टैक्स में बाकी सब में शामिल कर लिया गया पर इसके अलावा बाकी वाले एंटरटेनमेंट टैक्स मनोरंजन पे कर ये जो सिनेमा वगैरह के अंदर फिल्में लगती है उसके ऊपर टैक्स लगता था अब किस में शामिल हो गया है जीएसटी में अब ये लगता लग्जरी टैक्स विलासिता के ऊपर क्या आप कोई होटल स्पा वगैरह के अंदर रुकते हो वहां पर खर्चा करते हो तो उसके ऊपर टैक्स लगता था लग्जरी टैक्स अब उसको क्या कर लिया गया है जीएसटी में शामिल कर लिया एडवर्टाइजमेंट जो आपका जितने भी विज्ञापन विज्ञापन में भी न्यूज और टेलीविजन को छोड़कर न्यूज और टेलीविजन के विज्ञापन को छोड़ दो उसके उसके अलावा जो भी विज्ञापन ये जितने होर्डिंग वोर्डिंग है होर्डिंग के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार किसका था राज्य सरकार का और अब इसको किसमें शामिल कर लिया गया है जीएसटी में शामिल कर लिया गया या एंट्री टैक्स एक जगह से दूसरी जगह किसी राज्य में प्रवेश करते हो तो प्रवेश करते समय चुंगी लगती है होता चुंगी नाके चुंगी नाकों में क्या लगती है चुंगी प्रवेश का टैक्स लगता है और अब इसको किसमें शामिल कर लिया गया है जीएसटी में लॉटरी कोई लॉटरी कर रहे हो गैम्बलिंग बैटिंग ये सब की जा रही है कहीं पे सट्टा वट्टा लगाया जा रहा है तो जैसे राजस्थान में तो तकम ही लगता है पर ये महाराष्ट्र वगैरह में ये घोड़ों की रेस वेस होती है घोड़ों की रेस होती है तो उसके ऊपर लोग क्या लगाते हैं सट्टे लगाते हैं कि उस घोड़ों के ऊपर जो है वो रेस पे बैटिंग करते हैं तो बैटिंग करते हैं गोवा वगैरह के अंदर कैसीनो होते हैं तो कैसीनो में जाकर आप क्या कर सकते हो गैमिंग कर सकते हो लीगल है वहां पर और लीगल है तो सरकार वहां पर क्या लगा सकती है उसके ऊपर टैक्स भी लगा सकती है पर अब किस में शामिल हो गया है जीएसटी इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी ये याद रखना है ये जीएसटी में शामिल नहीं किया गया अभी भी जीएसटी से बाहर है और और कौन सी चीज को जीएसटी से बाहर रखा गया है ऐसे टैक्स जो कि किसको ट्रांसफर कर दिए गए किसी जो आपके स्थानीय बॉडी लोकल बॉडी है उसको ट्रांसफर कर दिए गए जैसे अभी हमने तो कहा कि एडवर्टाइजमेंट टैक्स ये जो बोर्ड वोर्ड्स लगे हुए हैं इनके ऊपर टैक्स लगा सकती है राज्य सरकार इसमें शामिल कर लिया है यस पर अभी भी लगता है अभी कौन लगाता है नगर निगम लगाता है कौन लगाता है नगर क्योंकि नगर निगम को आपने ट्रांसफर कर दिया कर दिया तो वो तो अभी भी लगाता रहेगा जहां पर नहीं किया तो फिर वो हट जाएगा कई जगह एंट्री टैक्स भी अभी भी लगता है आप पुष्कर जाओ एंट्री करोगे एंट्री करते ही कुछ लोग जो है वो एक फाटक सा लेके बैठे रहते हैं बंद कर देते हैं सब पैसे दो पांच रुपए दस रुपए पचास रुपए जितना भी लेते हैं एंट्री का टैक्स जो है वो लेते हैं क्यों लेते हैं वहां की म्यूनिसपल कॉर्पोरेशन वहां का जो स्थानीय बॉडी है, है वो ले रही है ऐसे ही आप माउंट आबू जाओ तो जैसे एंटर करोगे तो टैक्स जो है वो लगेगा एंट्री टैक्स जो है वो लगता है तो ये अभी भी जो स्टेट गवर्नमेंट ने किसको ट्रांसफर कर दिए स्थानीय लोकल बॉडीज को ट्रांसफर कर दिए वो अभी जीएसटी में इंक्लूड नहीं है यानी जीएसटी में इंक्लूड क्या नहीं है स्टेट एक्साइज ड्यूटी नहीं है एक्सेल टैक्स किसके ऊपर पेट्रोलियम उत्पादों पर और इलेक्ट्रिसिटी की ड्यूटी और जैसे ये ये क्वेश्चन पूछा भी गया कि ये तक, ये तक गंदा दिखता है जीएसटी के अंदर किसको अंदर किसको जीएसटी में रखा गया है व्हाट हैज बीन केप्ट अंडर दी परव्यू ऑफ किसको अंदर रखा गया मानव उपभोग के लिए शराब इसको अंदर रखा गया नहीं इसको तो बाहर रखा गया विद्युत इसको भी बाहर रखा गया पेट्रोलियम उत्पाद बाहर रखा गया घी सोच समझ के पी जीएसटी <coughs> अब क्या है जीएसटी गुड्स एंड टैक्स जीएसटी तो जीएसटी अलग से दिया गया, थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तो देखो जीएसटी की शुरुआत जो है वो वैसे आइडिया कहां से आया भारत के अंदर तो 2003 के अंदर एक टास्क फोर्स बनी थी 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय एक टास्क फोर्स बनाई थी कौन किसके नेतृत्व में विजय केलकर विजय केलकर के नेतृत्व में टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई थी और विजय केलकर टास्क फोर्स ने पहली बार कहा कि क्या लागू किया जाना चाहिए जीएसटी लागू किया जाना चाहिए उसके बाद 2006 का जो बजट है उस 2006 के बजट में घोषणा की गई कि हम जीएसटी लागू करेंगे 2010 से लागू कर देंगे परंतु राज्य सरकारों में सहमति नहीं बनी और राज्य सरकारों में सहमति नहीं बनी इसलिए जीएसटी लागू नहीं किया जा सका

से लेकर एक जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ तो 2017 से लेकर पांच साल यानी 2022 तक जितना आपको नुकसान होता है वो हर नुकसान के भरपाई कौन करेगा केंद्र सरकार जो है भरपाई करेगी और पहले उन्होंने आश्वासन दिया पर उस राज्य नहीं माने तो उन्होंने कहा हम ये बात किसमें लिख देते हैं एक अलग से कानून पारित कर देते और एक अलग से कानून जो है पारित किया गया उसमें एक आ आगे दो हजार पंद्रह पंद्रह सोलह का जो आपका टैक्स का रेवेन्यू है उसको बेस लिया जाएगा और हर साल ये मानेंगे कि 14 परसेंट का क्या हो रहा है ग्रोथ हो रही है हर साल 14 परसेंट की ग्रोथ ऐड करते जाएंगे और उस ऐड के आधार पर पता लगेगा कि इस साल में इतना होना चाहिए था पर उतना नहीं हुआ उससे कम रहा है कम रहा तो जितना कम रहा है उसको क्या कर दो वो आपको कंपनसेशन में दिया जाए तो केंद्र सरकार इतने बड़े बड़े वादे कर रही है कि दे देंगे पैसे दे देंगे पांच साल तक दे देंगे जो पैसा है सब ले जाओ कहां से आएंगे तुम्हारे पास कहां से आएंगे खुद की तो हालत खराब है तो हमारी हालत खराब पर जनता की थोड़ी है तो जनता पे क्या लगा देंगे एक अलग से टैक्स लगा देंगे जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या लगाया जाता है इसके लिए जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो लगाया जाता है टैक्स के ऊपर टैक्स होता है सरकार लगा सकती है और जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो लगाया जाता है इससे जो भी पैसा आता है वो एक जगह पर कलेक्ट हो जाता है और इसमें से फिर पैसा निकाल के लोग किसको दे देते रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट को देते रहते हैं और अभी एक विवाद हो गया केंद्र सरकार के बीच में और राज्य सरकार के बीच में क्या विवाद हुआ विवाद ये था कि जीएसटी कंपनसेशन से, से इसमें पैसे आए बहुत कम पैसे तो इसमें बहुत कम और राज्य सरकारों का जो नुकसान है वो हो गया बहुत ज्यादा क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन पहले से अर्थव्यवस्था की हालत थोड़ी खराब ही चल रही थी और फिर कोरोना में लॉकडाउन और लग गया तो हालत और ज्यादा खराब हो गई तो जो राज्य सरकारें हैं उन राज्य सरकारों ने मिला के कहा कि हमें तीन लाख करोड़ रुपए की कमी है हमारे पैसे कितने कम है तीन लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार को कहा केंद्र सरकार ने इस तरफ नजर डाली यहां पर पड़े हैं पैंसठ करोड़ यहां पे कितने मात्र करोड़ रुपए जो है जीएसटी कंपनसेशन सेस के रूप में कलेक्ट हुए हैं यानी वो पूरा पैसा पे नहीं हो सकता दो लाख पैंतीस हजार करोड़ की क्या हो गई कमी हो गई इतने कहां से लाओगे तो फिर केंद्र सरकार ने कहा नहीं 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 ये सारे तुमने कैलकुलेशन गलत है ये तो क्या है कैलकुलेशन ही गलत है क्यों गलत है तो केंद्र सरकार ने कहा देखो यार हमने तुम्हें कहा था कि हम कंपनसेशन देंगे पर हमने कहा था कि जीएसटी को लागू करने से जो नुकसान होता है उसका कंपनसेशन देंगे यहां तुम्हें जो नुकसान हुआ है वो नुकसान हुआ है कोरोना के लॉकडाउन के कारण और वो हम थोड़ी लेके आए हैं इट इज एन एक्ट ऑफ गॉड ये तो भगवान लेके आया है तो इसलिए कहा कि साहब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और ये जो तुम्हें लॉस हुआ है वो लॉस किसकी वजह से हुआ है कोरोना की वजह से हुआ है जीएसटी के लागू करने की वजह से नहीं हुआ जीएसटी कंपनसेशन सेस का या फिर यहां पर तो पैसा सिर्फ उस बात का दिया जाता है जो कि जीएसटी को लागू करने से आपके रेवेन्यू में जो कमी होती है फिर भी राज्य सरकारें नहीं मानी विवाद हुआ फिर विवाद का एक हल निकाला गया और हल में यह कहा गया कि केंद्र सरकार क्या करेगी केंद्र सरकार जो है वो आरबीआई के पास जाएगी और आरबीआई को कहेगी कि तुम ऐसा करो मार्केट से थोड़ा उधार ले लो ठीक है तो आरबीआई उधार लेगी और उधार लेके किसको देगी केंद्र को देगी और केंद्र किसको देगा राज्य को पैसा देगा पर ये पैसा कंपनसेशन नहीं है ये क्या है उधार है ये उधार है उधार है मतलब वापस चुकाना पड़ेगा हालांकि इंटरेस्ट रेट वगैरह बहुत कम होगी परंतु वापस चुकाना पड़ेगा और टाइम ड्यूरेशन भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा परंतु ये अभी भी राज्य सरकारों को मिला तो तो कंपनसेशन बिल्कुल आपका खुद का पैसा है पर ये पैसा जो है मिला तो है पर किस रूप में है? उधार के रूप में मिला है तो पहले तो उनको राज्य सरकार ने कहा नहीं, नहीं नहीं हमें उधार नहीं हमें तो पूरा पूरा पैसा दो केंद्र सरकार देख लो भाई नहीं चाहिए तुम कोई कोई बड़ी बात फिर राज्य सरकार मान गई चलो ठीक है उधार दे दो फिर एक ये भी कहा था कि आप खुद जाके ले आओ मार्केट से आप हमसे मंगवा रहे हो इससे आप खुद चलो जो आप भी अपनी सिक्योरिटी जारी कर दो और आपको दे देंगे फिर राज्य सरकार नहीं, नहीं, हमारी सिक्योरिटी में तो इंटरेस्ट क्या लगता है ज्यादा लगता है राज्यों पर लोग भरोसा कम करते हैं तो राज्यों पर इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो केंद्र को कहा कि आप ही लेके दे दो तो कम इंटरेस्ट जो है वो लगेगा तो इस तरीके से ये दिया गया और ये जो पैसे दिए जा रहे हैं इसके लिए जो योजना है उसको कहते हैं बैक टू बैक लोन तो बैक टू बैक लोन योजना ये किसका प्रयोग किसके लिए प्रयोग में की गई है जीएसटी को कंपनसेशन जो जीएसटी कंपनसेशन में जो कमी आई थी उस कमी को पूरा करने के लिए जो है इसका प्रयोग किया और इस बैक टू बैक लोन में क्या करते हैं केंद्र सरकार आरबीआई को कहती है आरबीआई लोन लेती है और लोन लेकर केंद्र को देती है और केंद्र किसको दे देती है वो राज्य सरकार राज्य सरकारों को लोन दिए जाते हैं तो ये कंपनसेशन का विवाद जो है वो कंपनसेशन का विवाद हुआ ठीक है तो ये इस प्रकार से कानून जारी कर दिए गए और एक जुलाई दो से भारत में क्या लागू कर दिया गया जीएसटी जो है वो लागू कर दिया गया अब जीएसटी के क्या सेलियंट फीचर्स होते हैं क्या विशेषताएं होती है तो सबसे पहले तो जीएसटी कर व्यापक कर है जीएसटी में, में शामिल अधिकतर शब्द है मोस्ट ऑफ दी सभी नहीं है अगर ये लिखा जाए कि ऑल ऑफ दी इनडायरेक्ट टैक्स आर इंक्लूडेड इन जीएसटी नहीं सभी नहीं है अधिकतर छोड़े भी गए हैं बहुत सारी चीजें जो है वो अलग भी रखी हुई फिर जीएसटी किस चीज पे लगता है वस्तु और सेवा की आपूर्ति पर कहीं पर भी क्या हो रही हो वस्तु और सेवा की आपूर्ति हो जैसे अभी ये आपूर्ति हो रही है सप्लाई हो रही है किस चीज की सेवा की ठीक है या फिर कोई वस्तु है एक जगह से दूसरी जगह वस्तु भेजी गई ये बोर्ड है एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया आपूर्ति होगी आपूर्ति होगी तो टैक्स लगेगा कौन सा टैक्स लगेगा जीएसटी तो जीएसटी किस चीज पर लगाया जाता है वस्तु और सेवा की आपूर्ति पर वस्तु और सेवाओं की जो आपूर्ति होती है सप्लाई होती है उस पर क्या लगाते हैं उस पे जीएसटी लगाया जाता और जीएसटी लगाने से अब राज्य सरकार के टैक्स जो है वो सब खत्म हो गए और सबके जगह एक जैसा ही टैक्स लगने लगा तो अब क्या है भारत एक यूनिफॉर्म मार्केट जो है वो बन गया तो वन नेशन वन टैक्स कौन सा सिद्धांत लागू हुआ इसके माध्यम से वन नेशन वन टैक्स पहले क्या था पहले हर राज्य जो है अपने अपने टैक्स लगाता था तो भारत देश तो एक था पर मार्केट अलग अलग था, था। आप किस जैके किस राज्य में काम कर रहे हो उसके आधार पर आप पर क्या लगेगा टैक्स लगेगा और अब कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए पूरा भारत एक ही बाजार होना चाहिए इसलिए वन नेशन वन टैक्स ये किसके माध्यम से होता है जीएसटी के माध्यम से होता है फिर जीएसटी जो है वो एक मल्टी स्टेज टैक्स है बहु जो आपका स्तर होता है वो बहु है, एक टैक्स है मल्टी स्टेज और वैल्यू एडिशन के हर स्तर पर क्या लगाया जाता है जीएसटी लगाया जाता है जैसे जैसे गेहूं किसान है किसान ने लिया गेहूं और गेहूं दिया किसको आटा चक्की वाले को कोई चक्की है उस चक्की वाले को दिया चक्की ने इसको से क्या बनाया आटा बनाया आटा किसको दे दिया ब्रेड वाले को ब्रेड की मिल जो है उसको ये मिल गया आटा लिया और इन्होंने क्या बनाया ब्रेड बना दी और ब्रेड बनाकर जो, जो कंज्यूमर उस कंज्यूमर ने ब्रेड खा ली ठीक है तो गेहूं से आटा बनना ये उसका मूल्य संवर्धन है ये क्या हुआ उसका मूल्य संवर्धित हो गया वैल्यू में एडिशन हो गया आटे से ब्रेड बनना ये भी वैल्यू में एडिशन है तो जहां जहां पर ये वैल्यू का एडिशन हुआ है चाहे वो यहां इस लेवल पर हुआ हो चाहे इस लेवल पे हुआ हो जितने जगहों पर वैल्यू का एडिशन होगा सब जगहों पर क्या लगेगा जीएसटी लगाया जाएगा तो जीएसटी क्या है इस तरीके से मल्टी स्टेज टैक्स है मल्टी स्टेज बहुस्तरीय कर है और कहां पर लगता है

की कीमत कितनी है डेढ़ सौ रुपए यानी मूल्य संवर्धन कितने का हुआ पचास रुपए का वैल्यू एडिशन कितने का हुआ पचास का यानी जीएसटी का जो टैक्स है इसको दो सौ रुपए में ब्रेड जो है बेची जा रही है कंज्यूमर को कितने को दे रहे इसने की जो कंपनी है उस ब्रेड की कंपनी ने आटा खरीदा तो था कितने का

चक्की वाले ने खरीदा इससे गेहूं गेहूं खरीदेगा तो क्या देगा एक बिल देगा बिल पे रखेगा सौ रूपये का, दस दस का, का। यानी इस चक्की वाले को कितने का पड़ा ये एक सौ दस रुपए का पड़ा जो गेहूं खरीदा वो कितने का पड़ा एक सौ दस रूपये का अब इसने पचास रुपए का क्या कर दिया वैल्यू एडिशन कर दिया पचास रुपए का वैल्यू एडिशन किया और इसको बेचा अब बेचने पर ये क्या करेगा तो ये टोटल 160 कर देगा अपने कॉस्ट को क्या कर देगा बढ़ा देगा क्योंकि ये दस रुपए भी है कॉस्ट को बढ़ा दिया अब जब यहां पर टैक्स लेगा दस तो सोलह रुपए हो गए तो यानी ये जो दस है इस दस भी क्या लगने लग, लग जाएगा टैक्स लगने लगेगा लग. भाई यहां पर वैसे होना क्या चाहिए था डेढ़ के हिसाब से लगना सिर्फ कितने चाहिए था पंद्रह रुपए लगना चाहिए था परंतु ये लगा कितना है सोलह रुपए यानी ये जो दस रुपए है ये तो क्या है टैक्स के है और टैक्स के ऊपर भी टैक्स जो है वो लग रहा है टैक्स के ऊपर ये जो टैक्स लगता है इसको क्या कहा जाता है? इसको है, है और ये अगर तरीके से लगाते हो तो ये गैर कानूनी है ये गलत तरीके से पैसा ऐसा ले रहे हो लोगों से और सरकार ऐसा कर रही थी इस तरीके से गलत तरीके से क्या करते थे टैक्स लगाते थे कैस्केडिंग इफेक्ट जो है हुआ करता था और जीएसटी के आने से कैस्केडिंग इफेक्ट क्या हो जाता है दूर हो जाता है तो इफेक्ट क्या होता है बस समझ में आ गया तो ठीक है नहीं आया तो दिमाग में जोड़ देने की जरूरत नहीं है सीधे समझो कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है टैक्स के ऊपर टैक्स होता है टैक्स के ऊपर टैक्स होता है जीएसटी के आने से हट गया अब क्या हटाया वो हट गया जो भी था वो खत्म हो गया इतना ज्यादा गणित में जाने की जरूरत नहीं आ गया तो ठीक है नहीं आया तो कोई बड़ी बात नहीं ठीक है फिर जीएसटी क्या रिमूव करता है इसका मतलब कौन से प्रभाव को दूर करता है कैस्केडिंग प्रभाव जो उसको दूर करता है फिर ये जो जीएसटी होता है वो एक ही आधार पर लगाया जाता है

ग्यारह रुपये तो का तो यानी एक सौ इक्कीस रुपए का टोटल बिल बनेगा अब यहां पर ये तो लगा रहे हैं दस पे सौ रुपए पर और राज्य सरकार लगा रही है एक सौ दस के ऊपर दोनों का आधार दोनों का बेस जो है वो क्या है अलग अलग पर जी और इसके कारण टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है इस दस रुपए के ऊपर भी टैक्स जो है वो लग रहा है ये जो ग्यारह है ना इसमें दस प्लस एक सौ प्लस, प्लस दस सौ का 10 दस परसेंट दस और दस का परसेंट दस परसेंट एक यानी ये जो दस रुपए इसके ऊपर भी टैक्स लगा है ये क्यों लग रहा था क्योंकि आधार क्या है अलग अलग अब जीएसटी लगता है तो वो वो सेम सेम आधार पर लगता है, सेम बेस पर लगता लगता है है बेस मतलब वो ऐसे लगता है कि ये अगर रुपए की चीज है तो उस पर केंद्र परसेंट तो दस परसेंट तो सौ का दस परसेंट दस फिर लगेगा एस जी अब ये एस जीएसटी भी इसी आधार पर सौ पर ही सौ परस यानी कितने का बिल आ जाएगा एक सौ बीस रुपए का यहां पर कितने का आ रहा था एक सौ इक्कीस का और यहां पर कितने का आ रहा है एक सौ रुपए का यानी एक रुपया बच गया और ये एक रुपया कौन सा है वो कैस्केडिंग इफेक्ट है इसको भी कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट टैक्स टैक्स के ऊपर तो जो जीएसटी uh, लगता है वो क्या लगता है सेम बेस पर लगता है एक ही आधार पर लगता है और एक आधार पर लगने से इसमें से क्या दूर हो जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो दूर हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोजेस सीजीएसटी एंड स्टेट गवर्नमेंट इंपोजेस एसजीएसटी केंद्र सरकार क्या लगाती है सीजीएसटी और राज्य सरकार कौन सा लगाती है टैक्स एसजीएसटी और दोनों के दोनों एक ही आधार पर लगाए जाते हैं और एक आधार लगाने से फायदा क्या होता है कैस्केडिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, मतलब? है बताकर लगा, बता लगा सकते हैं ठीक है पर बिना बताए लगाते हैं तो इंटरस्टेट सप्लाई एक राज्य से दूसरे राज्य पे गुजरात में ये बोर्ड गुजरात में बना और सप्लाई हुई है कहां पर राजस्थान में गुजरात से राजस्थान में सप्लाई हुई है तो इसके ऊपर क्या लगेगा टैक्स लगेगा और इस टैक्स को कहते हैं आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी होती है इंटरस्टेट परीएसटी है, है इंटीग्रेटेड पर। 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 जीएसटी जो है वो लगाया जाता है कौन लगाता है लगाने का काम केंद्र सरकार भाई अब जैसे यहां पर पे किया सौ रुपए की चीज थी अब आई जी लगाया बीस परसेंट यानी कितने का बीस रुपए टोटल बिल कितने का बनेगा एक सौ बीस रुपए और ये एक सौ बीस रुपए किसको दे दिए गुजरात का जो व्यापारी था जिसने इसको बनाया था उसको दे दिए यानी सौ रुपए तो उसके खुद के थे और बीस रुपए क्या है टैक्स के अब ये व्यक्ति टैक्स जमा किसको कराएगा केंद्र सरकार को किसको जमा कराएगा केंद्र सरकार को और केंद्र क्या करेगा अब इसमें से बीस रुपए आ गए केंद्र इसमें से खुद का हिस्सा तो रख लेगा केंद्र का हिस्सा कितना है दस रुपए वो तो रख लेगा और बाकी दस रुपए राज्य को दे देगा अब कौन से राज्य को दे राजस्थान को दे या को दे या गुजरात को को कौन से राज्य देता है राजस्थान इसीलिए क्योंकि जिस जहां पर होता है, जहां पर पर कंजप्शन होता है 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 वस्तु का क्या हुआ है? हुआ उपभोग उपभोग करने वाले राज्य को यह पैसा दिया जाता है इसलिए जीएसटी जो है वो कैसा टैक्स है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है कैसा है डेस्टिनेशन बेस्ड गंतव्य आधारित कर है तो जहां पर चीज का उपभोग होता है उस राज्य को जो है वो पैसा

ठीक है तो इसलिए डेस्टिनेशन टैक्स जो है इसको कहा जाता है और जीएसटी के अंदर जो है वो एक व्यवस्था होती है जिसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन सी व्यवस्था होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि आपको कर कितना चुकाना है टैक्स लाइबिलिटी कितनी है सरकार में कितना टैक्स जमा कराना है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं प्राप्त किया गया कर माइनस चुकाया गया कर आपने कितना तो क्या किया है प्राप्त किया है और कितना आपने चुकाया है? उसका अंतर क्या कर दो? है और ये क्या बना रहा है आटा और ये आटा किसको दे रहा है इस ब्रेड वाले को दे रहा है अब ब्रेड वाले को इसने आटा दिया तो बिल बनाया होगा और इसने यहां से लिया तो कितने का लिया था इस भी बिल बना होगा इधर तो सौ रुपए का बिल बना दस परसेंट टैक्स लगा दिया तो बिल बना कितने का एक सौ दस रुपए ने चक्की वाले ने चुकाया वैल्यू एडिशन वस्तु कितने की हो गई डेढ़ सौ की डेढ़ सौ की चुकाई और फिर टैक्स कितना दस परसेंट यानी पंद्रह रुपए टोटल कितना हो गया 165। इससे प्राप्त कितना किया गया टैक्स पंद्रह रुपए जो है वो प्राप्त किए पंद्रह रुपए तो इससे प्राप्त किए और इधर कितने दिए दस रुपए दिए अब इस आदमी को केंद्र सरकार में पैसे जमा कराने या राज्य सरकार को जो पैसे जमा कराने कितने रुपए रुपए जमा 5 रुप। 15 प्राप्त किया कर, गया 15 कर माइनस चुकाया चुका पंद्रह पांच रुपए और इसीलिए इसको क्या कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स इसने वैल्यू एडिशन भी कितनी की थी वैल्यू एडिशन पचास रुपए की है सौ रुपए की चीज को किसम बदल दिया डेढ़ सौ में तो वैल्यू एडिशन कितना हुआ पचास वैल्यू एडिशन में दस परसेंट टैक्स लगाओ देखे पचास रुपए टैक्स किता, लगा। 5 चुका भी किता रहा है।, 5 सिर्फ है इस व्यवस्था को क्या कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट इसको क्या कहते हैं इनपुट टैक्स बस इतना याद रखना इनपुट टैक्स क्रेडिट का इसमें जो है वो इस्तेमाल किया जाता है तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो भी होता है फिर ये जो जीएसटी है इस जीएसटी के अंदर कौन से उद्योग कौन से बिजनेसमैन है ये आटा चक्की वाला है तो इसको देना है तो कौन से है ये क्या सामान्य कोई छोटी मोटी चक्की लगा के बैठा है उसको भी देना है तो ये देखा जाता है उनका टर्न कितना है किसके आधार पर टर्न ओवर ऐसे बिजनेस ऐसी व्यवसायिक संस्थाएं जिनका टर्न ओवर लाख से ज्यादा का है सामान्य जिलों सामान्य जो स्टेट हैं राज्य उनमें चालीस लाख रुपए से ज्यादा का है उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट उत्तर पूर्व के राज्य और पहाड़ी राज्य ये उनको कहते हैं विशेष राज्य यहां पर वो वो जो टर्म है है कितनी रखी गई बीस लाख रूपये तो सामान्य राज्यों के लिए चालीस लाख ऐसी बिजनेस जिनके चालीस लाख से ज्यादा का टर्न है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और उनके लिए बीस लाख रुपए इसका ज्यादा टर्न है उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जैसे आपने आरपीएससी का फॉर्म भरा तो आपको एक आईडी मिली क्या कहते हैं उसको एसएसओ आईडी तो वैसे ही जैसे ही कोई बिजनेस वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसको एक आईडी मिलती है जिसको कहते हैं जीएसटी आई एन क्या कह देते हैं जीएसटी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो उनको मिल जाता है तो इस तरीके से जीएसटी का आइडेंटिफिकेशन नंबर उनको मिलता है और उस बिजनेस को पहचान किससे की जाती है उस जीएसटी आई एन से उसकी पहचान की जाती है तो पंद्रह तो डिजिट का जो है ये होता है और ये जो जीएसटी है फिर ये अलग अलग कई रिटर्न वगैरह जमा कराने पड़ते हैं जीएसटी की रेट कितनी है जीएसटी की रेट्स कितनी कितनी है जीरो परसेंट पांच परसेंट बारह परसेंट अट्ठारह परसेंट और अट्ठाईस परसेंट तो इसके अलावा कुछ अपवाद भी है एक्सेप्शन भी है जैसे जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट किसके लिए प्रेशियस कीमती जो पत्थर होते हैं उनके लिए कितना है कोई ये मोती है कोई रतन है उनके लिए गोल्ड के लिए तीन परसेंट

संवैधानिक संस्था कांस्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो संवैधानिक वित्त राज्य मंत्री वित्त मंत्रालय में जो जूनियर मिनिस्टर है उसको क्या कहते हैं वित्त राज्य मंत्री तो ये दोनों जो होते हैं केंद्र सरकार के प्रतिनिधि होते हैं फिर राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी होते हैं राज्य सरकारों हैं। में हर राज्य का वित्त मंत्री साथ साथ में ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसमें क्या है हाँ लेजिस्लेचर है विधायिका है तो यानी दिल्ली और पुद्दुचेर अभी जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया है जम्मू कश्मीर में होगी विधायिका पर होगी तब शामिल कर लेंगे पर अभी तक शामिल नहीं किया गया तो इसलिए उनको भी क्या कर लेते हैं तो ये सब इसके सदस्य होते हैं और ये केंद्र का जो वित्त मंत्री होता है केंद्रीय वित्त मंत्री वो इसका क्या होता है अध्यक्ष होता है वो इसका अध्यक्ष होता है चेयरमैन जो है वो कौन होगा केंद्रीय वित्त मंत्री जो है चेयरमैन होता है और ये जब निर्णय लेंगे कि कौन सी रेट रखी जाए कौन सी नहीं रखी जाए तो ये किसके आधार पर लेते हैं वोटिंग करते हैं क्या करते हैं वोटिंग करते हैं मतदान करते हैं मतदान के माध्यम से होता है और मतदान में कोई निर्णय लिया जाए या नहीं लिया जाए इसके लिए कितने परसेंट वोट होने चाहिए सेवेंटी फाइव पिचहत्तर प्रतिशत यानी तीन चौथाई जो है वो उसके पक्ष में पड़ने चाहिए तीन चौथाई मत अगर पक्ष में पड़े हैं तब तो निर्णय लिया जाएगा वरना निर्णय नहीं लिया जाएगा तो थ्री फोर्थ मेजोरिटी जो है वो होनी चाहिए यानी सिंपल मेजोरिटी नहीं है स्पेशल मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी तो क्या होती है इक्यावन परसेंट सिंपल मेजोरिटी तो है इक्यावन परसेंट और यहां पर है, 75 की है. ये है. अब केंद्र और राज्य दोनों की वोट वैल्यू में क्या होता है अंतर होता है क्योंकि केंद्र का जिम्मेदारी बड़ी है तो इसलिए उसकी वोट की वैल्यू भी ज्यादा उसकी बात की वैल्यू ज्यादा है और इसलिए वोट शेयर केंद्र सरकार को कितना है एक तिहाई वोट कितना है यानी केंद्र सरकार एक किसी भी चीज के लिए हाँ कह गए एक साइड में जो है और गए और परसेंट उधर हो गए पास करने के लिए कितने चाहिए पिछहत्तर यानी ना तो कोई अकेली केंद्र सरकार काम कर सकती है और ना ही अकेली राज्य सरकार दोनों को आपस में क्या करना पड़ेगा सहयोग सहयोग करते हैं तो जो आपका सहकारिता सहकारी, सहकारी संघवाद फेडरल स्ट्रक्चर है फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र भी है और राज्य भी है, दोनों सहयोग कर रहे हैं तो क्या होगा सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म फेडरलिज्म को को इससे क्या क्या मिलता है? बढ़ावा, मिलता है ठीक है है बढ़ावा बढ़ावा ठीक देते हैं हैं काम होते है जीएसटी काउंसिल के परिषद के काम क्या तो सबसे पहले तो जीएसटी को लागू करने में जो भी दिक्कतें आ रही है जो प्रॉब्लम आ रही है वो सब कहां पर है जीएसटी काउंसिल दूसरा जीएसटी की रेट कितनी होनी चाहिए ये जो दरें जीरो परसेंट

लगा मतलब हालांकि वैसे तो उंसिली लगाती है पर ये अधिकार रेट कौन अधिकारे किस पे लगेगी ये कौन निर्धारित करता है जीएसटी काउंसिल करते हैं तो काउंसिल निर्धारित करेगी तो काम होगा और अगर केंद्र और राज्य के बीच में जीएसटी संबंधित कोई भी विवाद है किसी प्रकार का डिस्प्यूट है जैसे भी कंपनसेशन का डिस्प्यूट आया कि कंपनसेशन पे किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए तो वो बैक टू बैक लोन लिए जाए नहीं लिए जाए ये चर्चाएं कहां पर हुई जीएसटी काउंसिल में चर्चा पेट्रोलियम उत्पादों को कब से जीएसटी में शामिल करना है ये निर्धारण कौन करेगा? GST, काउंसिल जो है फिर जीएसटी के अंदर कुछ और संस्थाएं भी बनाई गई है जब ये का अगर जब लागू हो जाएगा, तो कैस्केडिंग दूर हो जाएंगे और इनके दूर होने से क्या होगा इनके दूर होने से वस्तुएं सस्ती होगी पर कुछ व्यापारी ऐसे हो सकते हैं कि जो कि अपने लाभ को क्या कर दे बढ़ा दे लाभ को बढ़ाएंगे तो वो जो सस्ता हुआ है उसका प्रॉफिट जो है मतलब जो लाभ है जीएसटी के कारण जो सस्ती चीज हुई है उसका लाभ किसको नहीं मिल रहा है जनता को तो ऐसा कोई मुनाफाखोरी ना करे इसके लिए कौन सी ऑथोरिटी बना दी नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग ऑथोरिटी बनी राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण एक ऐसा प्राधिकरण है जो कि देखता रहता है कि किसी ने जीएसटी का जो लाभ है वो जनता को पास किया या नहीं किया फिर जीएसटी में कौन सा बिल बिल जो है, वो क्या है? दूसरी जगह तो पर बहुत सारी चीजें लिखी होती है. कि ये सामान जो है, वो किसका है अगर कोई ट्रक है एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा रहा है तो सामान किसका है किसको लेके जाया जा रहा है सामान में है क्या उसकी वैल्यू क्या है टैक्स चुकाया गया नहीं चुकाया गया ये सब लिखा जाता है और ये सब लिखा जाता है तो उसको कहते हैं रास्ता रास्ते का बिल और अब है ई वे बिल ई वे बिल्कुल इसको इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक का मतलब उसको ऐप के माध्यम से एसएमएस के माध्यम से वेबसाइट के माध्यम से उनके माध्यम से उसको जनरेट किया जा सकता है और पचास हजार से ज्यादा की वस्तु एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा रही है तो क्या मैंडेटरी है ई वे बिल जो है वो मैंडेटरी और एक होती है जीएसटी कंपोजिशन स्कीम जीएसटी कंपोजिशन स्कीम किसके लिए होती है छोटे व्यापारियों के लिए जिनकी जो टर्नओवर है वो कितना है डेढ़ करोड़ से हम क्योंकि वह जीएसटी के अंदर आपको सब हिसाब किताब रखना है कितना टैक्स लिया कितना चुकाया हर हर सा हर महीने आपको जीएसटी के रिटर्न भरने बतानी है कितनी सेल हुई है कितनी नहीं हुई है अब सामान्य कोई किराने की दुकान वाला है वो इतने सब चीजें जो है वो नहीं करता है तो उसको कोई अकाउंटेंट रखे अलग से और वो अकाउंटेंट सब चीजें मैनेज करे तो ऐसा वो नहीं करते वो नहीं करते तो उनको क्या दे दी गई एक सीधी स्कीम दे दी गई और उसको क्या दे दिया गया उसको नाम क्या दे दिया गया जीएसटी कंपोजिशन स्कीम जीएसटी कंपोजिशन स्कीम और उनको कहा कि सब सब आप आप इतने मेंटेन मत करो करो तो सम क्या दे दिया करो, एक जो टैक्स है वो दे दिया करो और तीन महीने में एक बार बता दिया करो कि आपका लगभग सेल जो है वो कितनी हुई तो लगभग सेल सेल बता दो और सेल के आधार पर लमसम क्या दे दिया करो एक परसेंट टैक्स जो है वो दे दिया करो पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको लाभ नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या नहीं मिलता है लाभ जो है वो नहीं मिलता ये ये साहब क्या जीएसटी सिंपल सा है खास है ए हो बस, ये होगा बस करंट अकाउंट डेफिसिट से कोई लेना देना है नहीं और चीन को हम पीछे छोड़ देंगे <laughs> ये देख के क्या जगह ना साहब ये तो नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चन जो अनुभव के होते हैं कई सारे क्वेश्चन कैसे मिलेंगे अनुभव से किए जाने क्या नहीं ये नहीं हो सकता चाहे तो कुछ भी हो पता और चाहे नहीं हो पर ये नहीं हो सकता ऐसा तो किसी का कोई उद्देश्य बनाया नहीं जा सकता तो ए आंसर हो जाएगा टैक्स ओवर टैक्स मैंने बात की थी एक तो सरचार्ज तो में अंतर क्या होता है? दोनों ही के लगते हैं। वो उसी उद्देश्य के लिए खर्चा किया जा सकता है जैसे मैंने कहा जीएसटी सेस तो जीएसटी कंपनसेशन सेस से जो पैसा आया वो सिर्फ और सिर्फ उसका प्रयोग कहाँ पर किया जा सकता है कंपनसेशन पे करने के लिए किया जा सकता है उससे आपको स्कूल नहीं बना सकते

फिर जैसे अपन ने देखा कि भाई टैक्स तो ग्रॉस इनकम होती है तो ग्रॉस इनकम में क्या करते हैं सभी प्राप्त सभी तरह से जो प्राप्त है तो इसी तरीके से होता है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू सभी जो कर है जितना भी टैक्स में पैसा आया वो सब कर प्राप्तियां तो क्या कहलाएगी ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू सकल कर जो है वो राजस्व कहलाता है टोटल पैसा कितना आया फिर उसमें से क्या कर देते हैं कुछ चीजें हटा देते हैं जैसे सकल आय थी उसमें से छूट हटा देते हैं तो क्या आता है टैक्सेबल इनकम आती है वैसे ही इसमें से क्या कर देंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का जो कोष होगा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का जो फंड है उसमें कुछ पैसा दे देते हैं और फिर राज्यों का जो हिस्सा है राज्यों को हिस्सा देना पड़ता है फाइनेंस कमीशन के कहने पर कितना परसेंट देते हैं अभी इकतालीस परसेंट जो आपका फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन है वो क्या कह रहा इकतालीस परसेंट पैसा जो है उनको दिया जाना चाहिए फोर्टीन फाइनेंस कमीशन ने कितना कहा था फोर्टी टू फोर्टीन फाइनेंस कमीशन ने फोर्टी टू कही थी चौदवे ने तो फोर्टी टू का था पंद्रवे ने इकतालीस यानी एक परसेंट क्या कर दिया है? कम क्यों कर दिया कम जम्मू कश्मीर के कारण कि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा वो क्या बन गया यूनियन टेरिटरी यूनियन टेरिटरी मतलब सरकार के खर्चे जो है वो बढ़े और ये जो पैसे बांटे जाते हैं राज्य के साथ उसमें सेस और सरचार्ज के पैसे शामिल नहीं होते ये ध्यान रखना है कि सेस और सरचार्ज वो क्या नहीं करते हैं उसमें शामिल नहीं करते तो ये और टैक्स रेवेन्यू अभी देखा जाए ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्या है जीएसटी है फिर इनकम टैक्स है कॉर्पोरेट टैक्स नहीं सामान्यतः टैक्स होता है पर पिछले साल ज्यादा क्या है इनकम टैक्स जो है वो ज्यादा है फिर कॉर्पोरेट टैक्स फिर एक्साइज ड्यूटी और फिर कस्टम ड्यूटी जो है ये टैक्स का ऑर्डर है इस तरीके से टैक्सेशन जो है वो टैक्स टैक्स चलता है तो ये हो गया आपका क्या फिजिकल पॉलिसी पूरा क्या हो गया फिजिकल पॉलिसी जो है वो पूरा हो गया अब फिजिकल पॉलिसी के बाद अगला पढ़ेंगे नेशनल इनकम